ने बतौर मुख्यमंत्री आज शपथ ली उनके अलावा आठ और विधायकों ने मंत्री पद की भी शपथ ली उसमें दो उप मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ हो लिए हैं वो बीजेपी जिन्हें वो सांप्रदायिक बताते थे सौहार्द बिगाड़ रही है देश को तोड़ रही है और इसीलिए इंडिया गठबंधन के रचयिता भी बन गए थे कि बीजेपी को बहुमत नहीं लाने देंगे 200 सीट नहीं लाने देंगे 100 का आंकड़ा पार नहीं करने देंगे लेकिन अब वो बीजेपी के खेवनहार की भूमिका में भी साफ आते दिखाई दे रहे हैं तो ये जो नई सरकार है दरअसल क्या नए राजनीतिक समीकरणों की ओर भी इशारा कर रही है अब राजनीतिक समीकरण क्या है नीतीश कुमार एनडीए में आने से एक अरिथमेटिक होता है और एक केमिस्ट्री अंक गणित और रसायन शास्त्र यह हमने देखा है 2019 के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू साथ आते हैं तो कमाल का राजनीतिक खेल भी होता है चालीस में से उनतालीस सीटें बीजेपी और जेडीयू जीतने में कामयाब हो गई थी एनडीए जीतने में कामयाब हो गया था तो 400 पार अब की बार 400 पार इस बात की ताल ठोकने वाली बीजेपी उन्हें दरअसल नीतीश कुमार जिनको वो पलटू राम मौका परस नंजार ने किन किन संज्ञाओं से नवाजते थे और कहते थे कि दरवाजे बंद अब कोई रास्ता नहीं कि नीतीश वापस आ जाए उनके लिए कालीन बिछा दिया बीजेपी ने क्या लड़ाई है 2024 की कि भाई इंडिया का जो गणित बन रहा है वो बिहार में नुकसान ना पहुंचा दे तो नीतीश कुमार को अगर हम ले आते हैं तो इंडिया धाराशाही हो जाएगा और नीतीश कुमार जानते-बुझते कि 45 विधायक हैं और बीजेपी के रहमो करम पर अब आगे का राजनीतिक जीवन बिताना पड़ेगा उन्होंने यह इतना बड़ा दाव क्यों खेला है वो अपना रसूख अपनी वक्त और राजनीतिक गणित में इजाफा करना चाहते हैं क्या कि बीजेपी के साथ रहेंगे सांसद सत्रह में से सोलह जीते थे और 45 की जगह और बढ़ जाएगा विधानसभा चुनाव आते आते पर पर यहां पर सवाल यह भी है यह सरकार कितने दिन चलेगी क्या यह तात्कालिक लाभ के लिए यह गठबंधन बना है और लोकसभा चुनाव के बाद खेल फिर शुरू हो जाएगा क्या तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि अभी खेला होना बाकी है 2024 के अंत तक जेडीयू खत्म हो जाएगी तो अस्तित्व पर जुआ खेल दिया है क्या नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी एक वक्त पर और नीतीश कुमार के भी उपाध्यक्ष बना दिया था उन्होंने जेडीयू का प्रशांत किशोर को प्रशांत किशोर कह रहे हैं लोकसभा चुनाव खत्म होने दीजिए छह महीने में यह सरकार गिर जाएगी तो क्या पच्चीस तक यह सरकार टिक पाती है लेकिन उससे बड़ा सवाल इंडिया के खांचे में ढांचे में ऐसी सेंदमारी कर दी कि ताश के पत्तों की तरह अब यह गठबंधन बिखर जाएगा टूट जाएगा इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि जेडीयू और उनके मुख्य जो प्रवक्ता हैं केसी त्यागी वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की नीतियों के चलते और उसके कुछ ऐसे बर्ताव के चलते कि सीटों तो का बंटवारा नहीं कर रहे संयोजक नहीं बनाया ये खैर केसी त्यागी ने नहीं कहा इंडिया बिखर रहा था कांग्रेस की कारगुजारियां थी तो हमारे पास और कोई विकल्प नहीं बचा उधर कांग्रेस कह रही है मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं हमें पहले ही अंदेशा था नीतीश बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं उन्हें संयोजक कैसे बना देते इशारों इशारों में ये बात वो भी कह गए जयराम रमेश कहते हैं कि गिरगिट को भी बदनाम कर रहे हैं नीतीश कुमार इतना रंग बदल रहे हैं पैतेश कुमार कह रहे हैं तेज प्रताप यादव तेजस्वी के बड़े भाई तो ये जो खेल हो रहा है चौबीस के लिए क्या बीजेपी को फायदा देगा या बीजेपी तो मजबूत है अपनी जगह पर जेडीयू कमजोर कड़ी भी साबित होगी या छोंक लगाने का काम करेगी और नैया पार करा देगी इस गंगा मैया में नैया पार हो जाएगी क्या एनडीए की इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं ऐसे में आज का सीधा सवाल फिर नीतीश कुमार 25 तक चलेगी सरकार ये पहला सवाल और बिखर गया इंडिया 24 में होगा खेला तो 25 की भी बात कर रहा हूं और 24 की भी और चर्चा में मेरे साथ जेडीयू के युवा चेहरा हैं उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अभिषेक झा और देखिए क्या सही वक्त पर एंट्री की है मृत्युंजय तिवारी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरजेडी के तो अभी तो साथ थे आज थोड़ा साथ और खड़े हो जाइए फिर साथ हो जाएंगे फिर साथ हो जाएंगे अभी तो खैर टूट हो गई है जब खत्म हो जाती है उस पर उस पर तो मैं आता हूं अभी शाम सुंदर शरण है हमारे साथ हम और ये हम साथ हो गया है जेडीयू के बिखरते भी रहते हैं टूटते भी रहते हैं और जुड़ते भी रहते हैं आइए मुन्ना साहब भी आ गए देखिए सब वक्त पर पहुंच गए हैं धीरेन्द्र कुमार मुन्ना एलजेपी रामविलास पासवान गुट के प्रवक्ता और दो खास मेहमान बिहार की नब कटोलते आए हैं दशकों से वरिष्ठ पत्रकार हैं कन्हैया बेलारी और प्रोफेसर संजय कुमार जाने माने राजनीतिक विश्लेषक भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं तो तीन दिन से हमें टहला रहे थे अभिषेक कि अरे अफवाहों का बाजार गर्म है पत्रकार अपने मन की बातें कह रहे हैं जो हमने कहा वही सही हुआ नहीं हमने ऐसा नहीं कहा कि पत्रकार अपने मन की बात कह रहे हैं आपका काम था कयास लगाना सूत्रों के हिसाब से खबरें चलाना और आप हमसे उस पर स्पष्टीकरण मांगते थे आप पूछते थे हमसे कि कल क्या होगा संदीप जी वो कल आज हो चुका है और ये आज आपके सामने है जो भी घटनाक्रम है वो आपके सामने है आज एक नई सरकार का गठन हुआ है बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है और कारण विस्तार से हमने भी हमारी पार्टी ने सबने बताया है क्या कारण मैं अभी तक समझ नहीं पाया देखिए बहुत सारे ऐसे कारण नीतीश कुमार जी ने कभी दबाव की राजनीति नहीं की है और नीतीश दबाव बना रहा था भाई हमारे जो सो कॉल्ड सहयोगी दल थे उनकी तरफ से हमेशा एक अनावश्यक अनाधिकृत दबाव दबाव किन चीजों का राजनीतिक रूप से बहुत सारे अनैतिक काम करने का जो लोग जिन पर आरोप है जमीन के बदले नौकरी का वो नौकरियां देकर दो हजार आठ नौ का मामला पंद्रह साल से आपकी जानकारी थी यकायक यादाश्त में ताजी हो गई ऐसा नहीं होता है संदीप जी मसला ये है कि बहुत सारे मामले हैं जो साबित हैं और बहुत सारे मामले हैं जो अंडर ट्रायल है उस पर हमें नहीं जाना में मक्खी है फिर भी दूध पी रहे थे वैसा नहीं है देखिये हम उनसे हम हर किसी से उम्मीद करते हैं कि आपकी राजनीतिक सुचिता बनी रहे पहली बात तो वो है दूसरा है कि आपने लगातार देखा है कि किस तरह से इनकी पार्टी के नेताओं ने हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियां की चाहे वो सुधाकर सिंह जी हो इनके एमएलसी सुनील सिंह उनके कई विधायक हो इनके बीजेपी वालों, वालों ने क्या कुछ किया जिनके साथ गलबैया कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री अब बन गए हैं सम्राट चौधरी सर पर पगड़ी बांधते हैं और कहते फिरते थे पगड़ी नहीं उतारूंगा जब तक गद्दी से नीतीश कुमार को नहीं उतार दूंगा अब गाड़ी में आगे बैठे हुए थे सम्राट चौधरी आज वो गाड़ी में तस्वीरें देखी होंगी ना पीछे बैठे हुए हैं नीतीश कुमार देखिये लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी होती है और जब हम विपक्ष में अभिव्यक्ति की आजादी और यहाँ पर कुटारा राजनीतिक सुचिता और मर्यादा आप इस बात को समझिए ना सम्राट चौधरी जी ने बताया कब पगड़ी उतारेंगे नहीं उतारेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कभी भी जब हमारे खिलाफ भी कहा तो राजनीतिक मर्यादा का का ख्याल रखा अच्छा मर्यादाओं में थे वो भाई आप उनके बयानों आकलन खुद कर सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल के नेता जिस तरह से लगातार बोल रहे थे वो भी आपके सामने है तो ये सारे मसले हमेशा आर जे से दिक्कत थी आपके मुख्य प्रवक्ता और सलाहकार भी हैं नीतीश कुमार के सी त्यागी कहते हैं ये कांग्रेस ने बंटाधार कर दिया कांग्रेस सीट शेयरिंग नहीं कर रही कांग्रेस अपने दम गुरूर में थी इंडिया बिखर गया या सारी वास्तविकता है संदीप जी आपने यहाँ के परिपेक्ष में पूछा तो अभी हम अपने एक पुराने साथी के विषय में बता रहे थे कांग्रेस पार्टी का जो हाल है वो आपके सामने ही है ना कुछ कदम चलने को ये तैयार नहीं है किस गुरूर में है आपको दिख रहा है इंडिया अलायंस का निर्माण अगर किसी ने भूमिका नहीं हजार बाईस में जब आपने सरकार बनाई इंडिया गठबंधन था अभिषेक नहीं महागठबंधन का एक स्वरूप बिहार में था नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन नहीं था ना इंडिया में दरार है सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा उसको बहाना बना रहे हैं 2022 में आरजेडी के साथ आपने समझौता किया तब इंडिया गठबंधन थोड़ा संदीप जी बहाना नहीं है ये वास्तविकता से इतर हम कोई बात नहीं कर रहे हैं आप बताइए कि इंडिया अलायंस जो, जो कि अब बचा नहीं है इंडिया अलायंस अगर है भी

और इसीलिए जो मांग रहे थे नहीं दिया गया देखिए आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तो खुद रबड़ स्टाम्प अध्यक्ष है ना okay. वो खुद कह रहे हो तब तो एक बात होती है अगर उनके अंदर राजनीतिक रीढ़ की हड्डी होती पूरे कांग्रेस पार्टी के अंदर तो शायद इतना बुरा हसर नहीं होता कि जहां जहां राहुल गांधी जी पग रख रहे हैं वहां वहां उनके अलायंस के साथ ही छूटते चले जा रहे हैं किस तरह की तस्वीरें आपकी प्लानिंग चल रही थी क्या इंडिया का आइडिया देंगे फिर इंडिया को ही धाराशाही कर देंगे कि हम कभी भी करते हैं तो ईमानदार प्रयास करते हैं और नीतीश कुमार जी ने हमेशा ईमानदार प्रयास किया और एक बात को समझिए हमारी कोई ना 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 आरजेडी के 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 साथ है न, के साथ न, बीजेपी के साथ है कांग्रेस बीजेपी रही विपक्ष बीजेपी तो सांप्रदायिक पार्टी है ना देश को तोड़ रही है धर्म के आधार पर बांट रही है जातिगत जनगणना करवा नहीं रही है आरक्षण विरोधी है ये मेरे बयान नहीं ये सारे नीतीश कुमार आज भी हमारी प्राथमिक में है कि देश के स्तर पर जाती है जनगणना जय श्री राम के नारे लग रहे थे प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नीतीश कुमार नहीं गए अब जय श्री राम करेंगे नीतीश कुमार होता है की राम भगवान में हमारी आस्था है की नहीं है जय श्री राम के नारे लगाएंगे आप बोलते राम बोलते थे जय जयसिया राम बोलते हैं जय सिया राम और श्री राम में फर्क है अरे हम बिहार वासी हम मिथिलावासी हैं हम राम से पहले सीता माता का नाम लेते हैं बिना सीता माता का नाम लिए हम राम भगवान का नाम नहीं लेते हैं तो इसमें आपत्ति क्या है तो राम रामलला का मंदिर है ना तो हम जय सिया राम बोलते हैं तो क्या दिक्कत है राम रामलला के मंदिर में सीता माता तो का अब जे डी यू जय सिया राम करेगी और बीजेपी जय श्री राम अलग अलग आइडियोलॉजी सांप्रदायिक नहीं होंगी और बीजेपी पार्टी न सांप्रदायिक थी ना हम इसमें विश्वास रखते हैं हम आज भी जातीय जनगणना के पक्ष में हैं हम कमिटमेंट के लिए जाने जाते हैं जनता के साथ पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं जनता के साथ जो हमारा कमिटमेंट है चाहे सात निश्चय पार्ट वन के रूप में जो जनता को डिलीवर हो चुका या सात निश्चय पार्ट टू के रूप में जिसपे काम चल रहा है बड़ा जुआ खेल दिया नीतीश कुमार ने चौबीस की लड़ाई है बीजेपी को वो सो, चार सो तो ताल थोकने के लिए अच्छा लगता है तीन सौ कैसे ना कैसे लेकर आनी है लगा कि ये इंडिया गठबंधन दिक्कत कर देगा आपके लिए दरवाजा कि इंडिया गठबंधन तो है ही नहीं इसके बाद यूज एंड थ्रो ना हो जाए आपका ऐसा नहीं होता है अगर यूज एंड थ्रो था तो बहुत सारी स्क्रिप्ट आपने देखी थी संदीप मुख्यमंत्री नहीं रह सकते हैं नीतीश कुमार जी याद आपके सामने क्या है मैं आज की बात कर रहा हूँ चौधरी उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं सुशील मोदी नहीं आपके ये ये भारतीय जनता पार्टी का अपना आंतरिक फैसला है इसमें हमारा हमारा कोई दबाव नहीं हो सकता है हम दूसरे दलों पर दबाव देने वाले दल नहीं है हर एक दल स्वतंत्र रूप से काम करता है अपने हिसाब से काम करता है ये उनकी कार्यशैली में शामिल तेजस्वी कह रहे हैं चौबीस तक जे खत्म हो जाएगी आपके उपाध्यक्ष रहे बड़े करीबी रहे नीतीश कुमार के प्रशांत किशोर कह रहे हैं ये सिर्फ चुनाव चुनाव तक का गठबंधन है ये खत्म हो जाएगा में क्या होता है जनता तय करती है पहली बात हम घमंड में नहीं आत्मगौरव में बोलते हैं और प्रशांत किशोर जी की कोई राजनीतिक प्रासंगिकता नहीं है और तेजस्वी यादव जी बयान दे रहे हैं तो उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे देखिए पूरे राष्ट्रीय जनता दल के लोग अभी साथी भी यहाँ आ चुके सत्ता विलाप आपको दिखेगा सत्ता से बाहर जाने की तीस सत्ता विलाप हो तो रहा है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे हालत ये हो गई आरजेडी की इतने देर के प्रवचन में हमारे छोटे भाई ये बता ही नहीं पाए जनता को कि हमने साथ क्यों छोड़ा हमें फक्र है गर्व है कि हम पंद्रह महीने सरकार में रहे तो वो विश्व कीर्तिमान तेजस्वी यादव जी ने बना दिया जो ना कोई भुला सकता ना कोई मिटा सकता दो लाख बीस हजार सत्तर दिनों में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया कभी कोई बांटा था। मुख्यमंत्री तो नीतीश थे ना हम क्या कह रहे हैं यही आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे ना 2020 में जब तेजस्वी यादव जी ने यह वादा किया था दस लाख नौकरी का तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था ये कहा से लाएगा पैसा कैसे देगा नौकरी नौकरी तो पहले भी लालू प्रसाद यादव ने दी पर लैंड फॉर जॉब कर दिया कि नौकरी तो दे देंगे ये चक ये, ये इतने कट्ठे मेरे नाम लिखवा संदीप जी ये विरोधियों को जेडीयू को चाहे आज लाख कोई बहाना हो अपना नया ठिकाना ढूंढने का लेकिन जनता इनको पहचानती है और हम तो कह रहे हैं कि अब आदरणीय नीतीश कुमार जी की राजनीतिक पूंजी नहीं बची है नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार संभालेंगे 24 के चुनाव का अब क्या हाल रह गया 24 के चुनाव में जनता मालिक है अयोध्या में भगवान राम लला प्रकट हुए भगवान राम लला पर भी इनको भरोसा नहीं हुआ ये लोकतंत्र का अयोध्या है बिहार लोकतंत्र की जननी। और यहाँ ये इंडिया की क्या गत हो गई अब इंडिया में क्या गत होगी इंडिया तो पूरी तरह से मजबूत है इंटैक्ट है इंडिया गठबंधन बना ही बड़े उत्तर जा रहे हैं तेजस्वी देखिए सब लोग राजनीतिक दल अपना अपना कार्यक्रम चला रहे हैं ये तो प्रॉब्लम है यही तो नीतीश कुमार कह रहे थे कि अपनी अपनी डफली अपना अपना राग अपनी अपनी डफली अपना राग का सवाल नहीं है अभी तो आपने देखा किस तरह से वहाँ चिराग पासवान जी को मनाया गया किस तरह से आदरणीय मांझी निर्माझी मैं अभी पूछूंगा मुन्ना से मैं पूछूंगा मान गए हैं क्या जनता का विश्वास अगर किसी भी व्यक्ति का किसी भी दल का विश्वसनीयता ही समाप्त हो गई तो उनकी राजनीति समाप्त होगी और हमारे नेता ने आज ऐलान किया है तेजस्वी यादव जी ने तेजस्वी यादव जी ने कहा है खेल अभी शुरू हुआ है क्या है वो खेल थोड़ा समझाइए ना खेल अभी बाकी है खेल क्या खेल बाकी है खेल का अंत तेजस्वी यादव जी करेंगे जेडीयू चौबीस में समाप्त हो जाएगी अब इसका नौबत ही नहीं आएगी मतलब जेडीयू दो फाड़ होने वाली है जीतन हो? राम माझी को भी मुख्यमंत्री का न्योता दे दिया की प्रस्ताव दे दिया पर्दे के अंदर रहने दीजिए पर्दा दो फाड़ हो रही है अब देखिए ना आगे आगे होता है क्या अब तो आज खुशी का दिन है आज अभिषेक जी को शुभकामना है बीजेपी को शुभकामना है सभी एन गठबंधन जिन्होंने सरकार बनाई है खूब शुभकामना है लेकिन कल से इनको जनता के सवालों के बौछारों का सामना करना होगा कि जो तेजस्वी यादव जी ने इतने दिनों तक सत्रह वर्षों से एनडीए का शासन है बिहार में और हमारे सत्रह महीनों का शासन काल तराजू पर रखकर कोई तौल ले वो भारी पड़ गया जंगल राज के नाम पर बदनाम था आपका राज ये, ये, गरीब, ये गरीबों का राज मजदूरों किसानों नौजवानों का ये तो रोजगार पुरुष के रूप में तेजस्वी यादव जी याद किए जाएंगे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा इनको जो इन्होंने किया है उसका बदला जनता सूद और ब्याज के साथ पाई पाई लेगा पहले तो ईडी की कार्रवाई से ही निपटना होगा 9 फरवरी को राउस एवेन्यू के सामने पेश होना होगा हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी श्री तेजस्वी यादव जी ने संघर्षों के गर्व में ही राजनीति की है और वहीं से पले बढ़े हैं चारा घोटाला भी किया हमने तो कहा ना कि जिसको जो कहना है कह दें। अभी तक आदर अब वो सब बातें अगर खुलेगी परत दर परत तो उसके लिए बहुत समय तो देना होगा खेला होना बाकी शुभकामनाएं भी दे रहे हैं धीरेन्द्र आपको मृत्युंजय तिवारी खुश है या ना है चेहरा उतरा हुआ है आपका क्यों बिल्कुल नहीं उतरा हुआ है मैं खुश हूँ क्योंकि बिहार को एक नई सरकार मिली है काम करने वाली डबल इंजन की सरकार मिली है बिहार वासियों को मैं शुभकामना देता हूं मुख्यमंत्री जी को शुभकामना देता हूं पूरे मंत्री परिषद को मैं शुभकामना देता हूं मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दे रहे हैं आपके मुख्य प्रवक्ता हैं ए के वाजपेयी कल मेरे ही कार्यक्रम पर बोले कि समाजवादी विचारधारा और विरासत को कलंकित किया है नीतीश कुमार ने आज चिराग पासवान ने कहा कि हमारे नीतिगत विरोध हैं मतभेद हैं नीतीश कुमार के साथ देखिए हम लोग पहले बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं बिहार को भी मैं हम... फर्स्ट सिटीजन बन गए हैं नीतीश कुमार जहाँ पर अगर हम क्यों बन गए हैं अगर ये मृत्युंजय तिवारी जी अगर वहाँ से अलग नहीं होते अगर आदरणीय नीतीश कुमार जी को ये ट्रबल में नहीं डालते तो आज हमारी क्या जरूरत पड़ती इन लोगों ने ट्रबल में डाला है तो क्या मैं बिहार के लोगों को बिहार के दो तो हज़ार में तो आप अलग लड़े थे ना तब तो एनडीए के हिस्सा भी नहीं रहे थे तो सरकार बनी थी तो अब आप एनडीए का हिस्सा हैं रहेंगे बिल्कुल है। आपका तो एक विधायक था वो भी चला गया बिल्कुल वो एक विधायक भी था था चला गया था। लेकिन बिहार के के लोग हमारे नेता के साथ है आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ है और हम बिल्कुल अभी एनडीए के हिस्सा हैं और आगे भी रहे 24 की लड़ाई के लिए ये पूरी तैयारी तयार, तैयारी है ये कवायद हुई है ये टूट फूट पलटना टकना ये सब हुआ छह सीट आपको दे देंगे दो दिन से अटके हुए हैं चिराग पासवान खूंटा गाड़ कर बैठे हुए थे दिल्ली में कि पटना तभी जाऊंगा पहले इस बात का जवाब दीजिए मिल गया जवाब संदीप जी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमारे हितों की रक्षा की जाएगी और मुझे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर पूर्ण विश्वास है और अगर इन लोगों की ये जो आज बिहार आपके जो हित हैं उसको आसान कर देते हैं ना 2019 में 17 बीजेपी लड़ी 17 जेडीयू लड़ी और 6 आपके बांटे आई तो इस बार सत्रह बीजेपी तो सत्रह जेडीयू को भी देनी पड़ेगी उस छे में आप भी हैं हम भी है उपेंद्र कुशवाहा भी हैं पारस बाबू भी हैं चाचा भतीजे वाला खेल भी होगा ये छे में कितने समाएंगे चालीस से ऊपर सीटें तो नहीं है ना ये बात पर्दा पर करे क्या <laughs> पर्दे ये पर्दे की बात कार्यक्रम का नाम सीधा सवाल है सीधा सवाल है लेकिन सवाल कहने को सीधा है टेढ़े भी होते हैं नहीं नहीं बिल्कुल आपके सवाल बिल्कुल सीधे होते हैं सुनने में लोगों को टेढ़े लगते हैं लेकिन संदीप जी मैं बताता हूं कि हम लोग बहुत ही मजबूती से और संतुष्टि से आगे बढ़ रहे हैं और सुबह में समा जाएंगे सब अब छे और नौ का नंबर हमको नहीं पता है आप जाएंगे श्याम बाबू मतलब सुमन साहब तो बन गए मंत्री उसी से काम चल जाएगा देखिए हम लोगों का जो मिशन है वो सुमन बाबू के मंत्री बनने और नहीं बनने का नहीं है अगर वो होता तो जितन राम मांझी मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ते वो होता तो सुमन जी मंत्री का पद नहीं छोड़ते तो जीतन राम मांझी जी का या हमारी पार्टी का जो मिशन बिहार है और बिहार के हित में हम लोगों ने जब प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लिया तो पूरे बिहार को वो आशीर्वाद आज हम लोगों ने तो आपका मिशन मिशन बिहार है नीतीश कुमार को तो पलटू राम कहते ही है दुनिया जीतन राम मांझी भी कहीं कम नहीं है ने, ने, कभी नीतीश के साथ कभी एनडीए के साथ कभी एनडीए से बाहर कितनी बार पारी है? और पाला बदल चुके हैं आधा मिनट हम बोल लेंगे तब बात निकल जाएगी इस बार पलटू नहीं हुआ इस बार सलटू होगा और जो पलटू राम कहें ना उनको हम लोग सल्टू राम बना देंगे और कैसे 2024 में और 25 में सलट देंगे जो भ्रष्टाचार के आका को अपना पुरोधा मानते हैं ना समाजवाद कर्पूरी ठाकुर और जे और लोहिया सबको बेचने वाले ही लोग अपने बेटे के लिए दंडवत हुए हैं नीतीश कुमार के यहाँ कौन नहीं जानता है कि जाकर माफ़ी वाफ़ी सब मांगी है बेटी का पोस्ट डिलीट करा रहे हैं तो कुछ करा रहे हैं उससे माफ़ी मंगवा रहे हैं राहुल गांधी से बात करवा रहे हैं उधर दौड़ रहे हैं उधर भाग रहे हैं सत्ता के लिए कौन चारों तरफ जब चारों खाने चित हो गया तब हमारे नेता को आया कि आपको अब मुख्यमंत्री बनाते हैं बाघ का कंगन लेकर के घूम रहे तो शिकारी नहीं आपने भी कहानी सुनी होगी तो राष्ट्रीय जनता दल के पॉलिटिकल कल्चर को हम सब लोग जानते हैं तो रावण की लंका में आग लगाने के लिए हम लोगों ने वहाँ से विभीषण कौन है लिया है अच्छा विभीषण को निकाल लिया विभीषण है बिल्कुल, बिल्कुल। नीतीश कुमार विभीषण ना आए तो विभीषण नहीं आते क्या विभीषण है ना नीतीश कुमार विभीषण आते कि नहीं नीतीश कुमार निश्चित तौर पर उस रावण की लंका में विभीषण है आपने सलट शब्द अभी इस्तेमाल किया वो दिमाग भी सलट गया है बहुत सारे सवाल उठाए थे जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को लेकर उसके लिए देखिए कृष्ण की परंपरा को हम लोग कायम रखे हुए हैं कृष्ण ने कई बार रण भी छोड़ा किसने रन छोड़ नाम भी स्वीकार किया किसने हर बार अपने प्रण को भी आहूत किया कई बार उन्होंने देखे अपने भक्त के प्रण को रखने के लिए भीष्म के प्रण को रखने के लिए महाभारत में हथियार भी उठाए तो आप जब जनहित में तो महाभारत में आप कौरव हैं कि पांडव हैं नहीं नहीं हम तो राम के हनुमान हैं और उस कहिए कि भारत में भगवान राम नहीं, नहीं थे ना मैं महाभारत का सवाल पूछ रहा हूँ महाभारत तो हो रहा है मा... तो महाभारत में आप कौरव की है, की भूमिका में पांडव बिहार की महाभारत में जीतन राम मांझी जी कृष्ण है ये कोई मुगालते में न रहे। अपनी सारी सेना किसी और को सौंपने के बाद भी कैसे पांडव को जिताया जाता है ये जीतन राम मांझी जी जानते हैं और ये जो भ्रष्टाचार के आका जो अपने आप को बिहार के राजा मानते हैं और ये कह रहे थे कि संघर्ष से आए हैं अब तेजस्वी यादव का कौन सा संघर्ष है कि कार्यत तराजू से तौलिये तौलिये अगर 30 किलो वजन तेजस्वी यादव का नहीं बढ़ा होगा तो फिर आप हमको जो कहिए वजन बढ़ने की बात हो रही है वो तो शारीरिक वजन की बात हो गई यहाँ राजनीतिक वजन किसका बढ़ता दिखाई दे रहा है आज जो ये गंगा किनारे पाटलीपुत्र के नाम से मशहूर इलाका वो पलटीपुत्र जैसे संदेशे भी आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे इस राजनीतिक खेला जो हुआ है ये अब किस और जाता दिख रहा है जो कुछ भी हुआ है संदीप भाई मैं यही कहूंगा कि नीतीश कुमार जीत करके भी हार गए और तेजस्वी यादव हार कर भी जीत गया ये लड़ाई में हारा नहीं है ये जो दार्शनिक सी बात कर रहे हैं राजनीति आजकल दर्शन शास्त्र को नहीं मानती हम तो पत्रकार हैं ना और मुझे फक्र है पूरा फक्र है कि आज भी बिहार ट्रेंड कर रहा है ऑफ कोर्स फॉर रॉन्ग रीजंस, ट्रेंड तो बिहार कर रहा है ना और पहली बार रही मैंने एक तरह से पहली बार हुआ मुझे पता चला कि कर्पूरी के शिष्य लोहिया के शिष्य जयप्रकाश के शिष्य इतना बड़ा पलटी इतनी बार पलटी मारते हैं यही उन्होंने सीखा है यह पहली बार हमने जाना अब हम लोग अपने बच्चों को जब नीतीश कुमार का बायोग्राफी पढ़ाएंगे ऑटोबायोग्राफी नहीं वो तो लिखेंगे नहीं तो इसमें यही पढ़ाएंगे कि बिहार के एक मुख्यमंत्री थे जिनका नाम नीतीश कुमार था वो जब मंत्री इधर चल जाते थे पोखरा के जाट बने हुए थे उन्हीं के इर्द-गिर्द जो है घूमते थे पर इसमें फायदा किसको होता दिखेगा तात्कालिक और दीर्घकालिक शॉर्ट टर्म फायदा किसको होता दिख रहा है बीजेपी 400 की ताल ठोक रही थी पर जरूरत पड़ गई ना नीतीश की तो उनके भी पेट में कहीं दर्द था आशंकाएं थी कहीं ना कहीं तो वो आशंकाएं अब दूर हो जाएंगी अरिथमेटिक और केमिस्ट्री नीतीश और मोदी की यानी कि बीजेपी जेडीयू की बीजे नया पार लगाएगी आप हमको ये बताइए कि ये पहले भी बीजेपी के लोग कहते थे कि हम 40 जीत रहे हैं अब कह रहे हैं कि 40 जीतेंगे तो पहले मैंने नहीं 40 जीत रहे थे तब ना आप कह रहे हैं कि 40 जीतेंगे अब बताइए अर्थमेटिक जो है और केमिस्ट्री की के जो बात करते हैं मुझे जो लगता है कि अभी जो लड़ाई है बराबरी बराबरी की है अभी भी बराबरी बराबरी, भी बराबरी, बराबरी की लड़ाई है और हमें मतलब आप कह रहे हैं बीजेपी तो कुछ इलाकों में अपनी मजबूती बनाए हुए थी उसको जरूरत पड़ती थी पिछड़े अति पिछड़े वोट बैंक की क्योंकि अगड़ा उनके साथ था नीतीश को साथ लाने के बाद वो इजाफा नहीं होगा जितनी उनकी आशंकाएं थी कि भाई कहीं हम 20 से नीचे भी ना चले जाएं उसमें इजाफा नहीं होगा मुझे लगता है कि लोगों के बीच में खासतौर से युवा के बीच में ये एक सिंपैथी इवन इमोंग द अपर कास्ट पीपल उसको लगता है मोह लगता है ना होला कि बताइए इसका क्या दोष था क्या मैंने क्या ऐसा किया नीतीश कुमार जो कहते हैं कि कुछ गड़बड़ होता रह, क्या गड़बड़ था जिस मंच पर आप रहते थे जिसकी अध्यक्षता आप करते थे बतौर मुख्यमंत्री रहते थे और ये लड़का रहता था बोलते थे कि पाँच का पहले कुछ होता था जी क्या होता था जी ए, कुछ होता था अब वो वहाँ सुन रहा है उसके सामने आप बोल रहे हैं

चौबीस के चुनाव में फायदा हो जाएगा एनडीए को और इंडिया की गत हो जाएगी रचयता ही हट गए इंडिया से तो इसमें नैरेटिव क्या जाता है आम आदमी के सामने संदेश क्या जाता है अब जो लोग भी समझते थे उनको कि प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट हैं तो वो तो खूंटा ऊंटा लेकर के भाग गए अब क्या प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे और वो जो समझ सोच वो अब देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि लड़ाई जो है वो बराबर बराबर ये सिर्फ चौबीस के चुनाव तक का गठबंधन है उसके बाद बिखर जाएगा चौबीस के चुनाव के बाद अगर मान लीजिए लोग कहेंगे कि आप मुख्यमंत्री पद के छोड़ छोड़िए तो फट देने फान के उधर चले जाएंगे और फिर सरकार बना लेंगे और राजद भी बना देगी और फिर उसमें भी जब डिप्टी सी हो जाएंगे वो तो ये अंतहीन धारावाहिक की तरह हो जाएगा लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने जो ये दाव खेला है देखिए मौका परस्ती की जब बात होती है तो नीतीश कुमार का नाम सबसे पहले आ रहा है राजद ने भी भाई लोगों ने 2020 में जो जनादेश दिया था वो बीजेपी और जेडीयू की सरकार को दिया था आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी भले ही क्यों ना हो लेकिन उसे जनादेश बिहार पर राज करने का नहीं मिला था तो 2022 में उन्होंने नीतीश के साथ हाथ मिलाया मौकापरस्ती उन्होंने की उन्होंने भी की तो हमाम में तो सभी नंगे हैं पर बीजेपी ने भी यह मौका परस्ती की है यह तात्कालिक लाभ के लिए यह गठबंधन बना है क्या प्रोफेसर संजय चूंकि आप पाटलिपुत्र की धरती पर हैं मैं पहले तो आपको स्वागत करता हूं एक पंक्ति से मैं अपनी बात को शुरू करता हूं विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही धरापर धूम भिक्षु होकर रहते सम्राट दया दिखलाते घर घर घूम विरासत में जिनको राज्य मिलता था गौतम बुद्ध हो या महावीर हो उन्होंने राज्य को छोड़ा और ज्ञान को उन्होंने प्रमुखता दी यहां लोकतंत्र में जनता ताकत देती है जो सवाल आपके हैं जनता आपको मैंडेट देती है और आप जनता के मैंडेट की अवहेलना करते हैं मैंडेट किसी और के साथ मिलता है सरकार किसी और के साथ घर तो वापसी हो गई मैं इसको इस रूप में नहीं मानता हूं मैं मानता हूँ कि सिद्धांतों की बलि चढ़ा दी जाती है तर्क ढूंढ दिए जाते हैं अभी कन्हैया भाई से मैं पूछ रहा था कि ये बताइए कि पार्टी के जो नेता हैं उनको इतना आत्मविश्वास कहाँ से आता है कि गठबंधन बदलते ही शब्द बदल जाते हैं उनके भाव बदल जाते हैं उनके विचार बदल जाते हैं सब कुछ अच्छा लगने लगता है और जब वो गठबंधन से दूर चले जाते हैं तो सब कुछ बुरा कैसे लगने लगता है तो मैं मानता हूँ कि सत्ता के समीकरण को साधने के लिए सिद्धांतों नीति और मूल्यों की बलि चढ़ा दी जाती है मैं मैं तो आपसे डिस्कस कर रहा था कि जहाँ तिरानवे लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे है वो कौन से बिहार की बात हम लोग कर रहे हैं? यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि जो 18 साल उन्नीसवा साल लग गया नीतीश कुमार सरकार में रहे उसमें लगभग साढ़े सोलह सत्रह साल तो बीजेपी उनके सहयोगी थी तो जब आरजेडी के साथ आए तो जंगल राज आ गया बीजेपी के साथ चल रहे नीतीश कुमार तो कोई जंगल राज नहीं वो सुशासन बाबू हो जाते हैं तो क्या बीजेपी जो कार्यकर्ता है जो यहाँ के नेता है भाई तैयारियां हो रही थी ना दो के चुनाव की लोगों को लगा दिया गया अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में तीस बत्तीस बीजेपी खुद लड़ती बिल्कुल तो बाकी लोग अब कहाँ जाएंगे क्या अंदर खाने कुछ नाराजगी है या दिल्ली में बैठे जो हम नेशनल मीडिया वाले हैं कि जी ये तो खेला हो गया और बम बम और एनडीए की नैया पार लग गई भाई कभी ऐसा होता था कि कांग्रेस के समय में एक आला कमान का फरमान जारी होता था कि केंद्रीय नेतृत्व तय कर देता था आला कमान ने आदेश दे दिया चीजें उसी के अनुसार हो जाती है बीजेपी भी अब उसी सिद्धांत पर चलती है कि केंद्रीय नेतृत्व और उसके एक बड़े लंबरदार अमित शाह जी यही झंझारपुर में आकर के बोले थे कि दरवाज़ा बंद है और कल मैं एक बड़े बीजेपी के नेता को सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि दरवाज़ा तो छोड़ दीजिए दीवारें तक टूट जाती है उन्होंने वर्लिन तक चले गए कि जब जर्मनी की दीवार टूट सकती है तो ये कौन सी दीवार है तो सत्ता का समीकरण जहां सूट करता है और 40 लोकसभा की सीटें चालीस लोकसभा की सीटों को साधने के लिए सारे सिद्धांतों मूल्यों की बलि चढ़ा दी जाती है और वहां पर फिर कहते हैं कि नहीं एनडीए मजबूत होता दिख रहा है एनडीए बिखरता दिख रहा है या इसके विपरीत होता दिख रहा है ये तो जनता पर छोड़ दीजिए चूंकि जनता के अंदर भी चूंकि ये जो बिहार है ना जिस मोक्षदायिनी गंगा के किनारे खड़े हैं और सामने जेपी सेतु वो जयप्रकाश जिसने सत्ता को कभी चिमटे से भी नहीं छुआ बदलाव का वह बाहक रहे थे वो जयप्रकाश की भूमिका यह बिहार यहाँ की जनता पॉलिटिकली बड़ी कंसस है पॉलिटिकली बड़ी कॉन्शियस है अभिषेक क्या है, है। नीतीश कुमार ने और समाजवादी विचारधारा के पुरोधा होने के नाते अब यहाँ पर प्रोफेसर संजय कुमार भी ये सवाल उठा रहे हैं समाजवादी विचारधारा को कलंकित कर दिया क्या ये आरोप रामविलास पासवान गुट जो है एलजेपी का उनके मुख्य प्रवक्ता लगा रहे हैं देखिए ये सारे आरोप निराधार हैं समाजवाद की विचारधारा को किन्ों ने बुलंद किया है ये सब ने देखा है जेपी लोहिया कर्पूरी की विचारधारा पर कौन सी पार्टी चलती है यह भी हर कोई जानता है अपने परिवार के सदस्यों को आगे नहीं बढ़ाया है यह भी हर कोई जानते हैं जो भी पार्टियां हम पर आरोप लगाती है जरा उनसे एक बार पूछ लीजिए कि उनके यहाँ परिवारवाद और वंशवाद कितना हावी जेडीयू अब अब कितनी सीटों पर लड़ेगी देखिए ये तो आने वाले भविष्य में आपको मालूम चल जाएगा समन्वय तो बन ही गया है सत्रह मतलब सत्रह तो होनी चाहिए ना सत्रह तो आर के साथ भी उस बात पर भी झगड़ा चल रहा था नहीं मुद्दा वो नहीं है सोलह हमारे सांसद जीत कर आए हैं तो सोलह तो हमारा स्वाभाविक दावा है ही सत्रह सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ी थी लेकिन हमेशा हमारी पार्टी ने कहा है कि बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बिहार के लोगों की भलाई के लिए हमेशा हम बड़ा दिल दिखाते हैं विधानसभा चुनाव तो अब जल्द नहीं होंगे ना ये विधानसभा चुनाव कब होंगे यह तो आपके सामने है फिलहाल दोस्तों में ये तो थोड़ा बता दूं मेरी जानकारी दुरुस्त कर देना मैं थोड़ा किस्म का आदमी हूँ <laughs> वो लालू प्रसाद यादव से भी यही बात हो रही थी कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव साथ होने चाहिए बीजेपी के साथ भी ये बात हुई तो बात वहां बनी क्या ऐसी कोई बात नहीं है संदीप जी ऐसी कोई बात नहीं है फिर वही बात है कि सूत्रों के हवाले से आपके साथ में। के हवाले से नहीं, पेट में थोड़ा दर्द नीतीश कुमार के ये भी था कि अरे भाई मेरे पास 45 वो बीजेपी भी मुझे आईना दिखा देती है आरजेडी भी दिखा रही है अब मुझे 45 की पैंसठ सत्तर करनी है तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ करवा दिए जाए नीतीश कुमार जी के पेट में दर्द भी नहीं होता है मन में डर नहीं होता है क्योंकि दो लाइने हैं कि जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता और हम वहाँ भी कदम रखते हैं जहाँ रास्ता नहीं होता और नीतीश जी तो रास्ता बनाते हैं और उस रास्ते पर बिहार आगे चलता है बिल्कुल सरकार बदल जाती है मुख्यमंत्री नहीं बदल हमने तो कहा ना कि हमारा स्टैंड कहाँ बदला है नीतीश कुमार जी सूबे के मुख्यमंत्री थे हैं और आगे भी रहेंगे मृत्युंजय तिवारी जी सीटों के बंटवारे में थोड़ा पेंच था ना ये सत्रह सत्रह वाला खेल देखिए जो सम्मान आदरण नीतीश कुमार जी को हमारे नेता डिप्टी सीएम श्री पूर्व डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने दिया वो लोगों ने देखा गांधी मैदान में जब नियुक्ति पत्र बट रहे थे तो नियुक्ति लेने वाले लोगों को खड़े करके माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए तालियां बजवाई थी इश्तेहार आज सारे अखबार पटे पड़े थे इस के कि मानो सारा काम तेजस्वी कर रहे थे नीतीश ने कोई काम ही नहीं किया तो हम तो कह रहे हैं कि तराजू में तौल लीजिए ना भाई क्यों नहीं नियुक्ति दिया 17 सत, में मंत्री तो नीतीश कुमार ही थे हम क्या कह रहे हैं हमारे पास विभाग था जो जो विभाग आरजेडी कोटे में था चाहे पर्यटन का हो स्वास्थ्य का हो शिक्षा का हो साहब आप देख लीजिए तुलना कर लीजिए ना ये हम एक-एक चीज का हिसाब जनता के बीच जाकर के देंगे और जनता पाई पाई का हिसाब लेगी हमें संयमित रूप से सकारात्मक राजनीति में विश्वास हमारे नेता रखते हैं और जनता के प्रति जो भरोसा और विश्वास तेजस्वी यादव जी ने इस कम उम्र में जीता है वो और बढ़ेगा आगे आगे देखिए होता है कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है देखिए ये सब तो शीर्ष नेतृत्व का विषय है जब सीटों का बंटवारा होगा पहले भी हम लोग महागठ कब होगा शुभ मुहूर्त कब निकालने वाले हैं तो बहुत जल्द हो जाएगा पहले इन सारी चीजों नीतीश चले गए ममता बनर्जी कह रही है मैं अकेला लड़ूंगी भगवंत मान कह रहे हैं आम आदमी पार्टी तेरह की तेरह लड़ेगी पंजाब में तो वो इंडिया गठबंधन बचा भी है देखिए गठबंधन दलों का होगा जनता सबसे बड़ी ताकत होती है लोकतंत्र में और जनता ने मोदी जी के खिलाफ अपना गठबंधन कर लिया है कि केंद्र की सत्ता से मोदी के मोदी के सामने कौन इंडिया की तरफ भाई ये तो विषय बाद में हम अब ये हर चीज बाद, बाद में हमारे पास इतने विकल्प है हम सामूहिकता में विश्वास करते हैं वहाँ वन मैन तो सा, सामूहिकता दिख रही है हाँ तो दिख रही है ना कि किस तरह से जोड़ तोड़ भगवान राम भी जब बेड़ा पार लगाने में विश्वास नहीं रहा तो अब ये सब कर रहे हैं ऐसी सत्ता को हम चिमटे से भी नहीं छूना पसंद करेंगे ये अटल जी ने कभी कहा था उस समय हम स्टूडेंट थे, जीतन राम मान जी तक को प्रस्ताव देते घूम भाई हम कौन कह रहा है तो अगर होना होता और कुछ करना होता तो आज ये सरकार शपथ नहीं ले पाती है जान लीजिए या इसी सत्ता को नरेंद्र मुन्ना अभी थोड़ा सा असमंजस है आप इंडिया में भी आ सकते हैं क्या तेजस्वी के साथ भी हाथ मिला सकते हैं इंडिया से देखिए संदीप जी एन तो निकल गया ना जो न्यू रखा था उसका नीतीश कुमार कैपिटल एन पूरे सूत्रधार ये लोग कहते थे उससे इंडिया से तो एन बाहर हो चुका है अब इंडिया में बचा कौन है कौन वहाँ आना चाहेगा हम लोग बिल्कुल आदर नहीं है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश को आगे लेकर के जाना चाहते हैं और वैसे भी हमारे नेता चिराग पासवान जी आप ही लोगों ने उनका उपनाम हनुमान के रूप में दिया है हाँ। हम कभी भी एनडीए से बाहर भी गए किसकी लंका में आग लगाने वाले इन लोगों की लंका में आग लगाएंगे अच्छा नीतीश कुमार भी तो विभूषण है वो लंका से आए है ना मुझे पता नहीं उन पर हाँ। मुझे कोई नहीं ये जवाब दे सकते जी ऐसा सब विभीषण विभीषण को कोई अगर उस रूप में नहीं लेना विभीषण अगर नहीं आते तो रावण की नाभि का पता कौन बताता तो तो नीतीश कुमार जी वहाँ जाके उनके नाभि का सब पता उता कर लिए हैं अब बड़ा कह रहे थे कि चाचा को बहुत इज्जत दिए दो फीता दो कैंची लेकर घूमते थे कुछ चीज का उद्घाटन होता था तो दो फीता दो कैंची कैंची लेकर घूमेगी एनडीए एनडीए में कितनी अब कैची, अब कैची ले नहीं के के पाठक जी के इंजेक्शन का दर्द ऐसा की इनके शिक्षा मंत्री यहाँ पर कैची तक बात आ गई है गंगा मैया के किनारे हम खड़े हैं पाटली पुत्र में तो बिहार में खेला तो हो गया लेकिन खेला का अंतिम अध्याय यानी कि वो मुकम्मल हो गया है क्या ये अभी देखने वाली बात है 2024 तक के लिए ये गठबंधन है आगे चलेगा क्या कोई सिंपति फैक्टर होगा या अरिथमेटिक केमिस्ट्री काम करेगी मोदी और नीतीश कुमार की एनडीए का बंटाधार हो गया है या उसे और ताकत आने वाले दिनों में मिल सकती है कि भाई जो लोग विभीषण साबित हुए अब वो हट गए हैं या टाइम इज रनिंग आउट नमस्कार मैं हूं संदीप चौधरी आज सीधा सवाल मैं सीधे पटना बिहार की राजधानी पटना से कर रहा हूं पाटली पुत्र से गंगा किनारे हूं मैं यहां मेरे बाई और गंगा नदी बह रही है यह सोनपुर का पुल है मरीन ड्राइव कहते हैं इसे दीघा घाट है लेकिन बिहार में क्यों हूं यह आप जानते ही हैं बिहार में सरकार बदल गई है मुख्यमंत्री वही है ये अपने आप में एक बड़ी कहानी कहता है नौवीं बार नीतीश कुमार ने बतौर मुख्यमंत्री आज शपथ ली उनके अलावा आठ और विधायकों ने मंत्री पद की भी शपथ ली उसमें दो उप मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ हो लिए हैं वो बीजेपी जिन्हें वो सांप्रदायिक बताते थे सौहार्द बिगाड़ रही है देश को तोड़ रही है और इसीलिए इंडिया गठबंधन के रचयिता भी बन गए थे कि बीजेपी को बहुमत नहीं लाने देंगे 200 सीट नहीं लाने देंगे 100 का आंकड़ा पार नहीं करने देंगे लेकिन अब वो बीजेपी के खेवनहार की भूमिका में भी साफ आते दिखाई दे रहे हैं तो ये जो नई सरकार है दरअसल क्या नए राजनीतिक समीकरणों की ओर भी इशारा कर रही है अब राजनीतिक समीकरण क्या है नीतीश कुमार एनडीए में आने से एक अरिथमेटिक होता है और एक केमिस्ट्री अंक गणित और रसायन शास्त्र यह हमने देखा है 2019 के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू साथ आते हैं तो कमाल का राजनीतिक खेल भी होता है चालीस में से उनतालीस सीटें बीजेपी और जेडीयू जीतने में कामयाब हो गई थी एनडीए जीतने में कामयाब हो गया था तो 400 पार अब की बार 400 पार इस बात की ताल ठोकने वाली बीजेपी उन्हें दरअसल नीतीश कुमार जिनको वो पलटू राम मौका परस नमजान ने किन किन संज्ञाओं से नवाजते थे और कहते थे कि दरवाजे बंद अब कोई रास्ता नहीं कि नीतीश वापस आ जाएं उनके लिए कालीन बिछा दिया बीजेपी ने क्या लड़ाई है 2024 की कि भाई इंडिया का जो गणित बन रहा है वो बिहार में नुकसान ना पहुंचा दे तो नीतीश कुमार को अगर हम ले आते हैं तो इंडिया धाराशाही हो जाएगा और नीतीश कुमार ये जानते बूझते कि 45 विधायक हैं और बीजेपी के रहमो कर्म पर अब आगे का राजनीतिक जीवन बिताना पड़ेगा उन्होंने ये इतना बड़ा दाव क्यों खेला है वो अपना रसूख अपनी वक्त और राजनीतिक गणित में इजाफा करना चाहते हैं क्या कि बीजेपी के साथ रहेंगे सांसद सत्रह में से सोलह जीते थे और पैतालीस की जगह और बढ़ जाएगा विधानसभा चुनाव आते आते आंकड़ा पर यहां पर सवाल ये भी है ये सरकार कितने दिन चलेगी क्या ये तात्कालिक लाभ के लिए यह गठबंधन बना है और लोकसभा चुनाव के बाद खेल फिर शुरू हो जाएगा क्या तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि अभी खेला होना बाकी है 2024 के अंत तक जेडीयू खत्म हो जाएगी तो अस्तित्व पर जुआ खेल दिया है क्या नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी एक वक्त पर और नीतीश कुमार के भी उपाध्यक्ष बना दिया था उन्होंने जेडीयू का प्रशांत किशोर को प्रशांत किशोर कह रहे हैं लोकसभा चुनाव खत्म होने दीजिए छह महीने में यह सरकार गिर जाएगी तो क्या पच्चीस तक यह सरकार टिक पाती है लेकिन उससे बड़ा सवाल इंडिया के खांचे में ढांचे में ऐसी कर दी कि ताश के पत्तों की तरह गठबंधन बिखर जाएगा टूट जाएगा इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि जेडीयू और उनके मुख्य जो प्रवक्ता हैं केसी त्यागी वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की नीतियों के चलते और उसके कुछ ऐसे बर्ताव के चलते सीटों तो का बंटवारा नहीं कर रहे संयोजक नहीं बनाया यह खैर के सी त्यागी ने नहीं कहा इंडिया बिखर रहा था कांग्रेस की कारगुजारियां थी तो हमारे पास और कोई विकल्प नहीं बचा उधर कांग्रेस कह रही है मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं हमें पहले ही अंदेशा था नीतीश बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं उन्हें संयोजक कैसे बना देते इशारों इशारों में यह बात वो भी कह गए जयराम रमेश कहते हैं कि गिरगिट को भी बदनाम कर रहे हैं नीतीश कुमार इतना रंग बदल रहे हैं पैतृश कुमार कह रहे हैं तेज प्रताप यादव तेजस्वी के बड़े भाई तो ये जो खेल हो रहा है 24 के लिए क्या बीजेपी को फायदा देगा या बीजेपी तो मजबूत है अपनी जगह पर जेडीयू कमजोर कड़ी भी साबित होगी या छोंक लगाने का काम करेगी और नैया पार करा देगी इस गंगा मैया में नैया पार हो जाएगी क्या एनडीए की इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं ऐसे में आज का सीधा सवाल फिर नीतीश कुमार 25 तक चलेगी सरकार ये पहला सवाल और बिखर गया इंडिया चौबीस में होगा खेला तो पच्चीस की भी बात कर रहा हूं और चौबीस की भी और चर्चा में मेरे साथ जेडीयू के युवा चेहरा हैं उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अभिषेक झा और देखिए क्या सही वक्त पर एंट्री की है मृत्युंजय तिवारी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता है आरजेडी के तो अभी तो साथ थे आज थोड़ा साथ और खड़े हो जाइए फिर साथ हो जाएंगे फिर साथ हो जाएंगे अभी तो खैर टूट हो गई है है उस उस पर उस पर मैं आता हूं अभी सुंदर हमारे साथ हम और ये हम साथ हो गया है जेडीयू के बिखरते भी रहते हैं टूटते भी रहते हैं और जुड़ते भी रहते हैं आइए मुन्ना साहब भी आ गए देखिए सब वक्त पर पहुंच गए हैं धीरेन्द्र कुमार मुन्ना एलजेपी रामविलास पासवान गुट के प्रवक्ता और दो खास मेहमान बिहार की नब्स टटोलते आए हैं दशकों से वरिष्ठ पत्रकार हैं कन्हैया बेलारी और प्रोफेसर संजय कुमार जाने माने राजनीतिक विश्लेषक भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं तो तीन दिन से हमें टहला रहे थे अभिषेक कि अरे अफवाहों का बाजार गर्म है पत्रकार अपने मन की बातें कह रहे हैं जो हमने कहा वही सही हुआ नहीं हमने ऐसा नहीं कहा कि पत्रकार अपने मन की बात कह रहे हैं आपका काम था कयास लगाना सूत्रों के हिसाब से खबरें चलाना और आप हमसे उस पर स्पष्टीकरण मांगते थे आप पूछते थे हमसे कि कल क्या होगा संदीप जी वो कल आज हो चुका है और ये आज आपके सामने है जो भी घटनाक्रम है वो आपके सामने है आज एक नई सरकार का गठन हुआ है बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है और कारण विस्तार से हमने भी हमारी पार्टी ने सबने बताया है क्या कारण मैं अभी तक समझ नहीं पाया देखिए बहुत सारे ऐसे कारण नीतीश कुमार जी ने कभी दबाव की राजनीति नहीं की है और नीतीश दबाव बना रहा था हमारे जो सोकॉल सहयोगी दल थे उनकी तरफ से हमेशा एक अनावश्यक अनाधिकृत दबाव दबाव किन चीजों का राजनीतिक रूप से बहुत सारे अनैतिक काम करने का जो लोग जिन पर आरोप है जमीन के बदले नौकरी का वो नौकरियां देकर दो हजार आठ नौ का मामला पंद्रह साल से आपकी जानकारी थी यकायक यादाश्त में ताजी हो गई ऐसा नहीं होता है संदीप जी मसला ये है कि बहुत सारे मामले हैं जो साबित हैं और बहुत सारे मामले हैं जो अंडर ट्रायल है उस पर हमें नहीं जाना दूध मक्खी है फिर भी दूध पी रहे थे वैसा नहीं है देखिए हम उनसे हम हर किसी से ये उम्मीद करते हैं कि आपकी राजनीतिक सुचिता बनी रहे पहली बात तो वो है

भाई आप बयानों का क्यून खुद कर सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल के नेता जिस तरह से लगातार बोल रहे थे वो भी आपके सामने है। तो ये सारे मसले हमेशा तो आरजेडी से नहीं नहीं। दिक्कत थी आपके मुख्य प्रवक्ता और सलाहकार भी है नीतीश कुमार के केसी त्यागी कहते हैं ये कांग्रेस ने, ने बंटाधार कर दिया नहीं नहीं कांग्रेस सीट शेयरिंग नहीं कर रही कांग्रेस अपने दम गुरूर में थी इंडिया बिखर गया यह सारी चीजें वास्तविकता है संदीप जी आपने यहाँ के परिपेक्ष में पूछा तो अभी हम अपने पुराने साथी के विषय में बता रहे थे कांग्रेस पार्टी का जो हाल है वो आपके सामने ही है ना कुछ कदम चलने को ये तैयार नहीं है किस गुरूर में है आपको दिख रहा है इंडिया अलायंस का निर्माण अगर किसी ने भूमिका निभा दो हजार बाईस में जब आपने सरकार बनाई इंडिया गठबंधन था अभिषेक नहीं महागठबंधन का एक स्वरूप बिहार में था कुमार जी ने इंडिया गठबंधन नहीं था ना इंडिया में दरार है सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा उसको बहाना बना रहे हैं 2022 में आरजेडी के साथ लीड़ी। आपने समझौता किया तब इंडिया गठबंधन थोड़ा संदीप जी बहाना नहीं है ये वास्तविकता से इतर हम कोई बात नहीं कर रहे हैं आप बताइए कि इंडिया अलायंस जो कि अब बचा नहीं है इंडिया अलायंस अगर है भी

और इसीलिए जो मांग रहे थे नहीं दिया गया। देखिए आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तो खुद रबर स्टाम्प अध्यक्ष है ना okay. वो खुद कह रहे हो तब तो एक बात होती है अगर उनके अंदर राजनीतिक रीढ़ की हड्डी होती पूरे कांग्रेस पार्टी के अंदर hmm. तो शायद इतना बुरा हसर नहीं होता कि जहां जहां राहुल गांधी जी बग रख रहे हैं वहां वहां उनके अलायंस के साथ ही छूटते चले जा रहे हैं किस तरह की तस्वीरें आप भी प्लानिंग चल रही थी क्या इंडिया का आइडिया देंगे फिर इंडिया को ही धाराशाही कर देंगे कि हम कभी भी करते हैं तो ईमानदार प्रयास करते हैं और नीतीश कुमार जी ने हमेशा ईमानदार प्रयास किया और एक बात को समझिए हमारी कोई वेमनस्ता ना आरजेडी के साथ है ना कांग्रेस के साथ ना बीजेपी के साथ रही विपक्ष और बीजेपी तो सांप्रदायिक पार्टी है ना देश को तोड़ रही है धर्म के आधार पर बांट रही है जातिगत जनगणना करवा नहीं रही है आरक्षण विरोधी है ये मेरे बयान नहीं ये सारे नीतीश कुमार के बयान आज भी हमारी प्राथमिकता में है कि देश के स्तर पर नारे लग रहे थे प्राण प्रतिष्ठा के, 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 के कार्यक्रम में नीतीश कुमार नहीं गए अब जय श्री राम करेंगे नीतीश कुमार होता है की राम भगवान में हमारी आस्था है की नहीं है जय श्री राम के नारे लगाएंगे आप राम बोलते थे जय जयसिया राम बोलते हैं जय सिया राम और श्री राम में फर्क है अरे हम बिहारवासी हैं हम मिथिला वासी हैं हम राम से पहले सीता माता का नाम लेते हैं बिना सीता माता का नाम लिए हम राम भगवान का नाम नहीं लेते हैं तो आपत्ति क्या तो है तो राम रामलला का मंदिर है ना तो हम जय सिया राम बोलते हैं तो क्या दिक्कत है राम रामलला के मंदिर में सीता माता तो का अब जे डी यू जय सिया राम करेगी और बीजेपी जय श्री राम अलग अलग आइडियोलॉजी सांप्रदायिक नहीं होंगी और बीजेपी पार्टी न सांप्रदायिक थी ना हम इसमें विश्वास रखते हैं हम आज भी जातीय जनगणना के पक्ष में हैं हम कमिटमेंट के लिए जाने जाते हैं जनता के साथ पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं जनता के साथ जो हमारा कमिटमेंट है चाहे सात निश्चय पार्ट वन के रूप में जो जनता को डिलीवर हो चुका या सात निश्चय पार्ट टू के रूप में जिसपे काम चल रहा है बड़ा जुआ खेल दिया नीतीश कुमार ने चौबीस की लड़ाई है बीजेपी को वो सो, चार सो तो ताल थोकने के लिए अच्छा लगता है तीन सौ कैसे ना कैसे लेकर आनी है लगा कि ये इंडिया गठबंधन दिक्कत कर देगा आपके लिए दरवाजा कि इंडिया गठबंधन तो है ही नहीं इसके बाद यूज एंड थ्रो ना हो जाए आपका ऐसा नहीं होता है अगर यूज एंड थ्रो था तो बहुत सारी स्क्रिप्ट आपने देखी थी संदीप मुख्यमंत्री नहीं रह सकते हैं नीतीश कुमार जी आज आपके सामने क्या है मैं आज की बात कर रहा हूँ चौधरी उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं सुशील मोदी नहीं आपके ये ये भारतीय जनता पार्टी का अपना आंतरिक फैसला है इसमें हमारा हमारा कोई दबाव नहीं हो सकता है हम दूसरे दलों पर दबाव देने वाले दल नहीं है हर एक दल स्वतंत्र रूप से काम करता है अपने हिसाब से काम करता है ये उनकी कार्यशैली में शामिल तेजस्वी कह रहे हैं चौबीस तक जेडीयू खत्म हो जाएगी आपके उपाध्यक्ष रहे बड़े करीबी रहे नीतीश कुमार के प्रशांत किशोर कह रहे हैं ये सिर्फ चुनाव चुनाव तक का गठबंधन है ये खत्म हो जाएगा चुनाव। ब, 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 में क्या होता है जनता तय करती है पहली बात हम घमंड में नहीं आत्मगौरव में बोलते हैं और प्रशांत किशोर जी की कोई राजनीतिक प्रासंगिकता नहीं है और तेजस्वी यादव जी बयान दे रहे हैं तो उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे देखिए पूरे राष्ट्रीय जनता दल के लोग अभी साथी भी यहाँ आ चुके सत्ता विलाप आपको दिखेगा सत्ता से बाहर जाने की टीस सत्ता विलाप हो रहा है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे हालत ये हो गई आरजेडी की इतने देर के प्रवचन में हमारे छोटे भाई ये बता ही नहीं पाए जनता को कि हमने साथ क्यों छोड़ा हमें फक्र है गर्व है कि हम 15 महीने सरकार में रहे तो वो विश्व कीर्तिमान तेजस्वी यादव जी ने बना दिया जो न कोई भुला सकता ना कोई मिटा सकता दो लाख बीस हजार सत्तर दिनों में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया कभी कोई बांटा था मुख्यमंत्री तो नीतीश थे ना हम क्या कह रहे हैं यही आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे ना 2020 में जब तेजस्वी यादव जी ने यह वादा किया था दस लाख नौकरी का तो आदरण नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था ये कहा से लाएगा पैसा कैसे देगा नौकरी नौकरी तो पहले भी लालू प्रसाद यादव ने दी पर लैंड फॉर जॉब कर दिया कि नौकरी तो दे देंगे ये चक ये चक इतने मेरे नाम संदीप जी ये विरोधियों को जेडीयू को चाहे आज लाख कोई बहाना हो अपना नया ठिकाना ढूंढने का लेकिन जनता इनको पहचानती है और हम तो कह रहे हैं कि अब आदरणीय नीतीश कुमार जी की राजनीतिक पूंजी नहीं बची है नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार संभालेंगे 24 के चुनाव का अब क्या हाल रह गया 24 के चुनाव में जनता मालिक है अयोध्या में भगवान राम लला प्रकट हुए भगवान राम लला पर भी इनको भरोसा नहीं हुआ ये लोकतंत्र का अयोध्या है बिहार लोकतंत्र की जननी और यहाँ ये इंडिया की क्या गत हो गई अब इंडिया में क्या गत होगी इंडिया तो पूरी तरह से मजबूत है इंटैक्ट है इंडिया गठबंधन बना ही बड़े उत्तर जा रहे हैं तेजस्वी देखिए सब लोग राजनीतिक दल अपना अपना कार्यक्रम चला रहे हैं ये तो प्रॉब्लम है यही तो नीतीश कुमार कह रहे थे कि अपनी अपनी, -अपनी डफली अपना अपना राग अपनी अपनी डफली अपना राग का सवाल नहीं है अभी तो आपने देखा किस तरह से वहाँ चिराग पासवान जी को मनाया गया किस तरह से आदरणीय यादव निर्माण मैं अभी पूछूंगा मुन्ना से मैं पूछूंगा मान गए हैं क्या जनता का विश्वास अगर किसी भी व्यक्ति का किसी भी दल का विश्वसनीयता ही समाप्त हो गई तो उनकी राजनीति समाप्त होगी और हमारे नेता ने आज ऐलान किया है तेजस्वी यादव जी ने तेजस्वी यादव जी ने कहा है खेल अभी शुरू हुआ है क्या है वो खेल थोड़ा समझाइए ना खेल अभी बाकी है खेल क्या ना? खेल बाकी है? खेल का अंत तेजस्वी यादव जी करेंगे जेडीयू चौबीस में समाप्त हो जाएगी अब इसका नौबत ही नहीं आएगी मतलब जेडीयू दो फाड़ होने वाली है जीतन हो? राम माझी को भी मुख्यमंत्री का न्योता दे दिया की प्रस्ताव दे दिया पर्दे के अंदर रहने दीजिए पर्दा दो फाड़ हो रही है अब देखिए ना आगे आगे होता है क्या अब तो आज खुशी का दिन है आज अभिषेक जी को शुभकामना है बीजेपी को शुभकामना है सभी एनडीए गठबंधन जिन्होंने सरकार बनाई है खूब शुभकामना है लेकिन कल से इनको जनता के सवालों के बौछारों का सामना करना होगा कि जो तेजस्वी यादव जी ने इतने दिनों तक सत्रह वर्षों से एनडीए का शासन है बिहार में और हमारे सत्रह महीनों का शासनकाल तराजू पर रखकर कोई तौल ले वो भारी पड़ गया जंगल राज के नाम पर बदनाम था आपका राज ये ये, गरीब, ये गरीबों का राज मजदूरों किसानों नौजवानों का ये तो रोजगार पुरुष के रूप में तेजस्वी यादव जी याद किए जाएंगे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा इनको जो इन्होंने किया है उसका बदला जनता सूद और ब्याज के साथ पाई पाई लेगा पहले तो ईडी की कार्रवाई से ही निपटना होगा 9 फरवरी को राउस एवेन्यू के सामने पेश होना होगा हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी श्री तेजस्वी यादव जी ने संघर्षों के गर्व में ही राजनीति की है और वहीं से पले बढ़े हैं चारा घोटाला भी किया हमने तो कहा ना कि जिसको जो कहना है कह दे अभी तक आदर अब वो सब बातें अगर खुलेगी परत दर परत तो उसके लिए बहुत समय तो देना होगा खेला होना बाकी शुभकामनाएं भी दे रहे हैं धीरेन्द्र आपको मृत्युंजय तिवारी खुश है या ना खुश है चेहरा उतरा हुआ है आपका क्यों बिल्कुल नहीं उतरा हुआ है मैं खुश हूँ क्योंकि बिहार को एक नई सरकार मिली है काम करने वाली डबल इंजन की सरकार मिली है बिहार वासियों को मैं शुभकामना देता हूँ मुख्यमंत्री जी को शुभकामना देता हूँ पूरे मंत्री परिषद को मैं शुभकामना देता हूँ मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दे रहे हैं आपके मुख्य प्रवक्ता हैं ए के वाजपेयी कल मेरे ही कार्यक्रम पर बोले कि समाजवादी विचारधारा और विरासत को कलंकित किया है नीतीश कुमार ने आज चिराग पासवान ने कहा कि हमारे नीतिगत विरोध हैं मतभेद हैं नीतीश कुमार के साथ देखिए हम लोग पहले बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं बिहार को उस भी हम... फर्स्ट सिटीजन बन गए हैं नीतीश कुमार जहाँ पर अगर हम क्यों बन गए हैं अगर ये मृत्युंजय तिवारी जी अगर वहाँ से अलग नहीं होते अगर आदरणीय नीतीश कुमार जी को ये ट्रबल में नहीं डालते तो आज हमारी क्या जरूरत पड़ती इन लोगों ने ट्रबल में डाला है तो क्या मैं बिहार के लोगों को बिहार के दो हजार में तो आप अलग लड़े थे ना तब तो एन के हिस्सा भी नहीं रहे थे तो सरकार बनी थी

खूंका गाड़ कर बैठे हुए थे दिल्ली में कि पटना तभी जाऊंगा पहले इस बात का जवाब दीजिए मिल गया जवाब संदीप जी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमारे हितों की रक्षा की जाएगी और मुझे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर पूर्ण विश्वास है और अगर इन लोगों के ये जो आज बिहार आपके जो हित हैं उसको आसान कर देते हैं ना 2019 में 17 बीजेपी लड़ी 17 जेडीयू लड़ी और छः आपके बांटे आई तो इस बार सत्रह बीजेपी तो सत्रह जेडीयू को भी देनी पड़ेगी उस छह में आप भी हैं हम भी है उपेंद्र कुशवाहा भी हैं पारस बाबू भी हैं चाचा भतीजे वाला खेल भी होगा ये छह में कितने समाएंगे चालीस से ऊपर सीटें तो नहीं है ना ये बात पर्दा पर करें क्या <laughs> पर्दे ये, की बात, ये पर्दे की बात कार्यक्रम का नाम सीधा सवाल है सीधा सवाल है लेकिन सवाल कहने को सीधा है टेढ़े भी होते हैं नहीं नहीं बिल्कुल आपके सवाल बिल्कुल सीधे होते हैं सुनने में लोगों को टेढ़े लगते हैं लेकिन संदीप जी मैं बताता हूं कि हम लोग बहुत ही मजबूती से और संतुष्टि से आगे बढ़ रहे हैं और सुख में समा जाएंगे सब अब और छो का नंबर हमको नहीं पता है आप समा जाएंगे श्याम बाबू मतलब सुमन साहब तो बन गए मंत्री उसी से काम चल जाएगा देखिए हम लोगों का जो मिशन है वो सुमन बाबू के मंत्री बनने और नहीं बनने का नहीं है अगर वो होता तो जितन राम मांझी मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ते वो होता तो सुमन जी मंत्री का पद नहीं छोड़ते तो जीतन राम मांझी जी का या हमारी पार्टी का जो मिशन बिहार है और बिहार के हित में हम लोगों ने जब प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लिया तो पूरे बिहार को वो आशीर्वाद आज हम लोगों ने तो आपका मिशन मिशन बिहार है नीतीश कुमार को तो पलटू राम कहते ही है दुनिया जीतन राम मांझी भी कहीं कम नहीं है ने, ने, कभी नीतीश के साथ कभी एनडीए के साथ कभी एनडीए से बाहर कितनी बार पारी है? और पाला बदल चुके हैं आधा मिनट हम बोल लेंगे तब बात निकल जाएगी इस बार पलटू नहीं हुआ इस बार सलटू होगा और जो पलटू राम कहें ना उनको हम लोग सल्टू राम बना देंगे और कैसे 2024 में और 25 में सलट देंगे जो भ्रष्टाचार के आका को अपना पुरोधा मानते हैं ना समाजवाद कर्पूरी ठाकुर और जेपी और लोहिया सबको बेचने वाले ही लोग अपने बेटे के लिए दंडवत हुए हैं नीतीश कुमार के यहाँ कौन नहीं जानता कि जाकर माफ़ी वाफ़ी सब मांगी है बेटी का पोस्ट डिलीट करा रहे हैं तो कुछ करा रहे हैं उससे माफ़ी मंगवा रहे हैं राहुल गांधी से बात करवा रहे हैं उधर दौड़ रहे हैं उधर भाग रहे हैं सत्ता के लिए कौन चारों तरफ जब चारों खाने चित हो गया तब हमारे नेता को आया कि आपको अब मुख्यमंत्री बनाते हैं बाघ का, का कंगन लेकर के घूम रहे तो शिकारी नहीं आपने भी कहानी सुनी होगी तो राष्ट्रीय जनता दल के पॉलिटिकल कल्चर को हम सब लोग जानते हैं तो रावण की लंका में आग लगाने के लिए हम लोगों ने वहां से विभीषण कौन है? लिया है अच्छा विभीषण को निकाल लिया विभीषण है बिल्कुल, बिल्कुल। नीतीश कुमार विभीषण आए तो विभीषण नहीं आते क्या विभीषण है ना नीतीश कुमार विभीषण आते कि नहीं नीतीश कुमार विभिषित तौर पर उस रावण की लंका में विभीषण है आपने सलट शब्द भी इस्तेमाल किया वो दिमाग भी सलट गया है बहुत सारे सवाल उठाए थे जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को लेकर उसके लिए देखिए कृष्ण की परंपरा को हम लोग कायम कर रखे हुए हैं कृष्ण ने कई बार रण भी छोड़ा कृष्ण ने रन छोड़ नाम भी स्वीकार किया कृष्ण ने हर बार अपने प्रण को भी आहूत किया कई बार उन्होंने देखे अपने भक्त के प्रण को रखने के लिए भीष्म के प्रण को रखने के लिए महाभारत में हथियार भी उठाए तो आप जब जनहित में तो महाभारत में आप कौरव हैं कि पांडव हैं नहीं नहीं हम तो राम के हनुमान हैं और उस कहिए कि में भगवान राम नहीं थे ना मैं महाभारत का सवाल पूछ रहा हूँ महाभारत तो हो रहा है मा... तो महाभारत में आप कौरव की भूमिका में हैं पांडव की बिहार की महाभारत में जीतन राम मांझी जी कृष्ण हैं ये आ... कोई मुगालते में न रहे अपनी आ... सारी सेना किसी और को सौंपने के बाद भी कैसे पांडव को जिताया जाता है ये जीतन राम मांझी जानते हैं और ये जो भ्रष्टाचार के आका जो अपने आप को बिहार के राजा मानते हैं और ये कह रहे थे संघर्ष से आए हैं तेजस्वी यादव का कौन सा संघर्ष है कि कार्यत तराजू से तौलिये तौलिये अगर 30 किलो वजन तेजस्वी यादव का नहीं बढ़ा होगा तो फिर आप हमको जो कहिए वजन बढ़ने की बात हो रही है वो तो शारीरिक वजन की बात हो गई यहाँ राजनीतिक वजन किसका बढ़ता दिखाई दे रहा है आज जो ये गंगा किनारे पाटलीपुत्र के नाम से मशहूर इलाका वो पलटीपुत्र जैसे संदेशे भी आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे इस राजनीतिक खेला जो हुआ है ये अब किस ओर जाता दिख रहा है जो कुछ भी हुआ है संदीप भाई मैं यही कहूंगा कि नीतीश कुमार जीत करके भी हार गए और तेजस्वी यादव हार कर भी जीत गया ये लड़ाई में हारा नहीं है ये जो दार्शनिक सी बात कर रहे हैं राजनीति आजकल दर्शन शास्त्र को नहीं मानती है। हम तो पत्रकार हैं ना और मुझे फक्र है पूरा फक्र है कि आज भी बिहार ट्रेंड कर रहा है ऑफ कोर्स फॉर रॉन्ग रीजन्स ट्रेंड तो बिहार कर रहा है ना और पहली बार रही मैंने एक तरह से पहली बार हुआ मुझे पता चला कि कर्पूरी के शिष्य लोहिया के शिष्य जयप्रकाश के शिष्य इतना बड़ा पलटी इतनी बार पल्टी मारते हैं यही उन्होंने सीखा है यह पहली बार हमने जाना और हम लोग अपने बच्चों को जब नीतीश कुमार का बायोग्राफी पढ़ाएंगे ऑटोबायोग्राफी नहीं वो तो लिखेंगे नहीं तो इसमें यही पढ़ाएंगे कि बिहार के एक मुख्यमंत्री थे जिनका नाम नीतीश कुमार था वो जब मन इधर चल जाते थे पोखरा के जाट बने हुए थे उन्हीं के इर्द-गिर्द जो है घूमते थे पर इसमें फायदा किसको होता दिखेगा तात्कालिक और दीर्घकालिक शॉर्ट टर्म फायदा किसको होता दिख रहा है बीजेपी 400 की ताल ठोक रही थी पर जरूरत पड़ गई ना नीतीश की तो उनके भी पेट में कहीं दर्द था आशंकाएं थी कहीं ना कहीं तो वो आशंकाएं अब दूर हो जाएंगी अरिथमेटिक और केमिस्ट्री नीतीश और मोदी की यानी कि बीजेपी जेडीयू की बीजे नैया पार लगाएगी आप हमको ये बताइए कि ये पहले भी बीजेपी के लोग कहते थे कि हम 40 जीत रहे हैं अब कह रहे हैं कि 40 जीतेंगे तो पहले मैंने नहीं 40 जीत रहे थे तब ना आप कह रहे हैं कि 40 जीतेंगे अब बताइए अर्थमेटिक जो है और केमिस्ट्री की के जो बात करते हैं मुझे जो लगता है कि अभी जो लड़ाई है बराबरी बराबरी की है अभी भी बराबरी बराबरी, बराबरी की लड़ाई है और हमें मतलब आप कह रहे हैं बीजेपी तो कुछ इलाकों में अपनी मजबूती बनाए हुए थी उसको जरूरत पड़ती थी पिछड़े अति पिछड़े वोट बैंक की क्योंकि अगड़ा उनके साथ था नीतीश को साथ लाने के बाद वो इजाफा नहीं होगा जितनी उनकी आशंकाएं थी कि भाई कहीं हम 20 से नीचे भी ना चले जाएं उसमें इजाफा नहीं होगा मुझे लगता है कि लोगों के बीच में खासतौर से युवा के बीच में ये एक सिंपैथी इवन इमोंग द अपर कास्ट पीपल उसको लगता है मोह लगता है ना होला कि बताइए इसका क्या दोष था क्या मैंने क्या ऐसा किया नीतीश कुमार जो कहते हैं कि कुछ गड़बड़ होता रह, क्या गड़बड़ था जिस मंच पर आप रहते थे जिसकी अध्यक्षता आप करते थे बतौर मुख्यमंत्री रहते थे और ये लड़का रहता था बोलते थे कि पांच का पहले कुछ होता था जी क्या होता था जी ए, कुछ होता था अब वो वहाँ सुन रहा है उसके सामने आप बोल रहे हैं

चौबीस के चुनाव में फायदा हो जाएगा एनडीए को और इंडिया की गत हो जाएगी रचयता ही हट गए इंडिया से तो इसमें नैरेटिव क्या जाता है आम आदमी के सामने संदेश क्या जाता अब जो लोग भी समझते थे उनको कि प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट हैं तो वो तो खूंटा ऊंटा लेकर के भाग गए अब क्या प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे और वो जो समाज सोच वो अब देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि लड़ाई जो है वो बराबर बराबर ये सिर्फ चौबीस के चुनाव तक का गठबंधन है उसके बाद बिखर जाएगा चौबीस के चुनाव के बाद अगर मान लीजिए कि लोग कहेंगे कि आप मुख्यमंत्री पद के छोड़ छोड़िए तो फट देने फान के उधर चले जाएंगे और फिर सरकार बना लेंगे और राजद भी बना देगी और फिर उसमें भी जब डिप्टी सी हो जाएंगे वो तो ये अंतहीन धारावाहिक की तरह हो जाएगा लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने जो ये दाव खेला है देखिए मौका परस्ती की जब बात होती है तो नीतीश कुमार का नाम सबसे पहले आ रहा है राजद ने भी भाई लोगों ने 2020 में जो जनादेश दिया था वो बीजेपी और जेडीयू की सरकार को दिया था आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी भले ही क्यों ना हो लेकिन उसे जनादेश बिहार पर राज करने का नहीं मिला था तो 2022 में उन्होंने नीतीश के साथ हाथ मिलाया मौकापरस्ती उन्होंने की उन्होंने भी की तो हमाम में तो सभी नंगे हैं पर बीजेपी ने भी यह मौका परस्ती की है यह तात्कालिक लाभ के लिए यह गठबंधन बना है क्या प्रोफेसर संजय चूंकि आप पाटलिपुत्र की धरती पर हैं मैं पहले तो आपको स्वागत करता हूं एक पंक्ति से मैं अपनी बात को शुरू करता हूं विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही धरापर धूम भिक्षु होकर रहते सम्राट दया दिखलाते घर घर घूम विरासत में जिनको राज्य मिलता था गौतम बुद्ध हों या महावीर हों उन्होंने राज्य को छोड़ा और ज्ञान को उन्होंने प्रमुखता दी यहाँ लोकतंत्र में जनता ताकत देती है जो सवाल आपके हैं जनता आपको मैंडेट देती है और आप जनता के मैंडेट की अवहेलना करते हैं मैंडेट किसी और के साथ मिलता है सरकार किसी और के साथ घर तो वापसी हो गई मैं इसको इस रूप में नहीं मानता हूं मैं मानता हूं कि सिद्धांतों की बलि चढ़ा दी जाती है तर्क ढूंढ दिए जाते हैं अभी कन्हैया भाई से मैं पूछ रहा था कि यह बताइए कि पार्टी के जो नेता हैं उनको इतना आत्मविश्वास कहां से आता है कि गठबंधन बदलते ही शब्द बदल जाते हैं उनके भाव बदल जाते हैं उनके विचार बदल जाते हैं सब कुछ अच्छा लगने लगता है और जब वो गठबंधन से दूर चले जाते हैं तो सब कुछ बुरा कैसे लगने लगता है तो मैं मानता हूँ कि सत्ता के समीकरण को साधने के लिए सिद्धांतों नीति और मूल्यों की बलि चढ़ा दी जाती है मैं मैं तो आपसे डिस्कस कर रहा था कि जहाँ तिरानवे लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे है वो कौन से बिहार की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि जो 18 साल उन्नीसवा साल लग गया नीतीश कुमार सरकार में रहे उसमें लगभग साढ़े सोलह सत्रह साल तो बीजेपी उनके सहयोगी थी तो जब आरजेडी के साथ आए तो जंगल राज आ गया बीजेपी के साथ चल रहे नीतीश कुमार तो कोई जंगल राज नहीं वो सुशासन बाबू हो जाते हैं तो क्या बीजेपी जो कार्यकर्ता है जो यहाँ के नेता हैं, भाई तैयारियां हो रही थी ना 2024 के चुनाव की लोगों को लगा दिया गया अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में तीस बत्तीस बीजेपी खुद लड़ती बिल्कुल तो बाकी लोग अब कहा जाएंगे क्या अंदर खाने कुछ नाराजगी है या दिल्ली में बैठे जो हम नेशनल मीडिया वाले हैं कि जी ये तो खेला हो गया और बम और एनडीए की नैया पार लग गई भाई कभी ऐसा होता था कि कांग्रेस के समय में एक आला कमान का फरमान जारी होता था कि केंद्रीय नेतृत्व तय कर देता था आला कमान ने आदेश दे दिया चीज़ें उसी के अनुसार हो जाती है बीजेपी भी अब उसी सिद्धांत पर चलती है कि केंद्रीय नेतृत्व और उसके एक बड़े लंबरदार अमित शाह जी यही झंझारपुर में आकर के बोले थे कि दरवाज़ा बंद है और कल मैं एक बड़े बीजेपी के नेता को सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि दरवाज़ा तो छोड़ दीजिए दीवारें तक टूट जाती है उन्होंने वर्लिन तक चले गए कि जब जर्मनी की दीवार टूट सकती है तो ये कौन सी दीवार है तो सत्ता का समीकरण जहाँ सूट करता है और चालीस लोकसभा की सीटें चालीस लोकसभा की सीटों को साधने के लिए सारे सिद्धांतों मूल्यों की बलि चढ़ा दी जाती है और वहां पर फिर कहते हैं कि नहीं एनडीए मजबूत होता दिख रहा है एनडीए बिखरता दिख रहा है या इसके विपरीत होता दिख रहा है ये तो जनता पर छोड़ दीजिए चूंकि जनता के अंदर भी चूंकि ये जो बिहार है ना जिस मोक्षदायिनी गंगा के किनारे खड़े हैं और सामने जेपी सेतु वो जयप्रकाश जिसने सत्ता को कभी चिमटे से भी नहीं छुआ बदलाव का वह बाहक रहे थे वो जयप्रकाश की भूमि का यह बिहार यहाँ की जनता पॉलिटिकली बड़ी है, पॉलिटिकली बड़ी कॉन्शियस है अभिषेक क्या है, है। नीतीश कुमार ने और समाजवादी विचारधारा के पुरोधा होने के नाते अब यहाँ पर प्रोफेसर संजय कुमार भी ये सवाल उठा रहे हैं समाजवादी विचारधारा को कलंकित कर दिया क्या ये आरोप रामविलास पासवान गुट जो है एलजेपी का उनके मुख्य प्रवक्ता लगा रहे हैं देखिए ये सारे आरोप निराधार हैं समाजवाद की विचारधारा को किन्ने बुलंद किया है ये सबने देखा है जेपी लोहिया कर्पूरी की विचारधारा पर कौन सी पार्टी चलती है यह भी हर कोई जानता है अपने परिवार के सदस्यों को आगे नहीं बढ़ाया है यह भी हर कोई जानते हैं जो भी पार्टियां हम पर आरोप लगाती है जरा उनसे एक बार पूछ लीजिए कि उनके यहाँ परिवारवाद और वंशवाद कितना हावी जेडीयू अब अब कितनी सीटों पर लड़ेगी देखिये ये तो आने वाले भविष्य में आपको मालूम चल जाएगा समन्वय तो बन ही गया है सत्रह मतलब सत्रह तो होनी चाहिए ना सत्रह तो आरजेडी के साथ भी उस बात पर भी झगड़ा चल रहा था कि नहीं मुद्दा वो नहीं है सोलह हमारे सांसद जीत कर आए हैं तो सोलह तो हमारा स्वाभाविक दावा है ही सत्रह सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ी थी लेकिन हमेशा हमारी पार्टी ने कहा है कि बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बिहार के लोगों की भलाई के लिए हमेशा हम बड़ा दिल दिखाते हैं विधानसभा चुनाव तो अब जल्द नहीं होंगे ना ये विधानसभा चुनाव कब होंगे यह तो आपके सामने है फिलहाल मैं ये तो थोड़ा बता दूं मेरी जानकारी दुरुस्त कर देना मैं थोड़ा अज्ञानी किस्म का आदमी हूँ <laughs> वो लालू प्रसाद यादव से भी यही बात हो रही थी कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव साथ होने चाहिए बीजेपी के साथ भी ये बात हुई तो बात वहां बनी क्या ऐसी कोई बात नहीं है संदीप जी ऐसी कोई बात नहीं है फिर वही बात है कि सूत्रों के हवाले से आपके सामने सूत्रों के हवाले से नहीं पेट में थोड़ा दर्द नीतीश कुमार के ये भी था कि अरे भाई मेरे पास 45 विधायक हैं वो बीजेपी भी मुझे आईना दिखा देती है आरजेडी भी दिखा रही है अब मुझे 45 की पैंसठ सत्तर करनी है तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ करवा दिए जाए नीतीश कुमार जी के पेट में दर्द भी नहीं होता है मन में डर नहीं होता है क्योंकि दो लाइने हैं कि जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता और हम वहाँ भी कदम रखते हैं जहाँ रास्ता नहीं होता और नीतीश जी तो रास्ता बनाते हैं और उस रास्ते पर बिहार आगे चलता है बिल्कुल सरकार बदल जाती है, मुख्यमंत्री नहीं हमने तो कहा ना कि हमारा स्टैंड कहाँ बदला है नीतीश कुमार जी सूबे के मुख्यमंत्री थे हैं और आगे भी रहेंगे मृतंजय तिवारी के बंटवारे में थोड़ा पेंच था ना ये सत्रह सत्रह वाला खेल देखिए जो सम्मान आदरण नीतीश कुमार जी को हमारे नेता डिप्टी सीएम श्री पूर्व डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने दिया वो लोगों ने देखा गांधी मैदान में जब नियुक्ति पत्र बट रहे थे तो नियुक्ति लेने वाले लोगों को खड़े करके माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए तालियां बजवाई थी इश्तेहार आज सारे अखबार पटे पड़े थे इश्तेहारों के कि मानो सारा काम तेजस्वी कर रहे थे नीतीश ने कोई काम ही नहीं किया तो हम तो कह रहे हैं कि तराजू में तोल लीजिए ना भाई क्यों नहीं नियुक्ति दिया सत, सत्रह में मंत्री तो नीतीश कुमार ही थे हम क्या कह रहे हैं हमारे पास विभाग था जो जो विभाग आरजेडी कोटे में था चाहे पर्यटन का हो स्वास्थ्य का हो शिक्षा का हो जो जो हुआ काम आप देख लीजिए तुलना कर लीजिए ना ये हम एक एक चीज का हिसाब जनता के बीच जा करके देंगे और जनता पाई पाई का हिसाब लेगी हमें संयमित रूप से सकारात्मक राजनीति में विश्वास हमारे नेता रखते हैं और जनता के प्रति जो भरोसा और विश्वास तेजस्वी यादव जी ने इस कम उम्र में जीता है वो और बढ़ेगा आगे आगे देखिए होता है कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है देखिए ये सब तो शीर्ष नेतृत्व का विषय है जब सीटों का बंटवारा होगा पहले भी हम लोग महागठ तो कब होगा शुभ मुहूर्त कब निकालने वाले हैं तो बहुत जल्द हो जाएगा पहले इन सारी चीजों नीतीश चले गए ममता बनर्जी कह रही है मैं अकेला लड़ूंगी भगवंत मान कह रहे हैं आम आदमी पार्टी तेरह की तेरा लड़ेगी पंजाब में तो वो इंडिया गठबंधन बचा भी है देखिए गठबंधन दलों का होगा जनता सबसे बड़ी ताकत होती है लोकतंत्र में और जनता ने मोदी जी के खिलाफ अपना गठबंधन कर लिया है कि केंद्र की सत्ता से मोदी के मोदी के सामने कौन इंडिया की तरफ भाई ये तो विषय बाद में हम अब ये हर चीज बाद में हमारे पास इतने विकल्प हैं हम सामूहिकता में विश्वास करते हैं वहाँ वन मैन तो सा, सामूहिकता दिख रही है हाँ तो दिख रही है ना कि किस तरह से जोड़ तोड़ भगवान राम भी जब बेड़ा पार लगाने में अब विश्वास नहीं रहा तो अब ये सब कर रहे हैं ऐसी सत्ता को हम चिमटे से भी नहीं छूना पसंद करेंगे ये अटल जी ने कभी कहा था उस समय हम स्टूडेंट थे जीतन राम मांझी तक को प्रस्ताव देते भाई हम कौन कह रहा है थे, थे, अगर होना होता और कुछ करना होता तो आज ये सरकार शपथ नहीं ले पाती है जान लीजिए या इसी सत्ता को नरेंद्र मोदी अभी थोड़ा सा असमंजस है आप इंडिया में भी आ सकते हैं क्या तेजस्वी के साथ भी हाथ मिला सकते हैं इंडिया से देखिए संदीप जी एन तो निकल गया ना जो न्यू रखा था उसका नीतीश कुमार कैपिटल एन पूरे सूत्रधार ये लोग कहते थे उससे इंडिया से तो एन बाहर हो चुका है अब इंडिया में बचा कौन है कौन वहाँ आना चाहेगा हम लोग बिल्कुल आदर नहीं है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश को आगे लेकर के जाना चाहते हैं और वैसे भी हमारे नेता चिराग पासवान जी आप ही लोगों ने उनका उपनाम हनुमान के रूप में दिया है हाँ। हम कभी भी एनडीए से बाहर भी गए किसकी लंका में आग लगाने वाले इन लोगों की लंका में आग लगाएंगे अच्छा नीतीश कुमार भी तो विभूषण है वो लंका से आए हैं ना मुझे पता नहीं उन पर आग? मुझे कोई नहीं ये जवाब दे सकते जी ऐसा सब विभीषण विभीषण को कोई अगर उस रूप में नहीं लेना विभीषण अगर नहीं आते तो रावण की नाभि का पता कौन बताता तो तो नीतीश कुमार जी वहाँ जाके उनके नाभि का सब पता उता कर लिए हैं अब बड़ा कह रहे थे कि चाचा को बहुत इज्जत दिए दो फीता दो कैची लेकर घूमते थे कुछ चीज का उद्घाटन होता था तो दो फीता दो कैंची कैंची लेकर घूमेगी एनडीए एनडीए में कितनी कैंची लेकर नहीं के के पाठक जी के इंजेक्शन का दर्द ऐसा की इनके शिक्षा मंत्री विद्राम यहाँ पर कैंची तक बात आ गई है गंगा मैया के किनारे हम खड़े हैं पाटली पुत्र में तो बिहार में खेला तो हो गया लेकिन खेले का अंतिम अध्याय यानी कि वो मुकम्मल हो गया है क्या ये अभी देखने वाली बात है 2024 तक के लिए ये गठबंधन है आगे चलेगा क्या कोई सिंपथी फैक्टर होगा या अरिथमेटिक केमिस्ट्री काम करेगी मोदी और नीतीश कुमार की एनडीए का बंटाधार हो गया है या उसे और ताकत आने वाले दिनों में मिल सकती है कि भाई जो लोग विभीषण साबित हुए अब वो हट गए हैं या टाइम इज रनिंग आउट नमस्कार मैं हूं संदीप चौधरी आज सीधा सवाल मैं सीधे पटना बिहार की राजधानी पटना से कर रहा हूं पाटली पुत्र से गंगा किनारे हूं मैं यहां मेरे बाई और गंगा नदी बह रही है यह सोनपुर का पुल है मरीन ड्राइव कहते हैं इसे दीघा घाट है लेकिन बिहार में क्यों हूं यह आप जानते ही हैं बिहार में सरकार बदल गई है मुख्यमंत्री वही है ये अपने आप में एक बड़ी कहानी कहता है नौवीं बार नीतीश कुमार ने बतौर मुख्यमंत्री आज शपथ ली उनके अलावा आठ और विधायकों ने मंत्री पद की भी शपथ ली उसमें दो उप मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ हो लिए हैं वो बीजेपी जिन्हें वो सांप्रदायिक बताते थे सौहार्द बिगाड़ रही है देश को तोड़ रही है और इसीलिए इंडिया गठबंधन के रचयिता भी बन गए थे कि बीजेपी को बहुमत नहीं लाने देंगे 200 सीट नहीं लाने देंगे 100 का आंकड़ा पार नहीं करने देंगे लेकिन अब वो बीजेपी के खेवनहार की भूमिका में भी साफ आते दिखाई दे रहे हैं तो ये जो नई सरकार है दरअसल क्या नए राजनीतिक समीकरणों की ओर भी इशारा कर रही है अब राजनीतिक समीकरण क्या है नीतीश कुमार एनडीए में आने से एक अरिथमेटिक होता है और एक केमिस्ट्री अंक गणित और रसायन शास्त्र ये हमने देखा है 2019 के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू साथ आते हैं तो कमाल का राजनीतिक खेल भी होता है चालीस में से उनतालीस सीटें बीजेपी और जेडीयू जीतने में कामयाब हो गई थी एनडीए जीतने में कामयाब हो गया था तो 400 पार अब की बार 400 पार इस बात की ताल ठोकने वाली बीजेपी उन्हें दरअसल नीतीश कुमार जिनको वो पलटू राम मौका परस नंजाने किन किन संज्ञाओं से नवाजते थे और कहते थे कि दरवाजे बंद अब कोई रास्ता नहीं कि नीतीश वापस आ जाएं उनके लिए कालीन बिछा दिया बीजेपी ने क्या लड़ाई है 2024 की कि भाई इंडिया का जो गणित बन रहा है वो बिहार में नुकसान ना पहुंचा दे तो नीतीश कुमार को अगर हम ले आते हैं तो इंडिया धाराशाही हो जाएगा और नीतीश कुमार ये जानते बूझते कि 45 विधायक हैं और बीजेपी के रहमो कर्म पर अब आगे का राजनीतिक जीवन बिताना पड़ेगा उन्होंने ये इतना बड़ा दाव क्यों खेला है वो अपना रसूख अपनी वक्त और राजनीतिक गणित में इजाफा करना चाहते हैं क्या कि बीजेपी के साथ रहेंगे सांसद सत्रह में से सोलह जीते थे और 45 की जगह और बढ़ जाएगा विधानसभा चुनाव आते आते आंकड़ा पर यहां पर सवाल यह भी है ये सरकार कितने दिन चलेगी क्या ये तात्कालिक लाभ के लिए यह गठबंधन बना है और लोकसभा चुनाव के बाद खेल फिर शुरू हो जाएगा क्या तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि अभी खेला होना बाकी है 2024 के अंत तक जेडीयू खत्म हो जाएगी तो अस्तित्व पर जुआ खेल दिया है क्या नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी एक वक्त पर और नीतीश कुमार के भी उपाध्यक्ष बना दिया था उन्होंने जेडीयू का प्रशांत किशोर को प्रशांत किशोर कह रहे हैं लोकसभा चुनाव खत्म होने दीजिए छह महीने में यह सरकार गिर जाएगी तो क्या पच्चीस तक यह सरकार टिक पाती है लेकिन उससे बड़ा सवाल इंडिया के खाचे में ढांचे में ऐसी मारी कर दी कि ताश के पत्तों की तरह यह गठबंधन बिखर जाएगा टूट जाएगा इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि जेडीयू और उनके मुख्य जो प्रवक्ता हैं केसी त्यागी वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की नीतियों के चलते और उसके कुछ ऐसे बर्ताव के चलते सीटों तो का बंटवारा नहीं कर रहे संयोजक नहीं बनाया यह खैर के सी त्यागी ने नहीं कहा इंडिया बिखर रहा था कांग्रेस की कारगुजारियां थी तो हमारे पास और कोई विकल्प नहीं बचा उधर कांग्रेस कह रही है मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं हमें पहले ही अंदेशा था नीतीश बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं उन्हें संयोजक कैसे बना देते इशारों इशारों में यह बात वो भी कह गए जयराम रमेश कहते हैं कि गिरगिट को भी बदनाम कर रहे हैं नीतीश कुमार इतना रंग बदल रहे हैं पैतृश कुमार कह रहे हैं तेज प्रताप यादव तेजस्वी के बड़े भाई तो ये जो खेल हो रहा है चौबीस के लिए क्या बीजेपी को फायदा देगा या बीजेपी तो मजबूत है अपनी जगह पर जेडीयू कमजोर कड़ी भी साबित होगी या छौक लगाने का काम करेगी और नैया पार करा देगी इस गंगा मैया में नैया पार हो जाएगी क्या एनडीए की इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं ऐसे में आज का सीधा सवाल फिर नीतीश कुमार 25 तक चलेगी सरकार ये पहला सवाल और बिखर गया इंडिया चौबीस में होगा खेला तो पच्चीस की भी बात कर रहा हूं और चौबीस की भी और चर्चा में मेरे साथ जेडीयू के युवा चेहरा हैं उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अभिषेक झा और देखिए क्या सही वक्त पर एंट्री की है मृत्युंजय तिवारी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरजेडी के तो अभी तो साथ थे आज थोड़ा साथ और खड़े हो जाइए फिर साथ हो जाइए फिर साथ हो जाएंगे अभी तो खैर टूट हो गई है जब खत्म हो जाती है है उस उस पर उस पर तो मैं आता हूं अभी सुंदर शरण हमारे साथ हम और ये हम साथ हो गया है जेडीयू के बिखरते भी रहते हैं टूटते भी रहते हैं और जुड़ते भी रहते हैं आइए मुन्ना साहब भी आ गए देखिए सब वक्त पर पहुंच गए हैं धीरेन्द्र कुमार मुन्ना एलजेपी रामविलास पासवान गुट के प्रवक्ता और दो खास मेहमान बिहार की नब टटोलते आए हैं दशकों से वरिष्ठ पत्रकार हैं कन्हैया बलारी और प्रोफेसर संजय कुमार जाने माने राजनीतिक विश्लेषक भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं तो तीन दिन से हमें टहला रहे थे अभिषेक कि अरे अफवाहों का बाजार गर्म है पत्रकार अपने मन की बातें कह रहे हैं जो हमने कहा वही सही हुआ नहीं हमने ऐसा नहीं कहा कि पत्रकार अपने मन की बात कह रहे हैं आपका काम था कयास लगाना सूत्रों के हिसाब से खबरें चलाना और आप हमसे उस पर स्पष्टीकरण मांगते थे आप पूछते थे हमसे कि कल क्या होगा संदीप जी वो कल आज हो चुका है और ये आज आपके सामने है जो भी घटनाक्रम है वो आपके सामने है आज एक नई सरकार का गठन हुआ है बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है और कारण विस्तार से हमने भी हमारी पार्टी ने सबने बताया है क्या कारण मैं अभी तक समझ नहीं पाया देखिए बहुत सारे ऐसे कारण नीतीश कुमार जी ने कभी दबाव की राजनीति नहीं की है और नीतीश दबाव बना रहा था भाई हमारे जो सोकॉल सहयोगी दल थे उनकी तरफ से हमेशा एक अनावश्यक अनाधिकृत दबाव दबाव किन चीजों का राजनीतिक रूप से बहुत सारे अनैतिक काम करने का जो लोग जिन पर आरोप है जमीन के बदले नौकरी का वो नौकरियां देकर दो हजार आठ नौ का मामला पंद्रह साल से आपकी जानकारी थी यकायक यादाश्त में ताजी हो गई ऐसा नहीं होता है संदीप जी मसला ये है कि बहुत सारे मामले हैं जो साबित हैं और बहुत सारे मामले हैं जो अंडर ट्रायल है उस पर हमें नहीं जाना में मक्खी है फिर भी दूध पी रहे थे वैसा नहीं है देखिये हम उनसे हम हर किसी से ये उम्मीद करते हैं कि आपकी राजनीतिक बनी रहे पहली बात तो वो है दूसरा है कि आपने लगातार देखा है कि किस तरह से इनकी पार्टी के नेताओं ने हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियां की चाहे वो सुधाकर सिंह जी हो इनके एमएलसी सुनील सिंह हो उनके कई विधायक हो इनके बीजेपी वालों ने, ने क्या कुछ किया जिनके साथ गलबैया कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री अब बन गए हैं सम्राट चौधरी सर पर पगड़ी बांधते हैं और कहते फिरते थे पगड़ी नहीं उतारूंगा जब तक गद्दी से नीतीश कुमार को नहीं उतार दूंगा अब गाड़ी में आगे बैठे हुए थे सम्राट चौधरी आज वो गाड़ी में तस्वीरें देखी होंगी ना पीछे बैठे हुए हैं नीतीश कुमार देखिये लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी होती है और जब हम विपक्ष में अभिव्यक्ति की आजादी और यहाँ पर कुटारा राजनीतिक सुचिता और मर्यादा आप इस बात को समझिए ना सम्राट चौधरी जी ने बताया कब पगड़ी उतारेंगे नहीं उतारेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कभी भी जब हमारे खिलाफ भी कहा तो राजनीतिक मर्यादा का का ख्याल रखा अच्छा मर्यादाओं में थे वो भाई आप उनके बयानों आकलन खुद कर सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल के नेता जिस तरह से लगातार बोल रहे थे वो भी आपके सामने है तो ये सारे मसले हमेशा तो आर जे से दिक्कत थी आपके मुख्य प्रवक्ता और सलाहकार भी हैं नीतीश कुमार के सी त्यागी कहते हैं ये कांग्रेस ने बंटाधार कर दिया कांग्रेस सीट शेयरिंग नहीं कर रही कांग्रेस अपने दम गुरूर में थी इंडिया बिखर गया का जो हाल ही है ना कुछ कदम चलने को ये तैयार नहीं है किस गुरूर में है आपको दिख रहा है इंडिया अलायंस का निर्माण अगर किसी ने भूमिका निभा दो हजार बाईस में जब आपने सरकार बनाई इंडिया गठबंधन था अभिषेक नहीं महागठबंधन का एक स्वरूप बिहार में था नीतीश कुमार जी ने इंडिया गठबंधन नहीं था ना इंडिया में दरार है सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा उसको बहाना बना रहे हैं द, 2022 में आरजेडी के साथ आपने समझौता किया तब इंडिया गठबंधन थोड़ा संदीप जी बहाना नहीं है ये वास्तविकता से इतर हम कोई बात नहीं कर रहे हैं आप बताइए कि इंडिया अलायंस जो, जो कि अब बचा नहीं है इंडिया अलायंस अगर है भी

और इसी लिए आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तो खुद रबड़ स्टाम्प अध्यक्ष है ना okay. वो खुद कह रहे हो तब तो एक बात होती है अगर उनके अंदर राजनीतिक रीढ़ की हड्डी होती पूरे कांग्रेस पार्टी के अंदर तो शायद इतना बुरा हसर नहीं होता कि जहां जहां राहुल गांधी जी पग रख रहे हैं वहां वहां उनके अलायंस के साथ ही छूटते चले जा रहे हैं किस तरह की तस्वीरें आप प्लानिंग चल रही थी क्या इंडिया का आइडिया देंगे फिर इंडिया को ही धाराशाही कर देंगे कि हम कभी भी करते हैं तो ईमानदार प्रयास करते हैं और नीतीश कुमार जी ने हमेशा ईमानदार प्रयास किया और एक बात को समझिए हमारी कोई वेमनस्ता ना आरजेडी के साथ है ना कांग्रेस के साथ ना बीजेपी के साथ रही है और बीजेपी तो सांप्रदायिक पार्टी है ना देश को तोड़ रही है धर्म के आधार पर बांट रही है जातिगत जनगणना करवा नहीं रही है आरक्षण विरोधी है ये मेरे बयान नहीं ये सारे नीतीश कुमार के बयान आज भी हमारी प्राथमिकता में है की जनगणना के सर पड़ जाती ना हो। राम के नारे लग रहे थे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नीतीश कुमार नहीं गए जय श्री राम करेंगे नीतीश कुमार होता है की राम भगवान में हमारी आस्था है की नहीं है जय श्री राम के नारे लगाएंगे आप राम बोलते थे जय जयसिया राम बोलते हैं जयसिया राम और श्री राम में फर्क है अरे हम बिहार वासी हम मिथिलावासी हैं हम राम से पहले सीता माता का नाम लेते हैं बिना सीता माता का नाम लिए हम राम भगवान का नाम नहीं लेते हैं तो इसमें आपत्ति क्या है तो राम रामलला का मंदिर है ना तो हम जय सिया राम बोलते हैं तो क्या दिक्कत है राम लला के मंदिर में सीता माता तो का अब जय करेगी और बीजेपी जय श्री राम अलग अलग आइडियोलॉजी सांप्रदायिक नहीं होंगी और बीजेपी पार्टी न सांप्रदायिक थी ना हम इसमें विश्वास रखते हैं हम आज भी जातीय जनगणना के पक्ष में हैं हम कमिटमेंट के लिए जाने जाते हैं जनता के साथ पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं जनता के साथ जो हमारा कमिटमेंट है चाहे सात निश्चय पार्ट वन के रूप में जो जनता को डिलीवर हो चुका या सात निश्चय पार्ट टू के रूप में जिसपे काम चल रहा है बड़ा जुआ खेल दिया नीतीश कुमार ने चौबीस की लड़ाई है बीजेपी को वो सो, चार सो तो ताल थोकने के लिए अच्छा लगता है तीन सौ कैसे ना कैसे लेकर आनी है लगा कि ये इंडिया गठबंधन दिक्कत कर देगा आपके लिए दरवाजा कि इंडिया गठबंधन तो है ही नहीं उसके बाद यूज एंड थ्रो ना हो जाए आपका ऐसा नहीं होता है अगर यूज एंड थ्रो था तो बहुत सारी स्क्रिप्ट आपने देखी थी संदीप मुख्यमंत्री नहीं रह सकते हैं नीतीश कुमार जी आज आपके सामने क्या है मैं आज की बात कर रहा हूँ चौधरी उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं सुशील मोदी नहीं आपके ये ये भारतीय जनता पार्टी का अपना आंतरिक फैसला है इसमें हमारा हमारा कोई दबाव नहीं हो सकता है हम दूसरे दलों पर दबाव देने वाले दल नहीं है हर एक दल स्वतंत्र रूप से काम करता है अपने हिसाब से काम करता है ये उनकी कार्यशैली में शामिल तेजस्वी कह रहे हैं चौबीस तक जेडीयू खत्म हो जाएगी आपके उपाध्यक्ष रहे बड़े करीबी रहे नीतीश कुमार के प्रशांत किशोर कह रहे हैं ये सिर्फ चुनाव चुनाव तक का गठबंधन है ये खत्म हो जाएगा में क्या होता है जनता तय करती है पहली बात हम घमंड में नहीं आत्मगौरव में बोलते हैं और प्रशांत किशोर जी की कोई राजनीतिक प्रासंगिकता नहीं है और तेजस्वी यादव जी बयान दे रहे हैं तो उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे देखिए पूरे राष्ट्रीय जनता दल के लोग अभी साथी भी यहां चुके सत्ता विलाप आपको दिखेगा सत्ता से बाहर जाने की टीस सत्ता विलाप हो तो रहा है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे हालत ये हो गई आरजेडी की इतने देर के प्रवचन में हमारे छोटे भाई ये बता ही नहीं पाए जनता को कि हमने साथ क्यों छोड़ा हमें फक्र है गर्व है कि हम 15 महीने सरकार में रहे तो वो विश्व कीर्तिमान तेजस्वी यादव जी ने बना दिया जो ना कोई भुला सकता ना कोई मिटा सकता दो लाख बीस हजार सत्तर दिनों में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया कभी कोई बांटा मुख्यमंत्री तो नीतीश थे ना हम क्या कह रहे हैं यही आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे ना 2020 में जब तेजस्वी यादव जी ने ये वादा किया था दस लाख नौकरी का तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था ये कहां से लाएगा पैसा कैसे देगा नौकरी नौकरी तो पहले भी लालू प्रसाद यादव ने दी पर लैंड फॉर जॉब कर दिया कि नौकरी तो दे देंगे ये चक ये, ये इतने कट्ठे मेरे नाम लिखवा संदीप जी ये विरोधियों को जेडीयू को चाहे आज लाख कोई बहाना हो अपना नया ठिकाना ढूंढने का लेकिन जनता इनको पहचानती है और हम तो कह रहे हैं कि अब आदरणीय नीतीश कुमार जी की राजनीतिक पूंजी नहीं बची है नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार संभालेंगे 24 के चुनाव का अब क्या हाल रह गया 24 के चुनाव में जनता मालिक है अयोध्या में भगवान राम लला प्रकट हुए भगवान राम लला पर भी इनको भरोसा नहीं हुआ ये लोकतंत्र का अयोध्या है बिहार लोकतंत्र की जननी। और यहाँ ये इंडिया की क्या गत हो गई अब इंडिया में क्या गत होगी इंडिया तो पूरी तरह से मजबूत है इंटैक्ट है इंडिया गठबंधन बना ही बड़े उत्तर जा रहे हैं तेजस्वी देखिए सब लोग राजनीतिक दल अपना अपना कार्यक्रम चला रहे हैं ये तो प्रॉब्लम है यही तो नीतीश कुमार कह रहे थे कि अपनी अपनी डफली अपना अपना राग अपनी अपनी डफली अपना राग का सवाल नहीं है अभी तो आपने देखा किस तरह से वहाँ चिराग पासवान जी को मनाया गया किस तरह से आदरणीय मांझी निर्माण मैं अभी पूछूंगा मुन्ना से मैं पूछूंगा मान गए हैं क्या जनता का विश्वास अगर किसी भी व्यक्ति का किसी भी दल का विश्वसनीयता ही समाप्त हो गई तो उनकी राजनीति समाप्त होगी और हमारे नेता ने आज ऐलान किया है तेजस्वी यादव जी ने तेजस्वी यादव जी ने कहा है खेल अभी शुरू हुआ है क्या है वो खेल थोड़ा समझाइए ना खेल अभी बाकी है खेल क्या खेल बाकी है? खेल का अंत तेजस्वी यादव जी करेंगे जे चौबीस में समाप्त हो जाएगी अब इसका नौबत ही नहीं आएगी मतलब जेडीयू दो फाड़ होने वाली है जीतन हो? राम माझी को भी मुख्यमंत्री का न्योता दे दिया की प्रस्ताव दे दिया पर्दे के अंदर रहने दीजिए पर्दा दो फाड़ हो रही है अब देखिए ना आगे आगे होता है क्या अब तो आज खुशी का दिन है आज अभिषेक जी को शुभकामना है बीजेपी को शुभकामना है सभी एन गठबंधन जिन्होंने सरकार बनाई है खूब शुभकामना है लेकिन कल से इनको जनता के सवालों के बौछारों का सामना करना होगा कि जो तेजस्वी यादव जी ने इतने दिनों तक सत्रह वर्षों से एनडीए का शासन है बिहार में और हमारे सत्रह महीनों का शासन काल तराजू पर रखकर कोई तौल ले वो भारी पड़ गया जंगल राज के नाम पर बदनाम था आपका राज ये, ये, गरीब, ये गरीबों का राज मजदूरों किसानों नौजवानों का ये तो रोजगार पुरुष के रूप में तेजस्वी यादव जी याद किए जाएंगे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा इनको जो इन्होंने किया है उसका बदला जनता सूद और ब्याज के साथ पाई पाई लेगा पहले तो ईडी की कार्रवाई से ही निपटना होगा 9 फरवरी को राउस एवेन्यू के सामने पेश होना होगा हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी श्री तेजस्वी यादव जी ने संघर्षों के गर्व में ही राजनीति की है और वहीं से पले बढ़े हैं चारा घोटाला भी किया हमने तो कहा ना कि जिसको जो कहना है कह दें। अभी तक आदर अब वो सब बातें अगर खुलेगी परत दर परत तो उसके लिए बहुत समय तो देना होगा खेला होना बाकी शुभकामनाएं भी दे रहे हैं धीरेन्द्र आपको मृत्युंजय तिवारी खुश है या ना खुश है चेहरा उतरा हुआ है आपका क्यों बिल्कुल नहीं उतरा हुआ है मैं खुश हूँ क्योंकि बिहार को एक नई सरकार मिली है काम करने वाली डबल इंजन की सरकार मिली है बिहार वासियों को मैं शुभकामना देता हूं मुख्यमंत्री जी को शुभकामना देता हूं पूरे मंत्री परिषद को मैं शुभकामना देता हूं मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दे रहे हैं आपके मुख्य प्रवक्ता हैं ए के वाजपेयी कल मेरे ही कार्यक्रम पर बोले कि समाजवादी विचारधारा और विरासत को कलंकित किया है नीतीश कुमार ने आज चिराग पासवान ने कहा कि हमारे नीतिगत विरोध हैं मतभेद हैं नीतीश कुमार के साथ देखिए हम लोग पहले बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं बिहार को भी मैं हम... फर्स्ट सिटीजन बन गए हैं नीतीश कुमार जहाँ पर अगर हम क्यों बन गए हैं अगर ये मृत्युंजय तिवारी जी अगर वहाँ से अलग नहीं होते अगर आदरणीय नीतीश कुमार जी को ये ट्रबल में नहीं डालते तो आज हमारी क्या जरूरत पड़ती इन लोगों ने ट्रबल में डाला है तो क्या मैं बिहार के लोगों को बिहार के दो तो हज़ार में तो आप अलग लड़े थे ना तब तो एनडीए के हिस्सा भी नहीं रहे थे तो सरकार बनी थी तो अब आप एनडीए का हिस्सा हैं रहेंगे बिल्कुल है। आपका तो एक विधायक था वो भी चला गया बिल्कुल वो एक विधायक भी था चला गया था लेकिन बिहार के के लोग हमारे नेता के साथ हैं आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ हैं और हम बिल्कुल अभी एनडीए के हिस्सा हैं और आगे भी रहे चौबीस की लड़ाई के लिए ये पूरी तैयारी तयार, तैयारी है ये कवायद हुई है ये टूट फूट पलटना टकना ये सब हुआ छह सीट आपको दे देंगे दो दिन से अटके हुए हैं चिराग पासवान खूंटा गाड़ कर बैठे हुए थे दिल्ली में कि पटना तभी जाऊंगा पहले इस बात का जवाब दीजिए मिल गया जवाब संदीप जी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमारे हितों की रक्षा की जाएगी और मुझे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर पूर्ण विश्वास है और अगर इन लोगों की ये जो आज बिहार आपके जो हित हैं उसको आसान कर देते हैं ना 2019 में 17 बीजेपी लड़ी 17 जेडीयू लड़ी और छ आपके बांटे आई तो इस बार सत्रह बीजेपी तो सत्रह जेडीयू को भी देनी पड़ेगी उस छह में आप भी हैं हम भी है उपेंद्र कुशवाहा भी हैं पारस बाबू भी हैं चाचा भतीजे वाला खेल भी होगा ये छह में कितने समाएंगे चालीस से ऊपर सीटें तो नहीं है ना ये बात पर्दा पर करें क्या <laughs> पर्दे ये पर्दे की बात कार्यक्रम का नाम सीधा सवाल, है। सीधा सवाल है लेकिन सवाल कहने को सीधा है टेढ़े भी होते हैं नहीं नहीं बिल्कुल आपके सवाल बिल्कुल सीधे होते हैं सुनने में लोगों को टेढ़े लगते हैं लेकिन संदीप जी मैं बताता हूं कि हम लोग बहुत ही मजबूती से और संतुष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। और सुख में समा आ जाएंगे सब अब छह और नौ का नंबर हमको नहीं पता है श्याम बाबू मतलब सुमन साहब तो बन गए मंत्री उसी से काम चल जाएगा देखिए हम लोगों का जो मिशन है वो सुमन बाबू के मंत्री बनने और नहीं बनने का नहीं है अगर वो होता तो जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ते वो होता तो सुमन जी मंत्री का पद नहीं छोड़ते तो जीतन राम मांझी जी का या हमारी पार्टी का जो मिशन बिहार है और बिहार के हित में हम लोगों ने जब प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लिया तो पूरे बिहार को वो आशीर्वाद आज हम लोगों ने तो आपका मिशन मिशन बिहार है नीतीश कुमार को तो पलटू राम कहते ही है दुनिया जीतन राम मांझी भी कहीं कम नहीं है ने, ने, कभी नीतीश के साथ कभी एनडीए के साथ कभी एनडीए से बाहर कितनी बार पारी है? और पाला बदल चुके हैं आधा मिनट हम बोल लेंगे तब बात निकल जाएगी इस बार पलटू नहीं हुआ इस बार सलटू होगा और जो पलटू राम कहे ना उनको हम लोग सल्टू राम बना देंगे और कैसे 2024 में 25 में सलट देंगे जो भ्रष्टाचार के आका को अपना पुरोधा मानते हैं ना समाजवाद कर्पूरी ठाकुर और जे और लोहिया सब को बेचने वाले ही लोग अपने बेटे के लिए दंडवत हुए हैं नीतीश कुमार के यहाँ कौन नहीं जानता है कि जाकर माफ़ी वाफी सब मांगी है बेटी का पोस्ट डिलीट करा रहे हैं तो कुछ करा रहे हैं उससे माफ़ी मंगवा रहे हैं राहुल गांधी से बात करवा रहे हैं उधर दौड़ रहे हैं उधर भाग रहे हैं सत्ता के लिए कौन चारों तरफ जब चारों खाने चित हो गया तब हमारे नेता को आया कि आपको मुख्यमंत्री बनाते हैं बाघ का कंगन लेकर के घूम रहे थे वो शिकारी नहीं। आपने भी कहानी सुनी होगी तो राष्ट्रीय जनता दल के पॉलिटिकल कल्चर को हम सब लोग जानते हैं तो रावण की लंका में आग लगाने के लिए हम लोगों ने वहां से विभिन्न कौन है लिया है अच्छा विभीषण को निकाल लिया विभीषण है बिल्कुल नीतीश कुमार विभीषण आए तो विभीषण नहीं आते क्या विभीषण है ना नीतीश कुमार विभीषण तो आते कि नहीं नीतीश कुमार विभीषण तौर पर की लंका में विभीषण है आपने सलट शब्द अभी इस्तेमाल किया वो दिमाग भी सलट गया है बहुत सारे सवाल उठाए थे जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को लेकर उसके लिए देखिए कृष्ण की परंपरा को हम लोग कायम रखे हुए हैं कृष्ण ने कई बार रन भी छोड़ा किसने रणछोड़ नाम भी स्वीकार किया किसने हर बार अपने प्रण को भी आहूत किया कई बार उन्होंने देखे अपने भक्त के प्रण को रखने के लिए भीष्म के प्रण को रखने के लिए महाभारत में हथियार भी उठाए तो आप जब जनहित में तो महाभारत में, में आप कौरव हैं कि पांडव हैं नहीं नहीं हम तो राम के हनुमान हैं और उस कहिए कि भारत में भगवान राम नहीं, नहीं थे ना मैं महाभारत का सवाल पूछ रहा हूँ ना आपसे ये तो महाभारत हो रहा है मा... तो महाभारत में आप कौरव की भूमिका में हैं पांडव की बिहार की महाभारत में जीतन राम मांझी जी कृष्ण हैं ये आ... कोई मुगालते में ना रहे आ... आ... अपनी सारी सेना किसी और को सौंपने के बाद भी कैसे पांडव को जिताया जाता है ये जीतन राम मांझी जानते हैं और ये जो भ्रष्टाचार के आका जो अपने आप को बिहार के राजा मानते हैं और ये कह रहे थे संघर्ष से आए हैं अब तेजस्वी यादव का कौन सा संघर्ष है कि कह रहे थे तराजू से तौलिये। तौलिये अगर 30 किलो वजन तेजस्वी यादव का नहीं बढ़ा होगा तो फिर आप हमको जो कहिए वजन बढ़ने की बात हो रही है वो तो शारीरिक वजन की बात हो गई यहाँ राजनीतिक वजन किसका बढ़ता दिखाई दे रहा है आज जो ये गंगा किनारे पाटलिपुत्र के नाम से मशहूर इलाका वो पलटी पुत्र जैसे संदेशे भी आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे इस राजनीतिक खेला जो हुआ है ये अब किस और जाता दिख रहा है जो कुछ भी हुआ है संदीप भाई मैं यही कहूँगा कि नीतीश कुमार जीत करके भी हार गए और तेजस्वी यादव हार कर भी जीत गया ये लड़ाई में हारा नहीं है ये जो दार्शनिक सी बात कर रहे हैं राजनीति आजकल दर्शन शास्त्र को नहीं मानती हम तो पत्रकार हैं ना और मुझे फक्र है पूरा फक्र है, कि फॉर रॉन्ग रीजन ट्रेंड तो बिहार कर रहा है ना और पहली बार रही मैंने एक तरह से पहली बार हुआ मुझे पता चला कि कर्पूरी के शिष्य लोहिया के शिष्य जयप्रकाश के शिष्य इतना बड़ा पलटी इतना माने इतनी बार पलटी मारते हैं यही उन्होंने सीखा है ये पहली बार हमने जाना और हम लोग अपने बच्चों को जब नीतीश कुमार का बायोग्राफी पढ़ाएंगे ऑटोबायोग्राफी नहीं वो तो लिखेंगे नहीं तो इसमें यही पढ़ाएंगे कि बिहार के एक मुख्यमंत्री थे जिनका नाम नीतीश कुमार था वो जब मन इधर चल जाते थे खखरा के जाट बने हुए थे उन्हीं के इर्द-गिर्द जो है घूमते थे पर इसमें फायदा किसको होता दिखेगा तात्कालिक और दीर्घकालिक शॉर्ट टर्म फायदा किसको होता दिख रहा है बीजेपी 400 की ताल ठोक रही थी पर जरूरत पड़ गई ना नीतीश की तो उनके भी पेट में कहीं दर्द था आशंकाएं थी कहीं ना कहीं तो वो आशंकाएं अब दूर हो जाएंगी अरिथमेटिक और केमिस्ट्री नीतीश और मोदी की यानी कि बीजेपी जेडीयू की बीजे नैया पार लगाएगी आप हमको ये बताइए कि ये पहले भी बीजेपी के लोग कहते थे कि हम 40 जीत रहे हैं अब कह, तो कह रहे हैं कि 40 जीतेंगे तो पहले मैंने नहीं 40 जीत रहे थे तब ना आप कह रहे हैं कि 40 जीतेंगे अब बताइए अर्थमेटिक जो है और केमिस्ट्री की के जो बात करते हैं मुझे जो लगता है कि अभी जो लड़ाई है बराबरी बराबरी की है अभी भी बराबरी बराबरी, बराबरी, बराबरी की लड़ाई है और हमें हाँ मतलब आप कह रहे हैं बीजेपी तो कुछ इलाकों में अपनी मजबूती बनाए हुए थी उसको जरूरत पड़ती थी पिछड़े अति पिछड़े वोट बैंक की क्योंकि अगड़ा उनके साथ था नीतीश को साथ लाने के बाद वो इजाफा नहीं होगा जितनी उनकी आशंकाएं थी कि भाई कहीं हम 20 से नीचे भी ना चले जाएं उसमें इजाफा नहीं होगा मुझे लगता है कि लोगों के बीच में खासतौर से युवा के बीच में ये एक सिंपैथी इवन इमोंग द अपर कास्ट पीपल उसको लगता है मोह लगता है ना होला कि बताइए इसका क्या दोष था क्या मैंने क्या ऐसा किया नीतीश कुमार जो कहते हैं कि कुछ गड़बड़ होता रह, क्या गड़बड़ था जिस मंच पर आप रहते थे जिसकी अध्यक्षता आप करते थे बतौर मुख्यमंत्री रहते थे और ये लड़का रहता था बोलते थे कि पाँच का पहले कुछ होता था जी क्या होता था जी ए, कुछ होता था अब वो वहाँ सुन रहा है उसके सामने आप बोल रहे हैं

चौबीस के चुनाव में फायदा हो जाएगा एनडीए को और इंडिया की गत हो जाएगी रचयता ही हट गए इंडिया से तो इसमें नैरेटिव क्या जाता है आम आदमी के सामने संदेश क्या जाता अब जो लोग भी समझते थे उनको कि प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट हैं तो वो तो खूंटा ऊंटा लेकर के भाग गए अब क्या प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे और वो जो समझ सोच वो अब देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि लड़ाई जो है वो बराबर बराबर ये सिर्फ चौबीस के चुनाव तक का गठबंधन है उसके बाद बिखर जाएगा चौबीस के चुनाव के बाद अगर मान लीजिए लोग कहेंगे कि आप मुख्यमंत्री पद के छोड़ छोड़िए तो फट देने फान के उधर चले जाएंगे और फिर सरकार बना लेंगे और राजद भी बना देगी और फिर उसमें भी जब मान डिप्टी सी हो जाएंगे वो तो ये अंतहीन धारावाहिक की तरह हो जाएगा लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने जो ये दांव खेला है देखिए मौका परस्ती की जब बात होती है तो नीतीश कुमार का नाम सबसे पहले आ रहा है राजद ने भी भाई लोगों ने 2020 में जो जनादेश दिया था वो बीजेपी और जेडीयू की सरकार को दिया था आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी भले ही क्यों ना हो लेकिन उसे जनादेश बिहार पर राज करने का नहीं मिला था तो दो में उन्होंने नीतीश के साथ हाथ मिलाया मौका परस्ती उन्होंने की उन्होंने भी की तो हमाम में तो सभी नंगे हैं पर बीजेपी ने भी यह मौका परस्ती की है यह तात्कालिक लाभ के लिए यह गठबंधन बना है क्या प्रोफेसर संजय चूंकि आप पाटलिपुत्र की धरती पर हैं मैं पहले तो आपको स्वागत करता हूं एक पंक्ति से मैं अपनी बात को शुरू करता हूं विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही धरापर धूम भिक्षु होकर रहते सम्राट दया दिखलाते घर घर घूम विरासत में जिनको राज्य मिलता था गौतम बुद्ध हो या महावीर हो उन्होंने राज्य को छोड़ा और ज्ञान को उन्होंने प्रमुखता दी यहां लोकतंत्र में जनता ताकत देती है जो सवाल आपके हैं जनता आपको मैंडेट देती है और आप जनता के मैंडेट की अवहेलना करते हैं मैंडेट किसी और के साथ मिलता है सरकार किसी और के साथ घर तो वापसी हो गई मैं इसको इस रूप में नहीं मानता हूं मैं मानता हूं कि सिद्धांतों की बलि चढ़ा दी जाती है तर्क ढूंढ दिए जाते हैं अभी कन्हैया भाई से मैं पूछ रहा था कि ये बताइए कि पार्टी के जो नेता हैं उनको इतना आत्मविश्वास कहाँ से आता है कि गठबंधन बदलते ही शब्द बदल जाते हैं उनके भाव बदल जाते हैं उनके विचार बदल जाते हैं सब कुछ अच्छा लगने लगता है और जब वो गठबंधन से दूर चले जाते हैं तो सब कुछ बुरा कैसे लगने लगता है तो मैं मानता हूं कि सत्ता के समीकरण को साधने के लिए सिद्धांतों नीति और मूल्यों की बलि चढ़ा दी जाती है मैं मैं तो आपसे डिस्कस कर रहा था कि जहां तिरानवे लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे है वो कौन से बिहार की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि जो 18 साल उन्नीसवा साल लग गया नीतीश कुमार सरकार में रहे उसमें लगभग साढ़े सोलह सत्रह साल तो बीजेपी उनके सहयोगी थी तो जब आरजेडी के साथ आए तो जंगल राज आ गया बीजेपी के साथ चल रहे नीतीश कुमार तो कोई जंगल राज नहीं वो सुशासन बाबू हो जाते हैं तो क्या बीजेपी जो कार्यकर्ता है जो यहाँ के नेता है भाई तैयारियां हो रही थी ना 2024 के चुनाव की लोगों को लगा दिया गया अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में तीस बत्तीस बीजेपी खुद लड़ती बिल्कुल तो बाकी लोग अब कहा जाएंगे क्या अंदर खाने कुछ नाराजगी है या दिल्ली में बैठे जो हम नेशनल मीडिया वाले हैं कि जी ये तो खेला हो गया और बम बम और एनडीए की नैया पार लग गई भाई कभी ऐसा होता था कि कांग्रेस के समय में एक आला कमान का फरमान जारी होता था कि केंद्रीय नेतृत्व तय कर देता था आला कमान ने आदेश दे दिया चीजें उसी के अनुसार हो जाती है बीजेपी भी अब उसी सिद्धांत पर चलती है कि केंद्रीय नेतृत्व और उसके एक बड़े लंबरदार अमित शाह जी यही झंझारपुर में आकर के बोले थे कि दरवाज़ा बंद है और कल मैं एक बड़े बीजेपी के नेता को सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि दरवाज़ा तो छोड़ दीजिए दीवारें तक टूट जाती है उन्होंने वर्लिन तक चले गए कि जब जर्मनी की दीवार टूट सकती है तो ये कौन सी दीवार है तो सत्ता का समीकरण जहां सूट करता है और 40 लोकसभा की सीटें चालीस लोकसभा की सीटों को साधने के लिए सारे सिद्धांतों मूल्यों की बलि चढ़ा दी जाती है और वहां पर फिर कहते हैं कि नहीं एनडीए मजबूत होता दिख रहा है एनडीए बिखरता दिख रहा है या इसके विपरीत होता दिख रहा है ये तो जनता पर छोड़ दीजिए चूंकि जनता के अंदर भी चूंकि ये जो बिहार है ना जिस मोक्षदायिनी गंगा के किनारे खड़े हैं और सामने जेपी सेतु वो जयप्रकाश जिसने सत्ता को कभी चिमटे से भी नहीं छुआ बदलाव का वह बाहक रहे थे वो जयप्रकाश की भूमिका यह बिहार यहाँ की जनता पॉलिटिकली बड़ी है, पॉलिटिकली बड़ी कॉन्शियस है अभिषेक क्या है, है। नीतीश कुमार ने और समाजवादी विचारधारा के पुरोधा होने के नाते अब यहाँ पर प्रोफेसर संजय कुमार भी ये सवाल उठा रहे हैं समाजवादी विचारधारा को कलंकित कर दिया क्या ये आरोप रामविलास पासवान गुट जो है एलजेपी का उनके मुख्य प्रवक्ता लगा रहे हैं देखिए ये सारे आरोप निराधार हैं समाजवाद की विचारधारा को किन्ों ने बुलंद किया है ये सब ने देखा है जेपी लोहिया कर्पूरी की विचारधारा पर कौन सी पार्टी चलती है यह भी हर कोई जानता है अपने परिवार के सदस्यों को आगे नहीं बढ़ाया है यह भी हर कोई जानते हैं जो भी पार्टियां हम पर आरोप लगाती है जरा उनसे एक बार पूछ लीजिए कि उनके यहाँ परिवारवाद और वंशवाद कितना हावी है जेडीयू अब अब कितनी सीटों पर लड़ेगी? तो समन्वय तो सत्रह मतलब तो होनी चाहिए झगड़ा तो चल रहा था नहीं मुद्दा वो नहीं है सोलह हमारे सांसद कर आए हैं तो सोलह तो हमारा स्वाभाविक दावा है ही सत्रह सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ी थी लेकिन हमेशा हमारी पार्टी ने कहा है कि बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बिहार के लोगों की भलाई के लिए हमेशा हम बड़ा दिल दिखाते हैं विधानसभा चुनाव तो अब जल्द नहीं होंगे ना विधानसभा चुनाव कब होंगे यह तो आपके सामने है फिलहाल मैं ये तो थोड़ा बता दूं मेरी जानकारी दुरुस्त कर देना मैं थोड़ा अज्ञानी किस्म का आदमी हूँ <laughs> वो लालू प्रसाद यादव से भी यही बात हो रही थी कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव साथ होने चाहिए बीजेपी के साथ भी ये बात हुई तो बात वहां बनी क्या ऐसी कोई बात नहीं है संदीप जी ऐसी कोई बात नहीं है फिर वही बात है कि सूत्रों के हवाले से आपके सूत्रों के हवाले से नहीं पेट में थोड़ा दर्द नीतीश कुमार के ये भी था कि अरे भाई मेरे पास 45 विधायक हैं वो बीजेपी भी मुझे आईना दिखा देती है आरजेडी भी दिखा रही है अब मुझे पैतालीस की पैंसठ सत्तर करनी है तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ करवा दिए जाए नीतीश कुमार जी के पेट में दर्द भी नहीं होता है मन में डर नहीं होता है क्यूँकी दो लाइने हैं कि जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता और हम वहां भी कदम रखते हैं जहाँ रास्ता नहीं होता और नीतीश जी तो रास्ता बनाते हैं और उस रास्ते पर बिहार आगे चलता है बिल्कुल सरकार बदल जाती है मुख्यमंत्री नहीं बदल हमने तो कहा ना कि हमारा स्टैंड कहा बदला है नीतीश कुमार जी सूबे के मुख्यमंत्री थे हैं और आगे भी रहेंगे मृतंजय तिवारी सीटों के बंटवारे में थोड़ा पेंच था ना ये सत्रह सत्रह वाला खेल देखिए जो सम्मान आदरण नीतीश कुमार जी को हमारे नेता डिप्टी सीएम श्री पूर्व डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने दिया वो लोगों ने देखा गांधी मैदान में जब नियुक्ति पत्र बट रहे थे तो नियुक्ति लेने वाले लोगों को खड़े करके माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए तालियां बजवाई थी इश्तेहार आज सारे अखबार पटे पड़े थे इश्तेहारों के कि मानो सारा काम तेजस्वी कर रहे थे नीतीश ने कोई काम ही नहीं किया तो हम तो कह रहे हैं कि तराजू में तोल लीजिए ना भाई क्यों नहीं नियुक्ति दिया सत, सत्रह में मंत्री तो नीतीश कुमार ही थे हम क्या कह रहे हैं हमारे पास विभाग था जो जो विभाग आरजेडी कोटे में था चाहे पर्यटन का हो स्वास्थ्य का हो शिक्षा का हो जो जो हुआ काम आप देख लीजिए तुलना कर लीजिए ना ये हम एक एक चीज का हिसाब जनता के बीच जा करके देंगे और जनता पाई पाई का हिसाब लेगी हमें संयमित रूप से सकारात्मक राजनीति में विश्वास हमारे नेता रखते हैं और जनता के प्रति जो भरोसा और विश्वास तेजस्वी यादव जी ने इस कम उम्र में जीता है वो और बढ़ेगा आगे आगे देखिए होता है कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है देखिए ये सब तो शीर्ष नेतृत्व का विषय है जब सीटों का बंटवारा होगा पहले भी हम लोग महागठ तो कब होगा शुभ मुहूर्त कब निकालने वाले हैं तो बहुत जल्द हो जाएगा पहले इन सारी चीजों नीतीश चले गए ममता बनर्जी कह रही हैं मैं अकेला लड़ूंगी भगवंत मान कह रहे हैं आम आदमी पार्टी तेरह की तेरह लड़ेगी पंजाब में तो वो इंडिया गठबंधन बचा भी है देखिए गठबंधन दलों का होगा जनता सबसे बड़ी ताकत होती है लोकतंत्र में और जनता ने मोदी जी के खिलाफ अपना गठबंधन कर लिया है कि केंद्र की सत्ता से मोदी के मोदी के सामने कौन इंडिया की तरफ भाई ये तो विषय बाद में हम बताएंगे। अब ये हर चीज बाद में हमारे पास इतने विकल्प है हम सामूहिकता में विश्वास करते हैं वहाँ वन मैन तो सा, सामूहिकता दिख रही है हाँ तो दिख रही है ना कि किस तरह से जोड़ तोड़ भगवान राम भी जब बेड़ा पार लगाने में विश्वास नहीं रहा तो अब ये सब कर रहे हैं ऐसी सत्ता को हम चिमटे से भी नहीं छूना पसंद करेंगे ये अटल जी ने कभी कहा था उस समय हम स्टूडेंट थे जीतन राम मान जी तक को प्रस्ताव देते घूम भाई हम कौन कह रहा है थे, थे, अगर होना होता और कुछ करना होता तो आज ये सरकार शपथ नहीं ले पाती है जान लीजिए या इसी सत्ता को नरेंद्र मुन्ना ना अभी थोड़ा सा असमंजस है आप इंडिया में भी आ सकते हैं क्या तेजस्वी के साथ भी हाथ मिला सकते हैं इंडिया से देखिए संदीप जी एन तो निकल गया ना जो न्यू रखा था उसका नीतीश कुमार कैपिटल एन पूरे सूत्रधार ये लोग कहते थे उससे इंडिया से तो एन बाहर हो चुका है अब इंडिया में बचा कौन है कौन वहाँ आना चाहेगा हम लोग बिल्कुल आदरणीय नहीं है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश को आगे लेकर के जाना चाहते हैं और वैसे भी हमारे नेता चिराग पासवान जी आप ही लोगों ने उनका उपनाम हनुमान के रूप में दिया है हाँ। हम कभी भी एनडीए से बाहर भी गए किसकी लंका में आग लगाने वाले इन लोगों की लंका में आग लगाएंगे अच्छा नीतीश कुमार भी तो विभूषण है वो लंका से आए है ना मुझे पता नहीं उन पर आग? मुझे नहीं अभी जवाब दे सकते हैं जी विभीषण विभीषण को कोई अगर उस रूप में नहीं लेना विभीषण अगर नहीं आते तो रावण की नाभि का पता कौन बताता तो तो नीतीश कुमार जी वहाँ जाके उनके नाभि का सब पता उता कर लिए हैं अब बड़ा कह रहे थे कि चाचा को बहुत इज्जत दिए दो फीता दो कैची लेकर घूमते थे कुछ चीज का उद्घाटन होता था तो दो फीता दो कैंची कैंची लेकर घूमेगी एनडीए एनडीए में कितनी कैंची लेकर नहीं के के पाठक जी के इंजेक्शन का दर्द ऐसा कि इनके शिक्षा मंत्री तो यहाँ पर कैंची तक बात आ गई है गंगा मैया के किनारे हम खड़े हैं पाटलिपुत्र में तो बिहार में खेला तो हो गया लेकिन खेले का अंतिम अध्याय यानी कि वो मुकम्मल हो गया है क्या ये अभी देखने वाली बात है 2024 तक के लिए ये गठबंधन है आगे चलेगा क्या कोई सिंपथी फैक्टर होगा या अरिथमेटिक केमिस्ट्री काम करेगी मोदी और नीतीश कुमार की एनडीए का बंटाधार हो गया है या उसे और ताकत आने वाले दिनों में मिल सकती है कि भाई जो लोग विभीषण साबित हुए अब वो हट गए हैं या टाइम इज रनिंग आउट नमस्कार मैं हूं संदीप चौधरी आज सीधा सवाल मैं सीधे पटना बिहार की राजधानी पटना से कर रहा हूं पाटली पुत्र से गंगा किनारे हूं मैं यहां मेरे बाई और गंगा नदी बह रही है यह सोनपुर का पुल है मरीन ड्राइव कहते हैं इसे, दीका घाट है लेकिन बिहार में क्यों हूं यह आप जानते ही हैं, बिहार में सरकार बदल गई है मुख्यमंत्री वही है ये अपने आप में एक बड़ी कहानी कहता है नौवीं बार नीतीश कुमार ने बतौर मुख्यमंत्री आज शपथ ली उनके अलावा आठ और विधायकों ने मंत्री पद की भी शपथ ली उसमें दो उप मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ हो लिए हैं वो बीजेपी जिन्हें वो सांप्रदायिक बताते थे सौहार्द बिगाड़ रही है देश को तोड़ रही है और इसीलिए इंडिया गठबंधन के रचयिता भी बन गए थे कि बीजेपी को बहुमत नहीं लाने देंगे 200 सीट नहीं लाने देंगे 100 का आंकड़ा पार नहीं करने देंगे लेकिन अब वो बीजेपी के खेवनहार की भूमिका में भी साफ आते दिखाई दे रहे हैं तो ये जो नई सरकार है दरअसल क्या नए राजनीतिक समीकरणों की ओर भी इशारा कर रही है अब राजनीतिक समीकरण क्या है नीतीश कुमार एनडीए में आने से एक अरिथमेटिक होता है और एक केमिस्ट्री अंक गणित और रसायन शास्त्र यह हमने देखा है 2019 के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू साथ आते हैं तो कमाल का राजनीतिक खेल भी होता है चालीस में से उनतालीस सीटें बीजेपी और जेडीयू जीतने में कामयाब हो गई थी एनडीए जीतने में कामयाब हो गया था तो 400 पार अब की बार 400 पार इस बात की ताल ठोकने वाली बीजेपी उन्हें दरअसल नीतीश कुमार जिनको वो पलटू राम मौका परस नंजाने किन किन संज्ञाओं से नवाजते थे और कहते थे कि दरवाजे बंद अब कोई रास्ता नहीं कि नीतीश वापस आ जाएं उनके लिए कालीन बिछा दिया बीजेपी ने क्या लड़ाई है 2024 की कि भाई इंडिया का जो गणित बन रहा है वो बिहार में नुकसान ना पहुंचा दे तो नीतीश कुमार को अगर हम ले आते हैं तो इंडिया धाराशाही हो जाएगा और नीतीश कुमार ये जानते बूझते कि 45 विधायक हैं और बीजेपी के रहमो कर्म पर अब आगे का राजनीतिक जीवन बिताना पड़ेगा उन्होंने ये इतना बड़ा दाव क्यों खेला है वो अपना रसूख अपनी वक्त और राजनीतिक गणित में इजाफा करना चाहते हैं क्या कि बीजेपी के साथ रहेंगे सांसद सत्रह में से सोलह जीते थे और 45 की जगह और बढ़ जाएगा विधानसभा चुनाव आते आते आंकड़ा पर यहां पर सवाल ये भी है ये सरकार कितने दिन चलेगी क्या ये तात्कालिक लाभ के लिए यह गठबंधन बना है और लोकसभा चुनाव के बाद खेल फिर शुरू हो जाएगा क्या तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि अभी खेला होना बाकी है 2024 के अंत तक जेडीयू खत्म हो जाएगी तो अस्तित्व पर जुआ खेल दिया है क्या नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी एक वक्त पर और नीतीश कुमार के भी उपाध्यक्ष बना दिया था उन्होंने जेडीयू का प्रशांत किशोर को प्रशांत किशोर कह रहे हैं लोकसभा चुनाव खत्म होने दीजिए छह महीने में यह सरकार गिर जाएगी तो क्या पच्चीस तक यह सरकार टिक पाती है लेकिन उससे बड़ा सवाल इंडिया के ढांचे में ऐसी में कर दी कि ताश के पत्तों की तरह गठबंधन बिखर जाएगा टूट जाएगा इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि जेडीयू और उनके मुख्य जो प्रवक्ता हैं केसी त्यागी वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की नीतियों के चलते और उसके कुछ ऐसे बर्ताव के चलते सीटों तो का बंटवारा नहीं कर रहे संयोजक नहीं बनाया यह खैर के सी त्यागी ने नहीं कहा इंडिया बिखर रहा था कांग्रेस की कारगुजारियां थी तो हमारे पास और कोई विकल्प नहीं बचा उधर कांग्रेस कह रही है मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं हमें पहले ही अंदेशा था नीतीश बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं उन्हें संयोजक कैसे बना देते इशारों इशारों में यह बात वो भी कह गए जयराम रमेश कहते हैं कि गिरगिट को भी बदनाम कर रहे हैं नीतीश कुमार इतना रंग बदल रहे हैं पलटिस कुमार कह रहे हैं तेज प्रताप यादव तेजस्वी के बड़े भाई तो ये जो खेल हो रहा है 24 के लिए क्या बीजेपी को फायदा देगा या बीजेपी तो मजबूत है अपनी जगह पर जेडीयू कमजोर कड़ी भी साबित होगी या छोंक लगाने का काम करेगी और नैया पार करा देगी इस गंगा मैया में नैया पार हो जाएगी क्या एनडीए की इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं ऐसे में आज का सीधा सवाल फिर नीतीश कुमार 25 तक चलेगी सरकार ये पहला सवाल और बिखर गया इंडिया चौबीस में होगा खेला तो पच्चीस की भी बात कर रहा हूं और चौबीस की भी और चर्चा में मेरे साथ जेडीयू के युवा चेहरा हैं उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अभिषेक झा और देखिए क्या सही वक्त पर एंट्री की है मृत्युंजय तिवारी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरजेडी के तो अभी तो साथ थे आज थोड़ा साथ और खड़े हो जाइए फिर साथ हो जाएंगे अभी तो खैर टूट हो गई है उस उस पर उस पर तो मैं आता हूं अभी सुंदर है है हमारे साथ साथ हम और ये हम और हो गया जेडीयू के बिखरते भी रहते हैं टूटते भी रहते हैं और जुड़ते भी रहते हैं आइए मुन्ना साहब भी आ गए देखिए सब वक्त पर पहुंच गए हैं धीरेन्द्र कुमार मुन्ना एलजेपी रामविलास पासवान गुट के प्रवक्ता और दो खास मेहमान बिहार की नब्स टटोलते आए हैं दशकों से वरिष्ठ पत्रकार हैं कन्हैया बेलारी और प्रोफेसर संजय कुमार जाने माने राजनीतिक विश्लेषक भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं तो तीन दिन से हमें टहला रहे थे अभिषेक कि अरे अफवाहों का बाजार गर्म है पत्रकार अपने मन की बातें कह रहे हैं जो हमने कहा वही सही हुआ नहीं हमने ऐसा नहीं कहा कि पत्रकार अपने मन की बात कर रहे हैं आपका काम था कयास लगाना सूत्रों के हिसाब से खबरें चलाना और आप हमसे स्पष्टीकरण मांगते थे आप पूछते थे हमसे कि कल क्या होगा संदीप जी वो कल आज हो चुका है और ये आज आपके सामने है जो भी घटनाक्रम है वो आपके सामने है आज एक नई सरकार का गठन हुआ है बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है और कारण विस्तार से हमने भी हमारी पार्टी ने सबने बताया है क्या कारण मैं अभी तक समझ नहीं पाया देखिए बहुत सारे ऐसे कारण नीतीश कुमार जी ने कभी दबाव की राजनीति नहीं की है और नीतीश दबाव बना रहा था हमारे जो सोकॉल सहयोगी दल थे उनकी तरफ से हमेशा एक अनावश्यक अनाधिकृत दबाव दबाव किन चीजों का राजनीतिक रूप से बहुत सारे अनैतिक काम करने का जो लोग जिन पर आरोप हैं जमीन के बदले नौकरी का वो नौकरियां देकर दो हजार आठ नौ का मामला पंद्रह साल से आपकी जानकारी थी यकायक यादाश्त में ताजी हो गई ऐसा नहीं होता है संदीप जी मसला यह है कि बहुत सारे मामले हैं जो साबित हैं और बहुत सारे मामले हैं जो अंडर ट्रायल है उस पर हमें नहीं जाना दूध में मक्खी है फिर भी दूध पी रहे थे वैसा नहीं है देखिए हम उनसे हम हर किसी से उम्मीद करते हैं कि आपकी राजनीतिक सुचिता बनी रहे पहली बात तो वो है दूसरा है कि आपने लगातार देखा है कि किस तरह से इनकी पार्टी के नेताओं ने हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियां की चाहे वो सुधाकर सिंह जी हो इनके एमएलसी सुनील सिंह कई विधायक हो इनके बीजेपी वालों ने वालों क्या कुछ किया जिनके साथ गलबैया कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री अब बन गए हैं सम्राट चौधरी सर पर पगड़ी बांधते हैं और कहते फिरते थे पगड़ी नहीं उतारूंगा जब तक गद्दी से नीतीश कुमार को नहीं उतार दूंगा अब गाड़ी में आगे बैठे हुए थे सम्राट चौधरी आज वो गाड़ी में तस्वीरें देखी होंगी ना पीछे बैठे हुए हैं नीतीश कुमार देखिये लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी होती है और जब हम विपक्ष में अभिव्यक्ति की आजादी और यहाँ पर उतारा राजनीतिक राजनैतिक सुचिता और मर्यादा आप इस बात को समझिए ना सम्राट चौधरी जी ने बताया कब पगड़ी उतारेंगे नहीं उतारेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कभी भी जब हमारे खिलाफ भी कहा तो राजनीतिक मर्यादा का ख्याल रखा अच्छा मर्यादाओं में थे वो भाई आप उनके बयानों का आकलन खुद कर सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल के नेता जिस तरह से लगातार बोल रहे थे वो भी आपके सामने है तो ये सारे मसले हमेशा तो आरजेडी से दिक्कत थी आपके मुख्य प्रवक्ता और सलाहकार भी हैं नीतीश कुमार के सी त्यागी कहते हैं ये कांग्रेस ने बंटाधार कर दिया कांग्रेस सीट शेयरिंग नहीं कर रही कांग्रेस अपने दम गुरूर में थी इंडिया बिखर गया सारी चीजें वास्तविकता है संदीप जी आपने यहाँ के परिपेक्ष में पूछा तो अभी हम अपने एक पुराने साथी के विषय में बता रहे थे कांग्रेस पार्टी का जो हाल है वो आपके सामने ही है ना कुछ कदम चलने को यह तैयार नहीं है किस गुरूर में है आपको दिख रहा है इंडिया अलायंस का निर्माण अगर किसी ने भूमिका दो हजार बाईस में जब आपने सरकार बनाई इंडिया गठबंधन था अभिषेक नहीं महागठबंधन का एक स्वरूप बिहार में था नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन नहीं था ना इंडिया में दरार है सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा उसको बहाना बना रहे हैं 2022 में आरजेडी के साथ आपने समझौता किया तब इंडिया गठबंधन थोड़ा संदीप जी बहाना नहीं है ये वास्तविकता से इतर हम कोई बात नहीं कर रहे हैं आप बताइए कि इंडिया अलायंस जो, जो कि अब बचा नहीं है इंडिया अलायंस अगर है भी तो किन प्रदेशों में सीटों का बंटवारा हो चुका है आदरणीय लालू जी क्या बयान देते हैं तो समझिए है आप तेजी तेजी चीजें हो चुकी हैं संदीप जी हम आपके सामने रखेंगे धीरे धीरे थोड़ा एहतियात मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि हमें पहले ही मालूम था नीतीश कुमार विभीषण की भूमिका में आए हुए हैं और इसीलिए जो मांग रहे थे नहीं दिया गया। देखिए आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तो खुद रबर स्टाम्प अध्यक्ष है ना okay. वो खुद कह रहे हो तब तो एक बात होती है अगर उनके अंदर राजनीतिक रीढ़ की हड्डी होती पूरे कांग्रेस पार्टी के अंदर तो शायद इतना बुरा हश्र नहीं होता कि जहां जहां राहुल गांधी जी पग रख रहे हैं वहां वहां उनके अलायंस के साथ ही छूटते चले जा रहे हैं किस तरह की तस्वीरें आप भी प्लानिंग चल रही थी क्या इंडिया का आइडिया देंगे फिर इंडिया को ही धाराशाही कर देंगे हम कभी भी करते हैं तो ईमानदार प्रयास करते हैं और नीतीश कुमार जी ने हमेशा ईमानदार प्रयास किया और एक बात को समझिए हमारी कोई वैमनस्ता ना आरजेडी के साथ है ना कांग्रेस के साथ ना बीजेपी के साथ रही विपक्ष विपक्ष बीजेपी तो सांप्रदायिक पार्टी है ना देश को तोड़ रही है धर्म के आधार पर बांट रही है जातिगत जनगणना करवा नहीं रही है आरक्षण विरोधी है ये मेरे बयान नहीं ये सारे नीतीश कुमार आज के बयान आज भी हमारी प्राथमिकता में है की जनगणना के जाती ना हो। के नारे लग रहे थे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नीतीश कुमार नहीं गए जय श्री राम करेंगे नीतीश कुमार होता है की राम भगवान में हमारी आस्था है की नहीं है जय श्री राम के नारे लगाएंगे आप राम बोलते थे जय जयसिया राम बोलते हैं जयसिया राम और श्री राम में फर्क है अरे हम बिहारवासी हैं हम मिथिलावासी हैं हम राम से पहले सीता माता का नाम लेते हैं बिना सीता माता का नाम लिए हम राम भगवान का नाम नहीं लेते हैं। तो इसमें आपत्ति क्या है तो राम रामलला का मंदिर है ना तो हम जय सिया राम बोलते हैं तो क्या दिक्कत है राम लला के मंदिर में सीता माता का अब जय करेगी और बीजेपी जय श्री राम अलग अलग आइडियोलॉजी सांप्रदायिक नहीं होंगी और बीजेपी पार्टी, पार्टी ना सांप्रदायिक थी ना हम इसमें विश्वास रखते हैं हम आज भी जातीय जनगणना के पक्ष में हैं हम कमिटमेंट के लिए जाने जाते हैं जनता के साथ पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं जनता के साथ जो हमारा कमिटमेंट है चाहे सात निश्चय पार्ट वन के रूप में जो जनता को डिलीवर हो चुका या सात निश्चय पार्ट टू के रूप में जिसपे काम चल रहा है बड़ा जुआ खेल दिया नीतीश कुमार ने चौबीस की लड़ाई है बीजेपी को वो तीन सौ तो अच्छा कैसे ना कैसे लेकर आनी है लगा कि ये इंडिया गठबंधन दिक्कत कर देगा आपके लिए दरवाजा इंडिया गठबंधन तो है ही नहीं इसके बाद यूज एंड थ्रो ना हो जाए आपका ऐसा नहीं होता है अगर यूज एंड थ्रो था तो बहुत सारी स्क्रिप्ट आपने देखी थी संदीप मुख्यमंत्री नहीं रह सकते हैं नीतीश कुमार जी याद आपके सामने क्या है मैं आज की बात कर रहा हूँ राज चौधरी उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं सुशील मोदी नहीं आपके ये ये भारतीय जनता पार्टी का अपना आंतरिक फैसला है इसमें हमारा हमारा कोई दबाव नहीं हो सकता है हम दूसरे दलों पर दबाव देने वाले दल नहीं है हर एक दल स्वतंत्र रूप से काम करता है अपने हिसाब से काम करता है ये उनकी कार्यशैली में शामिल तेजस्वी कह रहे हैं चौबीस तक जेडीयू खत्म हो जाएगी आपके उपाध्यक्ष रहे बड़े करीबी रहे नीतीश कुमार के प्रशांत किशोर कह रहे हैं ये सिर्फ चुनाव चुनाव तक का गठबंधन है ये खत्म हो जाएगा में क्या होता है जनता तय करती है पहली बात हम घमंड में नहीं आत्मगौरव में बोलते हैं और प्रशांत किशोर जी की कोई राजनीतिक प्रासंगिकता नहीं है और तेजस्वी यादव जी बयान दे रहे हैं तो उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे देखिए पूरे राष्ट्रीय जनता दल के लोग अभी साथी भी यहाँ चुके सत्ता विलाप आपको दिखेगा सत्ता से बाहर जाने की तीस सत्ता विलाप हो तो रहा है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे हालत ये हो गई आरजेडी की इतने देर के प्रवचन में हमारे छोटे भाई ये बता ही नहीं पाए जनता को कि हमने साथ क्यों छोड़ा हमें फक्र है गर्व है कि हम पंद्रह महीने सरकार में रहे तो वो विश्वकर्तिमान तेजस्वी यादव जी ने बना दिया जो ना कोई भुला सकता न कोई मिटा सकता दो लाख बीस हजार सत्तर दिनों में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया कभी कोई बांटा मुख्यमंत्री तो नीतीश थे ना हम क्या कह रहे हैं यही आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे ना 2020 में जब तेजस्वी यादव जी ने ये वादा किया था दस लाख नौकरी का तो आदरण नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था ये कहां से लाएगा पैसा कैसे देगा नौकरी नहीं नौकरी तो पहले भी लालू प्रसाद यादव ने दी पर लैंड फॉर जॉब स्कैम कर दिया कि नौकरी तो दे देंगे ये चक ये, ये इतने कट्ठे मेरे नाम लिखवा संदीप जी ये विरोधियों को जेडीयू को चाहे आज लाख कोई बहाना हो अपना नया ठिकाना ढूंढने का लेकिन जनता इनको पहचानती है और हम तो कह रहे हैं कि अब आदरणीय नीतीश कुमार जी की राजनीतिक पूंजी नहीं बची है नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार संभालेंगे 24 के चुनाव का अब क्या हाल रह गया 24 के चुनाव में जनता मालिक है अयोध्या में भगवान राम लला प्रकट हुए भगवान राम लला पर भी इनको भरोसा नहीं हुआ ये लोकतंत्र का अयोध्या है बिहार लोकतंत्र की जननी और यहाँ ये इंडिया की क्या गत हो गई अब दिक्कत होगी इंडिया तो पूरी तरह से मजबूत है इंटैक्ट है इंडिया गठबंधन बना ही बड़े उद्धिया जा रहे हैं तेजस्वी देखिए सब लोग राजनीतिक दल अपना अपना कार्यक्रम चला रहे हैं यही तो प्रॉब्लम है यही तो नीतीश कुमार कह रहे थे कि अपनी अपनी डफली अपना अपना राग अपनी, अपनी अपनी डफली अपना राग का सवाल नहीं है अभी तो आपने देखा किस तरह से वहाँ चिराग पासवान जी को मनाया गया किस तरह से यादव तो पूछूंगा मुन्ना से मैं पूछूंगा मान गए हैं क्या जनता का विश्वास अगर किसी भी व्यक्ति का किसी भी दल का विश्वसनीयता ही समाप्त हो गई तो उनकी राजनीति समाप्त होगी और हमारे नेता ने आज ऐलान किया है तेजस्वी यादव जी ने तेजस्वी यादव जी ने कहा है खेल अभी शुरू हुआ है क्या है वो खेल थोड़ा समझाइए ना खेल अभी बाकी है खेल क्या खेल बाकी है? खेल का अंत तेजस्वी यादव जी करेंगे जेडीयू 24 में समाप्त हो जाएगी अब इसका नौबत ही नहीं आएगी जेडीयू मतलब दो फाड़ होने वाली है जीतन हो? राम माझी को भी मुख्यमंत्री का न्योता दे दिया की प्रस्ताव दे दिया पर्दे के अंदर रहने दीजिए पर्दा दो फाड़ हो रही है अब देखिए ना आगे आगे होता है क्या अब तो आज खुशी का दिन है आज अभिषेक जी को शुभकामना है बीजेपी को शुभकामना है सभी एन गठबंधन जिन्होंने सरकार बनाई है खूब शुभकामना है लेकिन कल से इनको जनता के सवालों के बौछारों का सामना करना होगा कि जो तेजस्वी यादव जी ने इतने दिनों तक सत्रह वर्षों से एनडीए का शासन है बिहार में और हमारे सत्रह महीनों का शासन काल तराजू पर रखकर कोई तौल ले वो भारी पड़ गया जंगल राज के नाम पर बदनाम था आपका राज ये ये, गरीब, ये गरीबों का राज मजदूरों किसानों नौजवानों का ये तो रोजगार पुरुष के रूप में तेजस्वी यादव जी याद किए जाएंगे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा इनको जो इन्होंने किया है उसका बदला जनता सूद और ब्याज के साथ पाई पाई लेगा पहले तो ईडी की कार्रवाई से ही निपटना होगा 9 फरवरी को राउस एवेन्यू के सामने पेश होना होगा हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी श्री तेजस्वी यादव जी ने संघर्षों के गर्व में ही राजनीति की है और वहीं से पले बढ़े हैं चारा घोटाला भी किया हमने तो कहा ना कि जिसको जो कहना है कह दें। अभी तक आदर अब वो सब बातें अगर खुलेगी परत दर परत तो उसके लिए बहुत समय तो देना होगा खेला होना बाकी ये शुभकामनाएं भी दे रहे हैं धीरेन्द्र आपको मृत्युंजय तिवारी खुश है या ना खुश है चेहरा उतरा हुआ है आपका क्यों बिल्कुल नहीं उतरा हुआ है मैं खुश हूँ क्योंकि बिहार को एक नई सरकार मिली है काम करने वाली डबल इंजन की सरकार मिली है बिहार वासियों को मैं शुभकामना देता हूँ मुख्यमंत्री जी को शुभकामना देता हूँ पूरे मंत्री परिषद को मैं शुभकामना देता हूँ मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दे रहे हैं आपके मुख्य प्रवक्ता हैं ए के वाजपेयी कल मेरे ही कार्यक्रम पर बोले कि समाजवादी विचारधारा और विरासत को कलंकित किया है नीतीश कुमार ने आज चिराग पासवान ने कहा कि हमारे नीतिगत विरोध हैं मतभेद हैं नीतीश कुमार के साथ देखिए हम लोग पहले बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं बिहार को भी हम... फर्स्ट सिटीजन बन गए हैं नीतीश कुमार जहाँ पर अगर हम क्यों बन गए हैं अगर ये मृत्युंजय तिवारी जी अगर वहाँ से अलग नहीं होते अगर आदरणीय नीतीश कुमार जी को ये ट्रबल में नहीं डालते तो आज हमारी क्या जरूरत पड़ती इन लोगों ने ट्रबल में डाला है तो क्या मैं बिहार के लोगों को बिहार के दो तो हज़ार में तो आप अलग लड़े थे ना तब तो एन के हिस्सा भी नहीं रहे थे तो सरकार बनी थी तो अब आप एनडीए का हिस्सा हैं रहेंगे बिल्कुल है। आपका तो एक विधायक था वो भी चला गया बिल्कुल वो एक विधायक भी था चला गया था लेकिन बिहार के के लोग हमारे नेता के साथ है आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ है और हम बिल्कुल अभी एनडीए के हिस्सा हैं और आगे भी रहे 24 की लड़ाई के लिए ये पूरी तैयारी तयार, तैयारी है ये कवायद हुई है ये टूट फूट पलटना टकना ये सब हुआ छह सीट आपको दे देंगे दो दिन से अटके हुए हैं चिराग पासवान खूंटा गाड़ कर बैठे हुए थे दिल्ली में कि पटना तभी जाऊंगा पहले इस बात का जवाब दीजिए मिल गया जवाब संदीप जी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमारे हितों की रक्षा की जाएगी और मुझे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर पूर्ण विश्वास है और अगर इन लोगों के ये जो आज बिहार आपके जो हित हैं उसको आसान कर देते हैं ना 2019 में 17 बीजेपी लड़ी 17 जेडीयू लड़ी और छः आपके बांटे आई तो इस बार सत्रह बीजेपी तो सत्रह जेडीयू को भी देनी पड़ेंगी उस छः में आप भी हैं हम भी है उपेंद्र कुशवाहा भी हैं पारस बाबू भी हैं चाचा भतीजे वाला खेल भी होगा ये छे में कितने समाएंगे चालीस से ऊपर सीटें तो नहीं है ना ये बात पर्दा पर करें क्या <laughs> पर्दे ये, की बात, ये पर्दे की बात कार्यक्रम का नाम सीधा सवाल है सीधा सवाल है लेकिन सवाल कहने को सीधा है टेढ़े भी होते हैं नहीं नहीं बिल्कुल आपके सवाल बिल्कुल सीधे होते हैं सुनने में लोगों को टेढ़े लगते हैं लेकिन संदीप जी मैं बताता हूं कि हम लोग बहुत ही मजबूती से और संतुष्टि से आगे बढ़ रहे हैं और सुबह में समा जाएंगे सब अब छः और नौ का नंबर हमको नहीं पता है आप श्याम बाबू मतलब सुमन साहब तो बन गए मंत्री उसी से काम चल जाएगा देखिए हम लोगों का जो मिशन है वो सुमन बाबू के मंत्री बनने और नहीं बनने का नहीं है अगर वो होता तो जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ते वो होता तो सुमन जी मंत्री का पद नहीं छोड़ते तो जीतन राम मांझी जी का या हमारी पार्टी का जो मिशन बिहार है और बिहार के हित में हम लोगों ने जब प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लिया तो पूरे बिहार को वो आशीर्वाद आज हम लोगों ने तो आपका मिशन मिशन बिहार है नीतीश कुमार को तो पलटू राम कहते ही है दुनिया जीतन राम मांझी भी कहीं कम नहीं है ने, ने, कभी नीतीश के साथ कभी एनडीए के साथ कभी एनडीए से बाहर कितनी बार पारी रही और पाला बदल चुके हैं वो आधा मिनट हम बोल लेंगे <laughs> तब तो बात निकल जाएगी इस बार पलटू नहीं हुआ इस बार सलटू होगा और जो पलटू राम कहें ना उनको हम लोग सल्टू राम बना देंगे और कैसे 2024 में 25 में सलट देंगे जो भ्रष्टाचार के आका को अपना पुरोधा मानते हैं ना और समाजवाद कर्पूरी ठाकुर और जेपी और लोहिया सब को बेचने वाले ही लोग अपने बेटे के लिए दंडवत हुए हैं नीतीश कुमार के यहाँ कौन नहीं जानता कि जाकर माफ़ी वाफी सब मांगी है बेटी का पोस्ट डिलीट करा रहे हैं तो कुछ करा रहे हैं उससे माफ़ी मंगवा रहे हैं राहुल गांधी से बात करवा रहे हैं उधर दौड़ रहे हैं उधर भाग रहे हैं सत्ता के लिए कौन चारों तरफ जब चारों खाने चित हो गया तब हमारे नेता को आया कि आपको अब मुख्यमंत्री बनाते हैं बाघ का कंगन लेकर के घूम रहे थे शिकारी नहीं आपने भी कहानी सुनी होगी तो राष्ट्रीय जनता दल के पॉलिटिकल कल्चर को हम सब लोग जानते हैं तो रावण की लंका में आग लगाने के लिए हम लोगों ने वहां से विभिन्न कौन है लिया है अच्छा विभीषण को निकाल लिया विभीषण है बिल्कुल, बिल्कुल। नीतीश कुमार विभीषण आए तो विभीषण नहीं आते क्या विभीषण है ना नीतीश कुमार विभीषण तो विभीषण आते कि नहीं नीतीश कुमार तौर पर की लंका में विभीषण है आपने सलट शब्द अभी इस्तेमाल किया वो दिमाग भी सलट गया है बहुत सारे सवाल उठाए थे जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को लेकर उसके लिए देखिये कृष्ण की परंपरा को हम लोग कायम रखे हुए है कृष्ण ने कई बार रन भी छोड़ा किसने रणछोड़ नाम भी स्वीकार किया किसने हर बार अपने प्रण को भी आहूत किया कई बार उन्होंने देखा अपने भक्त के प्रण को रखने के लिए भीष्म के प्रण को रखने के लिए महाभारत में हथियार भी उठाए तो आप जब जनहित में तो महाभारत में आप कौरव हैं कि पांडव हैं नहीं नहीं हम तो राम के हनुमान हैं और उस कहिए कि भगवान राम नहीं, नहीं थे ना मैं महाभारत का सवाल पूछ रहा हूँ तो महाभारत हो रहा है मा... तो महाभारत में आप कौरव की भूमिका में हैं पांडव की बिहार की महाभारत में जीतन राम मांझी जी कृष्ण हैं ये कोई मुगालते में न रहे अपनी सारी सेना किसी और को सौंपने के बाद भी कैसे पांडव को जिताया जाता है ये जीतन राम मांझी जी जानते हैं और ये जो भ्रष्टाचार के आका जो अपने आप को बिहार के राजा मानते हैं और ये कह रहे थे संघर्ष से आए हैं अब तेजस्वी यादव का कौन सा संघर्ष है कि कह रहे थे तराजू से तौलिए तौलिए अगर 30 किलो वजन तेजस्वी यादव का नहीं बढ़ा होगा तो फिर आप हमको जो कहिए वजन बढ़ने की बात हो रही है वो तो शारीरिक वजन की बात हो गई यहाँ राजनीतिक वजन किसका बढ़ता दिखाई दे रहा है आज जो ये गंगा किनारे पाटली के नाम से मशहूर इलाका वो पलटी पुत्र जैसे संदेश भी आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे इस राजनीतिक खेला जो हुआ है ये अब किस और जाता दिख रहा है जो कुछ भी हुआ है संदीप भाई मैं यही कहूंगा कि नीतीश कुमार जीत करके भी हार गए और तेजस्वी यादव हार कर भी जीत गया ये लड़ाई में हारा नहीं है ये जो दार्शनिक सी बात कर रहे हैं राजनीति आजकल दर्शन शास्त्र को नहीं मानती है हम तो पत्रकार हैं ना और मुझे फक्र है पूरा फक्र है कि आज भी बिहार ट्रेंड कर रहा है ऑफ कोर्स फॉर रॉन्ग ट्रेंड तो बिहार कर रहा है ना और पहली बार नहीं मैंने एक तरह से पहली बार हुआ मुझे पता चला कि कर्पूरी के शिष्य लोहिया के शिष्य जयप्रकाश के शिष्य इतना बड़ा पलटी इतनी बार पलटी मारते हैं यही उन्होंने सीखा है यह पहली बार हमने जाना अब हम लोग अपने बच्चों को जब नीतीश कुमार का बायोग्राफी पढ़ाएंगे ऑटोबायोग्राफी नहीं तो लिखेंगे नहीं तो इसमें यही पढ़ाएंगे कि बिहार के एक मुख्यमंत्री थे जिनका नाम नीतीश कुमार था वो जब मंत्री इधर चल जाते थे पोखरा के जाट बने हुए थे उन्हीं के इर्द गिर्द जो है घूमते थे पर इसमें फायदा किसको होता दिखेगा तात्कालिक और दीर्घकालिक शॉर्ट टर्म फायदा किसको होता दिख रहा है बीजेपी 400 की ताल ठोक रही थी पर जरूरत पड़ गई ना नीतीश की तो उनके भी पेट में कहीं दर्द था आशंकाएं थी कहीं ना कहीं तो वो आशंकाएं अब दूर हो जाएंगी अरिथमेटिक और केमिस्ट्री नीतीश और मोदी की यानी कि बीजेपी जेडीयू की बीजे नैया पार लगाएगी आप हमको ये बताइए कि ये पहले भी बीजेपी के लोग कहते थे कि हम 40 जीत रहे हैं अब कह रहे हैं कि 40 जीतेंगे तो पहले मैंने नहीं 40 जीत रहे थे तब ना आप कह रहे हैं कि 40 जीतेंगे अब बताइए अर्थमेटिक जो है और केमिस्ट्री की के जो बात करते हैं मुझे जो लगता है कि अभी जो लड़ाई है बराबरी बराबरी की है अभी भी बराबरी बराबरी, बराबरी की, की।, की लड़ाई है और हमें मतलब आप कह रहे हैं बीजेपी तो कुछ इलाकों में अपनी मजबूती बनाए हुए थी उसको जरूरत पड़ती थी पिछड़े अति पिछड़े वोट बैंक की क्योंकि अगड़ा उनके साथ था नीतीश को साथ लाने के बाद वो इजाफा नहीं होगा जितनी उनकी आशंकाएं थी कि भाई कहीं हम 20 से नीचे भी ना चले जाएं उसमें इजाफा नहीं होगा मुझे लगता है कि लोगों के बीच में खास तौर से युवा के बीच में ये एक सिंपैथी इवन इमोंग द अपर कास्ट पीपल उसको लगता है मोह लगता है गुनाह होला बताइए इसका क्या दोष था क्या मैंने क्या ऐसा किया नीतीश कुमार जो कहते हैं कि कुछ गड़बड़ होता रह, क्या गड़बड़ था जिस मंच पर आप रहते थे जिसके अध्यक्षता आप करते थे बतौर मुख्यमंत्री रहते थे और ये लड़का रहता था बोलते थे कि पाँच के पहले कुछ होता था जी क्या होता था जी ए, कुछ होता था अब वो वहाँ सुन रहा है उसके सामने आप बोल रहे हैं

24 के चुनाव में फायदा हो जाएगा एनडीए को और इंडिया की गत हो जाएगी रचयता ही हट गए इंडिया से तो इसमें नैरेटिव क्या जाता है आम आदमी के सामने संदेश क्या जाता है अब जो लोग भी समझते थे उनको कि प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट हैं तो वो तो खूंटा ऊंटा लेकर के भाग गए अब क्या प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे और वो जो समझ सोच वो अब देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि लड़ाई जो है वो बराबर बराबर ये सिर्फ चौबीस के चुनाव तक का गठबंधन है उसके बाद बिखर जाएगा चौबीस के चुनाव के बाद अगर मान लीजिए लोग कहेंगे कि आप मुख्यमंत्री पद के छोड़ छोड़िए तो फट देने फान के उधर चले जाएंगे और फिर सरकार बना लेंगे और राजद भी बना देगी और फिर उसमें भी जब मिले डिप्टी सी हो जाएंगे वो तो ये अंतहीन धारावाहिक की तरह हो जाएगा लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने जो ये दाव खेला है देखिए मौका परस्ती की जब बात होती है तो नीतीश कुमार का नाम सबसे पहले आ रहा है राजद ने भी भाई लोगों ने 2020 में जो जनादेश दिया था वो बीजेपी और जेडीयू की सरकार को दिया था आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी भले ही क्यों ना हो लेकिन उसे जनादेश बिहार पर राज करने का नहीं मिला था तो 2022 में उन्होंने नीतीश के साथ हाथ मिलाया मौकापरस्ती उन्होंने की उन्होंने भी की तो हमाम में तो सभी नंगे हैं पर बीजेपी ने भी यह मौका परस्ती की है यह तात्कालिक लाभ के लिए यह गठबंधन बना है क्या प्रोफेसर संजय, चूंकि आप पाटलिपुत्र की धरती पर हैं मैं पहले तो आपको स्वागत करता हूं एक पंक्ति से मैं अपनी बात को शुरू करता हूं विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही धरापर धूम भिक्षु होकर रहते सम्राट दया दिखलाते घर घर घूम विरासत में जिनको राज्य मिलता था गौतम बुद्ध हो या महावीर हों उन्होंने राज्य को छोड़ा और ज्ञान को उन्होंने प्रमुखता दी यहाँ लोकतंत्र में जनता ताकत देती है जो सवाल आपके हैं जनता आपको मैंडेट देती है और आप जनता के मैंडेट की अवहेलना करते हैं मैंडेट किसी और के साथ मिलता है सरकार किसी और के साथ घर तो वापसी हो गई मैं इसको इस रूप में नहीं मानता हूँ मैं मानता हूँ कि सिद्धांतों की बलि चढ़ा दी जाती है तर्क ढूंढ दिए जाते हैं अभी कन्हैया भाई से मैं पूछ रहा था कि ये बताइए कि पार्टी के जो नेता हैं उनको इतना आत्मविश्वास कहाँ से आता है कि गठबंधन बदलते ही शब्द बदल जाते हैं उनके भाव बदल जाते हैं उनके विचार बदल जाते हैं सब कुछ अच्छा लगने लगता है और जब वो गठबंधन से दूर चले जाते हैं तो सब कुछ बुरा कैसे लगने लगता है तो मैं मानता हूँ कि सत्ता के समीकरण को साधने के लिए सिद्धांतों नीति और मूल्यों की बलि चढ़ा दी जाती है मैं मैं तो आपसे डिस्कस कर रहा था कि जहाँ तिरानवे लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे है वो कौन से बिहार की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि जो 18 साल उन्नीसवा साल लग गया नीतीश कुमार सरकार में रहे उसमें लगभग साढ़े सोलह सत्रह साल तो बीजेपी उनके सहयोगी थी तो जब आरजेडी के साथ आए तो जंगल राज आ गया बीजेपी के साथ चल रहे नीतीश कुमार तो कोई जंगल राज नहीं वो सुशासन बाबू हो जाते हैं तो क्या बीजेपी जो कार्यकर्ता है जो यहाँ के नेता हैं भाई तैयारियां हो रही थी ना 2024 के चुनाव की लोगों को लगा दिया गया अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में तीस बत्तीस बीजेपी खुद लड़ती बिल्कुल तो बाकी लोग अब कहा जाएंगे क्या अंदर खाने कुछ नाराजगी है या दिल्ली में बैठे जो हम नेशनल मीडिया वाले हैं कि जी ये तो खेला हो गया और बम बम और एनडीए की नैया पार लग गई भाई कभी ऐसा होता था कि कांग्रेस के समय में एक आला कमान का फरमान जारी होता था कि केंद्रीय नेतृत्व तय कर देता था आला कमान ने आदेश दे दिया चीजें उसी के अनुसार हो जाती है बीजेपी भी अब उसी सिद्धांत पर चलती है कि केंद्रीय नेतृत्व और उसके एक बड़े लंबरदार अमित शाह जी यही झंझारपुर में आकर के बोले थे कि दरवाज़ा बंद है और कल मैं एक बड़े बीजेपी के नेता को सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि दरवाज़ा तो छोड़ दीजिए दीवारें तक टूट जाती है उन्होंने वर्लिन तक चले गए कि जब जर्मनी की दीवार टूट सकती है तो ये कौन सी दीवार है तो सत्ता का समीकरण जहां सूट करता है और 40 लोकसभा की सीटें चालीस लोकसभा की सीटों को साधने के लिए सारे सिद्धांतों मूल्यों की बलि चढ़ा दी जाती है और वहां पर फिर कहते हैं कि नहीं एनडीए मजबूत होता दिख रहा है एनडीए बिखरता दिख रहा है या इसके विपरीत होता दिख रहा है ये तो जनता पर छोड़ दीजिए चूंकि जनता के अंदर भी चूंकि ये जो बिहार है ना जिस मोक्षदायिनी गंगा के किनारे खड़े हैं और सामने जेपी सेतु वो जयप्रकाश जिसने सत्ता को कभी चिमटे से भी नहीं छुआ बदलाव का वह बाहक रहे थे वो जयप्रकाश की भूमिका यह बिहार यहाँ की जनता पॉलिटिकली बड़ी है, कॉन्सियली बड़ी कॉन्शियस है अभिषेक क्या है, है। नीतीश कुमार ने और समाजवादी विचारधारा के पुरोधा होने के नाते अब यहाँ पर प्रोफेसर संजय कुमार भी ये सवाल उठा रहे हैं समाजवादी विचारधारा को कलंकित कर दिया क्या ये आरोप रामविलास पासवान गुट जो है एलजेपी का उनके मुख्य प्रवक्ता लगा रहे हैं देखिए ये सारे आरोप निराधार हैं समाजवाद की विचारधारा को किन्ों बुलंद किया है ये सब ने देखा है जेपी लोहिया कर्पूरी की विचारधारा पर कौन सी पार्टी चलती है यह भी हर कोई जानता है अपने परिवार के सदस्यों को आगे नहीं बढ़ाया है यह भी हर कोई जानते हैं जो भी पार्टियां हम पर आरोप लगाती है जरा उनसे एक बार पूछ लीजिए कि उनके यहाँ परिवारवाद और वंशवाद कितना हावी है जेडीयू अब अब कितनी सीटों पर लड़ेगी देखिए ये तो आने वाले भविष्य में आपको मालूम चल जाएगा समन्वय तो बन ही गया है सत्रह मतलब सत्रह तो होनी चाहिए ना सत्रह तो आरजेडी के साथ भी उस बात पर भी झगड़ा चल रहा था नहीं मुद्दा वो नहीं है सोलह हमारे सांसद जीत कर आए हैं तो सोलह तो हमारा स्वाभाविक दावा है ही सत्रह सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ी थी लेकिन हमेशा हमारी पार्टी ने कहा है कि बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बिहार के लोगों की भलाई के लिए हमेशा हम बड़ा दिल दिखाते हैं विधानसभा चुनाव तो अब जल्द नहीं होंगे ना ये विधानसभा चुनाव कब होंगे यह तो आपके सामने है फिलहाल मैं ये थोड़ा, थोड़ा बता दूं मेरी जानकारी दुरुस्त कर देना मैं थोड़ा अज्ञानी किस्म का आदमी हूँ <laughs> वो लालू प्रसाद यादव से भी यही बात हो रही थी कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव साथ होने चाहिए बीजेपी के साथ भी ये बात हुई तो बात वहां बनी क्या ऐसी कोई बात नहीं है संदीप जी ऐसी कोई बात नहीं है फिर वही बात है कि सूत्रों के हवाले से आपके सूत्रों के हवाले से नहीं पेट में थोड़ा दर्द नीतीश कुमार साथ भी था कि अरे भाई मेरे पास 45 विधायक हैं वो बीजेपी भी मुझे आईना दिखा देती है आरजेडी भी दिखा रही है अब मुझे 45 की पैंसठ सत्तर करनी है तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ करवा दिए जाए नीतीश कुमार जी के पेट में दर्द भी नहीं होता है मन में डर नहीं होता है क्योंकि दो लाइने हैं कि जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता और हम वहाँ भी कदम रखते हैं जहाँ रास्ता नहीं होता और नीतीश जी तो रास्ता बनाते हैं और उस रास्ते पर बिहार आगे चलता है। बिल्कुल सरकार बदल जाती है मुख्यमंत्री नहीं हमने तो कहा ना कि हमारा स्टैंड कहाँ बदला है नीतीश कुमार जी सुबह के मुख्यमंत्री थे हैं और आगे भी रहेंगे मृतंजय तिवारी जी के बंटवारे में थोड़ा पेंच था ना ये सत्रह सत्रह वाला खेल देखिए जो सम्मान आदरण नीतीश कुमार जी को हमारे नेता डिप्टी सीएम श्री पूर्व डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने दिया वो लोगों ने देखा गांधी मैदान में जब नियुक्ति पत्र बट रहे थे तो नियुक्ति लेने वाले लोगों को खड़े करके माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए तालियां बजवाई थी इश्तेहार आज सारे अखबार पटे पड़े थे इश्तेहारों के कि मानो सारा काम तेजस्वी कर रहे थे नीतीश ने कोई काम ही नहीं किया तो हम तो कर रहे कि दिया। हम क्या हमारे विभाग था, जो जो था चाहे पर्यटन का हो स्वास्थ्य का हो शिक्षा का हो जो जो हुआ काम आप देख लीजिए तुलना कर लीजिए ना ये हम एक एक चीज का हिसाब जनता के बीच जा करके देंगे और जनता पाई पाई का हिसाब लेगी हमें संयमित रूप से सकारात्मक राजनीति में विश्वास हमारे नेता रखते हैं और जनता के प्रति जो भरोसा और विश्वास तेजस्वी यादव जी ने इस कम उम्र में जीता है वो और बढ़ेगा आगे आगे देखिए होता है कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है देखिए ये सब तो शीर्ष नेतृत्व का विषय है जब सीटों का बंटवारा होगा पहले भी हम लोग महागठ तो कब होगा शुभ मुहूर्त कब निकालने वाले हैं तो बहुत जल्द हो जाएगा पहले इन सारी चीजों नीतीश चले गए ममता बनर्जी कह रही है मैं अकेला लड़ूंगी भगवंत मान कह रहे हैं आम आदमी पार्टी तेरह की तेरह लड़ेगी पंजाब में तो वो इंडिया गठबंधन बचा भी है देखिए गठबंधन दलों का होगा जनता सबसे बड़ी ताकत होती है लोकतंत्र में और जनता ने मोदी जी के खिलाफ अपना गठबंधन कर लिया है कि केंद्र की सत्ता से मोदी के मोदी के सामने कौन इंडिया की तरफ भाई ये तो विषय बाद में हम अब ये चीज बाद में हमारे पास इतने विकल्प है हम सामूहिकता में विश्वास करते हैं वहाँ वन मैन तो सा, सामूहिकता दिख रही है हाँ तो दिख रही है ना कि किस तरह से जोड़ तोड़ भगवान राम भी जब बेड़ा पार लगाने में अब विश्वास नहीं रहा तो अब ये सब कर रहे हैं ऐसी सत्ता को हम चिमटे से भी नहीं छूना पसंद करेंगे ये अटल जी ने कभी कहा था उस समय हम स्टूडेंट थे, जीतन राम मान जी तक को प्रस्ताव देते घूम रहे हम कौन कह रहा है थे, थे, अगर होना होता और कुछ करना होता तो आज ये सरकार शपथ नहीं ले पाती है जान लीजिए या इसी सत्ता को नरेंद्र मोदी अभी थोड़ा सा असमंजस है आप इंडिया में भी आ सकते हैं क्या तेजस्वी के साथ भी हाथ मिला सकते हैं इंडिया से देखिए संदीप जी एन तो निकल गया ना जो न्यू रखा था उसका नीतीश कुमार कैपिटल एन पूरे सूत्रधार ये लोग कहते थे उससे इंडिया से तो एन बाहर हो चुका है अब इंडिया में बचा कौन है कौन वहाँ आना चाहेगा हम लोग बिल्कुल आदरणीय नहीं है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश को आगे लेकर के जाना चाहते हैं और वैसे भी हमारे नेता चिराग पासवान जी आप ही लोगों ने उनका उपनाम हनुमान के रूप में दिया है हाँ। हम कभी भी एनडीए से बाहर भी गए किसकी लंका में आग लगाने वाले इन लोगों की लंका में आग लगाएंगे अच्छा नीतीश कुमार भी तो विभूषण है वो लंका से आए है ना मुझे पता नहीं उन पर मुझे कोई नहीं कहा ना ये ये जवाब दे सकते हैं जी विभीषण विभीषण को कोई अगर उस रूप में नहीं लेना विभीषण अगर नहीं आते तो रावण की नाभि का पता कौन बताता तो तो नीतीश कुमार जी वहाँ जाके उनके नाभि का सब पता उता कर लिए हैं अब बड़ा कह रहे थे कि चाचा को बहुत इज्जत दिए दो फीता दो कैची लेकर घूमते थे कुछ चीज का उद्घाटन होता था तो दो फीता दो कैंची कैची लेकर घूमेगी एनडीए में कितनी कैंची नहीं के के पाठक जी के इंजेक्शन का दर्द ऐसा कि इनके शिक्षा मंत्री यहाँ पर कैची तक बात आ गई है गंगा मैया के किनारे हम खड़े हैं पाटली पुत्र में तो बिहार में खेला तो हो गया लेकिन खेले का अंतिम अध्याय यानी कि वो मुकम्मल हो गया है क्या ये अभी देखने वाली बात है 2024 तक के लिए ये गठबंधन है आगे चलेगा क्या कोई सिंपथी फैक्टर होगा या अरिथमेटिक केमिस्ट्री काम करेगी मोदी और नीतीश कुमार की एनडीए का बंटाधार हो गया है या उसे और ताकत आने वाले दिनों में मिल सकती है कि भाई जो लोग विभीषण साबित हुए अब वो हट गए हैं या टाइम इज रनिंग आउट नमस्कार मैं हूं संदीप चौधरी आज सीधा सवाल मैं सीधे पटना बिहार की राजधानी पटना से कर रहा हूं पाटली पुत्र से गंगा किनारे हूं मैं यहां मेरे बाई और गंगा नदी बह रही है यह सोनपुर का पुल है मरीन ड्राइव कहते हैं इसे दीघा घाट है लेकिन बिहार में क्यों हूं यह आप जानते ही हैं बिहार में सरकार बदल गई है मुख्यमंत्री वही है ये अपने आप में एक बड़ी कहानी कहता है नौवीं बार नीतीश कुमार ने बतौर मुख्यमंत्री आज शपथ ली उनके अलावा आठ और विधायकों ने मंत्री पद की भी शपथ ली उसमें दो उप मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ हो लिए हैं वो बीजेपी जिन्हें वो सांप्रदायिक बताते थे सौहार्द बिगाड़ रही है देश को तोड़ रही है और इसीलिए इंडिया गठबंधन के रचयिता भी बन गए थे कि बीजेपी को बहुमत नहीं लाने देंगे 200 सीट नहीं लाने देंगे 100 का आंकड़ा पार नहीं करने देंगे लेकिन अब वो बीजेपी के खेवनहार की भूमिका में भी साफ आते दिखाई दे रहे हैं तो ये जो नई सरकार है दरअसल क्या नए राजनीतिक समीकरणों की ओर भी इशारा कर रही है अब राजनीतिक समीकरण क्या है नीतीश कुमार एनडीए में आने से एक अरिथमेटिक होता है और एक केमिस्ट्री अंक गणित और रसायन शास्त्र यह हमने देखा है 2019 के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू साथ आते हैं तो कमाल का राजनीतिक खेल भी होता है चालीस में से उनतालीस सीटें बीजेपी और जेडीयू जीतने में कामयाब हो गई थी एनडीए जीतने में कामयाब हो गया था तो 400 पार अब की बार 400 पार इस बात की ताल ठोकने वाली बीजेपी उन्हें दरअसल नीतीश कुमार जिनको वो पलटू राम मौका परस नंजाने किन किन संज्ञाओं से नवाजते थे और कहते थे कि दरवाजे बंद अब कोई रास्ता नहीं कि नीतीश वापस आ जाएं उनके लिए कालीन बिछा दिया बीजेपी ने क्या लड़ाई है 2024 की कि भाई इंडिया का जो गणित बन रहा है वो बिहार में नुकसान ना पहुंचा दे तो नीतीश कुमार को अगर हम ले आते हैं तो इंडिया धाराशाही हो जाएगा और नीतीश कुमार ये जानते बूझते कि 45 विधायक हैं और बीजेपी के रहमो क्रम पर अब आगे का राजनीतिक जीवन बिताना पड़ेगा उन्होंने ये इतना बड़ा दाव क्यों खेला है वो अपना रसूख अपनी वकत और राजनीतिक गणित में इजाफा करना चाहते हैं क्या कि बीजेपी के साथ रहेंगे सांसद सत्रह में से सोलह जीते थे और पैतालीस की जगह और बढ़ जाएगा विधानसभा चुनाव आते आते आंकड़ा पर यहां पर सवाल ये भी है ये सरकार कितने दिन चलेगी क्या ये तात्कालिक लाभ के लिए यह गठबंधन बना है और लोकसभा चुनाव के बाद खेल फिर शुरू हो जाएगा क्या तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि अभी खेला होना बाकी है 2024 के अंत तक जेडीयू खत्म हो जाएगी तो अस्तित्व पर जुआ खेल दिया है क्या नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी एक वक्त पर और नीतीश कुमार के भी उपाध्यक्ष बना दिया था उन्होंने जेडीयू का प्रशांत किशोर को प्रशांत किशोर कह रहे हैं लोकसभा चुनाव खत्म होने दीजिए छह महीने में यह सरकार गिर जाएगी तो क्या पच्चीस तक यह सरकार टिक पाती है लेकिन उससे बड़ा सवाल इंडिया के खाँचे में ढांचे में ऐसी सेनमारी कर दी कि ताश के पत्तों की तरह यह गठबंधन बिखर जाएगा टूट जाएगा इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि जेडीयू और उनके मुख्य जो प्रवक्ता हैं केसी त्यागी वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की नीतियों के चलते और उसके कुछ ऐसे बर्ताव के चलते सीटों तो का बंटवारा नहीं कर रहे संयोजक नहीं बनाया यह खैर के सी त्यागी ने नहीं कहा इंडिया बिखर रहा था कांग्रेस की कारगुजारियां थी तो हमारे पास और कोई विकल्प नहीं बचा उधर कांग्रेस कह रही है मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं हमें पहले ही अंदेशा था नीतीश बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं उन्हें संयोजक कैसे बना देते इशारों इशारों में यह बात वो भी कह गए जयराम रमेश कहते हैं कि गिरगिट को भी बदनाम कर रहे हैं नीतीश कुमार इतना रंग बदल रहे हैं पलटेश कुमार कह रहे हैं तेज प्रताप यादव तेजस्वी के बड़े भाई तो ये जो खेल हो रहा है 24 के लिए क्या बीजेपी को फायदा देगा या बीजेपी तो मजबूत है अपनी जगह पर जेडीयू कमजोर कड़ी भी साबित होगी या छोंक लगाने का काम करेगी और नैया पार करा देगी इस गंगा मैया में नैया पार हो जाएगी क्या एनडीए की इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं ऐसे में आज का सीधा सवाल फिर नीतीश कुमार 25 तक चलेगी सरकार ये पहला सवाल और बिखर गया इंडिया चौबीस में होगा खेला तो पच्चीस की भी बात कर रहा हूं और चौबीस की भी और चर्चा में मेरे साथ जेडीयू के युवा चेहरा हैं उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अभिषेक झा और देखिए क्या सही वक्त पर एंट्री की है मृत्युंजय तिवारी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरजेडी के तो अभी तो साथ थे आज थोड़ा साथ और खड़े हो जाइए फिर साथ हो जाए फिर साथ हो जाएंगे अभी तो खैर टूट हो गई है सुसंयता जब खत्म हो जाती है उस पर उस पर तो मैं आता हूं अभी शाम सुंदर चरण है हमारे साथ हम और ये हम साथ हो गया है जेडीयू के बिखरते भी रहते हैं टूटते भी रहते हैं और जुड़ते भी रहते हैं आइए मुन्ना साहब भी आ गए देखिए सब वक्त पर पहुंच गए हैं नरेंद्र कुमार मुन्ना एलजेपी रामविलास पासवान गुट के प्रवक्ता और दो खास मेहमान बिहार की नब्स टटोलते आए हैं दशकों से वरिष्ठ पत्रकार हैं कन्हैया बेलारी और प्रोफेसर संजय कुमार जाने माने राजनीतिक विश्लेषक भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं तो तीन दिन से हमें टहला रहे थे अभिषेक कि अरे अफवाहों का बाजार गर्म है पत्रकार अपने मन की बातें कह रहे हैं जो हमने कहा वही सही हुआ नहीं हमने ऐसा नहीं कहा कि पत्रकार अपने मन की बात कर रहे हैं आपका काम था कयास लगाना सूत्रों के हिसाब से खबरें चलाना और आप हमसे उस पर स्पष्टीकरण मांगते थे आप पूछते थे हमसे कि कल क्या होगा संदीप जी वो कल आज हो चुका है और ये आज आपके सामने है जो भी घटनाक्रम है वो आपके सामने है आज एक नई सरकार का गठन हुआ है बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है और कारण विस्तार से हमने भी हमारी पार्टी ने सबने बताया है क्या कारण मैं अभी तक समझ नहीं पाया देखिए बहुत सारे ऐसे कारण नीतीश कुमार जी ने कभी दबाव की राजनीति नहीं की है और नीतीश दबाव बना रहा था हमारे जो सो कॉल्ड सहयोगी दल थे उनकी तरफ से हमेशा एक अनावश्यक अनाधिकृत दबाव दबाव किन चीजों का राजनीतिक रूप से बहुत सारे अनैतिक काम करने का जो लोग जिन पर आरोप हैं जमीन के बदले नौकरी का वो नौकरियां देकर ये तो 2008-9 का मामला 15 साल से आपकी जानकारी थी यकायक यादाश्त में ताजी हो गई ऐसा नहीं होता है संदीप जी मसला ये है कि बहुत सारे मामले हैं जो साबित हैं और बहुत सारे मामले हैं जो अंडर ट्रायल है उस पर हमें नहीं जाना दूध में मक्खी है फिर भी दूध पी रहे थे वैसा नहीं है देखिये हम उनसे हम हर किसी से ये उम्मीद करते हैं कि आपकी राजनीतिक सुचिता बनी रहे पहली बात तो वो है दूसरा है कि आपने लगातार देखा है कि किस तरह से इनकी पार्टी के नेताओं ने हमारे नेता नीतीश कुमार जी के उप मुख्यमंत्री अब बन गए हैं सम्राट चौधरी सर पर पगड़ी बांधते हैं और कहते फिरते थे पगड़ी नहीं उतारूंगा जब तक गद्दी से नीतीश कुमार को नहीं उतार दूंगा अब गाड़ी में

आप उनके बयानों का खुद कर सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल के नेता जिस तरह से लगातार धार तो तो ने ने के। के कर दिया कांग्रेस सीट शेयरिंग नहीं कर रही कांग्रेस अपने दम गुरूर में थी इंडिया बिखर गया सारी चीजें वास्तविकता है संदीप जी आपने यहाँ के परिपेक्ष में पूछा तो अभी हम अपने पुराने साथी के विषय में बता रहे थे कांग्रेस पार्टी का जो हाल है वो आपके सामने ही है ना कुछ कदम चलने को ये तैयार नहीं है किस गुरूर में है आपको दिख रहा है इंडिया अलायंस का निर्माण अगर किसी ने भूमिका निभा दो हजार बाईस में जब आपने सरकार बनाई इंडिया गठबंधन था अभिषेक नहीं महागठबंधन का एक स्वरूप बिहार में था नीतीश कुमार जी ने इंडिया गठबंधन नहीं था ना इंडिया में दरार है सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा उसको बहाना बना रहे हैं 2022 में आरजेडी के साथ आपने समझौता किया तब इंडिया गठबंधन थोड़ा संदीप जी बहाना नहीं है ये वास्तविकता से इतर हम कोई बात नहीं कर रहे हैं आप बताइए कि इंडिया अलायंस जो जो कि अब बचा नहीं है इंडिया अलायंस अगर है भी तो किन प्रदेशों में सीटों का बंटवारा हो चुका है आदरणी लालू जी क्या बयान देते हैं कि अभी कौन सी हरबड़ी है कि सीटों का बंटवारा जल्दी हो जाए तो यह समझिए आप कि वहां नॉन सीजेपी के साथ हो गया सीटों का बंटवारा भी का धीरे धीरे खैर होता तेजी तेजी चीजें हो चुकी है संदीप जी हम आपके सामने रखेंगे धीरे धीरे थोड़ा एहतियात मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि हमें पहले ही मालूम था नीतीश कुमार विभीषण की भूमिका में आए हुए हैं और इसीलिए जो मांग रहे थे नहीं दिया गया देखिए आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तो खुद रबर स्टाम्प अध्यक्ष है ना okay. वो खुद कह रहे हो तब तो एक बात होती है अगर उनके अंदर राजनीतिक रीढ़ की हड्डी होती पूरे कांग्रेस पार्टी के अंदर तो शायद इतना बुरा हसर नहीं होता कि जहां जहां राहुल गांधी जी पग रख रहे हैं वहां वहां उनके अलायंस के साथ ही छूटते चले जा रहे हैं

में है कि देश के स्तर पर जाती है जनगणना जय श्री राम के नारे लग रहे थे प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नीतीश कुमार नहीं गए अब जय श्री राम करेंगे नीतीश कुमार होता है की राम भगवान में हमारी आस्था है की नहीं है जय श्री राम के नारे लगाएंगे आप राम बोलते थे जय सिया राम बोलते हैं जय सिया राम और श्री राम में फर्क है अरे हम बिहार वासी है हम मिथिला वासी है हम राम से पहले सीता माता का नाम लेते हैं बिना सीता माता का नाम लिए हम राम भगवान का नाम नहीं लेते हैं तो राम करेगी और बीजेपी जय श्री राम अलग अलग आइडियोलॉजी सांप्रदायिक नहीं होंगी और बीजेपी पार्टी न सांप्रदायिक थी ना हम इसमें विश्वास रखते हैं हम आज भी जातीय जनगणना के पक्ष में हैं हम कमिटमेंट के लिए जाने जाते हैं जनता के साथ पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं जनता के साथ जो हमारा कमिटमेंट है चाहे सात निश्चय पार्ट वन के रूप में जो जनता को डिलीवर हो चुका या सात निश्चय पार्ट टू के रूप में जिसपे काम चल रहा है बड़ा जुआ खेल दिया नीतीश कुमार ने चौबीस की लड़ाई है बीजेपी को वो 300, 400 तो ताल थोकने के लिए अच्छा लगता है तीन सौ कैसे ना कैसे लेकर आनी है लगा कि ये इंडिया गठबंधन दिक्कत कर देगा आपके लिए दरवाजा कि इंडिया गठबंधन तो है तो ही नहीं इसके बाद यूज एंड थ्रो ना हो जाए आपका ऐसा नहीं होता है अगर यूज एंड थ्रो था तो बहुत सारी स्क्रिप्ट आपने देखी थी संदीप मुख्यमंत्री नहीं रह सकते हैं नीतीश कुमार जी आज आपके सामने क्या है मैं आज की बात कर रहा हूँ चौधरी उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं सुशील मोदी नहीं आपके ये ये भारतीय जनता पार्टी का अपना आंतरिक फैसला है इसमें हमारा हमारा कोई दबाव नहीं हो सकता है हम दूसरे दलों पर दबाव देने वाले दल नहीं है हर एक दल स्वतंत्र रूप से काम करता है अपने हिसाब से काम करता है ये उनकी कार्यशैली में शामिल तेजस्वी कह रहे हैं चौबीस तक जे खत्म हो जाएगी आपके उपाध्यक्ष रहे बड़े करीबी रहे नीतीश कुमार के प्रशांत किशोर कह रहे हैं ये सिर्फ चुनाव चुनाव तक का गठबंधन है ये खत्म हो जाएगा में क्या होता है जनता तय करती है पहली बात हम घमंड में नहीं आत्म गौरव में बोलते हैं और प्रशांत किशोर जी की कोई राजनीतिक प्रासंगिकता नहीं है और तेजस्वी यादव जी बयान दे रहे हैं तो उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे देखिए पूरे राष्ट्रीय जनता दल के लोग अभी साथी भी यहाँ चुके सत्ता विलाप आपको दिखेगा सत्ता से बाहर जाने की तीस सत्ता विलाप हो तो रहा है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे हालत ये हो गई आरजेडी की इतने देर के प्रवचन में हमारे छोटे भाई ये बता ही नहीं पाए जनता को कि हमने साथ क्यों छोड़ा हमें फक्र है गर्व है कि हम पंद्रह महीने सरकार में रहे तो वो विश्व कीर्तिमान तेजस्वी यादव जी ने बना दिया जो ना कोई भुला सकता ना कोई मिटा सकता दो लाख बीस हजार सत्तर दिनों में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया कभी कोई बांटा मुख्यमंत्री तो नीतीश थे ना हम क्या कह रहे हैं यही आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे ना 2020 में जब तेजस्वी यादव जी ने यह वादा किया था दस लाख नौकरी का तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था ये कहां से लाएगा पैसा कैसे देगा नौकरी नौकरी तो पहले भी लालू प्रसाद यादव ने दी पर लैंड फॉर जॉब स्कैम कर दिया कि नौकरी तो दे देंगे ये चक ये, ये इतने कट्ठे मेरे नाम लिखवा संदीप जी ये विरोधियों को जेडीयू को चाहे आज लाख कोई बहाना हो अपना नया ठिकाना ढूंढने का लेकिन जनता इनको पहचानती है और हम तो कह रहे हैं कि अब आदरणीय नीतीश कुमार जी की राजनीतिक पूंजी नहीं बची है नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार संभालेंगे 24 के चुनाव का अब क्या हाल रह गया 24 के चुनाव में जनता मालिक है अयोध्या में भगवान राम लला प्रकट हुए भगवान राम लला पर भी इनको भरोसा नहीं हुआ ये लोकतंत्र का अयोध्या है बिहार लोकतंत्र की जननी और यहाँ ये इंडिया की क्या गत हो गई अब इंडिया में क्या गत होगी इंडिया तो पूरी तरह से मजबूत है इंटैक्ट है इंडिया गठबंधन बना ही बड़े उत्तरिया जा रहे हैं तेजस्वी देखिए सब लोग राजनीतिक दल अपना अपना कार्यक्रम चला रहे हैं ये तो प्रॉब्लम है यही तो नीतीश कुमार कह रहे थे कि अपनी, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग अपनी, अपनी, अपनी डफली अपना राग का सवाल नहीं है अभी तो आपने देखा किस तरह से वहाँ चिराग पासवान जी को मनाया गया किस तरह से आदरणीय मांझी निर्माझी तो मैं अभी पूछूंगा मुन्ना से मैं पूछूंगा मान गए हैं क्या जनता का विश्वास अगर किसी भी व्यक्ति का किसी भी दल का विश्वसनीयता ही समाप्त हो गई तो उनकी राजनीति समाप्त होगी और हमारे नेता ने आज ऐलान किया है तेजस्वी यादव जी ने तेजस्वी यादव जी ने कहा है खेल अभी शुरू हुआ है क्या है वो खेल थोड़ा समझाइए ना खेल अभी बाकी है खेल क्या ना? खेल बाकी है खेल का अंत तेजस्वी यादव जी करेंगे जेडीयू चौबीस में समाप्त हो जाएगी अब इसका नौबत ही नहीं आएगी मतलब जेडीयू दो फाड़ होने वाली है हो। जीतन राम माझी को भी मुख्यमंत्री का न्योता दे दिया की प्रस्ताव दे दिया बातें पर्दे के अंदर रहने दीजिए पर्दा दो फाड़ हो रही है अब देखिए ना आगे आगे होता है क्या अब तो आज खुशी का दिन है आज अभिषेक जी को शुभकामना है बीजेपी को शुभकामना है सभी एन गठबंधन जिन्होंने सरकार बनाई है खूब शुभकामना है लेकिन कल से इनको जनता के सवालों के बौछारों का सामना करना होगा कि जो तेजस्वी यादव जी ने इतने दिनों तक सत्रह वर्षों से एनडीए का शासन है बिहार में और हमारे सत्रह महीनों का शासन काल तराजू पर रखकर कोई तौल ले वो भारी पड़ गया जंगल राज के नाम पर बदनाम था आपका राज ये ये, गरीब, ये गरीबों का राज मजदूरों किसानों नौजवानों का ये तो रोजगार पुरुष के रूप में तेजस्वी यादव जी याद किए जाएंगे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा इनको जो इन्होंने किया है उसका बदला जनता सूद और ब्याज के साथ पाई पाई लेगा पहले तो ईडी की कार्रवाई से ही निपटना होगा 9 फरवरी को राउस एवेन्यू के सामने पेश होना होगा हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल हमारे नेता आदरण्य लालू प्रसाद जी श्री तेजस्वी यादव जी ने संघर्षों के गर्व में ही राजनीति की है और वहीं से पले बढ़े हैं चारा घोटाला भी किया हमने तो कहा ना कि जिसको जो कहना है कह दें। अभी तक आदर अब वो सब बातें अगर खुलेगी परत दर परत तो उसके लिए बहुत समय देना तो होगा खेला होना बाकी शुभकामनाएं भी दे रहे हैं धीरेन्द्र आपको मृत्युंजय तिवारी खुश है या ना खुश है चेहरा उतरा हुआ है आपका क्यों बिल्कुल नहीं उतरा हुआ है मैं खुश हूँ क्योंकि बिहार को एक नई सरकार मिली है काम करने वाली डबल इंजन की सरकार मिली है बिहार वासियों को मैं शुभकामना देता हूँ मुख्यमंत्री जी को शुभकामना देता हूँ पूरे मंत्री परिषद को मैं शुभकामना देता हूँ मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दे रहे हैं आपके मुख्य प्रवक्ता है ए के वाजपेयी कल मेरे ही कार्यक्रम पर बोले कि समाजवादी विचारधारा और विरासत को कलंकित किया है नीतीश कुमार ने आज चिराग पासवान ने कहा कि हमारे नीतिगत विरोध हैं मतभेद हैं नीतीश कुमार के साथ देखिए हम लोग पहले बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं बिहार को भी आ... फर्स्ट सिटीजन बन गए हैं नीतीश कुमार जहाँ पर अगर हम क्यों बन गए हैं अगर ये मृत्युंजय तिवारी जी अगर वहाँ से अलग नहीं होते अगर आदरणीय नीतीश कुमार जी को ये ट्रबल में नहीं डालते तो आज हमारी क्या जरूरत पड़ती इन लोगों ने ट्रबल में डाला है तो क्या मैं बिहार के लोगों को बिहार के दो में तो आप अलग लड़े थे ना तब तो एनडीए के हिस्सा भी नहीं रहे थे तो सरकार बनी थी

खूंटा गाड़ कर बैठे हुए थे दिल्ली में कि पटना तभी जाऊंगा पहले इस बात का जवाब दीजिए मिल गया जवाब संदीप जी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमारे हितों की रक्षा की जाएगी और मुझे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर पूर्ण विश्वास है और अगर इन लोगों की ये जो आज बिहार आपके जो हित हैं उसको आसान कर देते हैं ना 2019 में 17 बीजेपी लड़ी 17 जेडीयू लड़ी और छ आपके बांटे आई तो इस बार सत्रह बीजेपी तो सत्रह जेडीयू को भी देनी पड़ेगी उस छे में आप भी हैं हम भी है उपेंद्र कुशवाहा भी हैं पारस बाबू भी हैं चाचा भतीजे वाला खेल भी होगा ये छे में कितने समाएंगे चालीस से ऊपर सीटें तो नहीं है ना ये बात पर्दा पर करें क्या पर्दे ये की बा... ये पर्दे बा... की बात कार्यक्रम का नाम सीधा सवाल है सीधा सीधा सवाल सवाल है है लेकिन सवाल कहने को टेढ़े भी होते हैं नहीं नहीं बिल्कुल आपके सवाल बिल्कुल सीधे होते हैं सुनने में लोगों को टेढ़े लगते हैं लेकिन संदीप जी मैं बताता हूं कि हम लोग बहुत ही मजबूती से और संतुष्टि से आगे बढ़ रहे हैं और सुबह में आ जाएंगे सब अब छे और नौ का नंबर हमको नहीं पता है आप आ जाएंगे श्याम बाबू मतलब सुमन साहब तो बन गए मंत्री उसी से काम चल जाएगा देखिए हम लोगों का जो मिशन है वो सुमन बाबू के मंत्री बनने और नहीं बनने का नहीं है अगर वो होता तो जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ते वो होता तो सुमन जी मंत्री का पद नहीं छोड़ते तो जीतन राम मांझी जी का या हमारी पार्टी का जो मिशन बिहार है और बिहार के हित में हम लोगों ने जब प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लिया तो पूरे बिहार को वो आशीर्वाद आज हम लोगों ने ए, तो आपका मिशन मिशन बिहार है नीतीश कुमार को तो पलटू राम कहते ही है दुनिया जीतन राम मांझी भी कहीं कम नहीं है नहीं, नहीं, कभी नीतीश के साथ कभी एनडीए के साथ कभी एनडीए से बाहर कितनी बार पारी और पाला बदल चुके हैं वो आधा मिनट हम बोल लेंगे तब बात निकल जाएगी इस बार पलटू नहीं हुआ इस बार सलटू होगा और जो पलटू राम कहे ना उनको हम लोग सल्टू राम बना देंगे और कैसे 2024 में 25 में सलट देंगे जो भ्रष्टाचार के आका को अपना पुरोधा मानते हैं ना समाजवाद कर्पूरी ठाकुर और जेपी और लोहिया सब को बेचने वाले ही लोग अपने बेटे के लिए दंडवत हुए हैं नीतीश कुमार के यहाँ कौन नहीं जानता कि जाकर माफी वाफी सब मांगी है बेटी का पोस्ट डिलीट करा रहे हैं तो कुछ करा रहे हैं उससे माफी मंगवा रहे हैं राहुल गांधी से बात करवा रहे हैं उधर दौड़ रहे हैं उधर भाग रहे हैं सत्ता के लिए कौन चारों तरफ जब चारों खाने चित हो गया तब हमारे नेता को आया कि आपको अब मुख्यमंत्री बनाते हैं बाघ का कंगन लेकर के घूम रहे तो थे शिकारी आपने भी कहानी सुनी होगी तो राष्ट्रीय जनता दल के पॉलिटिकल कल्चर को हम सब लोग जानते हैं तो रावण की लंका में आग लगाने के लिए हम लोगों ने वहां से है अच्छा विभीषण को निकाल लिया विभीषण है बिल्कुल, बिल्कुल. नीतीश कुमार विभीषण आए तो विभीषण नहीं आते क्या विभीषण है ना नीतीश कुमार विभीषण तो आते कि नहीं नीतीश कुमार विभीषण तौर पर उस रावण की लंका में विभीषण है आपने सलट शब्द भी इस्तेमाल किया वो दिमाग भी सलट गया है बहुत सारे सवाल उठाए थे जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को लेकर उसके लिए देखिये कृष्ण की परंपरा को हम लोग कायम रखे हुए है कृष्ण ने कई बार रन भी छोड़ा किसने रणछोड़ नाम भी स्वीकार किया किसने हर बार अपने प्रण को भी आहूत किया कई बार उन्होंने देखे अपने भक्त के प्रण को रखने के लिए भीष्म के प्रण को रखने के लिए महाभारत में हथियार भी उठाए तो आप जब जनहित में तो महाभारत में आप कौरव हैं कि पांडव हैं नहीं नहीं हम तो राम के हनुमान हैं और उस कहिए कि भारत में भगवान राम नहीं, नहीं थे ना मैं महाभारत का सवाल पूछ रहा हूँ तो महाभारत हो रहा है मा... तो महाभारत में आप कौरव की भूमिका में हैं पांडव की बिहार की महाभारत में जीतन राम मांझी जी कृष्ण हैं ये आ... कोई मुगालते में न रहे आ... आ... अपनी सारी सेना किसी और को सौंपने के बाद भी कैसे पांडव को जिताया जाता है ये जीतन राम मांझी जानते हैं और ये जो भ्रष्टाचार के आका जो अपने आप को बिहार के राजा मानते हैं और ये कह रहे थे कि संघर्ष से आए हैं अब तेजस्वी यादव का कौन सा संघर्ष है कि कह तराजू से तौलिए तौलिए अगर 30 किलो वजन तेजस्वी यादव का नहीं बढ़ा होगा तब फिर आप हमको जो कहिए वजन बढ़ने की बात हो रही है वो तो शारीरिक वजन की बात हो गई यहाँ राजनीतिक वजन किसका बढ़ता दिखाई दे रहा है आज जो ये गंगा किनारे पाटलिपुत्र के नाम से मशहूर इलाका वो पलटी जैसे संदेशे भी आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे इस राजनीतिक खेला जो हुआ है ये अब किस और जाता दिख रहा है जो कुछ भी हुआ है संदीप भाई मैं यही कहूंगा कि नीतीश कुमार जीत करके भी हार गए और तेजस्वी यादव हार कर भी जीत गया ये लड़ाई में हारा नहीं है ये जो दार्शनिक सी बात कर रहे हैं राजनीति आजकल दर्शन शास्त्र को नहीं मानती है। हम तो पत्रकार हैं ना और मुझे फक्र है पूरा फक्र है कि आज भी बिहार ट्रेंड कर रहा है ऑफ कोर्स फॉर रॉन्ग रीजन ट्रेंड तो बिहार कर रहा है ना और पहली बार नहीं मैंने एक तरह से पहली बार हुआ मुझे पता चला कि कर्पूरी के शिष्य लोहिया के शिष्य जयप्रकाश के शिष्य इतना बड़ा पलटी इतना इतनी बार पलटी मारते हैं यही उन्होंने सीखा है यह पहली बार हमने जाना और हम लोग अपने बच्चों को जब नीतीश कुमार का बायोग्राफी पढ़ाएंगे ऑटोबायोग्राफी नहीं वो तो लिखेंगे नहीं तो इसमें यही पढ़ाएंगे कि बिहार के एक मुख्यमंत्री थे जिनका नाम नीतीश कुमार था वो जब मन तिधर चल जाते थे पोखरा के जाट बने हुए थे उन्हीं के इर्द-गिर्द जो है घूमते थे पर इसमें फायदा किसको होता दिखेगा तात्कालिक और दीर्घकालिक शॉर्ट टर्म फायदा किसको होता दिख रहा है बीजेपी 400 की ताल ठोक रही थी पर जरूरत पड़ गई ना नीतीश की तो उनके भी पेट में कहीं दर्द था आशंकाएं थी कहीं ना कहीं तो वो आशंकाएं अब दूर हो जाएंगी अरिथमेटिक और केमिस्ट्री नीतीश और मोदी की यानी कि बीजेपी जेडीयू की बीजे मैया पार लगाएगी आप हमको ये बताइए कि ये पहले भी बीजेपी के लोग कहते थे कि हम 40 जीत रहे हैं अब कह रहे हैं कि 40 जीतेंगे तो पहले मैंने नहीं 40 जीत रहे थे तब ना आप कह रहे हैं कि 40 जीतेंगे अब बताइए अर्थमेटिक जो है और केमिस्ट्री की के जो बात करते हैं मुझे जो लगता है कि अभी जो लड़ाई है बराबरी बराबरी की है अभी भी बराबरी बराबरी, भी की।, बराबरी की।, की लड़ाई है और हमें मतलब आप कह रहे हैं बीजेपी तो कुछ इलाकों में अपनी मजबूती बनाए हुए थी उसको जरूरत पड़ती थी पिछड़े अति पिछड़े वोट बैंक की क्योंकि अगड़ा उनके साथ था नीतीश को साथ लाने के बाद वो इजाफा नहीं होगा जितनी उनकी आशंकाएं थी कि भाई कहीं हम 20 से नीचे भी ना चले जाएं उसमें इजाफा नहीं होगा मुझे लगता है कि लोगों के बीच में खासतौर से युवा के बीच में ये एक सिंपैथी इवन इमोंग द अपर कास्ट पीपल उसको लगता है मोह लगता है ना हो कि बताइए इसका क्या दोष था क्या मैंने क्या ऐसा किया नीतीश कुमार जो कहते हैं कि कुछ गड़बड़ होता रहा, क्या गड़बड़ था जिस मंच पर आप रहते थे जिसके अध्यक्षता आप करते थे बतौर मुख्यमंत्री रहते थे और ये लड़का रहता था बोलते थे कि पाँच का पहले कुछ होता था जी क्या होता था जी ए, कुछ होता था अब वो वहाँ सुन रहा है उसके सामने आप बोल रहे हैं

चौबीस के चुनाव में फायदा हो जाएगा एनडीए को और इंडिया की गत हो जाएगी रचयता ही हट गए इंडिया से तो इसमें नैरेटिव क्या जाता है आम आदमी के सामने संदेश क्या जाता है अब जो लोग भी समझते थे उनको कि प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट हैं तो वो तो खूंटा ऊँटा लेकर के भाग गए अब क्या प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे और वो जो समझ सोच वो अब देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि लड़ाई जो है वो बराबर बराबर ये सिर्फ चौबीस के चुनाव तक का गठबंधन है उसके बाद बिखर जाएगा चौबीस के चुनाव के बाद अगर मान लीजिए कि लोग कहेंगे कि आप मुख्यमंत्री पद के छो, छोड़िए तो फट देने फान के उधर चले जाएंगे और फिर सरकार बना लेंगे और राजद भी बना देगी और फिर उसमें भी जब मैं डिप्टी सी एम हो जाएंगे वो तो ये अंतहीन धारावाहिक की तरह हो जाएगा लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने जो ये दाव खेला है देखिए मौका परस्ती की जब बात होती है तो नीतीश कुमार का नाम सबसे पहले आ रहा है राजद ने भी भाई लोगों ने 2020 में जो जनादेश दिया था वो बीजेपी और जेडीयू की सरकार को दिया था आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी भले ही क्यों ना हो लेकिन उसे जनादेश बिहार पर राज करने का नहीं मिला था तो 2022 में उन्होंने नीतीश के साथ हाथ मिलाया मौकापरस्ती उन्होंने की उन्होंने भी की तो हमाम में तो सभी नंगे हैं पर बीजेपी ने भी यह मौका परस्ती की है यह तात्कालिक लाभ के लिए यह गठबंधन बना है क्या प्रोफेसर संजय चूंकि आप पाटलिपुत्र की धरती पर हैं मैं पहले तो आपको स्वागत करता हूं एक पंक्ति से मैं अपनी बात को शुरू करता हूं विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही धरापर धूम भिक्षु होकर रहते सम्राट दया दिखलाते घर घर घूम विरासत में जिनको राज्य मिलता था गौतम बुद्ध हों या महावीर हों उन्होंने राज्य को छोड़ा और ज्ञान को उन्होंने प्रमुखता दी यहाँ लोकतंत्र में जनता ताकत देती है जो सवाल आपके हैं जनता आपको मैंडेट देती है और आप जनता के मैंडेट की अवहेलना करते हैं मैंडेट किसी और के साथ मिलता है सरकार किसी और के घर तो वापसी हो गई मैं इसको इस रूप में नहीं मानता हूं मैं मानता हूं कि सिद्धांतों की बलि चढ़ा दी जाती है तर्क ढूंढ दिए जाते हैं अभी कन्हैया भाई से मैं पूछ रहा था कि यह बताइए कि पार्टी के जो नेता हैं उनको इतना आत्मविश्वास कहां से आता है कि गठबंधन बदलते ही शब्द बदल जाते हैं उनके भाव बदल जाते हैं उनके विचार बदल जाते हैं सब कुछ अच्छा लगने लगता है और जब वो गठबंधन से दूर चले जाते हैं तो सब कुछ बुरा कैसे लगने लगता है तो मैं मानता हूं कि सत्ता के समीकरण को साधने के लिए सिद्धांतों नीति और मूल्यों की बलि चढ़ा दी जाती है मैं मैं तो आपसे डिस्कस कर रहा था कि जहाँ तिरानवे लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे है वो कौन से बिहार की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि जो 18 साल उन्नीसवा साल लग गया नीतीश कुमार सरकार में रहे उसमें लगभग साढ़े सोलह सत्रह साल तो बीजेपी उनके सहयोगी थी तो जब आरजेडी के साथ आए तो जंगल राज आ गया बीजेपी के साथ चल रहे नीतीश कुमार तो कोई जंगल राज नहीं वो सुशासन बाबू हो जाते हैं तो क्या बीजेपी जो कार्यकर्ता है जो यहाँ के नेता हैं, भाई तैयारियां हो रही थी ना 2024 के चुनाव की लोगों को लगा दिया गया अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में तीस बत्तीस बीजेपी खुद लड़ती बिल्कुल तो बाकी लोग अब कहा जाएंगे क्या अंदर खाने कुछ नाराजगी है या दिल्ली में बैठे जो हम नेशनल मीडिया वाले हैं कि जी ये तो खेला हो गया और बम और एनडीए की नैया पार लग गई भाई कभी ऐसा होता था कि कांग्रेस के समय में एक आला कमान का फरमान जारी होता था कि केंद्रीय नेतृत्व तय कर देता था आला कमान ने आदेश दे दिया चीज़ें उसी के अनुसार हो जाती है बीजेपी भी अब उसी सिद्धांत पर चलती है कि केंद्रीय नेतृत्व और उसके एक बड़े लंबरदार अमित शाह जी यही झंझारपुर में आकर के बोले थे कि दरवाज़ा बंद है और कल मैं एक बड़े बीजेपी के नेता को सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि दरवाज़ा तो छोड़ दीजिए दीवारें तक टूट जाती है उन्होंने वर्लिन तक चले गए कि जब जर्मनी की दीवार टूट सकती है तो ये कौन सी दीवार है तो सत्ता का समीकरण जहाँ सूट करता है और 40 लोकसभा की सीटें चालीस लोकसभा की सीटों को साधने के लिए सारे सिद्धांतों मूल्यों की बलि चढ़ा दी जाती है और वहां पर फिर कहते हैं कि नहीं एनडीए मजबूत होता दिख रहा है एनडीए बिखरता दिख रहा है या इसके विपरीत होता दिख रहा है ये तो जनता पर छोड़ दीजिए क्योंकि जनता के अंदर भी क्योंकि ये जो बिहार है ना जिस मोक्षदायिनी गंगा के किनारे खड़े हैं और सामने जे सेतु वो जयप्रकाश जिसने सत्ता को कभी चिमटे से भी नहीं छुआ बदलाव का वो बाहक रहे थे वो जयप्रकाश की भूमिका ये बिहार यहाँ की जनता पॉलिटिकली बड़ी कंसस है, बड़ी है। है बड़ी अभिषेक क्या कि ये जुआ भी खेला है नीतीश कुमार ने और समाजवादी विचारधारा के पुरोधा होने के नाते अब यहाँ पर प्रोफेसर संजय कुमार भी ये सवाल उठा रहे हैं समाजवादी विचारधारा को कलंकित कर दिया क्या ये आरोप रामविलास पासवान गुट जो है एलजेपी का उनके मुख्य प्रवक्ता लगा रहे हैं देखिए ये सारे आरोप निराधार हैं समाजवाद की विचारधारा को किन्ने बुलंद किया है ये सबने देखा है जेपी लोहिया करपुरी की विचारधारा पर कौन सी पार्टी चलती है यह भी हर कोई जानता है अपने परिवार के सदस्यों को आगे नहीं बढ़ाया है यह भी हर कोई जानते हैं जो भी पार्टियां हम पर आरोप लगाती है जरा उनसे एक बार पूछ लीजिए कि उनके यहाँ परिवारवाद और वंशवाद कितना हावी है जेडीयू अब, अब तो झगड़ा चल, तो मतलब तो तो जेडी चल रहा था नहीं मुद्दा वो नहीं है सोलह हमारे सांसद कर आए हैं तो सोलह तो हमारा स्वाभाविक दावा है ही सत्रह सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ी थी लेकिन हमेशा हमारी पार्टी ने कहा है कि बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बिहार के लोगों की भलाई के लिए हमेशा हम बड़ा दिल दिखाते हैं विधानसभा चुनाव तो अब जल्द नहीं होंगे ना ये विधानसभा चुनाव कब होंगे यह तो आपके सामने है फिलहाल ये थोड़ा बता दूं मेरी जानकारी दुरुस्त कर देना मैं थोड़ा अज्ञानी किस्म का आदमी हूँ <laughs> वो लालू प्रसाद यादव से भी यही बात हो रही थी कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव साथ होने चाहिए बीजेपी के साथ भी ये बात हुई तो बात वहां बनी क्या ऐसी कोई बात नहीं है संदीप जी ऐसी कोई बात नहीं है फिर वही बात है कि सूत्रों के हवाले से आपके साथ सूत्रों के हवाले से नहीं पेट में थोड़ा दर्द नीतीश कुमार के ये भी था कि अरे भाई मेरे पास 45 विधायक हैं वो बीजेपी भी मुझे आईना दिखा देती है आरजेडी भी दिखा रही है अब मुझे 45 की पैंसठ सत्तर करनी है तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ करवा दिए जाए ये नीतीश कुमार जी के पेट में दर्द भी नहीं होता है मन में डर नहीं होता है चूंकि दो लाइने हैं कि जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता और हम वहाँ भी कदम रखते हैं जहाँ रास्ता नहीं होता और नीतीश जी तो रास्ता बनाते हैं और उस रास्ते पर बिहार आगे चलता है बिल्कुल सरकार बदल जाती है मुख्यमंत्री नहीं बदल हमने तो कहा ना कि हमारा स्टैंड कहाँ बदला है नीतीश कुमार जी सूबे के मुख्यमंत्री थे हैं और आगे भी रहेंगे मृत्युंजय तिवारी जी सीटों के बंटवारे में थोड़ा पेंस था ना ये सत्रह सत्रह वाला खेल देखिए जो सम्मान आदरण नीतीश कुमार जी को हमारे नेता डिप्टी सीएम श्री पूर्व डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने दिया वो लोगों ने देखा गांधी मैदान में जब नियुक्ति पत्र बट रहे थे तो नियुक्ति लेने वाले लोगों को खड़े करके माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए तालियां बजवाई थी इश्तिहार आज सारे अखबार पटे पड़े थे इश्तिहारों के कि मानो सारा काम तेजस्वी कर रहे थे नीतीश ने कोई काम ही नहीं किया तो हम तो कर रहे हैं कि तराजू में तौल लीजिए ना भाई क्यों नहीं नियुक्ति दिया 17 सत, में मंत्री तो नीतीश कुमार ही थे हम क्या कर रहे हैं हमारे पास विभाग था जो जो विभाग आरजेडी कोटे में था चाहे पर्यटन का हो स्वास्थ्य का हो शिक्षा का हो जो जो हुआ काम आप देख लीजिए तुलना कर लीजिए ना ये हम एक-एक चीज का हिसाब जनता के बीच जाकर के देंगे और जनता पाई पाई का हिसाब लेगी हमें संयमित रूप से सकारात्मक राजनीति में विश्वास हमारे नेता रखते हैं और जनता के प्रति जो भरोसा और विश्वास तेजस्वी यादव जी ने इस कम उम्र में जीता है वो और बढ़ेगा आगे आगे देखिए होता है कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है देखिए ये सब तो शीर्ष नेतृत्व का विषय है जब सीटों का बंटवारा होगा पहले भी हम लोग वहां कब होगा शुभ मुहूर्त कब निकालने वाले हैं बहुत जल्द हो जाएगा पहले इन सारी चीजों नीतीश चले गए ममता बनर्जी कह रही है मैं अकेला लड़ूंगी भगवंत मान कह रहे हैं आम आदमी पार्टी तेरह की तेरह लड़ेगी पंजाब में तो वो इंडिया गठबंधन बचा भी है देखिए गठबंधन दलों का होगा जनता सबसे बड़ी ताकत होती है लोकतंत्र में और जनता ने मोदी जी के खिलाफ अपना गठबंधन कर लिया है कि केंद्र की सत्ता से मोदी के मोदी के सामने कौन इंडिया की तरफ भाई ये तो विषय बाद में हम अब ये हर चीज बाद में हमारे पास इतने विकल्प है हम सामूहिकता में विश्वास करते हैं वहाँ वन मैन सा, सामूहिकता दिख रही है हाँ तो दिख रही है ना कि किस तरह से जोड़ तोड़ भगवान राम भी जब बेड़ा पार लगाने में विश्वास नहीं रहा तो अब ये सब कर रहे हैं ऐसी सत्ता को हम चिमटे से भी नहीं छूना पसंद करेंगे ये अटल जी ने कभी कहा था उस समय हम स्टूडेंट थे, जीतन थे, जी तो राम मान जी तक को प्रस्ताव देते भाई ते, हम कौन कह रहा, रहा है अगर होना होता और कुछ करना होता तो आज ये सरकार शपथ नहीं ले पाती है जान लीजिए या इसी सत्ता को नरेंद्र मुन्ना अभी थोड़ा सा असमंजस है आप इंडिया में भी आ सकते हैं क्या तेजस्वी के साथ भी हाथ मिला सकते हैं इंडिया से देखिए संदीप जी एन तो निकल गया ना जो न्यू रखा था उसका नीतीश कुमार कैपिटल एन पूरे सूत्रधार ये लोग कहते थे उससे इंडिया से तो एन बाहर हो चुका है अब इंडिया में बचा कौन है कौन वहाँ आना चाहेगा हम लोग बिल्कुल आदरणीय नहीं है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश को आगे लेकर के जाना चाहते हैं और वैसे भी हमारे नेता चिराग पासवान जी आप ही लोगों ने उनका उपनाम हनुमान के रूप में दिया है हाँ। हम कभी भी एनडीए से बाहर भी गए किसकी लंका में आग लगाने वाले इन लोगों की लंका में आग लगाएंगे अच्छा नीतीश कुमार भी तो विभूषण है वो लंका से आए है ना मुझे पता नहीं उन पर और? मुझे कोई नहीं ये जवाब दे सकते हैं जी विभीषण विभीषण को कोई अगर उस रूप में नहीं लेना विभीषण अगर नहीं आते तो रावण की नाभि का पता कौन बताता तो तो नीतीश कुमार जी वहाँ जाके उनके नाभि का सब पता उता कर लिए हैं अब बड़ा कह रहे थे कि चाचा को बहुत इज्जत दिए दो फीता दो कैंची लेकर घूमते थे कुछ चीज का उद्घाटन होता था तो दो फीता दो कैची कैंची लेकर घूमेगी एनडीए एनडीए में कितनी कैंची लेकर नहीं के के पाठक जी के इंजेक्शन का दर्द ऐसा की इनके शिक्षा मंत्री यहाँ पर कैंची तक बात आ गई है गंगा मैया के किनारे हम खड़े हैं पाटलिपुत्र में तो बिहार में खेला तो हो गया लेकिन खेला का अंतिम अध्याय यानी कि वो मुकम्मल हो गया है क्या ये अभी देखने वाली बात है 2024 तक के लिए ये गठबंधन है आगे चलेगा क्या कोई सिंपथी फैक्टर होगा या अरिथमेटिक केमिस्ट्री काम करेगी मोदी और नीतीश कुमार की एनडीए का बंटाधार हो गया है या उसे और ताकत आने वाले दिनों में मिल सकती है कि भाई जो लोग विभीषण साबित हुए अब वो हट गए हैं या टाइम इज रनिंग आउट नमस्कार मैं हूं संदीप चौधरी आज सीधा सवाल मैं सीधे पटना बिहार की राजधानी पटना से कर रहा हूं पाटली पुत्र से गंगा किनारे हूं मैं यहां मेरे बाई और गंगा नदी बह रही है यह सोनपुर का पुल है मरीन ड्राइव कहते हैं इसे दीका घाट है लेकिन बिहार में क्यों हूं यह आप जानते ही हैं बिहार में सरकार बदल गई है मुख्यमंत्री वही है ये अपने आप में एक बड़ी कहानी कहता है नौवीं बार नीतीश कुमार ने बतौर मुख्यमंत्री आज शपथ ली उनके अलावा आठ और विधायकों ने मंत्री पद की भी शपथ ली उसमें दो उप मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ हो लिए हैं वो बीजेपी जिन्हें वो सांप्रदायिक बताते थे सौहार्द बिगाड़ रही है देश को तोड़ रही है और इसीलिए इंडिया गठबंधन के रचयिता भी बन गए थे कि बीजेपी को बहुमत नहीं लाने देंगे 200 सीट नहीं लाने देंगे 100 का आंकड़ा पार नहीं करने देंगे लेकिन अब वो बीजेपी के खेवनहार की भूमिका में भी साफ आते दिखाई दे रहे हैं तो ये जो नई सरकार है दरअसल क्या नए राजनीतिक समीकरणों की ओर भी इशारा कर रही है अब राजनीतिक समीकरण क्या है नीतीश कुमार एनडीए में आने से एक अरिथमेटिक होता है और एक केमिस्ट्री अंक गणित और रसायन शास्त्र यह हमने देखा है 2019 के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू साथ आते हैं तो कमाल का राजनीतिक खेल भी होता है चालीस में से उनतालीस सीटें बीजेपी और जेडीयू जीतने में कामयाब हो गई थी एनडीए जीतने में कामयाब हो गया था तो 400 पार अब की बार 400 पार इस बात की ताल ठोकने वाली बीजेपी उन्हें दरअसल नीतीश कुमार जिनको वो पलटू राम मौका परस्त नंजार ने किन किन संज्ञाओं से नवाजते थे और कहते थे कि दरवाजे बंद अब कोई रास्ता नहीं कि नीतीश वापस आ जाएं उनके लिए कालीन बिछा दिया बीजेपी ने क्या लड़ाई ये 2024 की कि भाई इंडिया का जो गणित बन रहा है वो बिहार में नुकसान ना पहुंचा दे तो नीतीश कुमार को अगर हम ले आते हैं तो इंडिया धाराशाही हो जाएगा और नीतीश कुमार ये जानते बूझते कि 45 विधायक हैं और बीजेपी के रहमो करम पर अब आगे का राजनीतिक जीवन बिताना पड़ेगा उन्होंने ये इतना बड़ा दाव क्यों खेला है वो अपना रसूख अपनी वक्त और राजनीतिक गणित में इजाफा करना चाहते हैं क्या कि बीजेपी के साथ रहेंगे सांसद सत्रह में से सोलह जीते थे और 45 की जगह और बढ़ जाएगा विधानसभा चुनाव आते आते आंकड़ा पर यहां पर सवाल यह भी है ये सरकार कितने दिन चलेगी क्या यह तात्कालिक लाभ के लिए यह गठबंधन बना है और लोकसभा चुनाव के बाद खेल फिर शुरू हो जाएगा क्या तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि अभी खेला होना बाकी है 2024 के अंत तक जेडीयू खत्म हो जाएगी तो अस्तित्व पर जुआ खेल दिया है क्या नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी एक वक्त पर और नीतीश कुमार के भी उपाध्यक्ष बना दिया था उन्होंने जेडीयू का प्रशांत किशोर को प्रशांत किशोर कह रहे हैं लोकसभा चुनाव खत्म होने दीजिए छह महीने में यह सरकार गिर जाएगी तो क्या पच्चीस तक यह सरकार टिक पाती है लेकिन उससे बड़ा सवाल इंडिया के खांचे में ढांचे में ऐसी सेंधमारी कर दी कि ताश के पत्तों की तरह यह गठबंधन बिखर जाएगा टूट जाएगा इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि जेडीयू और उनके मुख्य जो प्रवक्ता हैं केसी त्यागी वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की नीतियों के चलते और उसके कुछ ऐसे बर्ताव के चलते कि सीटों तो का बंटवारा नहीं कर रहे संयोजक नहीं बनाया ये खैर केसी त्यागी ने नहीं कहा इंडिया बिखर रहा था कांग्रेस की कारगुजारियां थी तो हमारे पास और कोई विकल्प नहीं बचा उधर कांग्रेस कह रही है मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं हमें पहले ही अंदेशा था नीतीश बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं उन्हें संयोजक कैसे बना देते इशारों इशारों में ये बात वो भी कह गए जयराम रमेश कहते हैं कि गिरगिट को भी बदनाम कर रहे हैं नीतीश कुमार इतना रंग बदल रहे हैं पैतेश कुमार कह रहे हैं तेज प्रताप यादव तेजस्वी के बड़े भाई तो ये जो खेल हो रहा है चौबीस के लिए क्या बीजेपी को फायदा देगा या बीजेपी तो मजबूत है अपनी जगह पर जेडीयू कमजोर कड़ी भी साबित होगी या छोंक लगाने का काम करेगी और नैया पार करा देगी इस गंगा मैया में नैया पार हो जाएगी क्या एनडीए की इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं ऐसे में आज का सीधा सवाल फिर नीतीश कुमार 25 तक चलेगी सरकार ये पहला सवाल और बिखर गया इंडिया 24 में होगा खेला तो 25 की भी बात कर रहा हूं और 24 की भी और चर्चा में मेरे साथ जेडीयू के युवा चेहरा हैं उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अभिषेक झा और देखिए क्या सही वक्त पर एंट्री की है मृत्युंजय तिवारी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरजेडी के तो अभी तो साथ थे आज थोड़ा साथ और खड़े हो जाइए फिर साथ हो जाएंगे फिर साथ हो जाएंगे अभी तो खैर टूट हो गई है जब खत्म हो जाती है उस पर उस पर मैं आता हूं अभी शाम सुंदर शरण है हमारे साथ हम और ये हम साथ हो गया है जेडीयू के बिखरते भी रहते हैं टूटते भी रहते हैं और जुड़ते भी रहते हैं आइए मुन्ना साहब भी आ गए देखिए सब वक्त पर पहुंच गए हैं धीरेन्द्र कुमार मुन्ना एलजेपी जे रामविलास पासवान गुट के प्रवक्ता और दो खास मेहमान बिहार की नब्स टे आए हैं दशकों से वरिष्ठ पत्रकार हैं कन्हैया बेलारी और प्रोफेसर संजय कुमार जाने माने राजनीतिक विश्लेषक भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं तो तीन दिन से हमें टहला रहे थे अभिषेक कि अरे अफवाहों का बाजार गर्म है पत्रकार अपने मन की बातें कह रहे हैं जो हमने कहा वही सही हुआ नहीं हमने ऐसा नहीं कहा कि पत्रकार अपने मन की बात कह रहे हैं आपका काम था कयास लगाना सूत्रों के हिसाब से खबरें चलाना और आप हमसे उस पर स्पष्टीकरण मांगते थे आप पूछते थे हमसे कि कल क्या होगा संदीप जी वो कल आज हो चुका है और ये आज आपके सामने है जो भी घटनाक्रम है वो आपके सामने है आज एक नई सरकार का गठन हुआ है बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है और कारण विस्तार से हमने भी हमारी पार्टी ने सबने बताया है क्या कारण मैं अभी तक समझ नहीं पाया देखिए बहुत सारे ऐसे कारण नीतीश कुमार जी ने कभी दबाव की राजनीति नहीं की है और नीतीश दबाव बना रहा था भाई हमारे जो सोकॉल सहयोगी दल थे उनकी तरफ से हमेशा एक अनावश्यक अनाधिकृत दबाव दबाव किन चीजों का राजनीतिक रूप से बहुत सारे अनैतिक काम करने का जो लोग जिन पर आरोप है जमीन के बदले नौकरी का वो नौकरियां देकर तो दो हजार आठ नौ का मामला पंद्रह साल से आपकी जानकारी थी यकायक याददाश्त में ताजी हो गई ऐसा नहीं होता है संदीप जी मसला ये है कि बहुत सारे मामले हैं जो साबित हैं और बहुत सारे मामले हैं जो अंडर ट्रायल है उस पर हमें नहीं जाना दूध में मक्खी है फिर भी दूध पी रहे थे वैसा नहीं है देखिये हम उनसे हम हर किसी से उम्मीद करते हैं कि आपकी राजनीतिक बनी रहे पहली बात तो वो है दूसरा है दूसरा कि आपने लगातार देखा है कि किस तरह से इनकी पार्टी के नेताओं ने हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियां की चाहे वो सुधाकर सिंह जी हो इनके एमएलसी सुनील सिंह कई विधायक हो इनके बीजेपी वालों ने, वालों ने क्या कुछ किया जिनके साथ गलबैया कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री अब बन गए हैं सम्राट चौधरी सर पर पगड़ी बांधते हैं और कहते फिरते थे पगड़ी नहीं उतारूंगा जब तक गद्दी से नीतीश कुमार को नहीं उतार दूंगा अब गाड़ी में आगे बैठे हुए थे सम्राट चौधरी आज वो गाड़ी में तस्वीरें देखी होंगी ना पीछे बैठे हुए हैं नीतीश कुमार देखिये लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी होती है और जब हम विपक्ष में अभिव्यक्ति की आजादी और यहाँ पर कुटारा राजनीतिक सुचिता और मर्यादा आप इस बात को समझिए ना सम्राट चौधरी जी ने बताया कब पगड़ी उतारेंगे नहीं उतारेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कभी भी जब हमारे खिलाफ भी कहा तो राजनीतिक मर्यादा का का ख्याल तो मर्यादाओं में थे वो भाई आप उनके बयानों का क्यों खुद कर सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल के नेता जिस तरह से लगातार बोल रहे थे वो भी आपके सामने है। तो ये सारे मसले हमेशा तो आरजेडी से दिक्कत थी आपके मुख्य प्रवक्ता और सलाहकार भी हैं नीतीश कुमार के सी त्यागी कहते हैं ये कांग्रेस ने बंटाधार कर दिया कांग्रेस सीट शेयरिंग नहीं कर रही कांग्रेस अपने दम गुरूर में थी इंडिया बिखर गया सारी चीजें वास्तविकता है संदीप जी आपने यहाँ के परिपेक्ष में पूछा तो अभी हम अपने पुराने साथी के विषय में बता रहे थे कांग्रेस पार्टी का जो हाल है वो आपके सामने ही है ना कुछ कदम चलने को यह तैयार नहीं है किस गुरूर में है आपको दिख रहा है इंडिया अलायंस का निर्माण अगर किसी ने भूमिका निभा दो हजार बाईस में जब आपने सरकार बनाई इंडिया गठबंधन था अभिषेक नहीं महागठबंधन का एक स्वरूप बिहार में था नीतीश कुमार जी ने इंडिया गठबंधन नहीं था ना इंडिया में दरार है सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा उसको बहाना बना रहे हैं 2022 में आरजेडी के साथ आपने समझौता किया तब इंडिया गठबंधन थोड़ा संदीप जी बहाना नहीं है ये वास्तविकता से इतर हम कोई बात नहीं कर रहे हैं आप बताइए कि इंडिया अलायंस जो कि अब बचा नहीं है इंडिया अलायंस अगर है भी तो किन प्रदेशों में सीटों का बंटवारा हो चुका है आदरणीय लालू जी क्या बयान देते हैं अभी कौन सी हरबड़ी है कि सीटों तेजी तेजी चीजें हो चुकी तो है संदीप जी हम आपके सामने रखेंगे धीरे धीरे थोड़ा एहतियात मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि हमें पहले ही मालूम था नीतीश कुमार विभीषण की भूमिका में आए हुए हैं और इसीलिए जो मांग रहे थे नहीं दिया गया। देखिए आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तो खुद रबड़ स्टाम्प अध्यक्ष है ना okay. वो खुद कह रहे हो तब तो एक बात होती है अगर उनके अंदर राजनीतिक रीढ़ की हड्डी होती पूरे कांग्रेस पार्टी के अंदर तो शायद इतना बुरा हश्र नहीं होता कि जहां जहां राहुल गांधी जी पग रख रहे हैं वहां वहां उनके अलायंस के साथ ही छूटते चले जा रहे हैं किस तरह की तस्वीरें आप प्लानिंग चल रही थी क्या इंडिया का आइडिया देंगे फिर इंडिया को ही धाराशाही कर देंगे हम कभी भी करते हैं तो ईमानदार प्रयास करते हैं और नीतीश कुमार जी ने हमेशा ईमानदार प्रयास किया और एक बात को समझिए हमारी कोई वैमनस्ता ना आरजेडी के साथ है ना कांग्रेस के साथ ना बीजेपी के साथ रही है और बीजेपी तो सांप्रदायिक पार्टी है ना देश को तोड़ रही है धर्म के आधार पर बांट रही है जातिगत जनगणना करवा नहीं रही है आरक्षण विरोधी है ये मेरे बयान हमारी प्राथमिकता में है कि देश के जनगणना जय श्री राम के नारे लग रहे थे प्राण प्रतिष्ठा के, के, के कार्यक्रम में नीतीश कुमार नहीं गए जय श्री राम करेंगे नीतीश कुमार होता है कि राम भगवान में हमारी आस्था है की नहीं है जय श्री राम के नारे लगाएंगे आप राम बोलते थे जय जयसिया राम बोलते हैं जयसिया राम और श्री राम में फर्क है अरे हम बिहारवासी हैं हम मिथिला वासी है हम राम से पहले सीता माता का नाम लेते हैं बिना सीता माता का नाम लिए हम राम भगवान का नाम नहीं लेते हैं। तो इसमें आपत्ति क्या है तो राम रामलला का मंदिर है ना तो हम जय राम बोलते हैं तो क्या दिक्कत है राम रामलला के मंदिर में सीता माता का अब जय राम करेगी और बीजेपी जय श्री राम अलग अलग आइडियोलॉजी सांप्रदायिक नहीं होंगी और बीजेपी पार्टी न सांप्रदायिक थी ना हम इसमें विश्वास रखते हैं हम आज भी जातीय जनगणना के पक्ष में हैं हम कमिटमेंट के लिए जाने जाते हैं जनता के साथ पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं

मुख्यमंत्री नहीं रह सकते हैं नीतीश कुमार जी आज आपके सामने क्या है मैं आज की बात कर रहा हूँ चौधरी उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं सुशील मोदी नहीं आपके ये ये भारतीय जनता पार्टी का अपना आंतरिक फैसला है इसमें हमारा हमारा कोई दबाव नहीं हो सकता है हम दूसरे दलों पर दबाव देने वाले दल नहीं है हर एक दल स्वतंत्र रूप से काम करता है अपने हिसाब से काम करता है ये उनकी कार्यशैली में शामिल तेजस्वी कह रहे हैं चौबीस तक जेडीयू खत्म हो जाएगी आपके उपाध्यक्ष रहे बड़े करीबी रहे नीतीश कुमार के प्रशांत किशोर कह रहे हैं ये सिर्फ चुनाव चुनाव तक का गठबंधन है ये खत्म हो जाएगा में क्या होता है जनता तय करती है पहली बात हम घमंड में नहीं आत्मगौरव में बोलते हैं और प्रशांत किशोर जी की कोई राजनीतिक प्रासंगिकता नहीं है और तेजस्वी यादव जी बयान दे रहे हैं तो उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे देखिए पूरे राष्ट्रीय जनता दल के लोग अभी साथी भी चुके सत्ता 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 विलाप विलाप आपको दिखेगा सत्ता से बाहर जाने की हो रहा है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे हालत ये हो गई आर की इतने देर के प्रवचन में हमारे छोटे भाई ये बता ही नहीं पाए जनता को कि हमने साथ क्यों छोड़ा हमें फक्र है गर्व है कि हम पंद्रह महीने सरकार में रहे तो वो विश्व ना कोई सकता सकता ना कोई मिटा सत्तर दिनों में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया कभी कोई बांटा था मुख्यमंत्री तो नीतीश थे ना हम क्या कर रहे हैं यही आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे ना 2020 में जब तेजस्वी यादव जी ने यह वादा किया था दस लाख नौकरी का तो आदर नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था ये कहां से लाएगा पैसा कैसे देगा नौकरी <śpansky> नौकरी तो पहले भी लालू प्रसाद यादव ने दी पर लैंड फॉर जॉब स्कैम कर दिया कि नौकरी तो दे देंगे ये, ये, चक देके, ये, ये, देके, ये इतने कट्ठे मेरे नाम लिखवा संदीप जी ये विरोधियों को जेडीयू को चाहे आज लाख कोई बहाना हो अपना नया ठिकाना ढूंढने का लेकिन जनता इनको पहचानती है और हम तो कह रहे हैं कि अब आदरणीय नीतीश कुमार जी की राजनीतिक पूंजी नहीं बची है नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार संभालेंगे 24 के चुनाव का अब क्या हाल रह गया 24 के चुनाव में जनता मालिक है अयोध्या में भगवान राम लला प्रकट हुए भगवान राम लला पर भी इनको भरोसा नहीं हुआ ये लोकतंत्र का अयोध्या है बिहार लोकतंत्र की जननी और यहाँ ये इंडिया की क्या गत हो गई अब क्या गत होगी इंडिया तो पूरी तरह से मजबूत है इंटैक्ट है इंडिया गठबंधन बना ही है बड़े उतरिया जा रहे हैं तेजस्वी देखिए सब लोग राजनीतिक दल अपना अपना कार्यक्रम चला रहे हैं यही तो प्रॉब्लम है यही तो नीतीश कुमार कह रहे थे कि अपनी अपनी डफली अपना अपना राग अपनी अपनी डफली अपना राग का सवाल नहीं है अभी तो आपने देखा किस तरह से वहाँ चिराग पासवान जी को मनाया गया किस तरह से तो जी मैं अभी पूछूंगा मुन्ना से मैं पूछूंगा मान गए हैं क्या जनता का विश्वास अगर किसी भी व्यक्ति का किसी भी दल का विश्वसनीयता ही समाप्त हो गई तो उनकी राजनीति समाप्त होगी और हमारे नेता ने आज ऐलान किया है तेजस्वी यादव जी ने तेजस्वी यादव जी ने कहा है खेल अभी शुरू हुआ है क्या है वो खेल थोड़ा समझाइए ना खेल अभी बाकी है खेल क्या ना? खेल बाकी है? खेल का अंत तेजस्वी यादव जी करेंगे जेडयू 24 में समाप्त हो जाएगी अब इसका नौबत ही नहीं आएगी मतलब जेडीयू दो फाड़ होने वाली है जीतन हो? राम माझी को भी मुख्यमंत्री का न्योता दे दिया की प्रस्ताव दे दिया बातें पर्दे के अंदर रहने दीजिए पर्दा दो फाड़ हो रही है अब देखिए ना आगे आगे होता है क्या अब तो आज खुशी का दिन है आज अभिषेक जी को शुभकामना है बीजेपी को शुभकामना है सभी एनडीए गठबंधन जिन्होंने सरकार बनाई है खूब शुभकामना है लेकिन कल से इनको जनता के सवालों के बौछारों का सामना करना होगा कि जो तेजस्वी यादव जी ने इतने दिनों तक सत्रह वर्षों से एनडीए का शासन है बिहार में और हमारे सत्रह महीनों का शासन काल तराजू पर रखकर कोई तौल ले वो भारी पड़ गया जंगल राज के नाम पर बदनाम था आपका राज ये ये, गरीब, ये गरीबों का राज मजदूरों किसानों नौजवानों का ये तो रोजगार पुरुष के रूप में तेजस्वी यादव जी याद किए जाएंगे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा इनको जो इन्होंने किया है उसका बदला जनता सूद और ब्याज के साथ पाई पाई लेगा पहले तो ईडी की कार्रवाई से ही निपटना होगा 9 फरवरी को राउस एवेन्यू के सामने पेश होना होगा हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल हमारे नेता आदरण्य लालू प्रसाद जी श्री तेजस्वी यादव जी ने संघर्षों के गर्व में ही राजनीति की है और वहीं से पले बढ़े हैं चारा घोटाला भी किया हमने तो कहा ना कि जिसको जो कहना है कह दें। अभी तक आदर अब वो सब बातें अगर खुलेगी परत दर परत तो उसके लिए बहुत समय तो देना होगा खेला होना बाकी शुभकामनाएं भी दे रहे हैं धीरेन्द्र आपको मृत्युंजय तिवारी खुश है या ना खुश है चेहरा उतरा हुआ है आपका क्यों बिल्कुल नहीं उतरा हुआ है मैं खुश हूँ क्योंकि बिहार को एक नई सरकार मिली है काम करने वाली डबल इंजन की सरकार मिली है बिहारवासियों को मैं शुभकामना देता हूँ मुख्यमंत्री जी को शुभकामना देता हूँ पूरे मंत्री परिषद को मैं शुभकामना देता हूँ मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दे रहे हैं आपके मुख्य प्रवक्ता है ए के वाजपेयी कल मेरे ही कार्यक्रम पर बोले की समाजवादी विचारधारा और विरासत को कलंकित किया है नीतीश कुमार ने आज चिराग पासवान ने कहा कि हमारे नीतिगत विरोध हैं मतभेद हैं नीतीश कुमार के साथ देखिए हम लोग पहले बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं बिहार को भी हम... फर्स्ट सिटीजन बन गए हैं नीतीश कुमार जहाँ पर अगर हम क्यों बन गए हैं अगर ये मृत्युंजय तिवारी जी अगर वहाँ से अलग नहीं होते अगर आदरणीय नीतीश कुमार जी को ये ट्रबल में नहीं डालते तो आज हमारी क्या ज़रूरत पड़ती इन लोगों ने ट्रबल में डाला है तो क्या मैं बिहार के लोगों को बिहार के दो तो हजार में तो आप अलग लड़े थे ना तब तो एनडीए के हिस्सा भी नहीं रहे थे तो सरकार बनी थी तो अब आप एनडीए का हिस्सा हैं रहेंगे बिल्कुल है। आपका तो एक विधायक था वो भी चला गया बिल्कुल वो एक विधायक भी था था चला गया था। लेकिन बिहार के के लोग हमारे नेता के साथ है आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ है और हम बिल्कुल अभी एनडीए के हिस्सा हैं और आगे भी रहे। 24 की लड़ाई के लिए ये पूरी तैयारी तयार, तैयारी है ये कवायद हुई है ये टूट फूट पलटना टकना ये सब हुआ छह सीट आपको दे देंगे दो दिन से अटके हुए हैं चिराग पासवान फूटा गाड़ कर बैठे हुए थे दिल्ली में कि पटना तभी जाऊंगा पहले इस बात का जवाब दीजिए मिल गया जवाब संदीप जी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमारे हितों की रक्षा की जाएगी और मुझे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर पूर्ण विश्वास है और अगर इन लोगों के ये जो आज बिहार आपके जो हित हैं उसको आसान कर देते हैं ना 2019 में 17 बीजेपी लड़ी 17 जेडीयू लड़ी और छः आपके बांटे आई तो इस बार सत्रह बीजेपी तो सत्रह जेडीयू को भी देनी पड़ेगी उस में आप भी भी हैं हम भी है, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं पारस बाबू भी हैं चाचा भतीजे वाला खेल भी होगा ये छह में कितने समाएंगे चालीस से ऊपर सीटें तो नहीं है ना ये बात पर्दा पर करें क्या <laughs> पर्दे बात पर्दे की बात कार्यक्रम का नाम सीधा सवाल है लेकिन सवाल कहने को सीधा है टेढ़े भी होते हैं नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल आपके सवाल बिल्कुल सीधे होते हैं सुनने में लोगों को टेढ़े लगते हैं लेकिन संदीप जी मैं बताता हूं कि हम लोग बहुत ही मजबूती से और संतुष्टि से आगे बढ़ रहे हैं और सुबह में समा जाएंगे सब अब छह और नौ का नंबर हमको नहीं पता है श्याम बाबू मतलब सुमन साहब तो बन गए मंत्री उसी से काम चल जाएगा देखिए हम लोगों का जो मिशन है वो सुमन बाबू के मंत्री बनने और नहीं बनने का नहीं है अगर वो होता तो जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ते वो होता तो सुमन जी मंत्री का पद नहीं छोड़ते तो जीतन राम मांझी जी का या हमारी पार्टी का जो मिशन बिहार है और बिहार के हित में हम लोगों ने जब प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लिया तो पूरे बिहार को वो आशीर्वाद आज हम लोगों ने ए, तो आपका मिशन मिशन बिहार है नीतीश कुमार को तो पलटू राम कहते ही है दुनिया जीतन राम मांझी भी कहीं कम नहीं है ने, ने, कभी नीतीश के साथ कभी एन के साथ कभी एन से बाहर कितनी बार पारी है? और पाला बदल चुके हैं आधा मिनट हम बोल लेंगे तब बात निकल जाएगी इस बार पलटू नहीं हुआ इस बार सलटू होगा और जो पलटू राम कहें ना उनको हम लोग सलटू राम बना देंगे और कैसे 2024 में और 25 में सलट देंगे जो भ्रष्टाचार के आका को अपना पुरोधा मानते हैं ना समाजवाद कर्पूरी ठाकुर और जेपी और लोहिया सब को बेचने वाले ही लोग अपने बेटे के लिए दंडवत हुए हैं नीतीश कुमार के यहाँ कौन नहीं जानता कि जाकर माफ़ी वाफ़ी सब मांगी है बेटी का पोस्ट डिलीट करा रहे हैं तो कुछ करा रहे हैं उससे माफ़ी मंगवा रहे हैं राहुल गांधी से बात करवा रहे हैं उधर दौड़ रहे हैं उधर भाग रहे हैं सत्ता के लिए कौन चारों तरफ जब चारों खाने चित हो गया तब हमारे नेता को आया कि आपको अब मुख्यमंत्री बनाते हैं बाघ का कंगन लेकर के घूम रहे थे शिकारी नहीं आपने भी कहानी सुनी होगी तो राष्ट्रीय जनता दल के पॉलिटिकल कल्चर को हम सब लोग जानते हैं तो रावण की लंका में आग लगाने के लिए हम लोगों ने वहां से विभीषण कौन है? है अच्छा विभीषण को निकाल लिया विभीषण है, भिल्कुल। आ, कुमार आ, आ, है? आ तो विभीषण नहीं आते क्या विभीषण है ना नीतीश कुमार विभीषण आते कि नहीं नीतीश कुमार विभीषण तौर पर उस रावण की लंका में विभीषण है आपने सलट शब्द भी इस्तेमाल किया वो दिमाग भी सलट गया है बहुत सारे सवाल उठाए थे जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को लेकर उसके लिए देखिए कृष्ण की परंपरा को हम लोग कायम कर रखे हुए हैं कृष्ण ने कई बार रण भी छोड़ा कृष्ण ने रन छोड़ नाम भी स्वीकार किया कृष्ण ने हर बार अपने प्रण को भी आहूत किया कई बार उन्होंने देखे अपने भक्त के प्रण को रखने के लिए भीष्म के प्रण को रखने के लिए महाभारत में हथियार भी उठाए तो आप जब जनहित में तो महाभारत में आप कौरव हैं कि पांडव हैं नहीं नहीं हम तो राम के हनुमान हैं और उस कहिए कि में भगवान राम नहीं, नहीं थे ना मैं महाभारत का सवाल पूछ रहा हूँ ना आपसे ये तो महाभारत हो रहा है मा... तो महाभारत में आप कौरव की भूमिका में हैं पांडव की बिहार की महाभारत में जीतन राम मांझी जी कृष्ण हैं ये कोई मुगालते में ना रहे अपनी सारी सेना किसी और को सौंपने के बाद भी कैसे पांडव को जिताया जाता है ये जीतन राम मांझी जानते हैं और ये जो भ्रष्टाचार के आका जो अपने आप को बिहार के राजा मानते हैं और ये कह रहे थे कि संघर्ष से आए हैं अब तेजस्वी यादव का कौन सा संघर्ष है कि कराते तराजू से तौलिए तौलिए अगर 30 किलो वजन तेजस्वी यादव का नहीं बढ़ा होगा तो फिर आप हमको जो कहिए वजन बढ़ने की बात हो रही है वो तो शारीरिक वजन की बात हो गई यहाँ राजनीतिक वजन किसका बढ़ता दिखाई दे रहा है आज जो ये गंगा किनारे पाटलीपुत्र के नाम से मशहूर इलाका वो पलटीपुत्र जैसे संदेशे भी आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे इस राजनीतिक खेला जो हुआ है ये अब किस और जाता दिख रहा है जो कुछ भी हुआ है संदीप भाई मैं यही कहूंगा कि नीतीश कुमार जीत करके भी हार गए और तेजस्वी यादव हार कर भी जीत गया ये लड़ाई में हारा नहीं है ये जो दार्शनिक सी बात कर रहे हैं राजनीति आजकल दर्शन शास्त्र को नहीं मानती है। हम तो पत्रकार हैं ना और मुझे फक्र है पूरा फक्र है कि आज भी बिहार ट्रेंड कर रहा है ऑफ कोर्स फॉर रॉन्ग रीजन ट्रेंड तो बिहार कर रहा है ना और पहली बार नहीं मैंने एक तरह से पहली बार हुआ मुझे पता चला कि कर्पूरी के शिष्य लोहिया के शिष्य जयप्रकाश के शिष्य इतना बड़ा पलटी इतना मन, इतनी बार पलटी मारते हैं यही उन्होंने सीखा है यह पहली बार हमने जाना अब हम लोग अपने बच्चों को जब नीतीश कुमार का बायोग्राफी पढ़ाएंगे ऑटोबायोग्राफी नहीं उप तो लिखेंगे नहीं तो इसमें यही पढ़ाएंगे कि बिहार के एक मुख्यमंत्री थे जिनका नाम नीतीश कुमार था वो जब मन तिधर चल जाते थे पोखरा के जाट बने हुए थे उन्हीं के इर्द-गिर्द जो है घूमते थे पर इसमें फायदा किसको होता दिखेगा तात्कालिक और दीर्घकालिक शॉर्ट टर्म फायदा किसको होता दिख रहा है बीजेपी 400 की ताल ठोक रही थी पर जरूरत पड़ गई ना नीतीश की तो उनके भी पेट में कहीं दर्द था आशंकाएं थी कहीं ना कहीं तो वो आशंकाएं अब दूर हो जाएंगी अरिथमेटिक और केमिस्ट्री नीतीश और मोदी की यानी कि बीजेपी जेडीयू की बीजे नैया पार लगाएगी आप हमको ये बताइए कि ये पहले भी बीजेपी के लोग कहते थे कि हम 40 जीत रहे हैं अब कह रहे हैं कि 40 जीतेंगे तो पहले मैंने नहीं 40 जीत रहे थे तब ना आप कह रहे हैं कि 40 जीतेंगे आप बताइए अर्थमेटिक जो है और केमिस्ट्री की के जो बात करते हैं मुझे जो लगता है कि अभी जो लड़ाई है बराबरी बराबरी की है अभी भी बराबरी बराबरी, भी बराबरी की लड़ाई है और हमें मतलब आप कह रहे हैं बीजेपी तो कुछ इलाकों में अपनी मजबूती बनाए हुए थी उसको जरूरत पड़ती थी पिछड़े अति पिछड़े वोट बैंक की क्योंकि अगड़ा उनके साथ था नीतीश को साथ लाने के बाद वो इजाफा नहीं होगा जितनी उनकी आशंकाएं थी कि भाई कहीं हम 20 से नीचे भी ना चले जाएं उसमें इजाफा नहीं होगा मुझे लगता है कि लोगों के बीच में खास तौर से युवा के बीच में ये एक सिंपैथी इवन इमोंग द अपर कास्ट पीपुल उसको लगता है मोह लगता है ना होला कि बताइए इसका क्या दोष था क्या मैंने क्या ऐसा किया नीतीश कुमार जो कहते हैं कि कुछ गड़बड़ होता रहा, क्या गड़बड़ था जिस मंच पर आप रहते थे जिसकी अध्यक्षता आप करते थे बतौर मुख्यमंत्री रहते थे और ये लड़का रहता था बोलते थे कि पांच का पहले कुछ होता था जी क्या होता था जी ए, कुछ होता था अब वो वहाँ सुन रहा है उसके सामने आप बोल रहे हैं

चौबीस के चुनाव में फायदा हो जाएगा एनडीए को और इंडिया की गत हो जाएगी रचयता ही हट गए इंडिया से तो इसमें नैरेटिव क्या जाता है आम आदमी के सामने संदेश क्या जाता अब जो लोग भी समझते थे उनको कि प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट हैं तो वो तो खूंटा ऊंटा लेकर के भाग गए अब क्या प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे और वो जो समझ सोच वो अब देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि लड़ाई जो है वो बराबर बराबर ये सिर्फ चौबीस के चुनाव तक का गठबंधन है उसके बाद बिखर जाएगा 24 के चुनाव के बाद अगर मान लीजिए कि लोग कहेंगे कि आप मुख्यमंत्री पद के छो, छोड़िए तो फट देने फान के उधर चले जाएंगे और फिर सरकार बना लेंगे और राजद भी बना देगी और फिर उसमें भी जब मैं डिप्टी सी हो जाएंगे वो तो ये अंतहीन धारावाहिक की तरह हो जाएगा लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने जो ये दाव खेला है देखिए मौका परस्ती की जब बात होती है तो नीतीश कुमार का नाम सबसे पहले आ रहा है राजद ने भी भाई लोगों ने 2020 में जो जनादेश दिया था वो बीजेपी और जेडीयू की सरकार को दिया था आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी भले ही क्यों ना हो लेकिन उसे जनादेश बिहार पर राज करने का नहीं मिला था तो 2022 में उन्होंने नीतीश के साथ हाथ मिलाया मौकापरस्ती उन्होंने की उन्होंने भी की तो हमाम में तो सभी नंगे हैं पर बीजेपी ने भी यह मौका परस्ती की है यह तात्कालिक लाभ के लिए यह गठबंधन बना है क्या प्रोफेसर संजय चूंकि आप पाटलिपुत्र की धरती पर हैं मैं पहले तो आपको स्वागत करता हूं एक पंक्ति से मैं अपनी बात को शुरू करता हूं विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही धरापर धूम भिक्षु होकर रहते सम्राट दया दिखलाते घर घर घूम विरासत में जिनको राज्य मिलता था गौतम बुद्ध हों या महावीर हों उन्होंने राज्य को छोड़ा और ज्ञान को उन्होंने प्रमुखता दी यहाँ लोकतंत्र में जनता ताकत देती है जो सवाल आपके हैं जनता आपको मैंडेट देती है और आप जनता के मैंडेट की अवहेलना करते हैं मैंडेट किसी और के साथ मिलता है सरकार किसी और के घर तो वापसी हो गई मैं इसको इस रूप में नहीं मानता हूं मैं मानता हूं कि सिद्धांतों की बलि चढ़ा दी जाती है तर्क ढूंढ दिए जाते हैं अभी कन्हैया भाई से मैं पूछ रहा था कि ये बताइए कि पार्टी के जो नेता हैं उनको इतना आत्मविश्वास कहाँ से आता है कि गठबंधन बदलते ही शब्द बदल जाते हैं उनके भाव बदल जाते हैं उनके विचार बदल जाते हैं सब कुछ अच्छा लगने लगता है और जब वो गठबंधन से दूर चले जाते हैं तो सब कुछ बुरा कैसे लगने लगता है तो मैं मानता हूं कि सत्ता के समीकरण को साधने के लिए सिद्धांतों नीति और मूल्यों की बलि चढ़ा दी जाती है मैं मैं तो आपसे डिस्कस कर रहा था कि जहाँ तिरानवे लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे है वो कौन से बिहार की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि जो 18 साल उन्नीसवा साल लग गया नीतीश कुमार सरकार में रहे उसमें लगभग साढ़े सोलह सत्रह साल तो बीजेपी उनके सहयोगी थी तो जब आरजेडी के साथ आए तो जंगल राज आ गया बीजेपी के साथ चल रहे नीतीश कुमार तो कोई जंगल राज नहीं वो सुशासन बाबू हो जाते हैं तो क्या बीजेपी जो कार्यकर्ता है जो यहाँ के नेता हैं, भाई तैयारियां हो रही थी ना 2024 के चुनाव की लोगों को लगा दिया गया अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में तीस बत्तीस बीजेपी खुद लड़ती बिल्कुल तो बाकी लोग अब कहा जाएंगे क्या अंदर खाने कुछ नाराजगी है या दिल्ली में बैठे जो हम नेशनल मीडिया वाले हैं कि जी ये तो खेला हो गया और बम बम और एनडीए की नैया पार लग गई भाई कभी ऐसा होता था कि कांग्रेस के समय में एक आला कमान का फरमान जारी होता था कि केंद्रीय नेतृत्व तय कर देता था आला कमान ने आदेश दे दिया चीज़ें उसी के अनुसार हो जाती है बीजेपी भी अब उसी सिद्धांत पर चलती है कि केंद्रीय नेतृत्व और उसके एक बड़े लंबरदार अमित शाह जी यही झंझारपुर में आकर के बोले थे कि दरवाज़ा बंद है और कल मैं एक बड़े बीजेपी के नेता को सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि दरवाज़ा तो छोड़ दीजिए दीवारें तक टूट जाती है उन्होंने वर्लिन तक चले गए कि जब जर्मनी की दीवार टूट सकती है तो ये कौन सी दीवार है तो सत्ता का समीकरण जहाँ सूट करता है और चालीस लोकसभा की सीटें चालीस लोकसभा की सीटों को साधने के लिए सारे सिद्धांतों मूल्यों की बलि चढ़ा दी जाती है और वहां पर फिर कहते हैं कि नहीं एनडीए मजबूत होता दिख रहा है एनडीए बिखरता दिख रहा है या इसके विपरीत होता दिख रहा है ये तो जनता पर छोड़ दीजिए चूंकि जनता के अंदर भी चूंकि ये जो बिहार है ना जिस मोक्षदायिनी गंगा के किनारे खड़े हैं और सामने जेपी सेतु वो जयप्रकाश जिसने सत्ता को कभी चिमटे से भी नहीं छुआ बदलाव का वो बाहक रहे थे वो जयप्रकाश की भूमिका ये बिहार यहाँ की जनता पॉलिटिकली बड़ी है, पॉलिटिकली बड़ी कॉन्शियस है अभिषेक क्या है कि ये जुआ भी खेला है, नीतीश कुमार ने और समाजवादी विचारधारा के पुरोधा होने के नाते अब यहां पर प्रोफेसर संजय कुमार भी ये सवाल उठा रहे हैं समाजवादी विचारधारा को कलंकित कर दिया क्या ये आरोप रामविलास पासवान गुट जो है एलजेपी का उनके मुख्य प्रवक्ता लगा रहे हैं देखिए ये सारे आरोप निराधार हैं समाजवाद की विचारधारा को किन्ने बुलंद किया है ये सबने देखा है जेपी लोहिया करपुरी की विचारधारा पर कौन सी पार्टी चलती है यह भी हर कोई जानता है अपने परिवार के सदस्यों को आगे नहीं बढ़ाया है यह भी हर कोई जानते हैं जो भी पार्टियां हम पर आरोप लगाती है जरा उनसे एक बार पूछ लीजिए कि उनके यहाँ परिवारवाद और वंशवाद कितना हावी है जेडीयू अब अब कितनी सीटों पर लड़ेगी देखिए ये तो आने वाले भविष्य में आपको मालूम चल जाएगा समन्वय तो बन ही गया है सत्रह मतलब सत्रह तो होनी चाहिए ना सत्रह तो आर के साथ भी उस बात पर भी झगड़ा चल रहा था देखिए नहीं मुद्दा वो नहीं है सोलह हमारे सांसद जीत कर आए हैं तो सोलह तो हमारा स्वाभाविक दावा है ही सत्रह सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ी थी लेकिन हमेशा हमारी पार्टी ने कहा है कि बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बिहार के लोगों की भलाई के लिए हमेशा हम बड़ा दिल दिखाते हैं विधानसभा चुनाव तो अब जल्द नहीं होंगे ना ये विधानसभा चुनाव कब होंगे यह तो आपके सामने है फिलहाल तो मैं ये थोड़ा बता दूं मेरी जानकारी दुरुस्त कर देना मैं थोड़ा अज्ञानी किस्म का आदमी हूँ <laughs> वो लालू प्रसाद यादव से भी यही बात हो रही थी कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव साथ होने चाहिए बीजेपी के साथ भी ये बात हुई तो बात वहां बनी क्या ऐसी कोई बात नहीं है संदीप जी ऐसी कोई बात नहीं है फिर वही बात है कि सूत्रों के हवाले से आपके साथ सूत्रों के हवाले से नहीं पेट में थोड़ा दर्द नीतीश कुमार के ये भी था कि अरे भाई मेरे पास 45 विधायक हैं वो बीजेपी भी मुझे आईना दिखा देती है आरजेडी भी दिखा रही है अब मुझे 45 की पैंसठ सत्तर करनी है तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ करवा दिए जाए नीतीश कुमार जी के पेट में दर्द भी नहीं होता है मन में डर नहीं होता है चूंकि दो लाइने हैं कि जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता और हम वहाँ भी कदम रखते हैं जहाँ रास्ता नहीं होता और नीतीश जी तो रास्ता बनाते हैं और उस रास्ते पर बिहार आगे चलता है बिल्कुल सरकार बदल जाती है, मुख्यमंत्री नहीं हमने तो कहा ना कि हमारा स्टैंड कहाँ बदला है नीतीश कुमार जी सुबह के मुख्यमंत्री थे हैं और आगे भी रहेंगे मृतंजय तिवारी के बंटवारे में थोड़ा पेंस था ना ये सत्रह सत्रह वाला खेल देखिए जो सम्मान आदरण नीतीश कुमार जी को हमारे नेता डिप्टी सीएम श्री पूर्व डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने दिया वो लोगों ने देखा गांधी मैदान में जब नियुक्ति पत्र बट रहे थे तो नियुक्ति लेने वाले लोगों को खड़े करके माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए तालियां बजवाई थी इश्तिहार आज सारे अखबार पटे पड़े थे इश्तिहारों के कि मानो सारा काम तेजस्वी कर रहे थे नीतीश ने कोई काम ही नहीं किया तो हम तो कह रहे हैं कि सत, तो है? जो जो पर्यटन का हो शिक्षा का हो जो जो हुआ काम आप देख लीजिए तुलना कर लीजिए ना ये हम एक एक चीज का हिसाब जनता के बीच जा करके देंगे और जनता पाई पाई का हिसाब लेगी हमें संयमित रूप से सकारात्मक राजनीति में विश्वास हमारे नेता रखते हैं और जनता के प्रति जो भरोसा और विश्वास तेजस्वी यादव जी ने इस कम उम्र में जीता है वो और बढ़ेगा आगे आगे देखिए होता है कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है देखिए ये सब तो शीर्ष नेतृत्व का विषय है जब सीटों का बंटवारा होगा पहले भी हम लोग वहां कब होगा शुभ मुहूर्त कब निकालने वाले हैं बहुत जल्द हो जाएगा पहले इन सारी चीजों नीतीश चले गए ममता बनर्जी कह रही है मैं अकेला लड़ूंगी भगवंत मान कह रहे हैं आम आदमी पार्टी तेरह की तेरह लड़ेगी पंजाब में तो वो इंडिया गठबंधन बचा भी है देखिए गठबंधन दलों का होगा जनता सबसे बड़ी ताकत होती है लोकतंत्र में और जनता ने मोदी जी के खिलाफ अपना गठबंधन कर लिया है कि केंद्र की सत्ता से मोदी के मोदी के सामने कौन इंडिया की तरफ भाई ये तो विषय बाद में हम अब ये हर चीज बाद में हमारे पास इतने विकल्प है हम सामूहिकता में विश्वास करते हैं वहाँ वन मैन सा, सामूहिकता दिख रही है हाँ तो दिख रही है ना कि किस तरह से जोड़ तोड़ भगवान राम भी जब बेड़ा पार लगाने में अब विश्वास नहीं रहा तो अब ये सब कर रहे हैं ऐसी सत्ता को हम चिमटे से भी नहीं छूना पसंद करेंगे ये अटल जी ने कभी कहा था उस समय हम स्टूडेंट थे जीतन थे, थे। राम मान जी तक को प्रस्ताव देते घूम गुम हम कौन कह रहा है अगर होना होता और कुछ करना होता तो आज ये सरकार शपथ नहीं ले पाती है जान लीजिए या इसी सत्ता को नरेंद्र मुन्ना अभी थोड़ा सा असमंजस है आप इंडिया में भी आ सकते हैं क्या तेजस्वी के साथ भी हाथ मिला सकते हैं इंडिया से देखिए संदीप जी एन तो निकल गया ना जो न्यू रखा था उसका नीतीश कुमार कैपिटल एन पूरे सूत्रधार ये लोग कहते थे उससे इंडिया से तो एन बाहर हो चुका है अब इंडिया में बचा कौन है कौन वहाँ आना चाहेगा हम लोग बिल्कुल आदरणीय नहीं है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश को आगे लेकर के जाना चाहते हैं और वैसे भी हमारे नेता चिराग पासवान जी आप ही लोगों ने उनका उपनाम हनुमान के रूप में दिया है हाँ। हम कभी भी एनडीए से बाहर भी गए किसकी लंका में आग लगाने वाले इन लोगों की लंका में आग लगाएंगे अच्छा नीतीश कुमार भी तो विभूषण है वो लंका से आए है ना मुझे पता नहीं उन पर आग? मुझे कोई नहीं ये जवाब दे सकते हैं जी ऐसा सब विभीषण विभीषण को कोई अगर उस रूप में नहीं लेना विभीषण अगर नहीं आते तो रावण की नाभि का पता कौन बताता तो तो नीतीश कुमार जी वहाँ जाके उनके नाभि का सब पता उता कर लिए हैं अब बड़ा कह रहे थे कि चाचा को बहुत इज्जत दिए दो फीता दो कैची लेकर घूमते थे कुछ चीज का उद्घाटन होता था तो दो फीता दो कैंची कैंची लेकर घूमेगी एनडीए एनडीए में कितनी कैंची लेकर नहीं के के पाठक जी के इंजेक्शन का दर्द ऐसा की इनके शिक्षा मंत्री यहाँ पर कैंची तक बात आ गई है गंगा मैया के किनारे हम खड़े हैं पाटली पुत्र में तो बिहार में खेला तो हो गया लेकिन खेला का अंतिम अध्याय यानी कि वो मुकम्मल हो गया है क्या ये अभी देखने वाली बात है 2024 तक के लिए ये गठबंधन है आगे चलेगा क्या कोई सिंपथी फैक्टर होगा या अरिथमेटिक केमिस्ट्री काम करेगी मोदी और नीतीश कुमार की एनडीए का बंटाधार हो गया है या उसे और ताकत आने वाले दिनों में मिल सकती है कि भाई जो लोग विभीषण साबित हुए अब वो हट गए हैं या टाइम इज रनिंग आउट नमस्कार मैं हूं संदीप चौधरी आज सीधा सवाल मैं सीधे पटना बिहार की राजधानी पटना से कर रहा हूं पाटली पुत्र से गंगा किनारे हूं मैं यहां मेरे बाई और गंगा नदी बह रही है यह सोनपुर का पुल है मरीन ड्राइव कहते हैं इसे दीघा घाट है लेकिन बिहार में क्यों हूं यह आप जानते ही हैं, बिहार में सरकार बदल गई है मुख्यमंत्री वही है ये अपने आप में एक बड़ी कहानी कहता है नौवीं बार नीतीश कुमार ने बतौर मुख्यमंत्री आज शपथ ली उनके अलावा आठ और विधायकों ने मंत्री पद की भी शपथ ली उसमें दो उप मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ हो लिए हैं वो बीजेपी जिन्हें वो सांप्रदायिक बताते थे सौहार्द बिगाड़ रही है देश को तोड़ रही है और इसीलिए इंडिया गठबंधन के रचयिता भी बन गए थे कि बीजेपी को बहुमत नहीं लाने देंगे 200 सीट नहीं लाने देंगे 100 का आंकड़ा पार नहीं करने देंगे लेकिन अब वो बीजेपी के खेवनहार की भूमिका में भी साफ आते दिखाई दे रहे हैं तो ये जो नई सरकार है दरअसल क्या नए राजनीतिक समीकरणों की ओर भी इशारा कर रही है अब राजनीतिक समीकरण क्या है नीतीश कुमार एनडीए में आने से एक अरिथमेटिक होता है और एक केमिस्ट्री अंक गणित और रसायन शास्त्र यह हमने देखा है 2019 के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू साथ आते हैं तो कमाल का राजनीतिक खेल भी होता है चालीस में से उनतालीस सीटें बीजेपी और जेडीयू जीतने में कामयाब हो गई थी एनडीए जीतने में कामयाब हो गया था तो 400 पार अब की बार 400 पार इस बात की ताल ठोकने वाली बीजेपी उन्हें नीतीश कुमार जिनको वो पलटू राम मौका परस किन-किन संज्ञाओं से नवाजते थे और कहते थे कि दरवाजे बंद अब कोई रास्ता नहीं कि नीतीश वापस आ जाएं उनके लिए कालीन बिछा दिया बीजेपी ने क्या लड़ाई है 2024 की कि की भाई इंडिया का जो गणित बन रहा है वो बिहार में नुकसान ना पहुंचा दे तो नीतीश कुमार को अगर हम ले आते हैं तो इंडिया धाराशाही हो जाएगा और नीतीश कुमार ये जानते बूझते कि 45 विधायक हैं और बीजेपी के रहमो पर अब आगे का राजनीतिक जीवन बिताना पड़ेगा उन्होंने ये इतना बड़ा दाव क्यों खेला है वो अपना रसूख अपनी वक्त और राजनीतिक गणित में इजाफा करना चाहते हैं क्या कि बीजेपी के साथ रहेंगे सांसद सत्रह में से सोलह जीते थे और 45 की जगह और बढ़ जाएगा विधानसभा चुनाव आते आते आंकड़ा पर यहां पर सवाल यह भी है ये सरकार कितने दिन चलेगी क्या यह तात्कालिक लाभ के लिए यह गठबंधन बना है और लोकसभा चुनाव के बाद खेल फिर शुरू हो जाएगा क्या तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि अभी खेला होना बाकी है 2024 के अंत तक जेडीयू खत्म हो जाएगी तो अस्तित्व पर जुआ खेल दिया है क्या नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी एक वक्त पर और नीतीश कुमार के भी उपाध्यक्ष बना दिया था उन्होंने जेडीयू का प्रशांत किशोर को प्रशांत किशोर कह रहे हैं लोकसभा चुनाव खत्म होने दीजिए छह महीने में यह सरकार गिर जाएगी तो क्या 25 तक यह सरकार टिक पाती है लेकिन उससे बड़ा सवाल इंडिया के खांचे में ढांचे में ऐसी सैनमारी कर दी कि ताश के पत्तों की तरह अब यह गठबंधन बिखर जाएगा टूट जाएगा इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि जेडीयू और उनके मुख्य जो प्रवक्ता हैं केसी त्यागी वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की नीतियों के चलते और उसके कुछ ऐसे बर्ताव के चलते कि सीटों तो का बंटवारा नहीं कर रहे संयोजक नहीं बनाया ये खैर केसी त्यागी ने नहीं कहा इंडिया बिखर रहा था कांग्रेस की कारगुजारियां थी तो हमारे पास और कोई विकल्प नहीं बचा उधर कांग्रेस कह रही है मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं हमें पहले ही अंदेशा था नीतीश बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं उन्हें संयोजक कैसे बना देते इशारों इशारों में ये बात वो भी कह गए जयराम रमेश कहते हैं कि गिरगिट को भी बदनाम कर रहे हैं नीतीश कुमार इतना रंग बदल रहे हैं पैतृश कुमार कह रहे हैं तेज प्रताप यादव तेजस्वी के बड़े भाई तो ये जो खेल हो रहा है चौबीस के लिए क्या बीजेपी को फायदा देगा या बीजेपी तो मजबूत है अपनी जगह पर जेडीयू कमजोर कड़ी भी साबित होगी या छोंक लगाने का काम करेगी और नैया पार करा देगी इस गंगा मैया में नैया पार हो जाएगी क्या एनडीए की इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं ऐसे में आज का सीधा सवाल फिर नीतीश कुमार 25 तक चलेगी सरकार ये पहला सवाल और बिखर गया इंडिया 24 में होगा खेला तो 25 की भी बात कर रहा हूं और 24 की भी और चर्चा में मेरे साथ जेडीयू के युवा चेहरा हैं उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अभिषेक झा और देखिए क्या सही वक्त पर एंट्री की है मृत्युंजय तिवारी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरजेडी के तो अभी तो साथ थे आज थोड़ा साथ और खड़े हो जाइए फिर साथ हो जाएंगे फिर साथ हो जाएंगे अभी तो खैर टूट हो गई है वसन्यता जब खत्म हो जाती है उस पर उस पर तो मैं आता हूं अभी शाम सुंदर शरण है हमारे साथ हम और ये हम साथ हो गया है जेडीयू के बिखरते भी रहते हैं टूटते भी रहते हैं और जुड़ते भी रहते हैं आइए मुन्ना साहब भी आ गए देखिए सब वक्त पर पहुंच गए हैं धीरेन्द्र कुमार मुन्ना एलजेपी रामविलास पासवान गुट के प्रवक्ता और दो खास मेहमान बिहार की नब टे आए हैं दशकों से वरिष्ठ पत्रकार हैं कन्हैया बेलारी और प्रोफेसर संजय कुमार जाने माने राजनीतिक विश्लेषक भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं तो तीन दिन से हमें टहला रहे थे अभिषेक कि अरे अफवाहों का बाजार गर्म है पत्रकार अपने मन की बातें कह रहे हैं जो हमने कहा वही सही हुआ नहीं हमने ऐसा नहीं कहा कि पत्रकार अपने मन की बात कह रहे हैं आपका काम था कयास लगाना सूत्रों के हिसाब से खबरें चलाना और आप हमसे उस पर स्पष्टीकरण मांगते थे आप पूछते थे हमसे कि कल क्या होगा संदीप जी वो कल आज हो चुका है और ये आज आपके सामने है जो भी घटनाक्रम है वो आपके सामने है आज एक नई सरकार का गठन हुआ है बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है और कारण विस्तार से हमने भी हमारी पार्टी ने सबने बताया है क्या कारण मैं अभी तक समझ नहीं पाया देखिए बहुत सारे ऐसे कारण नीतीश कुमार जी ने कभी दबाव की राजनीति नहीं की है और नीतीश दबाव बना रहा था भाई हमारे जो सो कॉल्ड सहयोगी दल थे उनकी तरफ से हमेशा एक अनावश्यक अनाधिकृत दबाव दबाव किन चीजों का राजनीतिक रूप से बहुत सारे अनैतिक काम करने का जो लोग जिन पर आरोप है जमीन के बदले नौकरी का वो नौकरियां देकर तो दो हजार आठ नौ का मामला पंद्रह साल से आपकी जानकारी थी यकायक यादाश्त में ताजी हो गई ऐसा नहीं होता है संदीप जी मसला ये है कि बहुत सारे मामले हैं जो साबित हैं और बहुत सारे मामले हैं जो अंडर ट्रायल है उस पर हमें नहीं जाना दूध में मक्खी है फिर भी दूध पी रहे थे वैसा नहीं है देखिए हम उनसे हम हर किसी से उम्मीद करते हैं कि आपकी राजनीतिक सुचिता बनी रहे पहली बात तो वो है दूसरा है कि आपने लगातार देखा है कि किस तरह से इनकी पार्टी के नेताओं ने हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियां की चाहे वो सुधाकर सिंह जी हो इनके एमएलसी सुनील सिंह उनके कई विधायक हो इनके बीजेपी वालों ने क्या कुछ किया जिनके साथ गलबैया कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री अब बन गए हैं सम्राट चौधरी सर पर पगड़ी बांधते हैं और कहते फिरते थे पगड़ी नहीं उतारूंगा जब तक गद्दी से नीतीश कुमार को नहीं उतार दूंगा अब गाड़ी में आगे बैठे हुए थे सम्राट चौधरी आज वो गाड़ी में तस्वीरें देखी होंगी ना पीछे बैठे हुए हैं नीतीश कुमार देखिए लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी होती है और जब हम विपक्ष में अभिव्यक्ति की आजादी और यहाँ पर कुटारा राजनीतिक सुचिता और मर्यादा आप इस बात को समझिए ना सम्राट चौधरी जी ने बताया कब पगड़ी उतारेंगे नहीं उतारेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कभी भी जब हमारे खिलाफ भी कहा तो राजनीतिक मर्यादा का का ख्याल रखा अच्छा मर्यादाओं में थे वो भाई आप उनके बयानों का खुद कर सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल के नेता जिस तरह से लगातार बोल रहे थे वो भी आपके सामने है। तो ये सारे मसले हमेशा तो आरजेडी से दिक्कत थी आपके मुख्य प्रवक्ता और सलाहकार भी हैं नीतीश कुमार के सी त्यागी कहते हैं ये कांग्रेस ने बंटाधार कर दिया कांग्रेस सीट शेयरिंग नहीं कर रही कांग्रेस अपने दम गुरूर में थी इंडिया बिखर गया वास्तविकता है संदीप जी आपने यहां के परिपेक्ष में पूछा तो अभी हम अपने पुराने साथी के विषय में बता रहे थे कांग्रेस पार्टी का जो हाल है वो आपके सामने ही है ना कुछ कदम चलने को ये तैयार नहीं है किस गुरूर में है आपको दिख रहा है इंडिया अलायंस का निर्माण अगर किसी ने भूमिका निभा दो हजार बाईस में जब आपने सरकार बनाई इंडिया गठबंधन था अभिषेक नहीं महागठबंधन का एक स्वरूप बिहार में था नीतीश कुमार जी ने इंडिया गठबंधन नहीं था ना इंडिया में दरार है सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा उसको बहाना बना रहे हैं 2022 में आरजेडी के साथ आपने समझौता किया तब इंडिया गठबंधन थोड़ा संदीप जी बहाना नहीं है ये वास्तविकता से इतर हम कोई बात नहीं कर रहे हैं आप बताइए कि इंडिया अलायंस जो, जो कि अब बचा नहीं है इंडिया अलायंस अगर है भी

और इसीलिए जो मांग रहे थे नहीं दिया गया। देखिए आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तो खुद रबड़ स्टाम्प अध्यक्ष है ना अच्छा। वो खुद कह रहे हो तब तो एक बात होती है अगर उनके अंदर राजनीतिक रीढ़ की हड्डी होती पूरे कांग्रेस पार्टी के अंदर तो शायद इतना बुरा हसर नहीं होता कि जहां जहां राहुल गांधी जी पग रख रहे हैं वहां वहां उनके अलायंस के साथ ही छूटते चले जा रहे हैं किस तरह की तस्वीरें आप प्लानिंग चल रही थी क्या इंडिया का आइडिया देंगे फिर इंडिया को ही धाराशाही कर देंगे हम कभी भी करते हैं तो ईमानदार प्रयास करते हैं और नीतीश कुमार जी ने हमेशा ईमानदार प्रयास किया और एक बात को समझिए हमारी कोई वेमनस्ता ना आरजेडी के साथ है ना कांग्रेस के साथ ना बीजेपी के साथ रही है और बीजेपी तो सांप्रदायिक पार्टी है ना देश को तोड़ रही है धर्म के आधार पर बांट रही है जातिगत जनगणना करवा नहीं रही है आरक्षण विरोधी है ये मेरे बयान नहीं ये सारे नीतीश कुमार के बयान आज भी हमारी प्राथमिकता में है कि देश के स्तर पर जाती राम रहे के 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 है जनगणना प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नीतीश कुमार नहीं गए अब जय श्री राम करेंगे नीतीश कुमार होता है की राम भगवान में हमारी आस्था है की नहीं है जय श्री राम के नारे लगाएंगे आप राम बोलते थे जय जयसिया राम बोलते हैं जयसिया राम और श्री राम में फर्क है अरे हम बिहारवासी है हम मिथिलावासी हैं हम राम से पहले सीता माता का नाम लेते हैं बिना सीता माता का नाम लिए हम राम भगवान का नाम नहीं लेते हैं तो इसमें आपत्ति क्या है तो राम रामलला का मंदिर है ना तो हम जय सिया राम बोलते हैं तो क्या दिक्कत है राम रामलला के मंदिर में सीता माता का अब जे डी यू जय सिया राम करेगी और बीजेपी जय श्री राम अलग अलग आइडियोलॉजी सांप्रदायिक नहीं होंगी और बीजेपी पार्टी न सांप्रदायिक थी ना हम इसमें विश्वास रखते हैं हम आज भी जातीय जनगणना के पक्ष में हैं हम कमिटमेंट के लिए जाने जाते हैं जनता के साथ पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं जनता के साथ जो हमारा कमिटमेंट है चाहे सात निश्चय पार्ट वन के रूप में जो जनता को डिलीवर हो चुका है या सात निश्चय पार्ट टू के रूप में जिसपे काम चल रहा है बड़ा जुआ खेल दिया नीतीश कुमार ने चौबीस की लड़ाई है बीजेपी को वो सो, चार सो तो ताल ठोकने के लिए अच्छा लगता है तीन सौ कैसे ना कैसे लेकर आनी है लगा कि ये इंडिया गठबंधन दिक्कत कर देगा आपके लिए दरवाजा की को इंडिया तो गठबंधन तो है और ही नहीं इसके बाद यूजन थ्रो ना हो जाए आपका ऐसा नहीं होता है अगर यूज एंड थ्रो था तो बहुत सारी स्क्रिप्ट आपने देखी थी संदीप मुख्यमंत्री नहीं रह सकते हैं नीतीश कुमार जी आज आपके सामने क्या है मैं आज की बात कर रहा हूँ चौधरी उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं सुशील मोदी नहीं आपके ये ये भारतीय जनता पार्टी का अपना आंतरिक फैसला है इसमें हमारा हमारा कोई दबाव नहीं हो सकता है हम दूसरे दलों पर दबाव देने वाले दल नहीं है हर एक दल स्वतंत्र रूप से काम करता है अपने हिसाब से काम करता है ये उनकी कार्यशैली में शामिल तेजस्वी कह रहे हैं चौबीस तक जेडीयू खत्म हो जाएगी आपके उपाध्यक्ष रहे बड़े करीबी रहे नीतीश कुमार के प्रशांत किशोर कह रहे हैं ये सिर्फ चुनाव चुनाव तक का गठबंधन है ये खत्म हो जाएगा में क्या होता है जनता तय करती है पहली बात हम घमंड में नहीं आत्मगौरव में बोलते हैं और प्रशांत किशोर जी की कोई राजनीतिक प्रासंगिकता नहीं है और तेजस्वी यादव जी बयान दे रहे हैं तो उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे देखिए पूरे राष्ट्रीय जनता दल के लोग अभी साथी भी यहाँ आ चुके सत्ता विलाप आपको दिखेगा सत्ता से बाहर जाने की टीस सत्ता विलाप हो रहा है खिसियानी तो बिल्ली खंभा नोचे हालत ये हो गई आरजेडी की इतने देर के प्रवचन में हमारे छोटे भाई ये बता ही नहीं पाए जनता को कि हमने साथ क्यों छोड़ा हमें फक्र है गर्व है कि हम 15 महीने सरकार में रहे तो वो विश्व कीर्तिमान तेजस्वी यादव जी ने बना दिया जो ना कोई भुला सकता ना कोई मिटा सकता दो लाख बीस हजार सत्तर दिनों में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया कभी कोई बांटा मुख्यमंत्री तो नीतीश थे ना हम क्या कह रहे हैं यही आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे ना 2020 में जब तेजस्वी यादव जी ने यह वादा किया था दस लाख नौकरी का तो आदरण नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था ये कहा से लाएगा पैसा कैसे देगा नौकरी नौकरी तो पहले भी लालू प्रसाद यादव ने दी पर लैंड फॉर जॉब कर दिया कि नौकरी तो दे देंगे ये चक ये, ये इतने मेरे नाम लिखवा संदीप जी ये विरोधियों को जेडीयू को चाहे आज लाख कोई बहाना हो अपना नया ठिकाना ढूंढने का लेकिन जनता इनको पहचानती है और हम तो कह रहे हैं कि अब आदरणीय नीतीश कुमार जी की राजनीतिक पूंजी नहीं बची है नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार संभालेंगे 24 के चुनाव का अब क्या हाल रह गया 24 के चुनाव में जनता मालिक है अयोध्या में भगवान राम लला प्रकट हुए भगवान राम लला पर भी इनको भरोसा नहीं हुआ ये लोकतंत्र का अयोध्या है बिहार लोकतंत्र की जननी। और यहाँ ये इंडिया की क्या गत हो गई अब इंडिया में क्या गत होगी इंडिया तो पूरी तरह से मजबूत है इंटैक्ट है इंडिया गठबंधन बना ही बड़े उत्तर जा रहे हैं तेजस्वी देखिए सब लोग राजनीतिक दल अपना अपना कार्यक्रम चला रहे हैं यही तो प्रॉब्लम है यही तो नीतीश कुमार कह रहे थे कि अपनी अपनी, अपनी डफली अपना अपना राग अपनी, अपनी अपनी डफली अपना राग का सवाल नहीं है अभी तो आपने देखा किस तरह से वहाँ चिराग पासवान जी को मनाया गया किस तरह से मांझी निर्माण तो मैं अभी पूछूंगा मुन्ना से मैं पूछूंगा मान गए हैं क्या जनता का विश्वास अगर किसी भी व्यक्ति का किसी भी दल का विश्वसनीयता ही समाप्त हो गई तो उनकी राजनीति समाप्त होगी और हमारे नेता ने आज ऐलान किया है तेजस्वी यादव जी ने तेजस्वी यादव जी ने कहा है खेल अभी शुरू हुआ है क्या है वो खेल थोड़ा समझाइए ना खेल अभी बाकी है खेल क्या ना? खेल बाकी है? खेल का अंत तेजस्वी यादव जी करेंगे जेडीयू चौबीस में समाप्त हो जाएगी अब इसका नौबत ही नहीं आएगी मतलब जेडीयू दो फाड़ होने वाली है जीतन राम माझी को भी मुख्यमंत्री का न्योता दे दिया की प्रस्ताव दे दिया पर्दे के अंदर रहने दीजिए पर्दा दो फाड़ हो रही है अब देखिए ना आगे आगे होता है क्या अब तो आज खुशी का दिन है आज अभिषेक जी को शुभकामना है बीजेपी को शुभकामना है सभी एन गठबंधन जिन्होंने सरकार बनाई है खूब शुभकामना है लेकिन कल से इनको जनता के सवालों के बौछारों का सामना करना होगा कि जो तेजस्वी यादव जी ने इतने दिनों तक सत्रह वर्षों से एनडीए का शासन है बिहार में और हमारे सत्रह महीनों का शासनकाल तराजू पर रखकर कोई तौल ले वो भारी पड़ गया जंगल राज के नाम पर बदनाम था आपका राज ये ये, गरीब, ये गरीबों का राज मजदूरों किसानों नौजवानों का ये तो रोजगार पुरुष के रूप में तेजस्वी यादव जी याद किए जाएंगे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा इनको जो इन्होंने किया है उसका बदला जनता सूद और ब्याज के साथ पाई पाई लेगा पहले तो ईडी की कार्रवाई से ही निपटना होगा नौ फरवरी को राउस एवेन्यू के सामने पेश होना होगा हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल हमारे नेता आदरण्य लालू प्रसाद जी श्री तेजस्वी यादव जी ने संघर्षों के गर्व में ही राजनीति की है और वहीं से पले बढ़े हैं चारा घोटाला भी किया हमने तो कहा ना कि जिसको जो कहना है कह दे अभी तक अब वो सब बातें अगर खुलेगी परत दर परत तो उसके लिए बहुत समय देना तो होगा खेला होना बाकी शुभकामनाएं भी दे रहे हैं धीरेन्द्र आपको मृत्युंजय तिवारी खुश है या ना खुश है चेहरा उतरा हुआ है आपका क्यों बिल्कुल नहीं उतरा हुआ है मैं खुश हूँ क्योंकि बिहार को एक नई सरकार मिली है काम करने वाली डबल इंजन की सरकार मिली है बिहार वासियों को मैं शुभकामना देता हूँ मुख्यमंत्री जी को शुभकामना देता हूँ पूरे मंत्री परिषद को मैं शुभकामना देता हूँ मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दे रहे हैं आपके मुख्य प्रवक्ता हैं ए के वाजपेयी कल मेरे ही कार्यक्रम पर बोले कि समाजवादी विचारधारा और विरासत को कलंकित किया है नीतीश कुमार ने आज चिराग पासवान ने कहा कि हमारे नीतिगत विरोध हैं मतभेद हैं नीतीश कुमार के साथ देखिए हम लोग पहले बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं बिहार को भी मैं हम... फर्स्ट सिटीजन बन गए हैं नीतीश कुमार जहाँ पर अगर हम क्यों बन गए हैं अगर ये मृत्युंजय तिवारी जी अगर वहाँ से अलग नहीं होते अगर आदरणीय नीतीश कुमार जी को ये ट्रबल में नहीं डालते तो आज हमारी क्या जरूरत पड़ती इन लोगों ने ट्रबल में डाला है तो क्या मैं बिहार के लोगों को बिहार के दो तो हज़ार में तो आप अलग लड़े थे ना तब तो एनडीए के हिस्सा भी नहीं रहे थे तो सरकार बनी थी तो अब आप एनडीए का हिस्सा है रहेंगे बिल्कुल है। आपका तो एक विधायक था वो भी चला गया बिल्कुल वो एक विधायक भी था चला गया था लेकिन बिहार के के लोग हमारे नेता के साथ है आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ है और हम बिल्कुल अभी एनडीए के हिस्सा हैं और आगे भी रहे 24 की लड़ाई के लिए ये पूरी तैयारी तयार, तैयारी है ये कवायद हुई है ये टूट फूट पलटना टकना ये सब हुआ छह सीट आपको दे देंगे दो दिन से अटके हुए हैं चिराग पासवान खूंटा गाड़ कर बैठे हुए थे दिल्ली में कि पटना तभी जाऊंगा पहले इस बात का जवाब दीजिए मिल गया जवाब संदीप जी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमारे हितों की रक्षा की जाएगी और मुझे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर पूर्ण विश्वास है और अगर इन लोगों की ये जो आज बिहार आपके जो हित हैं उसको आसान कर देते हैं ना 2019 में 17 बीजेपी लड़ी 17 जेडीयू लड़ी और 6 आपके बांटे आई तो इस बार सत्रह बीजेपी तो सत्रह जेडीयू को भी देनी पड़ेगी उस छे में आप भी हैं हम भी है उपेंद्र कुशवाहा भी हैं पारस बाबू भी हैं चाचा भतीजे वाला खेल भी होगा ये छे में कितने समाएंगे चालीस से ऊपर सीटें तो नहीं है ना ये बात पर्दा पर करे क्या <laughs> पर्दे ये, की बात ये पर्दे, पर्दे की बात कार्यक्रम का नाम सीधा सवाल है सीधा सवाल है लेकिन सवाल कहने को सीधा है टेढ़े भी होते हैं नहीं नहीं बिल्कुल आपके सवाल बिल्कुल सीधे होते हैं सुनने में लोगों को टेढ़े लगते हैं लेकिन संदीप जी मैं बताता हूं कि हम लोग बहुत ही मजबूती से और संतुष्टि से आगे बढ़ रहे हैं और सुबह में समा जाएंगे सब अब छे और नौ का नंबर हमको नहीं पता है आप श्याम बाबू मतलब सुमन साहब तो बन गए मंत्री उसी से काम चल जाएगा देखिए हम लोगों का जो मिशन है वो सुमन बाबू के मंत्री बनने और नहीं बनने का नहीं है अगर वो होता तो जितन राम मांझी मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ते वो होता तो सुमन जी मंत्री का पद नहीं छोड़ते तो जीतन राम मांझी जी का या हमारी पार्टी का जो मिशन बिहार है और बिहार के हित में हम लोगों ने जब प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लिया तो पूरे बिहार को वो आशीर्वाद आज हम लोगों ने तो आपका मिशन मिशन बिहार है नीतीश कुमार को तो पलटू राम कहते ही है दुनिया। जीतन राम भी कहीं, कम नहीं है ने, ने, कभी नीतीश के साथ कभी एनडीए के साथ कभी एनडीए से बाहर कितनी बार पारी और पाला बदल चुके हैं आधा मिनट हम बोल लेंगे तब तो बात निकल जाएगी इस बार पलटू नहीं हुआ इस बार सलटू होगा और जो पलटू राम कहे ना उनको हम लोग सल्टू राम बना देंगे और कैसे 2024 में 25 में सलट देंगे जो भ्रष्टाचार के आका को अपना पुरोधा मानते हैं ना समाजवाद कर्पूरी ठाकुर और जेपी और लोहिया सब को बेचने वाले ही लोग अपने बेटे के लिए दंडवत हुए हैं नीतीश कुमार के यहाँ कौन नहीं जानता कि जाकर माफ़ी वाफी सब मांगी है बेटी का पोस्ट डिलीट करा रहे हैं तो कुछ करा रहे हैं उससे माफ़ी मंगवा रहे हैं राहुल गांधी से बात करवा रहे हैं उधर दौड़ रहे हैं उधर भाग रहे हैं सत्ता के लिए कौन चारों तरफ जब चारों खाने चित हो गया तब हमारे नेता को आया कि आपको मुख्यमंत्री भी बनाते हैं बाघ का कंगन लेकर के घूम रहे थे शिकारी आपने भी कहानी सुनी होगी तो राष्ट्रीय जनता दल के पॉलिटिकल कल्चर को हम सब लोग जानते हैं तो रावण की लंका में आग लगाने के लिए हम लोगों ने वहां से विभिचना अच्छा विभीषण को निकाल लिया विभीषण है बिल्कुल नीतीश कुमार विभीषण आए तो विभीषण नहीं आते क्या विभीषण है ना नीतीश तो कुमार विभीषण आते कि नहीं नीतीश कुमार विभीषण तौर पर उस रावण की लंका में विभीषण है आपने सलट शब्द अभी इस्तेमाल किया वो दिमाग भी सलट गया है बहुत सारे सवाल उठाए थे जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को लेकर उसके लिए देखिए कृष्ण की परंपरा को हम लोग कायम रखे हुए हैं कृष्ण ने कई बार रन भी छोड़ा किसने रणछोड़ नाम भी स्वीकार किया किसने हर बार अपने प्रण को भी आहूत किया कई बार उन्होंने देखे अपने भक्त के प्रण को रखने के लिए भीष्म के प्रण को रखने के लिए महाभारत में हथियार भी उठाए तो आप जब जनहित में तो महाभारत में आप कौरव हैं कि पांडव हैं नहीं नहीं हम तो राम के हनुमान हैं और उस कहिए कि भारत में भगवान राम नहीं, नहीं थे ना मैं महाभारत का सवाल पूछ रहा हूँ ना आपसे ये तो महाभारत हो रहा है मा... तो महाभारत में आप कौरव की भूमिका में हैं पांडव की बिहार की महाभारत में जीतन राम मांझी जी कृष्ण हैं ये कोई मुगालते में ना रहे अपनी सारी सेना किसी और को सौंपने के बाद भी कैसे पांडव को जिताया जाता है ये जीतन राम मांझी जी जानते हैं और ये जो भ्रष्टाचार के आका जो अपने आप को बिहार के राजा मानते हैं और ये कह रहे थे संघर्ष से आए हैं अब तेजस्वी यादव का कौन सा संघर्ष है कि कह रहे थे तराजू से तौलिए तौलिए अगर 30 किलो वजन तेजस्वी यादव का नहीं बढ़ा होगा तो फिर आप हमको जो कहिए वजन बढ़ने की बात हो रही है वो तो शारीरिक वजन की बात हो गई यहाँ राजनीतिक वजन किसका बढ़ता दिखाई दे रहा है आज जो ये गंगा किनारे पाटली के नाम से मशहूर इलाका वो पलटी पुत्र जैसे संदेशे भी आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे इस खेला जो कुछ भी हुआ है संदीप भाई मैं यही कहूंगा कि नीतीश कुमार जीत करके भी हार गए और तेजस्वी यादव हार कर भी जीत गया ये लड़ाई में हारा नहीं है ये जो दार्शनिक सी बात कर रहे हैं राजनीति आजकल दर्शन शास्त्र को नहीं मानती है। हम तो पत्रकार हैं ना और मुझे फक्र है पूरा फक्र है कि आज भी बिहार ट्रेंड कर रहा है ऑफ कोर्स फॉर रॉन्ग रीजन्स ट्रेंड तो बिहार कर रहा है ना और पहली बार रही मैंने एक तरह से पहली बार हुआ मुझे पता चला कि कर्पूरी के शिष्य लोहिया के शिष्य जयप्रकाश के शिष्य इतना बड़ा पलटी इतनी बार पलटी मारते हैं यही उन्होंने सीखा है यह पहली बार हमने जाना और हम लोग अपने बच्चों को जब नीतीश कुमार का बायोग्राफी पढ़ाएंगे ऑटोबायोग्राफी नहीं वो तो लिखेंगे नहीं तो इसमें यही पढ़ाएंगे कि बिहार के एक मुख्यमंत्री थे जिनका नाम नीतीश कुमार था वो जब मन इधर चल जाते थे पोखरा के जाट बने हुए थे उन्हीं के इर्द गिर्द जो है घूमते थे पर इसमें फायदा किसको होता दिखेगा तात्कालिक और दीर्घकालिक शॉर्ट टर्म फायदा किसको होता दिख रहा है बीजेपी 400 की ताल ठोक रही थी पर जरूरत पड़ गई ना नीतीश की तो उनके भी पेट में कहीं दर्द था आशंकाएं थी कहीं ना कहीं तो वो आशंकाएं अब दूर हो जाएंगी अरिथमेटिक और केमिस्ट्री नीतीश और मोदी की यानी कि बीजेपी जेडीयू की बी जे नैया पार लगाएगी आप हमको ये बताइए कि ये पहले भी बीजेपी के लोग कहते थे कि हम 40 जीत रहे हैं अब कह रहे हैं कि 40 जीतेंगे तो पहले मैंने नहीं 40 जीत रहे थे तब ना आप कह रहे हैं कि 40 जीतेंगे आप बताइए अर्थमेटिक जो है और केमिस्ट्री की के जो बात करते हैं मुझे जो लगता है कि अभी जो लड़ाई है बराबरी बराबरी की है अभी भी बराबरी बराबरी भी की लड़ाई है और हमें मतलब आप कह रहे हैं बीजेपी तो कुछ इलाकों में अपनी मजबूती बनाए हुए थी उसको जरूरत पड़ती थी पिछड़े अति पिछड़े वोट बैंक की क्योंकि अगड़ा उनके साथ था नीतीश को साथ लाने के बाद वो इजाफा नहीं होगा जितनी उनकी आशंकाएं थी कि भाई कहीं हम 20 से नीचे भी ना चले जाएं उसमें इजाफा नहीं होगा मुझे लगता है कि लोगों के बीच में तौर से युवा के बीच में ये एक सिंपैथी इवन इमोंग द अपर कास्ट पीपल उसको लगता है मोह लगता है ना होला कि बताइए इसका क्या दोष था क्या मैंने क्या ऐसा किया नीतीश कुमार जो कहते हैं कि कुछ गड़बड़ होता रहा, क्या गड़बड़ था जिस मंच पर आप रहते थे जिसकी अध्यक्षता आप करते थे बतौर मुख्यमंत्री रहते थे और ये लड़का रहता था बोलते थे कि पाँच का पहले कुछ होता था जी क्या होता था जी ए, कुछ होता था अब वो वहाँ सुन रहा है उसके सामने आप बोल रहे हैं

चौबीस के चुनाव में फायदा हो जाएगा एनडीए को और इंडिया की गत हो जाएगी रचयता ही हट गए इंडिया से तो इसमें नैरेटिव क्या जाता है आम आदमी के सामने संदेश क्या जाता अब जो लोग भी समझते थे उनको कि प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट हैं तो वो तो खूंटा ऊंटा लेकर के भाग गए अब क्या प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे और वो जो समझ सोच वो अब देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि लड़ाई जो है वो बराबर बराबर ये सिर्फ चौबीस के चुनाव तक का गठबंधन है उसके बाद बिखर जाएगा चौबीस के चुनाव के बाद अगर मान लीजिए कि लोग कहेंगे कि आप मुख्यमंत्री पद के छोड़ छोड़िए तो फट दिन फान के उधर चले जाएंगे और फिर सरकार बना लेंगे और राजद भी बना देगी और फिर उसमें भी जब डिप्टी सी हो जाएंगे वो तो ये अंतहीन धारावाहिक की तरह हो जाएगा लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने जो ये दाव खेला है देखिए मौका परस्ती की जब बात होती है तो नीतीश कुमार का नाम सबसे पहले आ रहा है राजद ने भी भाई लोगों ने 2020 में जो जनादेश दिया था वो बीजेपी और जेडीयू की सरकार को दिया था आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी भले ही क्यों ना हो लेकिन उसे जनादेश बिहार पर राज करने का नहीं मिला था तो 2022 में उन्होंने नीतीश के साथ हाथ मिलाया मौकापरस्ती उन्होंने की उन्होंने भी की तो हमाम में तो सभी नंगे हैं पर बीजेपी ने भी यह मौका परस्ती की है यह तात्कालिक लाभ के लिए यह गठबंधन बना है क्या प्रोफेसर संजय, चूंकि आप पाटलिपुत्र की धरती पर हैं मैं पहले तो आपको स्वागत करता हूं एक पंक्ति से मैं अपनी बात को शुरू करता हूं विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही धरापर धूम भिक्षु होकर रहते सम्राट दया दिखलाते घर घर घूम विरासत में जिनको राज्य मिलता था गौतम बुद्ध हों या महावीर हों उन्होंने राज्य को छोड़ा और ज्ञान को उन्होंने प्रमुखता दी यहाँ लोकतंत्र में जनता ताकत देती है जो सवाल आपके हैं जनता आपको मैंडेट देती है और आप जनता के मैंडेट की अवहेलना करते हैं मैंडेट किसी और के साथ मिलता है सरकार किसी और के घर तो वापसी हो गई मैं इसको इस रूप में नहीं मानता हूं मैं मानता हूं कि सिद्धांतों की बलि चढ़ा दी जाती है तर्क ढूंढ दिए जाते हैं अभी कन्हैया भाई से मैं पूछ रहा था कि ये बताइए कि पार्टी के जो नेता हैं उनको इतना आत्मविश्वास कहाँ से आता है कि गठबंधन बदलते ही शब्द बदल जाते हैं उनके भाव बदल जाते हैं उनके विचार बदल जाते हैं सब कुछ अच्छा लगने लगता है और जब वो गठबंधन से दूर चले जाते हैं तो सब कुछ बुरा कैसे लगने लगता है तो मैं मानता हूं कि सत्ता के समीकरण को साधने के लिए सिद्धांतों नीति और मूल्यों की बलि चढ़ा दी जाती है मैं मैं तो आपसे डिस्कस कर रहा था कि जहाँ तिरानवे लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे है वो कौन से बिहार की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि जो 18 साल उन्नीसवा साल लग गया नीतीश कुमार सरकार में रहे उसमें लगभग साढ़े सोलह सत्रह साल तो बीजेपी उनके सहयोगी थी तो जब आरजेडी के साथ आए तो जंगल राज आ गया बीजेपी के साथ चल रहे नीतीश कुमार तो कोई जंगल राज नहीं वो सुशासन बाबू हो जाते हैं तो क्या बीजेपी जो कार्यकर्ता है जो यहाँ के नेता हैं, भाई तैयारियां हो रही थी ना 2024 के चुनाव की लोगों को लगा दिया गया अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में तीस बत्तीस बीजेपी खुद लड़ती बिल्कुल तो बाकी लोग अब कहा जाएंगे क्या अंदर खाने कुछ नाराजगी है या दिल्ली में बैठे जो हम नेशनल मीडिया वाले हैं ये तो खेला हो गया और बम बम और एनडीए की नैया पार लग गई भाई कभी ऐसा होता था कि कांग्रेस के समय में एक आला कमान का फरमान जारी होता था कि केंद्रीय नेतृत्व तय कर देता था आला कमान ने आदेश दे दिया चीज़ें उसी के अनुसार हो जाती है बीजेपी भी अब उसी सिद्धांत पर चलती है कि केंद्रीय नेतृत्व और उसके एक बड़े लंबरदार अमित शाह जी यही झंझारपुर में आकर के बोले थे कि दरवाज़ा बंद है और कल मैं एक बड़े बीजेपी के नेता को सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि दरवाज़ा तो छोड़ दीजिए दीवारें तक टूट जाती है उन्होंने वर्लिन तक चले गए कि जब जर्मनी की दीवार टूट सकती है तो ये कौन सी दीवार है तो सत्ता का समीकरण जहाँ सूट करता है और चालीस लोकसभा की सीटें चालीस लोकसभा की सीटों को साधने के लिए सारे सिद्धांतों मूल्यों की बलि चढ़ा दी जाती है और वहां पर फिर कहते हैं कि नहीं एनडीए मजबूत होता दिख रहा है एनडीए बिखरता दिख रहा है या इसके विपरीत होता दिख रहा है ये तो जनता पर छोड़ दीजिए चूंकि जनता के अंदर भी चूंकि ये जो बिहार है ना जिस मोक्षदायिनी गंगा के किनारे खड़े हैं और सामने जेपी सेतु वो जयप्रकाश जिसने सत्ता को कभी चिमटे से भी नहीं छुआ बदलाव का वह बाहक रहे थे वो जयप्रकाश की भूमिका यह बिहार यहाँ की जनता पॉलिटिकली बड़ी है, पॉलिटिकली बड़ी कॉन्शियस है अभिषेक क्या है कि ये जुआ भी खेला है नीतीश कुमार ने और समाजवादी विचारधारा के पुरोधा होने के नाते अब यहाँ पर प्रोफेसर संजय कुमार भी ये सवाल उठा रहे हैं समाजवादी विचारधारा को कलंकित कर दिया क्या ये आरोप रामविलास पासवान गुट जो है एलजेपी का उनके मुख्य प्रवक्ता लगा रहे हैं देखिए ये सारे आरोप निराधार हैं समाजवाद की विचारधारा को किन्ों बुलंद किया है ये सब ने देखा है जेपी लोहिया करपुरी की विचारधारा पर कौन सी पार्टी चलती है यह भी हर कोई जानता है अपने परिवार के सदस्यों को आगे नहीं बढ़ाया है यह भी हर कोई जानते हैं जो भी पार्टियां हम पर आरोप लगाती है जरा उनसे एक बार पूछ लीजिए कि उनके यहाँ परिवारवाद और वंशवाद कितना हावी जेडीयू अब अब कितनी सीटों पर लड़ेगी देखिए ये तो आने वाले भविष्य में आपको मालूम चल जाएगा समन्वय तो बन ही गया है सत्रह मतलब सत्रह तो होनी चाहिए ना सत्रह तो आर के साथ भी उस बात पर भी झगड़ा चल रहा था नहीं मुद्दा वो नहीं है सोलह हमारे सांसद जीत कर आए हैं तो सोलह तो हमारा स्वाभाविक दावा है ही सत्रह सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ी थी लेकिन हमेशा हमारी पार्टी ने कहा है कि बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बिहार के लोगों की भलाई के लिए हमेशा हम बड़ा दिल दिखाते हैं विधानसभा चुनाव तो अब जल्द नहीं होंगे ना ये विधानसभा चुनाव कब होंगे यह तो आपके सामने है फिलहाल मैं ये तो थोड़ा बता दूं मेरी जानकारी दुरुस्त कर देना मैं थोड़ा अज्ञानी किस्म का आदमी हूँ <laughs> वो लालू प्रसाद यादव से भी यही बात हो रही थी कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव साथ होने चाहिए बीजेपी के साथ भी ये बात हुई तो बात वहां बनी क्या ऐसी कोई बात नहीं है संदीप जी ऐसी कोई बात नहीं है फिर वही बात है कि सूत्रों के हवाले से आपके साथ नहीं।, के हवाले से नहीं पेट में थोड़ा दर्द नीतीश कुमार के ये भी था कि अरे भाई मेरे पास 45 विधायक हैं वो बीजेपी भी मुझे आईना दिखा देती है आरजेडी भी दिखा रही है अब मुझे 45 की पैंसठ 70 करनी है तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ करवा दिए जाए नीतीश कुमार जी के पेट में दर्द भी नहीं होता है मन में डर नहीं होता है क्योंकि दो लाइने हैं कि जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता और हम वहाँ भी कदम रखते हैं जहाँ रास्ता नहीं होता और नीतीश जी तो रास्ता बनाते हैं और उस रास्ते पर बिहार आगे चलता है बिल्कुल सरकार बदल जाती है, मुख्यमंत्री नहीं हमने तो कहा ना कि हमारा स्टैंड कहाँ बदला है नीतीश कुमार जी सूबे के मुख्यमंत्री थे हैं और आगे भी रहेंगे मृत्युंजय तिवारी जी के बंटवारे में थोड़ा पेंच था ना ये सत्रह सत्रह वाला खेल देखिए जो सम्मान आदरण नीतीश कुमार जी को हमारे नेता डिप्टी सीएम श्री पूर्व डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने दिया वो लोगों ने देखा गांधी मैदान में जब नियुक्ति पत्र बट रहे थे तो नियुक्ति लेने वाले लोगों को खड़े करके माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए तालियां बजवाई थी इश्तेहार आज सारे अखबार पटे पड़े थे इश्तिहारों के कि मानो सारा काम तेजस्वी कर रहे थे नीतीश ने कोई काम ही नहीं किया तो हम तो कह रहे हैं कि तराजू में तौल तो लीजिए ना भाई क्यों नहीं नियुक्ति दिया 17 सत, में मंत्री तो नीतीश कुमार ही थे हम क्या कह रहे हैं हमारे पास विभाग था जो जो विभाग आरजेडी कोटे में था चाहे पर्यटन का हो स्वास्थ्य का हो शिक्षा का हो जो जो हुआ काम आप देख लीजिए तुलना कर लीजिए ना ये हम एक-एक चीज का हिसाब जनता के बीच जाकर के देंगे और जनता पाई पाई का हिसाब लेगी हमें संयमित रूप से सकारात्मक राजनीति में विश्वास हमारे नेता रखते हैं और जनता के प्रति जो भरोसा और विश्वास तेजस्वी यादव जी ने इस कम उम्र में जीता है वो और बढ़ेगा आगे आगे देखिए होता है कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है देखिए ये सब तो शीर्ष नेतृत्व का विषय है जब सीटों का बंटवारा होगा पहले भी हम लोग महागठ कब होगा शुभ मुहूर्त कब निकालने वाले हैं बहुत जल्द हो जाएगा पहले इन सारी चीजों नीतीश चले गए ममता बनर्जी कह रही है मैं अकेला लड़ूंगी भगवंत मान कह रहे हैं आम आदमी पार्टी तेरह की तेरह लड़ेगी पंजाब में तो वो इंडिया गठबंधन बचा भी है देखिए गठबंधन दलों का होगा जनता सबसे बड़ी ताकत होती है लोकतंत्र में और जनता ने मोदी जी के खिलाफ अपना गठबंधन कर लिया है कि केंद्र की सत्ता से मोदी के मोदी के सामने कौन इंडिया की तरफ भाई ये तो विषय बाद में हम अब ये हर चीज बाद में हमारे पास इतने विकल्प हैं हम सामूहिकता में विश्वास करते हैं वहाँ वन मैन तो सा, सामूहिकता दिख रही है तो दिख रही है ना कि किस तरह से जोड़ तोड़ भगवान राम भी जब बेड़ा पार लगाने में विश्वास नहीं रहा तो अब ये सब कर रहे हैं ऐसी सत्ता को हम चिमटे से भी नहीं छूना पसंद करेंगे ये अटल जी ने कभी कहा था उस समय हम स्टूडेंट थे जीतन थे। थे। राम मांझी तक को प्रस्ताव देते भाई देते हम कौन कह रहा है अगर होना होता और कुछ करना होता तो आज ये सरकार शपथ नहीं ले पाती है जान लीजिए या इसी सत्ता को नरेंद्र मोदी अभी थोड़ा सा असमंजस है आप इंडिया में भी आ सकते हैं क्या तेजस्वी के साथ भी हाथ मिला सकते हैं इंडिया से देखिए संदीप जी एन तो निकल गया ना जो न्यू रखा था उसका नीतीश कुमार कैपिटल एन पूरे सूत्रधार ये लोग कहते थे उससे इंडिया से तो एन बाहर हो चुका है अब इंडिया में बचा कौन है कौन वहाँ आना चाहेगा हम लोग बिल्कुल आदरणीय नहीं है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश को आगे लेकर के जाना चाहते हैं और वैसे भी हमारे नेता चिराग पासवान जी आप ही लोगों ने उनका उपनाम हनुमान के रूप में दिया है हाँ। हम कभी भी एनडीए से बाहर भी गए किसकी लंका में आग लगाने वाले इन लोगों की लंका में आग लगाएंगे अच्छा नीतीश कुमार भी तो विभूषण है वो लंका से आए है ना मुझे पता नहीं उन पर आग? मुझे कोई नहीं कहा ना ये जवाब दे सकते जी विभीषण विभीषण को कोई अगर उस रूप में नहीं लेना विभीषण अगर नहीं आते तो रावण की नाभि का पता कौन बताता तो तो नीतीश कुमार जी वहाँ जाके उनके नाभि का सब पता उता कर लिए हैं अब बड़ा कह रहे थे कि चाचा को बहुत इज्जत दिए दो फीता दो कैची लेके घूमते थे कुछ चीज का उद्घाटन होता था तो दो फीता दो कैची आप कितनी आप कैची, कैची लेकर घूमेगी एनडीए एनडीए में कितनी कैंची नहीं के के पाठक जी के इंजेक्शन का दर्द ऐसा कि इनके शिक्षा मंत्री तो यहाँ पर कैंची तक बात आ गई है गंगा मैया के किनारे हम खड़े हैं पाटली पुत्र में तो बिहार में खेला तो हो गया लेकिन खेले का अंतिम अध्याय यानी कि वो मुकम्मल हो गया है क्या ये अभी देखने वाली बात है 2024 तक के लिए ये गठबंधन है आगे चलेगा क्या कोई सिंपथी फैक्टर होगा या केमिस्ट्री काम करेगी मोदी और नीतीश कुमार की एनडीए का बंटाधार हो गया है या उसे और ताकत आने वाले दिनों में मिल सकती है कि भाई जो लोग विभीषण साबित हुए अब वो हट गए हैं या टाइम इज रनिंग आउट नमस्कार मैं हूं संदीप चौधरी आज सीधा सवाल मैं सीधे पटना बिहार की राजधानी पटना से कर रहा हूं पाटली पुत्र से गंगा किनारे हूं मैं यहां मेरे बाई और गंगा नदी बह रही है यह सोनपुर का पुल है मरीन ड्राइव कहते हैं इसे दीका घाट है लेकिन बिहार में क्यों हूं यह आप जानते ही हैं बिहार में सरकार बदल गई है मुख्यमंत्री वही है ये अपने आप में एक बड़ी कहानी कहता है नौवीं बार नीतीश कुमार ने बतौर मुख्यमंत्री आज शपथ ली उनके अलावा आठ और विधायकों ने मंत्री पद की भी शपथ ली उसमें दो उप मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ हो लिए हैं वो बीजेपी जिन्हें वो सांप्रदायिक बताते थे सौहार्द बिगाड़ रही है देश को तोड़ रही है और इसीलिए इंडिया गठबंधन के रचयिता भी बन गए थे कि बीजेपी को बहुमत नहीं लाने देंगे 200 सीट नहीं लाने देंगे 100 का आंकड़ा पार नहीं करने देंगे लेकिन अब वो बीजेपी के खेवनहार की भूमिका में भी साफ आते दिखाई दे रहे हैं तो ये जो नई सरकार है दरअसल क्या नए राजनीतिक समीकरणों की ओर भी इशारा कर रही है अब राजनीतिक समीकरण क्या है नीतीश कुमार एनडीए में आने से एक अरिथमेटिक होता है और एक केमिस्ट्री अंक गणित और रसायन शास्त्र यह हमने देखा है 2019 के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू साथ आते हैं तो कमाल का राजनीतिक खेल भी होता है चालीस में से उनतालीस सीटें बीजेपी और जेडीयू जीतने में कामयाब हो गई थी एनडीए जीतने में कामयाब हो गया था तो 400 पार अब की बार 400 पार इस बात की ताल ठोकने वाली बीजेपी उन्हें नीतीश कुमार जिनको वो पलटू राम किन-किन संज्ञाओं से नवाजते थे और कहते थे कि दरवाजे बंद अब कोई रास्ता नहीं कि नीतीश वापस आ जाएं उनके लिए कालीन बिछा दिया बीजेपी ने क्या लड़ाई ये 2024 की कि भाई इंडिया का जो गणित बन रहा है वो बिहार में नुकसान ना पहुंचा दे तो नीतीश कुमार को अगर हम ले आते हैं तो इंडिया धाराशाही हो जाएगा और नीतीश कुमार ये जानते बूझते कि 45 विधायक हैं और बीजेपी के रहमो कर्म पर अब आगे का राजनीतिक जीवन बिताना पड़ेगा उन्होंने ये इतना बड़ा दाव क्यों खेला है वो अपना रसूख अपनी वक्त और राजनीतिक गणित में इजाफा करना चाहते हैं क्या कि बीजेपी के साथ रहेंगे सांसद सत्रह में से सोलह जीते थे और 45 की जगह और बढ़ जाएगा विधानसभा चुनाव आते आते पर यहां पर सवाल यह भी है ये सरकार कितने दिन चलेगी क्या यह तात्कालिक लाभ के लिए यह गठबंधन बना है और लोकसभा चुनाव के बाद खेल फिर शुरू हो जाएगा क्या तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि अभी खेला होना बाकी है 2024 के अंत तक जेडीयू खत्म हो जाएगी तो अस्तित्व पर जुआ खेल दिया है क्या नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी एक वक्त पर और नीतीश कुमार के भी उपाध्यक्ष बना दिया था उन्होंने जेडीयू का प्रशांत किशोर को प्रशांत किशोर कह रहे हैं लोकसभा चुनाव खत्म होने दीजिए छह महीने में यह सरकार गिर जाएगी तो क्या पच्चीस तक यह सरकार टिक पाती है लेकिन उससे बड़ा सवाल इंडिया के खांचे में ढांचे में ऐसी सेंधमारी कर दी कि ताश के पत्तों की तरह अब यह गठबंधन बिखर जाएगा टूट जाएगा इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि जेडीयू और उनके मुख्य जो प्रवक्ता हैं केसी त्यागी वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की नीतियों के चलते और उसके कुछ ऐसे बर्ताव के चलते कि सीटों तो का बंटवारा नहीं कर रहे संयोजक नहीं बनाया ये खैर केसी त्यागी ने नहीं कहा इंडिया बिखर रहा था कांग्रेस की कारगुजारियां थी तो हमारे पास और कोई विकल्प नहीं बचा उधर कांग्रेस कह रही है मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं हमें पहले ही अंदेशा था नीतीश बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं उन्हें संयोजक कैसे बना देते इशारों इशारों में ये बात वो भी कह गए जयराम रमेश कहते हैं कि गिरगिट को भी बदनाम कर रहे हैं नीतीश कुमार इतना रंग बदल रहे हैं पैतेश कुमार कह रहे हैं तेज प्रताप यादव तेजस्वी के बड़े भाई तो ये जो खेल हो रहा है चौबीस के लिए क्या बीजेपी को फायदा देगा या बीजेपी तो मजबूत है अपनी जगह पर जेडीयू कमजोर कड़ी भी साबित होगी या छोंक लगाने का काम करेगी और नैया पार करा देगी इस गंगा मैया में नैया पार हो जाएगी क्या एनडीए की इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं ऐसे में आज का सीधा सवाल फिर नीतीश कुमार 25 तक चलेगी सरकार ये पहला सवाल और बिखर गया इंडिया 24 में होगा खेला तो 25 की भी बात कर रहा हूं और 24 की भी और चर्चा में मेरे साथ जेडीयू के युवा चेहरा हैं उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अभिषेक झा और देखिए क्या सही वक्त पर एंट्री की है मृत्युंजय तिवारी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरजेडी के तो अभी तो साथ थे आज थोड़ा साथ और खड़े हो जाइए फिर साथ हो जाएंगे फिर साथ हो जाएंगे अभी तो खैर टूट तो हो गई है वसन्यता जब खत्म हो जाती है है उस उस पर उस पर तो मैं तो आता हूं अभी शाम, सुंदर शरण हमारे साथ हम और ये हम साथ हो गया है जेडीयू के बिखरते भी रहते हैं टूटते भी रहते हैं और जुड़ते भी रहते हैं आइए मुन्ना साहब भी आ गए देखिए सब वक्त पर पहुंच गए हैं धीरेन्द्र कुमार मुन्ना एलजेपी जे रामविलास पासवान गुट के प्रवक्ता और दो खास मेहमान बिहार की नब्स टे आए हैं दशकों से वरिष्ठ पत्रकार हैं कन्हैया बेलारी और प्रोफेसर संजय कुमार जाने माने राजनीतिक विश्लेषक भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं तो तीन दिन से हमें टहला रहे थे अभिषेक कि अरे अफवाहों का बाजार गर्म है पत्रकार अपने मन की बातें कह रहे हैं जो हमने कहा वही सही हुआ नहीं हमने ऐसा नहीं कहा कि पत्रकार अपने मन की बात कह रहे हैं आपका काम था कयास लगाना सूत्रों के हिसाब से खबरें चलाना और आप हमसे उस पर स्पष्टीकरण मांगते थे आप पूछते थे हमसे कि कल क्या होगा संदीप जी वो कल आज हो चुका है और ये आज आपके सामने है जो भी घटनाक्रम है वो आपके सामने है आज एक नई सरकार का गठन हुआ है बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है और कारण विस्तार से हमने भी हमारी पार्टी ने सबने बताया है क्या कारण मैं अभी तक समझ नहीं पाया देखिए बहुत सारे ऐसे कारण नीतीश कुमार जी ने कभी दबाव की राजनीति नहीं की है और नीतीश दबाव बना रहा था हमारे जो सोकॉल सहयोगी दल थे उनकी तरफ से हमेशा एक अनावश्यक अनाधिकृत दबाव दबाव किन चीजों का राजनीतिक रूप से बहुत सारे अनैतिक काम करने का जो लोग जिन पर आरोप हैं जमीन के बदले नौकरी का वो नौकरियां देकर दो हजार आठ नौ का मामला पंद्रह साल से आपकी जानकारी थी यकायक यादाश्त में ताजी हो गई ऐसा नहीं होता है संदीप जी मसला ये है कि बहुत सारे मामले हैं जो साबित हैं और बहुत सारे मामले हैं जो अंडर ट्रायल है उस पर हमें नहीं जाना दूध में मक्खी है फिर भी दूध पी रहे थे वैसा नहीं है देखिए हम उनसे हम हर किसी से उम्मीद करते हैं कि आपकी राजनीतिक बनी रहे पहली बात तो वो है दूसरा है कि आपने लगातार देखा है कि किस तरह से इनकी पार्टी के नेताओं ने हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियां की चाहे वो सुधाकर सिंह जी हो इनके एमएलसी सुनील सिंह कई विधायक हो इनके बीजेपी वालों ने क्या कुछ किया जिनके साथ गलबैया कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री अब बन गए हैं सम्राट चौधरी सर पर पगड़ी बांधते हैं और कहते फिरते थे पगड़ी नहीं उतारूंगा जब तक गद्दी से नीतीश कुमार को नहीं उतार दूंगा अब गाड़ी में आगे बैठे हुए थे सम्राट चौधरी आज वो गाड़ी में तस्वीरें देखी होंगी ना पीछे बैठे हुए हैं नीतीश कुमार देखिये लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी होती है और जब हम विपक्ष में अभिव्यक्ति की आजादी और यहाँ पर कुटारा राजनीतिक सुचिता और मर्यादा आप इस बात को समझिए ना सम्राट चौधरी जी ने बताया कब पगड़ी उतारेंगे नहीं उतारेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कभी भी जब हमारे खिलाफ भी कहा तो राजनीतिक मर्यादा का ख्याल रखा अच्छा मर्यादाओं में थे वो भाई आप उनके बयानों का आकलन खुद कर सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल के नेता जिस तरह से लगातार बोल रहे थे वो भी आपके सामने है तो ये सारे मसले हमेशा तो आरजेडी से दिक्कत थी आपके मुख्य प्रवक्ता और सलाहकार भी हैं नीतीश कुमार के सी त्यागी कहते हैं ये कांग्रेस ने बंटाधार कर दिया कांग्रेस सीट शेयरिंग नहीं कर रही कांग्रेस अपने दम गुरूर में थी इंडिया गया। सारी है संदीप। जी, आपने यहां के में पूछा तो हाल सामने कुछ कदम चलने को ये तैयार नहीं है किस गुरूर में है आपको दिख रहा है इंडिया अलायंस का निर्माण अगर किसी ने भूमिका निभा दो हजार बाईस में जब आपने सरकार बनाई इंडिया गठबंधन था अभिषेक नहीं महागठबंधन का एक स्वरूप बिहार में था नीतीश कुमार जी ने इंडिया गठबंधन नहीं था ना इंडिया में दरार है सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा उसको बहाना बना रहे हैं 2022 में आरजेडी के साथ आपने समझौता किया तब इंडिया गठबंधन थोड़ा संदीप जी बहाना नहीं है ये वास्तविकता से इतर हम कोई बात नहीं कर रहे हैं आप बताइए कि इंडिया अलायंस जो, जो कि अब बचा नहीं है इंडिया अलायंस अगर है भी तो किन प्रदेशों में सीटों का बंटवारा हो चुका है आदरणीय लालू जी क्या बयान देते हैं तेजी तेजी चीजें हो चुकी तो है संदीप जी हम आपके सामने रखेंगे धीरे धीरे थोड़ा एहतियात मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि हमें पहले ही मालूम था नीतीश कुमार विभीषण की भूमिका में आए हुए है और इसीलिए जो मांग रहे थे नहीं दिया गया देखिए आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तो खुद रबर स्टाम्प अध्यक्ष है ना वो खुद कह रहे हो तब तो एक बात होती है अगर उनके अंदर राजनीतिक रीढ़ की हड्डी होती पूरे कांग्रेस पार्टी के अंदर तो शायद इतना बुरा हस्ट नहीं होता कि जहां जहां राहुल गांधी जी पग रख रहे हैं वहां वहां उनके अलायंस के साथ ही छूटते चले जा रहे हैं

बिना सीता माता का नाम लिए हम राम भगवान का नाम नहीं लेते हैं तो इसमें आपत्ति क्या है तो राम रामलला का मंदिर है ना तो हम जय सिया राम बोलते हैं तो क्या दिक्कत है राम रामलला के मंदिर में सीता माता का अब जय राम करेगी और बीजेपी जय श्री राम अलग अलग आइडियोलॉजी सांप्रदायिक नहीं होंगी और बीजेपी पार्टी ना सांप्रदायिक थी ना हम इसमें विश्वास रखते हैं हम आज भी जातीय जनगणना के पक्ष में हैं हम कमिटमेंट के लिए जाने जाते हैं जनता के साथ पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं जनता के साथ जो हमारा कमिटमेंट है चाहे सात निश्चय पार्ट वन के रूप में जो जनता को डिलीवर हो चुका या सात निश्चय पार्ट टू के रूप में जिसपे काम चल रहा है बड़ा जुआ खेल दिया नीतीश कुमार ने चौबीस की लड़ाई है बीजेपी को वो सो, चार सो तो ताल थोकने के लिए अच्छा लगता है तीन सौ कैसे ना कैसे लेकर आनी है लगा कि ये इंडिया गठबंधन दिक्कत कर देगा आपके लिए दरवाजा कि इंडिया तो गठबंधन तो है ही नहीं इसके बाद यूज एंड थ्रो ना हो जाए आपका ऐसा नहीं होता है अगर यूज एंड थ्रो था तो बहुत सारी स्क्रिप्ट आपने देखी थी संदीप मुख्यमंत्री नहीं रह सकते हैं नीतीश कुमार जी आज आपके सामने क्या है मैं आज की बात कर रहा हूँ चौधरी उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं सुशील मोदी नहीं आपके ये ये भारतीय जनता पार्टी का अपना आंतरिक फैसला है इसमें हमारा हमारा कोई दबाव नहीं हो सकता है हम दूसरे दलों पर दबाव देने वाले दल नहीं है हर एक दल स्वतंत्र रूप से काम करता है अपने हिसाब से काम करता है ये उनकी कार्यशैली में शामिल तेजस्वी कह रहे हैं चौबीस तक जेडीयू खत्म हो जाएगी आपके उपाध्यक्ष रहे बड़े करीबी रहे नीतीश कुमार के प्रशांत किशोर कह रहे हैं ये सिर्फ चुनाव चुनाव तक का गठबंधन है ये खत्म हो जाएगा में क्या होता है जनता तय करती है पहली बात हम घमंड में नहीं आत्मगौरव में बोलते हैं और प्रशांत किशोर जी की कोई राजनीतिक प्रासंगिकता नहीं है और तेजस्वी यादव जी बयान दे रहे हैं तो उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे देखिए पूरे राष्ट्रीय जनता दल के लोग अभी साथी भी यहाँ चुके सत्ता विलाप आपको दिखेगा सत्ता से बाहर जाने की तीस सत्ता विलाप तो हो रहा है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे हालत ये हो गई आरजेडी की इतने देर के प्रवचन में हमारे छोटे भाई ये बता ही नहीं पाए जनता को कि हमने साथ क्यों छोड़ा हमें फक्र है गर्व है कि हम पंद्रह महीने सरकार में रहे तो वो विश्वकर्तिमान तेजस्वी यादव जी ने बना दिया जो ना कोई भुला सकता ना कोई मिटा सकता दो लाख बीस हजार सत्तर दिनों में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया कभी कोई बांटा मुख्यमंत्री तो नीतीश थे ना हम क्या कह रहे हैं यही आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे ना 2020 में जब तेजस्वी यादव जी ने ये वादा किया था दस लाख नौकरी का तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था ये कहां से लाएगा पैसा कैसे देगा नौकरी नौकरी तो पहले भी लालू प्रसाद यादव ने दी पर लैंड फॉर जॉब स्कैम कर दिया कि नौकरी तो दे देंगे ये चक ये, ये इतने कट्ठे मेरे नाम लिखवा संदीप जी ये विरोधियों को जेडीयू को चाहे आज लाख कोई बहाना हो अपना नया ठिकाना ढूंढने का लेकिन जनता इनको पहचानती है और हम तो कह रहे हैं कि अब आदरणीय नीतीश कुमार जी की राजनीतिक पूंजी नहीं बची है नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार संभालेंगे 24 के चुनाव का अब क्या हाल रह गया 24 के चुनाव में जनता मालिक है अयोध्या में भगवान राम लला प्रकट हुए भगवान राम लला पर भी इनको भरोसा नहीं हुआ ये लोकतंत्र का अयोध्या है बिहार लोकतंत्र की जननी और यहाँ ये इंडिया की क्या गत हो गई अब इंडिया में क्या गत होगी इंडिया तो पूरी तरह से मजबूत है इंटैक्ट है इंडिया गठबंधन बना ही बड़े उत्तर जा रहे हैं तेजस्वी देखिए सब लोग राजनीतिक दल अपना अपना कार्यक्रम चला रहे हैं ये तो प्रॉब्लम है यही तो नीतीश कुमार कह रहे थे कि अपनी, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग अपनी, अपनी अपनी डफली अपना राग का सवाल नहीं है अभी तो आपने देखा किस तरह से वहाँ चिराग पासवान जी को मनाया गया किस तरह से यादव निर्माण तो मैं अभी पूछूंगा मुन्ना से मैं पूछूंगा मान गए हैं क्या जनता का विश्वास अगर किसी भी व्यक्ति का किसी भी दल का विश्वसनीयता ही समाप्त हो गई तो उनकी राजनीति समाप्त होगी और हमारे नेता ने आज ऐलान किया है तेजस्वी यादव जी ने तेजस्वी यादव जी ने कहा है खेल अभी शुरू हुआ है क्या है वो खेल थोड़ा समझाइए ना खेल अभी बाकी है खेल क्या खेल बाकी है। खेल का अंत तेजस्वी यादव जी करेंगे जेडीयू 24 में समाप्त हो जाएगी अब इसका नौबत ही नहीं आएगी मतलब जे दो फाड़ होने वाली है जीतन हो? राम माझी को भी मुख्यमंत्री का न्योता दे दिया की प्रस्ताव दे दिया पर्दे के अंदर रहने दीजिए पर्दा दो फाड़ हो रही है अब देखिए ना आगे आगे होता है क्या अब तो आज खुशी का दिन है आज अभिषेक जी को शुभकामना है बीजेपी को शुभकामना है सभी एन गठबंधन जिन्होंने सरकार बनाई है खूब शुभकामना है लेकिन कल से इनको जनता के सवालों के बौछारों का सामना करना होगा कि जो तेजस्वी यादव जी ने इतने दिनों तक सत्रह वर्षों से एनडीए का शासन है बिहार में और हमारे सत्रह महीनों का शासन काल तराजू पर रखकर कोई तौल ले वो भारी पड़ गया जंगल राज के नाम पर बदनाम था आपका राज ये, ये, गरीब, ये गरीबों का राज मजदूरों किसानों नौजवानों का ये तो रोजगार पुरुष के रूप में तेजस्वी यादव जी याद किए जाएंगे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा इनको जो इन्होंने किया है उसका बदला जनता सूद और ब्याज के साथ पाई पाई लेगा पहले तो ईडी की कार्रवाई से ही निपटना होगा 9 फरवरी को राउस एवेन्यू के सामने पेश होना होगा हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी श्री तेजस्वी यादव जी ने संघर्षों के गर्व में ही राजनीति की है और वहीं से पले बढ़े हैं चारा घोटाला भी किया हमने तो कहा ना कि जिसको जो कहना है कह दें। अभी तक अब वो सब बातें अगर खुलेगी परत दर परत तो उसके लिए बहुत समय तो देना होगा खेला होना बाकी शुभकामनाएं भी दे रहे हैं धीरेन्द्र आपको मृत्युंजय तिवारी खुश है या ना है चेहरा उतरा हुआ है आपका क्यों बिल्कुल नहीं उतरा हुआ है मैं खुश हूँ क्योंकि बिहार को एक नई सरकार मिली है काम करने वाली डबल इंजन की सरकार मिली है बिहार वासियों को मैं शुभकामना देता हूँ मुख्यमंत्री जी को शुभकामना देता हूँ पूरे मंत्री परिषद को मैं शुभकामना देता हूँ मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दे रहे हैं आपके मुख्य प्रवक्ता हैं ए के वाजपेयी कल मेरे ही कार्यक्रम पर बोले कि समाजवादी विचारधारा और विरासत को कलंकित किया है नीतीश कुमार ने आज चिराग पासवान ने कहा कि हमारे नीतिगत विरोध हैं मतभेद हैं नीतीश कुमार के साथ देखिए हम लोग पहले बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं बिहार को भी फर्स्ट हम... सिटीजन बन गए हैं नीतीश कुमार जहाँ पर अगर हम क्यों बन गए हैं अगर ये मृत्युंजय तिवारी जी अगर वहाँ से अलग नहीं होते अगर आदरणीय नीतीश कुमार जी को ये ट्रबल में नहीं डालते तो आज हमारी क्या जरूरत पड़ती इन लोगों ने ट्रबल में डाला है तो क्या मैं बिहार के लोगों को बिहार के दो तो हज़ार में तो आप अलग लड़े थे ना तब तो एनडीए के हिस्सा भी नहीं रहे थे तो सरकार बनी थी तो अब आप एनडीए का हिस्सा हैं रहेंगे बिल्कुल है। आपका तो एक और हम बिल्कुल अभी एनडीए के हिस्सा हैं और आगे भी चौबीस की लड़ाई के लिए ये पूरी तैयारी तयार, तैयारी है ये कवायद हुई है ये टूट फूट पलटना टकना ये सब हुआ छह सीट आपको दे देंगे दो दिन से अटके हुए हैं चिराग पासवान खूंटा गाड़ कर बैठे हुए थे दिल्ली में कि पटना तभी जाऊंगा पहले इस बात का जवाब दीजिए मिल गया जवाब संदीप जी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमारे हितों की रक्षा की जाएगी और मुझे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर पूर्ण विश्वास है और अगर इन लोगों के ये जो आज बिहार आपके जो हित हैं उसको आसान कर देते हैं ना 2019 में 17 बीजेपी लड़ी 17 जेडीयू लड़ी और 6 आपके बांटे आई तो इस बार सत्रह बीजेपी तो सत्रह जेडीयू को भी देनी पड़ेंगी उस छः में आप भी हैं हम भी हैं उपेंद्र कुशवाहा भी हैं पारस बाबू भी हैं चाचा भतीजे वाला खेल भी होगा ये छः में कितने समाएंगे चालीस से ऊपर सीटें तो नहीं है ना ये बात पर्दा पर करें क्या पर्दे ये, की बा... ये पर्दे बा... की बात कार्यक्रम का नाम सीधा सवाल, है। सीधा सवाल है लेकिन सवाल कहने को सीधा है टेढ़े भी होते हैं नहीं नहीं बिल्कुल आपके सवाल बिल्कुल सीधे होते हैं सुनने में लोगों को टेढ़े लगते हैं लेकिन संदीप जी मैं बताता हूं कि हम लोग बहुत ही मजबूती से और संतुष्टि से आगे बढ़ रहे हैं और सुख में सम आ जाएंगे सब अब छो का नंबर हमको नहीं पता है श्याम बाबू मतलब सुमन साहब तो बन गए मंत्री उसी से काम चल जाएगा देखिए हम लोगों का जो मिशन है वो सुमन बाबू के मंत्री बनने और नहीं बनने का नहीं है अगर वो होता तो जितन राम मांझी मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ते वो होता तो सुमन जी मंत्री का पद नहीं छोड़ते तो जीतन राम मांझी जी का या हमारी पार्टी का जो मिशन बिहार है और बिहार के हित में हम लोगों ने जब प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लिया तो पूरे बिहार को वो आशीर्वाद आज हम लोगों ने तो आपका मिशन मिशन बिहार है नीतीश कुमार को तो पलटू राम कहते ही है दुनिया। जीतन राम भी कहीं, कम नहीं है ने, ने, कभी नीतीश के साथ कभी एनडीए के साथ कभी एनडीए से बाहर कितनी बार पारी है और पाला बदल चुके हैं वो आधा मिनट हम बोल लेंगे तब तो बात निकल जाएगी इस बार पलटू नहीं हुआ इस बार सलटू होगा और जो पलटू राम कहे ना उनको हम लोग सल्टू राम बना देंगे और कैसे 2024 में 25 में सलट देंगे जो भ्रष्टाचार के आका को अपना पुरोधा मानते हैं ना समाजवाद कर्पूरी ठाकुर और जे और लोहिया सब को बेचने वाले ही लोग अपने बेटे के लिए दंडवत हुए हैं नीतीश कुमार के यहाँ कौन नहीं जानता कि जाकर माफ़ी वाफ़ी सब मांगी है बेटी का पोस्ट डिलीट करा रहे हैं तो कुछ करा रहे हैं उससे माफ़ी मंगवा रहे हैं राहुल गांधी से बात करवा रहे हैं उधर दौड़ रहे हैं उधर भाग रहे हैं सत्ता के लिए कौन चारों तरफ जब चारों खाने चित हो गया तब हमारे नेता को आया कि आपको हम मुख्यमंत्री बनाते हैं बाघ का कंगन लेकर के घूम रहे तो शिकारी नहीं आपने भी कहानी सुनी होगी तो राष्ट्रीय जनता दल के पॉलिटिकल कल्चर को हम सब लोग जानते हैं तो रावण की लंका में आग लगाने के लिए हम लोगों ने वहाँ से विभीषण कौन है लिया है अच्छा विभीषण को निकाल लिया विभीषण है बिल्कुल नीतीश कुमार विभीषण आए तो विभीषण नहीं आते क्या विभीषण है ना नीतीश कुमार विभीषण आते कि नहीं नीतीश कुमार विभीषण तौर पर उस रावण की लंका में विभीषण है आपने सलट शब्द अभी इस्तेमाल किया वो दिमाग भी सलट गया है बहुत सारे सवाल उठाए थे जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को लेकर उसके लिए देखिए कृष्ण की परंपरा को हम लोग कायम रखे हुए हैं कृष्ण ने कई बार रण भी छोड़ा किसने रन छोड़ नाम भी स्वीकार किया किसने हर बार अपने प्रण को भी आहूत किया कई बार उन्होंने देखा अपने भक्त के प्रण को रखने के लिए भीष्म के प्रण को रखने के लिए महाभारत में हथियार भी उठाए तो आप जब जनहित में तो महाभारत में आप कौरव हैं कि पांडव हैं नहीं नहीं हम तो राम के हनुमान हैं और उस कहिए कित में भगवान राम नहीं, नहीं थे ना मैं महाभारत का सवाल पूछ रहा हूँ महाभारत तो हो रहा है मा... तो महाभारत में आप कौरव की भूमिका में है पांडव की बिहार की महाभारत में जीतन राम मांझी जी कृष्ण है ये आ... कोई मुगालते में न रहे आ... आ... अपनी सारी सेना किसी और को सौंपने के बाद भी कैसे पांडव को जिताया जाता है ये जीतन राम मांझी जानते हैं और ये जो भ्रष्टाचार के आका जो अपने आप को बिहार के राजा मानते हैं और ये कह रहे थे कि संघर्ष से आए हैं अब तेजस्वी यादव का कौन सा संघर्ष है कि कह रहे थे तराजू से तौलिए तौलिए अगर 30 किलो वजन तेजस्वी यादव का नहीं बढ़ा होगा तो फिर आप हमको जो कहिए वजन बढ़ने की बात हो रही है वो तो शारीरिक वजन की बात हो गई यहाँ राजनीतिक वजन किसका बढ़ता दिखाई दे रहा है आज जो ये गंगा किनारे पाटलिपुत्र के नाम से मशहूर इलाका वो पलटी जैसे संदेश भी आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे इस राजनीतिक खेला जो हुआ है ये अब किस और जाता दिख रहा है जो कुछ भी हुआ है संदीप भाई मैं यही कहूंगा कि नीतीश कुमार जीत करके भी हार गए और तेजस्वी यादव हार कर भी जीत गया ये लड़ाई में हारा नहीं है ये जो दार्शनिक सी बात कर रहे हैं राजनीति आजकल दर्शन शास्त्र को नहीं मानती है हम तो पत्रकार है ना और मुझे फक्र है पूरा रहा है कि फॉर रॉन्ग रीजन ट्रेंड तो बिहार कर रहा है ना और पहली बार रही मैंने एक तरह से पहली बार हुआ मुझे पता चला कि कर्पूरी के शिष्य लोहिया के शिष्य जयप्रकाश के शिष्य इतना बड़ा पलटी बार पलटी मारते हैं यही उन्होंने सीखा है यह पहली बार हमने जाना और हम लोग अपने बच्चों को जब नीतीश कुमार का बायोग्राफी पढ़ाएंगे ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखेंगे नहीं तो इसमें यही पढ़ाएंगे कि बिहार के एक मुख्यमंत्री थे जिनका नाम नीतीश कुमार था वो जब मन इधर चल जाते थे पोखरा के जाट बने हुए थे उन्हीं के इर्द-गिर्द जो है घूमते थे पर इसमें फायदा किसको होता दिखेगा तात्कालिक और दीर्घकालिक शॉर्ट टर्म फायदा किसको होता दिख रहा है बीजेपी 400 की ताल ठोक रही थी पर जरूरत पड़ गई ना नीतीश की तो उनके भी पेट में कहीं दर्द था आशंकाएं थी कहीं ना कहीं तो वो आशंकाएं अब दूर हो जाएंगी अरिथमेटिक और केमिस्ट्री नीतीश और मोदी की यानी कि बीजेपी जेडीयू की बी जे नैया पार लगाएगी आप हमको ये बताइए कि ये पहले भी बीजेपी के लोग कहते थे कि हम 40 जीत रहे हैं अब कह रहे हैं कि 40 जीतेंगे तो पहले मैंने नहीं 40 जीत रहे थे तब ना आप कह रहे हैं कि 40 जीतेंगे आप बताइए अर्थमेटिक जो है और केमिस्ट्री की के जो बात करते हैं मुझे जो लगता है कि अभी जो लड़ाई है बराबरी बराबरी की है अभी भी बराबरी बराबरी भी की लड़ाई है और हमें मतलब आप कह रहे हैं बीजेपी तो कुछ इलाकों में अपनी मजबूती बनाए हुए थी उसको जरूरत पड़ती थी पिछड़े अति पिछड़े वोट बैंक की क्योंकि अगड़ा उनके साथ था नीतीश को साथ लाने के बाद वो इजाफा नहीं होगा जितनी उनकी आशंकाएं थी कि भाई कहीं हम 20 से नीचे भी ना चले जाएं उसमें इजाफा नहीं होगा मुझे लगता है कि लोगों के बीच में खासतौर से युवा के बीच में ये एक सिंपैथी इवन इमोंग द अपर कास्ट पीपल उसको लगता है मोह लगता है ना होला कि बताइए इसका क्या दोष था क्या मैंने क्या ऐसा किया नीतीश कुमार जो कहते हैं कि कुछ गड़बड़ होता रहा, क्या गड़बड़ था जिस मंच पर आप रहते थे जिसकी अध्यक्षता आप करते थे बतौर मुख्यमंत्री रहते थे और ये लड़का रहता था बोलते थे कि पाँच का पहले कुछ होता था जी क्या होता था जी ए, कुछ होता था अब वो वहाँ सुन रहा है उसके सामने आप बोल रहे हैं

24 के चुनाव में फायदा हो जाएगा एनडीए को और इंडिया की गत हो जाएगी रचयता ही हट गए इंडिया से तो इसमें नैरेटिव क्या जाता है आम आदमी के सामने संदेश क्या जाता अब जो लोग भी समझते थे उनको कि प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट हैं तो वो तो खूंटा ऊंटा लेकर के भाग गए अब क्या प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे और वो जो समझ सोच वो अब देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि लड़ाई जो है वो बराबर बराबर ये सिर्फ चौबीस के चुनाव तक का गठबंधन है उसके बाद बिखर जाएगा चौबीस के चुनाव के बाद अगर मान लीजिए लोग कहेंगे कि आप मुख्यमंत्री पद के छोड़ छोड़िए तो फट दिन फान के उधर चले जाएंगे और फिर सरकार बना लेंगे और राजद भी बना देगी और फिर उसमें भी जब मिले डी सी एम हो जाएंगे वो तो ये अंतहीन धारावाहिक की तरह हो जाएगा लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने जो ये दाव खेला है देखिए मौका परस्ती की जब बात होती है तो नीतीश कुमार का नाम सबसे पहले आ रहा है राजद ने भी भाई लोगों ने 2020 में जो जनादेश दिया था वो बीजेपी और जेडीयू की सरकार को दिया था आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी भले ही क्यों ना हो लेकिन उसे जनादेश बिहार पर राज करने का नहीं मिला था तो 2022 में उन्होंने नीतीश के साथ हाथ मिलाया मौकापरस्ती उन्होंने की उन्होंने भी की तो हमाम में तो सभी नंगे हैं पर बीजेपी ने भी यह मौका परस्ती की है यह तात्कालिक लाभ के लिए यह गठबंधन बना है क्या प्रोफेसर संजय, चूंकि आप पाटलिपुत्र की धरती पर हैं मैं पहले तो आपको स्वागत करता हूं एक पंक्ति से मैं अपनी बात को शुरू करता हूं विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही धरापर धूम भिक्षु होकर रहते सम्राट दया दिखलाते घर घर घूम विरासत में जिनको राज्य मिलता था गौतम बुद्ध हों या महावीर हों उन्होंने राज्य को छोड़ा और ज्ञान को उन्होंने प्रमुखता दी यहाँ लोकतंत्र में जनता ताकत देती है जो सवाल आपके हैं जनता आपको मैंडेट देती है और आप जनता के मैंडेट की अवहेलना करते हैं मैंडेट किसी और के साथ मिलता है सरकार किसी और के घर तो वापसी हो गई मैं इसको इस रूप में नहीं मानता हूं मैं मानता हूं कि सिद्धांतों की बलि चढ़ा दी जाती है तर्क ढूंढ दिए जाते हैं अभी कन्हैया भाई से मैं पूछ रहा था कि यह बताइए कि पार्टी के जो नेता हैं उनको इतना आत्मविश्वास कहाँ से आता है कि गठबंधन बदलते ही शब्द बदल जाते हैं उनके भाव बदल जाते हैं उनके विचार बदल जाते हैं सब कुछ अच्छा लगने लगता है और जब वो गठबंधन से दूर चले जाते हैं तो सब कुछ बुरा कैसे लगने लगता है तो मैं मानता हूँ कि सत्ता के समीकरण को साधने के लिए सिद्धांतों नीति और मूल्यों की बलि चढ़ा दी जाती है मैं मैं तो आपसे डिस्कस कर रहा था कि जहाँ तिरानवे लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे है वो कौन से बिहार की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि जो 18 साल उन्नीसवा साल लग गया नीतीश कुमार सरकार में रहे उसमें लगभग साढ़े सोलह सत्रह साल तो बीजेपी उनके सहयोगी थी तो जब आरजेडी के साथ आए तो जंगल राज आ गया बीजेपी के साथ चल रहे नीतीश कुमार तो कोई जंगल राज नहीं वो सुशासन बाबू हो जाते हैं तो क्या बीजेपी जो कार्यकर्ता है जो यहां के नेता है भाई तैयारियां हो रही थी ना दो के चुनाव की लोगों को लगा दिया गया अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में तीस बत्तीस बीजेपी खुद लड़ती बिल्कुल तो बाकी लोग अब कहा जाएंगे क्या अंदर खाने कुछ नाराजगी है या दिल्ली में बैठे जो हम नेशनल मीडिया वाले हैं ये तो खेला हो गया और बम और एनडीए की नैया पार लग गई भाई कभी ऐसा होता था कि कांग्रेस के समय में एक आला कमान का फरमान जारी होता था कि केंद्रीय नेतृत्व तय कर देता था आला कमान ने आदेश दे दिया चीज़ें उसी के अनुसार हो जाती है बीजेपी भी अब उसी सिद्धांत पर चलती है कि केंद्रीय नेतृत्व और उसके एक बड़े लंबरदार अमित शाह जी यही झंझारपुर में आकर के बोले थे कि दरवाज़ा बंद है और कल मैं एक बड़े बीजेपी के नेता को सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि दरवाज़ा तो छोड़ दीजिए दीवारें तक टूट जाती है उन्होंने वर्लिन तक चले गए कि जब जर्मनी की दीवार टूट सकती है तो ये कौन सी दीवार है तो सत्ता का समीकरण जहाँ सूट करता है और चालीस लोकसभा की सीटें चालीस लोकसभा की सीटों को साधने के लिए सारे सिद्धांतों मूल्यों की बलि चढ़ा दी जाती है और वहां पर फिर कहते हैं कि नहीं एनडीए मजबूत होता दिख रहा है एनडीए बिखरता दिख रहा है या इसके विपरीत होता दिख रहा है ये तो जनता पर छोड़ दीजिए क्योंकि जनता के अंदर भी चूंकि ये जो बिहार है ना जिस मोक्षदायिनी गंगा के किनारे खड़े हैं और सामने जेपी सेतु वो जयप्रकाश जिसने सत्ता को कभी चिमटे से भी नहीं छुआ बदलाव का वो बाहक रहे थे वो जयप्रकाश की भूमिका ये बिहार यहाँ की जनता पॉलिटिकली बड़ी कंसस है, पॉलिटिकली बड़ी कॉन्शियस है अभिषेक क्या है, है। नीतीश कुमार ने और समाजवादी विचारधारा के पुरोधा होने के नाते अब यहाँ पर प्रोफेसर संजय कुमार भी ये सवाल उठा रहे हैं समाजवादी विचारधारा को कलंकित कर दिया क्या ये आरोप रामविलास पासवान गुट जो है एलजेपी का उनके मुख्य प्रवक्ता लगा रहे हैं देखिए ये सारे आरोप निराधार हैं समाजवाद की विचारधारा को किन्ों बुलंद किया है ये सब ने देखा है जेपी लोहिया कर्पूरी की विचारधारा पर कौन सी पार्टी चलती है यह भी हर कोई जानता है अपने परिवार के सदस्यों को आगे नहीं बढ़ाया है यह भी हर कोई जानते हैं जो भी पार्टियां हम पर आरोप लगाती है जरा उनसे एक बार पूछ लीजिए कि उनके यहाँ परिवारवाद और वंशवाद कितना हावी जेडीयू अब झगड़ा अब तो चल, तो मतलब तो 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 चल रहा था नहीं मुद्दा वो नहीं है सोलह हमारे सांसद कर आए हैं तो सोलह तो हमारा स्वाभाविक दावा है ही सत्रह सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ी थी लेकिन हमेशा हमारी पार्टी ने कहा है कि बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बिहार के लोगों की भलाई के लिए हमेशा हम बड़ा दिल दिखाते हैं विधानसभा चुनाव तो अब जल्द नहीं होंगे ना ये विधानसभा चुनाव कब होंगे यह तो आपके सामने है फिलहाल तो मैं ये थोड़ा बता दूं मेरी जानकारी दुरुस्त कर देना मैं थोड़ा अज्ञानी किस्म का आदमी हूँ <laughs> वो लालू प्रसाद यादव से भी यही बात हो रही थी कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव साथ होने चाहिए बीजेपी के साथ भी ये बात हुई तो बात वहां बनी क्या ऐसी कोई बात नहीं है संदीप जी ऐसी कोई बात नहीं है फिर वही बात है कि सूत्रों के हवाले से आपके साथ नहीं। के हवाले से नहीं, पेट में थोड़ा दर्द नीतीश कुमार भी भी था कि अरे भाई मेरे पास 45 विधायक हैं वो बीजेपी भी मुझे आईना दिखा देती है आरजेडी भी दिखा रही है अब मुझे 45 की पैंसठ सत्तर करनी है तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ करवा दिए जाए नीतीश कुमार जी के पेट में दर्द भी नहीं होता है मन में डर नहीं होता है क्योंकि दो लाइने हैं कि जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता और हम वहाँ भी कदम रखते हैं जहाँ रास्ता नहीं होता और नीतीश जी तो रास्ता बनाते हैं और उस रास्ते पर बिहार आगे चलता है। बिल्कुल सरकार बदल जाती है मुख्यमंत्री नहीं बदल हमने तो कहा ना कि हमारा स्टैंड कहाँ बदला है नीतीश कुमार जी सुबह के मुख्यमंत्री थे हैं और आगे भी रहेंगे मृत्युंजय तिवारी जी सीटों के बंटवारे में थोड़ा पेंच था ना ये सत्रह सत्रह वाला खेल देखिए जो सम्मान आदरण नीतीश कुमार जी को हमारे नेता डिप्टी सीएम श्री श्री पूर्व डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने दिया वो लोगों ने देखा गांधी मैदान में जब नियुक्ति पत्र बट रहे थे तो नियुक्ति लेने वाले लोगों को खड़े करके माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए तालियां बजवाई थी इश्तेहार आज सारे अखबार पटे पड़े थे इश्तेहारों के कि मानो सारा काम तेजस्वी कर रहे थे नीतीश ने कोई काम ही नहीं किया तो हम तो कह रहे हैं कि तराजू में तौल लीजिए ना भाई क्यों नहीं नियुक्ति दिया 17 सत, में मंत्री तो नीतीश कुमार ही थे हम क्या कह रहे हैं हमारे पास विभाग था जो जो विभाग आरजेडी कोटे में था चाहे पर्यटन का हो स्वास्थ्य का हो शिक्षा का हो जो जो हुआ काम आप देख लीजिए तुलना कर लीजिए ना ये हम एक-एक चीज का हिसाब जनता के बीच जाकर के देंगे और जनता पाई पाई का हिसाब लेगी हमें संयमित रूप से सकारात्मक राजनीति में विश्वास हमारे नेता रखते हैं और जनता के प्रति जो भरोसा और विश्वास तेजस्वी यादव जी ने इस कम उम्र में जीता है वो और बढ़ेगा आगे आगे देखिए होता है कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है देखिए ये सब तो शीर्ष नेतृत्व का विषय है जब सीटों का बंटवारा होगा पहले भी हम लोग महा कब होगा शुभ मुहूर्त कब निकालने वाले बहुत जल्द हो जाएगा पहले इन सारी चीजों नीतीश चले गए ममता बनर्जी कह रही है मैं अकेला लड़ूंगी भगवंत मान कह रहे हैं आम आदमी पार्टी तेरह की तेरह लड़ेगी पंजाब में तो वो इंडिया गठबंधन बचा भी है देखिए गठबंधन दलों का होगा जनता सबसे बड़ी ताकत होती है लोकतंत्र में और जनता ने मोदी जी के खिलाफ अपना गठबंधन कर लिया है कि केंद्र की सत्ता से मोदी के मोदी के सामने कौन इंडिया की तरफ भाई ये तो विषय बाद में हम अब ये हर चीज बाद में हमारे पास इतने विकल्प हैं हम सामूहिकता में विश्वास करते हैं वहाँ वन मैन सामूहिकता दिख रही है हाँ तो दिख रही है ना कि किस तरह से जोड़ तोड़ अब भगवान राम भी जब बेड़ा पार लगाने में अब विश्वास नहीं रहा तो अब ये सब कर रहे हैं ऐसी सत्ता को हम चिमटे से भी नहीं छूना पसंद करेंगे ये अटल जी ने कभी कहा था उस समय हम स्टूडेंट थे जीतन थे, थे, थे। राम मान जी तक को प्रस्ताव देते घूम गए हम थान कौन कह रहा है अगर होना होता और कुछ करना होता तो आज ये सरकार शपथ नहीं ले पाती है जान लीजिए या इसी सत्ता को नरेंद्र मुन्ना अभी थोड़ा सा असमंजस है आप इंडिया में भी आ सकते हैं क्या तेजस्वी के साथ भी हाथ मिला सकते हैं इंडिया से देखिए संदीप जी एन तो निकल गया ना जो न्यू रखा था उसका नीतीश कुमार कैपिटल एन पूरे सूत्रधार ये लोग कहते थे उससे इंडिया से तो एन बाहर हो चुका है अब इंडिया में बचा कौन है कौन वहाँ आना चाहेगा हम लोग बिल्कुल आदरणीय नहीं है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश को आगे लेकर के जाना चाहते हैं और वैसे भी हमारे नेता चिराग पासवान जी आप ही लोगों ने उनका उपनाम हनुमान के रूप में दिया है हाँ। हम कभी भी एनडीए से बाहर भी गए किसकी लंका में आग लगाने वाले इन लोगों की लंका में आग लगाएंगे अच्छा नीतीश कुमार भी तो विभूषण है वो लंका से आए है ना मुझे पता नहीं उन पर आग? मुझे कोई नहीं कहा ना ये जवाब दे सकते जी विभीषण विभीषण को कोई अगर उस रूप में नहीं लेना विभीषण अगर नहीं आते तो रावण की नाभि का पता कौन बताता तो तो नीतीश कुमार जी वहाँ जाके उनके नाभि का सब पता उता कर लिए हैं अब बड़ा कह रहे थे कि चाचा को बहुत इज्जत दिए दो फीता दो कैची लेके घूमते थे कुछ चीज का उद्घाटन होता था तो दो फीता दो कैंची कैची लेकर घूमेगी एनडीए एनडीए में कितनी कैंची नहीं के के पाठक जी के इंजेक्शन का दर्द ऐसा कि इनके शिक्षा मंत्री तो यहाँ पर कैची तक बात आ गई है गंगा मैया के किनारे हम खड़े हैं पाटली पुत्र में तो बिहार में खेला तो हो गया लेकिन खेले का अंतिम अध्याय यानी कि वो मुकम्मल हो गया है क्या ये अभी देखने वाली बात है 2024 तक के लिए ये गठबंधन है आगे चलेगा क्या कोई सिंपथी फैक्टर होगा या केमिस्ट्री काम करेगी मोदी और नीतीश कुमार की एनडीए का बंटाधार हो गया है या उसे और ताकत आने वाले दिनों में मिल सकती है कि भाई जो लोग विभीषण साबित हुए अब वो हट गए हैं या टाइम इज रनिंग आउट नमस्कार मैं हूं संदीप चौधरी आज सीधा सवाल मैं सीधे पटना बिहार की राजधानी पटना से कर रहा हूं पाटली पुत्र से गंगा किनारे हूं मैं यहां मेरे बाई और गंगा नदी बह रही है यह सोनपुर का पुल है मरीन ड्राइव कहते हैं इसे दीघा घाट है लेकिन बिहार में क्यों हूं यह आप जानते ही हैं बिहार में सरकार बदल गई है मुख्यमंत्री वही है ये अपने आप में एक बड़ी कहानी कहता है नौवीं बार नीतीश कुमार ने बतौर मुख्यमंत्री आज शपथ ली उनके अलावा आठ और विधायकों ने मंत्री पद की भी शपथ ली उसमें दो उप मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ हो लिए हैं वो बीजेपी जिन्हें वो सांप्रदायिक बताते थे सौहार्द बिगाड़ रही है देश को तोड़ रही है और इसीलिए इंडिया गठबंधन के रचयिता भी बन गए थे कि बीजेपी को बहुमत नहीं लाने देंगे 200 सीट नहीं लाने देंगे 100 का आंकड़ा पार नहीं करने देंगे लेकिन अब वो बीजेपी के खेवनहार की भूमिका में भी साफ आते दिखाई दे रहे हैं तो ये जो नई सरकार है दरअसल क्या नए राजनीतिक समीकरणों की ओर भी इशारा कर रही है अब राजनीतिक समीकरण क्या है नीतीश कुमार एनडीए में आने से एक अरिथमेटिक होता है और एक केमिस्ट्री अंक गणित और रसायन शास्त्र यह हमने देखा है 2019 के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू साथ आते हैं तो कमाल का राजनीतिक खेल भी होता है 40 में से उनतालीस सीटें बीजेपी और जेडीयू जीतने में कामयाब हो गई थी एनडीए जीतने में कामयाब हो गया था तो 400 पार अब की बार 400 पार इस बात की ताल ठोकने वाली बीजेपी उन्हें दरअसल नीतीश कुमार जिनको वो पलटू राम मौका परस नंजाने किन किन संज्ञाओं से नवाजते थे और कहते थे कि दरवाजे बंद अब कोई रास्ता नहीं कि नीतीश वापस आ जाएं उनके लिए कालीन बिछा दिया बीजेपी ने क्या लड़ाई ये 2024 की कि भाई इंडिया का जो गणित बन रहा है वो बिहार में नुकसान ना पहुंचा दे तो नीतीश कुमार को अगर हम ले आते हैं तो इंडिया धाराशाही हो जाएगा और नीतीश कुमार ये जानते बूझते कि 45 विधायक हैं और बीजेपी के रहमो कर्म पर अब आगे का राजनीतिक जीवन बिताना पड़ेगा उन्होंने ये इतना बड़ा दाव क्यों खेला है वो अपना रसूख अपनी वकत और राजनीतिक गणित में इजाफा करना चाहते हैं क्या कि बीजेपी के साथ रहेंगे सांसद सत्रह में से सोलह जीते थे और पैतालीस की जगह और बढ़ जाएगा विधानसभा चुनाव आते आते आंकड़ा पर यहां पर सवाल ये भी है ये सरकार कितने दिन चलेगी क्या ये तात्कालिक लाभ के लिए यह गठबंधन बना है और लोकसभा चुनाव के बाद खेल फिर शुरू हो जाएगा क्या तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि अभी खेला होना बाकी है 2024 के अंत तक जेडीयू खत्म हो जाएगी तो अस्तित्व पर जुआ खेल दिया है क्या नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी एक वक्त पर और नीतीश कुमार के भी उपाध्यक्ष बना दिया था उन्होंने जेडीयू का प्रशांत किशोर को लोकसभा चुनाव खत्म होने दीजिए छह महीने में यह सरकार गिर जाएगी तो क्या पच्चीस तक यह सरकार पाती है लेकिन उससे बड़ा सवाल इंडिया के खांचे में ढांचे में ऐसी सेंधमारी कर दी कि ताश के पत्तों की तरह यह गठबंधन बिखर जाएगा टूट जाएगा इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि जेडीयू और उनके मुख्य जो प्रवक्ता हैं केसी त्यागी वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की नीतियों के चलते और उसके कुछ ऐसे बर्ताव के चलते कि सीटों तो का बंटवारा नहीं कर रहे संयोजक नहीं बनाया ये खैर केसी त्यागी ने नहीं कहा इंडिया बिखर रहा था कांग्रेस की कारगुजारियां थी तो हमारे पास और कोई विकल्प नहीं बचा उधर कांग्रेस कह रही है मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं हमें पहले ही अंदेशा था नीतीश बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं उन्हें संयोजक कैसे बना देते इशारों इशारों में ये बात वो भी कह गए जयराम रमेश कहते हैं कि गिरगिट को भी बदनाम कर रहे हैं नीतीश कुमार इतना रंग बदल रहे हैं पलटेश कुमार कह रहे हैं तेज प्रताप यादव तेजस्वी के बड़े भाई तो ये जो खेल हो रहा है चौबीस के लिए क्या बीजेपी को फायदा देगा या बीजेपी तो मजबूत है अपनी जगह पर जेडीयू कमजोर कड़ी भी साबित होगी या छोंक लगाने का काम करेगी और नैया पार करा देगी इस गंगा मैया में नैया पार हो जाएगी क्या एनडीए की इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं ऐसे में आज का सीधा सवाल फिर नीतीश कुमार 25 तक चलेगी सरकार ये पहला सवाल और बिखर गया इंडिया 24 में होगा खेला तो 25 की भी बात कर रहा हूं और 24 की भी और चर्चा में मेरे साथ जेडीयू के युवा चेहरा हैं उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अभिषेक झा और देखिए क्या सही वक्त पर एंट्री की है मृत्युंजय तिवारी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरजेडी के तो अभी तो साथ थे आज थोड़ा साथ और खड़े हो जाइए फिर साथ हो जाएंगे फिर साथ हो जाएंगे अभी तो खैर टूट तो तो हो गई है जब खत्म हो जाती है है उस उस पर उस पर मैं आता हूं अभी शाम सुंदर शरण हमारे साथ हम और ये हम साथ हो गया है जेडीयू के बिखरते भी रहते हैं टूटते भी रहते हैं और जुड़ते भी रहते हैं आइए मुन्ना साहब भी आ गए देखिए सब वक्त पर पहुंच गए हैं धीरेन्द्र कुमार मुन्ना एलजेपी जे रामविलास पासवान गुट के प्रवक्ता और दो खास मेहमान बिहार की नब्स टटोलते आए हैं दशकों से वरिष्ठ पत्रकार हैं कन्हैया बेलारी और प्रोफेसर संजय कुमार जाने माने राजनीतिक विश्लेषक भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं तो तीन दिन से हमें टहला रहे थे अभिषेक कि अरे अफवाहों का बाजार गर्म है पत्रकार अपने मन की बातें कह रहे हैं जो हमने कहा वही सही हुआ नहीं हमने ऐसा नहीं कहा कि पत्रकार अपने मन की बात कह रहे हैं आपका काम था कयास लगाना सूत्रों के हिसाब से खबरें चलाना और आप हमसे उस पर स्पष्टीकरण मांगते थे आप पूछते थे हमसे कि कल क्या होगा संदीप जी वो कल आज हो चुका है और ये आज आपके सामने है जो भी घटनाक्रम है वो आपके सामने है आज एक नई सरकार का गठन हुआ है बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है और कारण विस्तार से हमने भी हमारी पार्टी ने सबने बताया है क्या कारण मैं अभी तक समझ नहीं पाया देखिए बहुत सारे ऐसे कारण नीतीश कुमार जी ने कभी दबाव की राजनीति नहीं की है और नीतीश दबाव बना रहा भाई हमारे जो सो कॉल सहयोगी दल थे उनकी तरफ से हमेशा एक अनावश्यक अनाधिकृत दबाव दबाव किन चीजों का राजनीतिक रूप से बहुत सारे अनैतिक काम करने का जो लोग जिन पर आरोप हैं जमीन के बदले नौकरी का वो नौकरियां देकर कर दो हजार आठ नौ का मामला पंद्रह साल से आपकी जानकारी थी यकायक यादाश्त में ताजी हो गई ऐसा नहीं होता है है संदीप जी मसला ये है कि बहुत सारे मामले हैं जो साबित हैं और बहुत सारे मामले हैं जो अंडर ट्रायल है उस पर हमें नहीं जाना दूध में मक्खी है फिर भी दूध पी रहे थे वैसा नहीं है देखिए हम उनसे हम हर किसी से ये उम्मीद करते हैं कि आपकी राजनीतिक सुचिता बनी रहे पहली बात तो वो है दूसरा है कि आपने लगातार देखा है कि किस तरह से इनकी पार्टी के नेताओं ने हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियां की चाहे वो सुधाकर सिंह जी हो इनके एमएलसी सुनील सिंह हो उनके कई विधायक हो इनके बीजेपी वालों ने क्या कुछ किया जिनके साथ गलबैया कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री अब बन गए हैं सम्राट चौधरी सर पर पगड़ी बांधते हैं और कहते फिरते थे पगड़ी नहीं उतारूंगा जब तक गद्दी से नीतीश कुमार को नहीं उतार दूंगा अब गाड़ी में आगे बैठे हुए थे सम्राट चौधरी आज वो गाड़ी में तस्वीरें देखी होंगी ना पीछे बैठे हुए हैं नीतीश कुमार देखिये लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी होती है और जब हम विपक्ष अभिव्यक्ति की आजादी और यहाँ पर कुटारा राजनीतिक सुचिता और मर्यादा आप इस बात को समझिए ना सम्राट चौधरी जी ने बताया कब पगड़ी उतारेंगे नहीं उतारेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कभी भी जब हमारे खिलाफ भी कहा तो राजनीतिक मर्यादा का का ख्याल अच्छा मर्यादाओं में थे वो भाई आप उनके बयानों खुद कर सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल के नेता जिस तरह से लगातार बोल रहे थे वो भी आपके सामने है। तो ये सारे मसले हमेशा तो आरजेडी से दिक्कत थी आपके मुख्य प्रवक्ता और सलाहकार भी हैं नीतीश कुमार के सी त्यागी कहते हैं ये कांग्रेस ने बंटाधार कर दिया कांग्रेस सीट शेयरिंग नहीं कर रही कांग्रेस अपने दम गुरूर में थी इंडिया बिखर गया सारी चीजें वास्तविकता है संदीप जी आपने यहाँ के परिपेक्ष में पूछा तो अभी हम अपने पुराने साथी के विषय में बता रहे थे कांग्रेस पार्टी का जो हाल है वो आपके सामने ही है ना कुछ कदम चलने को ये तैयार नहीं है किस गुरूर में है आपको दिख रहा है इंडिया अलायंस का निर्माण अगर किसी ने भूमिका निभाई दो हजार बाईस में जब आपने सरकार बनाई इंडिया गठबंधन था अभिषेक नहीं महागठबंधन का एक स्वरूप बिहार में था नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन नहीं था ना इंडिया में दरार है सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा उसको बहाना बना रहे हैं 2022 में आरजेडी के साथ आपने समझौता किया तब इंडिया गठबंधन थोड़ा संदीप जी बहाना नहीं है ये वास्तविकता से इतर हम कोई बात नहीं कर रहे हैं आप बताइए कि इंडिया अलायंस जो अब जो बचा नहीं है इंडिया अलायंस अगर है भी तो किन प्रदेशों में सीटों का बंटवारा हो चुका है आदरणीय लालू जी क्या बयान देते हैं कि अभी कौन सी हरबड़ी है कि सीटों का बंटवारा जल्दी हो जाए तो ये समझिए आप कि वहां नॉन सीजेपी के साथ हो सीटे सीटों का बंटवारा भी धीरे धीरे तेजी तेजी चीजें हो चुकी हैं संदीप जी हम आपके सामने रखेंगे धीरे धीरे थोड़ा एहतियात मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि हमें पहले ही मालूम था नीतीश कुमार विभीषण की भूमिका में आए हुए हैं और इसीलिए जो मांग रहे थे नहीं दिया गया देखिए आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तो खुद रबर स्टाम्प अध्यक्ष है ना okay. वो खुद कह रहे हो तब तो एक बात होती है अगर उनके अंदर राजनीतिक रीढ़ की हड्डी होती पूरे कांग्रेस पार्टी के अंदर तो शायद इतना बुरा हश्र नहीं होता कि जहां जहां राहुल गांधी जी पग रख रहे हैं वहां वहां उनके अलायंस के साथ ही छूटते चले जा रहे हैं किस तरह की तस्वीरें आपकी प्लानिंग चल रही थी क्या इंडिया का आइडिया देंगे फिर इंडिया को ही धाराशाही कर देंगे कि हम कभी भी करते हैं तो ईमानदार प्रयास करते हैं और नीतीश कुमार जी ने हमेशा ईमानदार प्रयास किया और एक बात को समझिए हमारी कोई वैमनस्ता ना 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 आरजेडी के 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 साथ है न, के साथ न, बीजेपी के साथ रहे रहे है कांग्रेस बीजेपी रही विपक्ष बीजेपी तो सांप्रदायिक पार्टी है ना देश को तोड़ रही है धर्म के आधार पर बांट रही है जातिगत जनगणना करवा नहीं रही है आरक्षण विरोधी है ये मेरे बयान नहीं ये सारे नीतीश कुमार आज भी हमारी प्राथमिक में है कि देश के स्तर पर जाती है जय श्री राम के नारे लग रहे थे प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नीतीश कुमार नहीं गए अब जय श्री राम करेंगे नीतीश कुमार होता है की राम भगवान में हमारी आस्था है की नहीं है जय श्री राम के नारे लगाएंगे आप राम बोलते थे जय सिया राम बोलते हैं जय सिया राम और श्री राम में फर्क है अरे हम बिहार वासी है हम मिथिला वासी है हम राम से पहले सीता माता का नाम लेते हैं बिना सीता माता का नाम लिए हम राम भगवान राम करेगी और बीजेपी जय श्री राम अलग अलग आइडियोलॉजी सांप्रदायिक नहीं होंगी और बीजेपी पार्टी न सांप्रदायिक थी ना हम इसमें विश्वास रखते हैं हम आज भी जातीय जनगणना के पक्ष में हैं हम कमिटमेंट के लिए जाने जाते हैं जनता के साथ पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं जनता के साथ जो हमारा कमिटमेंट है चाहे सात निश्चय पार्ट वन के रूप में जो जनता को डिलीवर हो चुका या सात निश्चय पार्ट टू के रूप में जिसपे काम चल रहा है बड़ा जुआ खेल दिया नीतीश कुमार ने चौबीस की लड़ाई है बीजेपी को वो सो, चार सो तो ताल थोकने के लिए अच्छा लगता है तीन सौ कैसे ना कैसे लेकर आनी है लगा कि ये इंडिया गठबंधन दिक्कत कर देगा आपके लिए दरवाजा की इंडिया गठबंधन तो है ही और नहीं इसके बाद यूज एंड थ्रो ना हो जाए आपका ऐसा नहीं होता है अगर यूज एंड थ्रो था तो बहुत सारी स्क्रिप्ट आपने देखी थी संदीप मुख्यमंत्री नहीं रह सकते हैं नीतीश कुमार जी आज आपके सामने क्या है मैं आज की बात कर रहा हूँ चौधरी उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं सुशील मोदी नहीं आपके ये ये भारतीय जनता पार्टी का अपना आंतरिक फैसला है इसमें हमारा हमारा कोई दबाव नहीं हो सकता है हम दूसरे दलों पर दबाव देने वाले दल नहीं है हर एक दल स्वतंत्र रूप से काम करता है अपने हिसाब से काम करता है ये उनकी कार्यशैली में शामिल तेजस्वी कह रहे हैं, तक जे डी यू खत्म हो जाएगी आपके उपाध्यक्ष रहे बड़े करीबी रहे नीतीश कुमार के प्रशांत किशोर कह रहे हैं ये सिर्फ चुनाव चुनाव तक का गठबंधन है ये खत्म हो जाएगा में क्या होता है जनता तय करती है पहली बात हम घमंड में नहीं आत्मगौरव में बोलते हैं और प्रशांत किशोर जी की कोई राजनीतिक प्रासंगिकता नहीं है और तेजस्वी यादव जी बयान दे रहे हैं तो उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे देखिए पूरे राष्ट्रीय जनता दल के लोग अभी साथी भी यहाँ चुके सत्ता विलाप आपको दिखेगा सत्ता से बाहर जाने की तीस सत्ता विलाप हो तो रहा है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे हालत ये हो गई आरजेडी की इतने देर के प्रवचन में हमारे छोटे भाई ये बता ही नहीं पाए जनता को कि हमने साथ क्यों छोड़ा हमें फक्र है गर्व है कि हम पंद्रह महीने सरकार में रहे तो वो विश्व कीर्तिमान तेजस्वी यादव जी ने बना दिया जो ना कोई भुला सकता ना कोई मिटा सकता दो लाख बीस हजार सत्तर दिनों में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया कभी कोई बांटा था। मुख्यमंत्री तो नीतीश थे ना हम क्या कह रहे हैं यही आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे ना 2020 में जब तेजस्वी यादव जी ने यह वादा किया था दस लाख नौकरी का तो आदरण नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था ये कहां से लाएगा पैसा कैसे देगा नौकरी नौकरी तो पहले भी लालू प्रसाद यादव ने दी पर लैंड फॉर जॉब स्कैम कर दिया कि नौकरी तो दे देंगे ये चक ये, ये इतने कट्ठे मेरे नाम लिखवा संदीप जी ये विरोधियों को जेडीयू को चाहे आज लाख कोई बहाना हो अपना नया ठिकाना ढूंढने का लेकिन जनता इनको पहचानती है और हम तो कह रहे हैं कि अब आदरणीय नीतीश कुमार जी की राजनीतिक पूंजी नहीं बची है नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार संभालेंगे 24 के चुनाव का अब क्या हाल रह गया 24 के चुनाव में जनता मालिक है अयोध्या में भगवान राम लला प्रकट हुए भगवान राम लला पर भी इनको भरोसा नहीं हुआ ये लोकतंत्र का अयोध्या है बिहार लोकतंत्र की जननी और यहाँ ये इंडिया की क्या गत हो गई अब इंडिया में क्या गत होगी इंडिया तो पूरी तरह से मजबूत है इंटैक्ट है इंडिया गठबंधन बना ही बड़े उतरिया जा रहे हैं तेजस्वी देखिए सब लोग राजनीतिक दल अपना अपना कार्यक्रम चला रहे हैं ये तो प्रॉब्लम है यही तो नीतीश कुमार कह रहे थे कि अपनी, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग अपनी, अपनी अपनी, डफली अपना राग का सवाल नहीं है अभी तो आपने देखा किस तरह से वहाँ चिराग पासवान जी को मनाया गया किस तरह से आदरणीय मैं अभी पूछूंगा मुन्ना से मैं पूछूंगा मान गए हैं क्या जनता का विश्वास अगर किसी भी व्यक्ति का किसी भी दल का विश्वसनीयता ही समाप्त हो गई तो उनकी राजनीति समाप्त होगी और हमारे नेता ने आज ऐलान किया है तेजस्वी यादव जी ने तेजस्वी यादव जी ने कहा है खेल अभी शुरू हुआ है क्या है वो खेल थोड़ा समझाइए ना खेल अभी बाकी है खेल क्या खेल बाकी है? खेल का अंत तेजस्वी यादव जी करेंगे जेडीयू 24 में समाप्त हो जाएगी अब इसका नौबत ही नहीं आएगी जेडीयू दो फाड़ होने वाली है जीतन हो? राम माझी को भी मुख्यमंत्री का न्योता दे दिया की प्रस्ताव दे दिया पर्दे के अंदर रहने दो हो रही है अब देखिए ना आगे आगे होता है क्या तो आज खुशी का दिन है आज अभिषेक जी को शुभकामना है बीजेपी को शुभकामना है सभी एन गठबंधन जिन्होंने सरकार बनाई है खूब शुभकामना है लेकिन कल से इनको जनता के सवालों के बौछारों का सामना करना होगा कि जो तेजस्वी यादव जी ने इतने दिनों तक सत्रह वर्षों से एनडीए का शासन है बिहार में और हमारे सत्रह महीनों का शासन काल तराजू पर रखकर कोई तौल ले वो भारी पड़ गया जंगल राज के नाम पर बदनाम था आपका राज ये ये, गरीब, ये गरीबों का राज मजदूरों किसानों नौजवानों का ये तो रोजगार पुरुष के रूप में तेजस्वी यादव जी याद किए जाएंगे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा इनको जो इन्होंने किया है उसका बदला जनता सूद और ब्याज के साथ पाई पाई लेगा पहले तो ईडी की कार्रवाई से ही निपटना होगा 9 फरवरी को राउस एवेन्यू के सामने पेश होना होगा हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी श्री तेजस्वी यादव जी ने संघर्षों के गर्व में ही राजनीति की है और वहीं से पले बढ़े हैं चारा घोटाला भी किया हमने तो कहा ना कि जिसको जो कहना है कह दे अभी तक अब वो सब बातें अगर खुलेगी परत दर परत तो उसके लिए बहुत समय देना होगा खेला होना बाकी शुभकामनाएं भी दे रहे हैं धीरेन्द्र आपको मृत्युंजय तिवारी खुश है या ना खुश है चेहरा उतरा हुआ है आपका क्यों बिल्कुल नहीं उतरा हुआ है मैं खुश हूँ क्योंकि बिहार को एक नई सरकार मिली है काम करने वाली डबल इंजन की सरकार मिली है बिहारवासियों को मैं शुभकामना देता हूं मुख्यमंत्री जी को शुभकामना देता हूं पूरे मंत्री परिषद को मैं शुभकामना देता हूं मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दे रहे हैं आपके मुख्य प्रवक्ता हैं के वाजपेयी कल मेरे ही कार्यक्रम पर बोले कि समाजवादी विचारधारा और विरासत को कलंकित किया है नीतीश कुमार ने आज चिराग पासवान ने कहा कि हमारे नीतिगत विरोध हैं मतभेद हैं नीतीश कुमार के साथ देखिए हम लोग पहले बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं बिहार को उस भी फर्स्ट सिटीजन बन गए हैं नीतीश कुमार जहाँ पर अगर हम क्यों बन गए हैं अगर ये मृत्युंजय तिवारी जी अगर वहाँ से अलग नहीं होते अगर आदरणीय नीतीश कुमार जी को ये ट्रबल में नहीं डालते तो आज हमारी क्या जरूरत पड़ती इन लोगों ने ट्रबल में डाला है तो क्या मैं बिहार के लोगों को बिहार के दो तो हजार में तो आप अलग लड़े थे ना तब तो एनडीए के हिस्सा भी नहीं रहे थे तो सरकार बनी थी तो अब आप एनडीए का हिस्सा हैं रहेंगे बिल्कुल है। आपका तो एक विधायक था वो भी चला गया बिल्कुल वो एक विधायक भी था चला गया था लेकिन बिहार के लोग हमारे नेता के साथ है आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ है और हम बिल्कुल अभी एनडीए के हिस्सा हैं और आगे भी रहे 24 की लड़ाई के लिए ये पूरी तैयारी तयार, तैयारी है ये कवायद हुई है ये टूट फूट पलटना टकना ये सब हुआ छह सीट आपको दे देंगे दो दिन से अटके हुए हैं चिराग पासवान खूंटा गाड़ कर बैठे हुए थे दिल्ली में कि पटना तभी जाऊंगा पहले इस बात का जवाब दीजिए मिल गया जवाब संदीप जी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमारे हितों की रक्षा की जाएगी और मुझे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर पूर्ण विश्वास है और अगर इन लोगों की ये जो आज बिहार आपके जो हित हैं उसको आसान कर देते हैं ना 2019 में 17 बीजेपी लड़ी 17 जेडीयू लड़ी और छ आपके बांटे आई तो इस बार सत्रह बीजेपी तो सत्रह जेडीयू को भी देनी पड़ेंगी उस छः में आप भी हैं हम भी हैं उपेंद्र कुशवाहा भी हैं पारस बाबू भी हैं चाचा भतीजे वाला खेल भी होगा ये छे में कितने समाएंगे चालीस से ऊपर सीटें तो नहीं है ना ये बात पर्दा पर करें क्या <laughs> पर्दे ये... की बा... ये पर्दे की बात कार्यक्रम का नाम सीधा सवाल है सीधा सीधा सवाल सवाल है है लेकिन कहने को टेढ़े भी होते हैं नहीं नहीं बिल्कुल आपके सवाल बिल्कुल सीधे होते हैं सुनने में लोगों को टेढ़े लगते हैं लेकिन संदीप जी मैं बताता हूँ कि हम लोग बहुत ही मजबूती से और संतुष्टि से आगे बढ़ रहे हैं और सुबह में समा जाएंगे सब अब और छो का नंबर हमको नहीं पता है आप समा जाएंगे श्याम बाबू मतलब सुमन साहब तो बन गए मंत्री उसी से काम चल जाएगा देखिए हम लोगों का जो मिशन है वो सुमन बाबू के मंत्री बनने और नहीं बनने का नहीं है अगर वो होता तो जितन राम मांझी मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ते वो होता तो सुमन जी मंत्री का पद नहीं छोड़ते तो जीतन राम मांझी जी का या हमारी पार्टी का जो मिशन बिहार है और बिहार के हित में हम लोगों ने जब प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लिया तो पूरे बिहार को वो आशीर्वाद आज हम लोगों ने ए, तो आपका मिशन मिशन बिहार है नीतीश कुमार को तो पलटू राम कहते ही है दुनिया जीतन राम मांझी भी कहीं कम नहीं है ने, ने, कभी नीतीश के साथ कभी एनडीए के साथ कभी एनडीए से बाहर कितनी बार पारी है? और पाला बदल चुके हैं वो आधा मिनट हम बोल लेंगे तब तो बात निकल जाएगी इस बार पलटू नहीं हुआ इस बार सलटू होगा और जो पलटू राम कहे ना उनको हम लोग सल्टू राम बना देंगे और कैसे 2024 में और 25 में सलट देंगे जो भ्रष्टाचार के आका को अपना पुरोधा मानते हैं ना समाजवाद कर्पूरी ठाकुर और जेपी और लोहिया सब को बेचने वाले ही लोग अपने बेटे के लिए दंडवत हुए हैं नीतीश कुमार के यहाँ कौन नहीं जानता कि जाकर माफ़ी वाफ़ी सब मांगी है बेटी का पोस्ट डिलीट करा रहे हैं तो कुछ करा रहे हैं उससे माफ़ी मंगवा रहे हैं राहुल गांधी से बात करवा रहे हैं उधर दौड़ रहे हैं उधर भाग रहे हैं सत्ता के लिए कौन चारों तरफ जब चारों खाने चित हो गया तब हमारे नेता को आया कि आपको हम मुख्यमंत्री बनाते हैं बाघ का कंगन लेकर के घूम रहे थे शिकारी नहीं आपने भी कहानी सुनी होगी तो राष्ट्रीय जनता दल के पॉलिटिकल कल्चर को हम सब लोग जानते हैं तो रावण की लंका में आग लगाने के लिए हम लोगों ने वहाँ विभीषण कौन है लिया है अच्छा विभीषण को निकाल लिया विभीषण है बिल्कुल, बिल्कुल। नीतीश कुमार विभीषण आए तो विभीषण नहीं आते क्या विभीषण है ना नीतीश कुमार विभीषण आते कि नहीं नीतीश कुमार विभीषण तौर पर उस रावण की लंका में विभीषण है आपने सलट शब्द अभी इस्तेमाल किया वो दिमाग भी सलट गया है बहुत सारे सवाल उठाए थे जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को लेकर उसके लिए देखिए कृष्ण की परंपरा को हम लोग कायम रखे हुए हैं कृष्ण ने कई बार रण भी छोड़ा किसने रन छोड़ नाम भी स्वीकार किया किसने हर बार अपने प्रण को भी आहूत किया कई बार उन्होंने देखा अपने भक्त के प्रण को रखने के लिए भीष्म के प्रण को रखने के लिए महाभारत में हथियार भी उठाए तो आप जब जनहित में तो महाभारत में आप कौरव हैं कि पांडव हैं नहीं नहीं हम तो राम के हनुमान हैं और उस कहिए कि भगवान राम नहीं थे ना मैं महाभारत का सवाल पूछ रहा हूँ तो महाभारत हो रहा है मा... तो महाभारत में आप कौरव की भूमिका में है पांडव की बिहार की महाभारत में जीतन राम मांझी कृष्ण है ये आ... कोई मुगालते में न रहे आ... आ... अपनी सारी सेना किसी और को सौंपने के बाद भी कैसे पांडव को जिताया जाता है ये जीतन राम मांझी जानते हैं और ये जो भ्रष्टाचार के आका जो अपने आप को बिहार के राजा मानते हैं और ये कह रहे थे कि संघर्ष से आए हैं अब तेजस्वी यादव का कौन सा संघर्ष है कि कह रहे थे तराजू से तौलिए तौलिए अगर 30 किलो वजन तेजस्वी यादव का नहीं बढ़ा होगा तो फिर आप हमको जो कहिए वजन बढ़ने की बात हो रही है वो तो शारीरिक वजन की बात हो गई यहाँ राजनीतिक वजन किसका बढ़ता दिखाई दे रहा है आज जो ये गंगा किनारे पाटलीपुत्र के नाम से मशहूर इलाका वो पलटीपुत्र जैसे संदेशे भी आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे इस राजनीतिक खेला जो हुआ है ये अब किस और जाता दिख रहा है जो कुछ भी हुआ है संदीप भाई मैं यही कहूंगा कि नीतीश कुमार जीत करके भी हार गए और तेजस्वी यादव हार कर भी जीत गया ये लड़ाई में हारा नहीं है ये जो दार्शनिक सी बात कर रहे हैं राजनीति आजकल दर्शन शास्त्र को नहीं मानती है हम तो पत्रकार हैं ना और मुझे फक्र है पूरा फक्र है कि आज भी बिहार ट्रेंड कर रहा है ऑफ कोर्स फॉर ट्रेंड तो बिहार कर रहा है ना और पहली बार नहीं मैंने एक तरह से पहली बार हुआ मुझे पता चला कि कर्पूरी के शिष्य लोहिया के शिष्य जयप्रकाश के शिष्य इतना बड़ा पलटी इतनी बार पल्टी मारते हैं यही उन्होंने सीखा है यह पहली बार हमने जाना और हम लोग अपने बच्चों को जब नीतीश कुमार का बायोग्राफी पढ़ाएंगे ऑटोबायोग्राफी नहीं वो तो लिखेंगे नहीं तो इसमें यही पढ़ाएंगे कि बिहार के एक मुख्यमंत्री थे जिनका नाम नीतीश कुमार था वो जब मन तिधर चल जाते थे पोखरा के जाट बने हुए थे उन्हीं के इर्द-गिर्द जो है घूमते थे पर इसमें फायदा किसको होता दिखेगा तात्कालिक और दीर्घकालिक शॉर्ट टर्म फायदा किसको होता दिख रहा है बीजेपी 400 की ताल ठोक रही थी पर जरूरत पड़ गई ना नीतीश की तो उनके भी पेट में कहीं दर्द था आशंकाएं थी कहीं ना कहीं तो वो आशंकाएं अब दूर हो जाएंगी अरिथमेटिक और केमिस्ट्री नीतीश और मोदी की यानी कि बीजेपी जेडीयू की बी जे नैया पार लगाएगी आप हमको ये बताइए कि ये पहले भी बीजेपी के लोग कहते थे कि हम 40 जीत रहे हैं अब कह रहे हैं कि 40 जीतेंगे तो पहले मैंने नहीं 40 जीत रहे थे तब ना आप कह रहे हैं कि 40 जीतेंगे आप बताइए अर्थबेटिक जो है और केमिस्ट्री की जो बात करते हैं मुझे जो लगता है कि अभी जो लड़ाई है बराबरी बराबरी की है अभी भी बराबरी बराबरी की लड़ाई है और हमें मतलब आप कह रहे हैं बीजेपी तो कुछ इलाकों में अपनी मजबूती बनाए हुए थी उसको जरूरत पड़ती थी पिछड़े अति पिछड़े वोट बैंक की क्योंकि अगड़ा उनके साथ था नीतीश को साथ लाने के बाद वो इजाफा नहीं होगा जितनी उनकी आशंकाएं थी कि भाई कहीं हम 20 से नीचे भी ना चले जाएं उसमें इजाफा नहीं होगा मुझे लगता है कि लोगों के बीच में तौर से युवा के बीच में ये एक सिंपैथी इवन इमोंग द अपर कास्ट पीपल उसको लगता है मोह लगता है ना होला कि बताइए इसका क्या दोष था क्या मैंने क्या ऐसा किया नीतीश कुमार जो कहते हैं कि कुछ गड़बड़ होता रहा, क्या गड़बड़ था जिस मंच पर आप रहते थे जिसके अध्यक्षता आप करते थे बतौर मुख्यमंत्री रहते थे और ये लड़का रहता था बोलते थे कि पाँच का पहले कुछ होता था जी क्या होता था जी ए, कुछ होता था अब वो वहाँ सुन रहा है उसके सामने आप बोल रहे हैं फिर भी वो कुछ नहीं बोला है उसके मंत्री को को बिहार का भविष्य भी बताया बताया और में की मुख्यमंत्री अपना उत्तराधिकारी राजद कोटे के मंत्री को आप सार्वजनिक तौर पर कहते हैं ये नैतिकता की बात हो गई कृष्णा बेलारी मैं सीधा राजनीतिक विशुद्ध राजनीतिक सवाल पूछ रहा हूं चौबीस के चुनाव में फायदा हो जाएगा एनडीए को और इंडिया की गत बुरी हो जाएगी रचयता ही हट गए इंडिया से तो इसमें नैरेटिव क्या जाता है आम आदमी के सामने संदेश क्या जाता अब जो लोग भी समझते थे उनको कि प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट हैं तो वो तो खूंटा ऊँटा लेकर के भाग गए अब क्या प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे और वो जो समझ सोच वो अब देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि लड़ाई जो है वो बराबर बराबर ये सिर्फ चौबीस के चुनाव तक का गठबंधन है उसके बाद बिखर जाएगा चौबीस के चुनाव के बाद अगर मान लीजिए कि लोग कहेंगे कि आप मुख्यमंत्री पद के छोड़ छोड़िए तो फट देने फान के उधर चले जाएंगे और फिर सरकार बना लेंगे और राजद भी बना देगी और फिर उसमें भी जब डिप्टी सी हो जाएंगे वो तो ये अंतहीन धारावाहिक की तरह हो जाएगा लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने जो ये दाव खेला है देखिए मौका परस्ती की जब बात होती है तो नीतीश कुमार का नाम सबसे पहले आ रहा है राजद ने भी भाई लोगों ने 2020 में जो जनादेश दिया था वो बीजेपी और जेडीयू की सरकार को दिया था आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी भले ही क्यों ना हो लेकिन उसे जनादेश बिहार पर राज करने का नहीं मिला था तो 2022 में उन्होंने नीतीश के साथ हाथ मिलाया मौका परस्ती उन्होंने की उन्होंने भी की तो हमाम में तो सभी नंगे हैं पर बीजेपी ने भी ये मौका परस्ती की है ये तात्कालिक लाभ के लिए यह गठबंधन बना है क्या प्रोफेसर संजय, चूंकि आप पाटलिपुत्र की धरती पर हैं मैं पहले तो आपको स्वागत करता हूं एक पंक्ति से मैं अपनी बात को शुरू करता हूं विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही धरापर धूम भिक्षु होकर रहते सम्राट दया दिखलाते घर घर घूम विरासत में जिनको राज्य मिलता था गौतम बुद्ध हो या महावीर हों उन्होंने राज्य को छोड़ा और ज्ञान को उन्होंने प्रमुखता दी यहाँ लोकतंत्र में जनता ताकत देती है जो सवाल आपके हैं जनता आपको मैंडेट देती है और आप जनता के मैंडेट की अवहेलना करते हैं मैंडेट किसी और के साथ मिलता है सरकार किसी और के घर तो वापसी हो गई मैं इसको इस रूप में नहीं मानता हूं मैं मानता हूं कि सिद्धांतों की बलि चढ़ा दी जाती है तर्क ढूंढ दिए जाते हैं अभी कन्हैया भाई से मैं पूछ रहा था कि यह बताइए कि पार्टी के जो नेता हैं उनको इतना आत्मविश्वास कहां से आता है कि गठबंधन बदलते ही शब्द बदल जाते हैं उनके भाव बदल जाते हैं उनके विचार बदल जाते हैं सब कुछ अच्छा लगने लगता है और जब वो गठबंधन से दूर चले जाते हैं तो सब कुछ बुरा कैसे लगने लगता है तो मैं मानता हूं कि सत्ता के समीकरण को साधने के लिए सिद्धांतों नीति और मूल्यों की बलि चढ़ा दी जाती है मैं मैं तो आपसे डिस्कस कर रहा था कि जहां तिरानवे लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे है वो कौन से बिहार की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि जो 18 साल उन्नीसवा साल लग गया नीतीश कुमार सरकार में रहे उसमें लगभग साढ़े सोलह सत्रह साल तो बीजेपी उनके सहयोगी थी तो जब आरजेडी के साथ आए तो जंगल राज आ गया बीजेपी के साथ चल रहे नीतीश कुमार तो कोई जंगल राज नहीं वो सुशासन बाबू हो जाते हैं तो क्या बीजेपी जो कार्यकर्ता है जो यहां के नेता हैं, भाई तैयारियां हो रही थी ना 2024 के चुनाव की लोगों को लगा दिया गया अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में तीस बत्तीस बीजेपी खुद लड़ती बिल्कुल तो बाकी लोग अब कहा जाएंगे क्या अंदर खाने कुछ नाराजगी है या दिल्ली में बैठे जो हम नेशनल मीडिया वाले हैं कि जी ये तो खेला हो गया और बम और एनडीए की नैया पार लग गई भाई कभी ऐसा होता था कि कांग्रेस के समय में एक आला कमान का फरमान जारी होता था कि केंद्रीय नेतृत्व तय कर देता था आला कमान ने आदेश दे दिया चीजें उसी के अनुसार हो जाती है बीजेपी भी अब उसी सिद्धांत पर चलती है कि केंद्रीय नेतृत्व और उसके एक बड़े लंबरदार अमित शाह जी यही झंझारपुर में आकर के बोले थे कि दरवाज़ा बंद है और कल मैं एक बड़े बीजेपी के नेता को सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि दरवाज़ा तो छोड़ दीजिए दीवारें तक टूट जाती है उन्होंने वर्लिन तक चले गए कि जब जर्मनी की दीवार टूट सकती है तो ये कौन सी दीवार है तो सत्ता का समीकरण जहाँ सूट करता है और चालीस लोकसभा की सीटें चालीस लोकसभा की सीटों को साधने के लिए सारे सिद्धांतों मूल्यों की बलि चढ़ा दी जाती है और वहाँ पर फिर कहते हैं कि नहीं एनडीए मजबूत होता दिख रहा है एन बिखरता दिख रहा है या इसके विपरीत होता दिख रहा है ये तो जनता पर छोड़ दीजिए क्योंकि जनता के अंदर भी क्योंकि ये जो बिहार है ना जिस मोक्षदायिनी गंगा के किनारे खड़े हैं और सामने जेपी सेतु वो जयप्रकाश जिसने सत्ता को कभी चिमटे से भी नहीं छुआ बदलाव का वह बाहक रहे थे वो जयप्रकाश की भूमि का ये बिहार यहाँ की जनता पॉलिटिकली बड़ी कंसस है और बड़ी है। अभिषेक क्या है कि ये जुआ भी खेला है नीतीश कुमार ने और समाजवादी विचारधारा के पुरोधा होने के नाते अब यहाँ पर प्रोफेसर संजय कुमार भी ये सवाल उठा रहे हैं समाजवादी विचारधारा को कलंकित कर दिया क्या ये आरोप रामविलास पासवान गुट जो है एलजेपी का उनके मुख्य प्रवक्ता लगा रही है देखिए ये सारे आरोप निराधार हैं समाजवाद की विचारधारा को किन्ने बुलंद किया है ये सब ने देखा है जेपी लोहिया करपुरी की विचारधारा पर कौन सी पार्टी चलती है यह भी हर कोई जानता है अपने परिवार के सदस्यों को आगे नहीं बढ़ाया है यह भी हर कोई जानते हैं जो भी पार्टियां हम पर आरोप लगाती है जरा उनसे एक बार पूछ लीजिए कि उनके यहाँ परिवारवाद और वंशवाद कितना हावी है जेडीयू अब अब कितनी सीटों पर लड़ेगी देखिए ये तो आने वाले भविष्य में आपको मालूम चल जाएगा समन्वय तो बन ही गया है सत्रह मतलब सत्रह तो होनी चाहिए ना सत्रह तो आर के साथ भी उस बात पर भी झगड़ा चल रहा था नहीं मुद्दा वो नहीं है सोलह हमारे सांसद जीत कर आए हैं तो सोलह तो हमारा स्वाभाविक दावा है ही सत्रह सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ी थी लेकिन हमेशा हमारी पार्टी ने कहा है कि बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बिहार के लोगों की भलाई के लिए हमेशा हम बड़ा दिल दिखाते हैं विधानसभा चुनाव तो अब जल्द नहीं होंगे ना विधानसभा चुनाव कब होंगे यह तो आपके सामने है फिलहाल मैं ये थोड़ा बता दूं मेरी जानकारी दुरुस्त कर देना मैं थोड़ा अज्ञानी किस्म का आदमी हूँ <laughs> वो लालू प्रसाद यादव से भी यही बात हो रही थी कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव साथ होने चाहिए बीजेपी के साथ भी ये बात हुई तो बात वहां बनी क्या ऐसी कोई बात नहीं है संदीप जी ऐसी कोई बात नहीं है फिर वही बात है कि सूत्रों के हवाले से आपके साथ सूत्रों के हवाले से नहीं पेट में थोड़ा दर्द नीतीश कुमार के ये भी था कि अरे भाई मेरे पास 45 विधायक हैं वो बीजेपी भी मुझे आईना दिखा देती है आरजेडी भी दिखा रही है अब मुझे 45 की पैंसठ सत्तर करनी है तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ करवा दिए जाए ये नीतीश कुमार जी के पेट में दर्द भी नहीं होता है मन में डर नहीं होता है क्योंकि दो लाइने हैं कि जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता और हम वहाँ भी कदम रखते हैं जहाँ रास्ता नहीं होता और नीतीश जी तो रास्ता बनाते हैं और उस रास्ते पर बिहार आगे चलता है बिल्कुल सरकार बदल जाती है मुख्यमंत्री नहीं बदला हमने तो, तो कहा ना कि हमारा स्टैंड कहाँ बदला है नीतीश कुमार जी सूबे के मुख्यमंत्री थे हैं और आगे भी रहेंगे मृतंजय तिवारी जी के बंटवारे में थोड़ा पेंच था ना ये सत्रह सत्रह वाला खेल देखिए जो सम्मान आदरण नीतीश कुमार जी को हमारे नेता डिप्टी सीएम श्री पूर्व डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने दिया वो लोगों ने देखा गांधी मैदान में जब नियुक्ति पत्र बट रहे थे तो नियुक्ति लेने वाले लोगों को खड़े करके माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए तालियां बजवाई थी इश्तिहार आज सारे अखबार पटे पड़े थे इश्तिहारों के कि मानो सारा काम तेजस्वी कर रहे थे नीतीश ने कोई काम ही नहीं किया तो हम तो कह रहे हैं कि तराजू में तौल लीजिए ना भाई क्यों नहीं नियुक्ति दिया 17 सत, में मंत्री तो नीतीश कुमार ही थे हम क्या कह रहे हैं हमारे पास विभाग था जो जो विभाग आरजेडी कोटे में था चाहे पर्यटन का हो स्वास्थ्य का हो शिक्षा का हो जो जो हुआ काम आप देख लीजिए तुलना कर लीजिए ना ये हम एक-एक चीज का हिसाब जनता के बीच जाकर के देंगे और जनता पाई पाई का हिसाब लेगी हमें संयमित रूप से सकारात्मक राजनीति में विश्वास हमारे नेता रखते हैं और जनता के प्रति जो भरोसा और विश्वास तेजस्वी यादव जी ने इस कम उम्र में जीता है वो और बढ़ेगा आगे आगे देखिए होता है कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है देखिए ये सब तो शीर्ष नेतृत्व का विषय है जब सीटों का बंटवारा होगा पहले भी हम लोग महागठ कब होगा शुभ मुहूर्त कब निकालने वाले हैं तो बहुत जल्द हो जाएगा पहले इन सारी चीजों नीतीश चले गए ममता बनर्जी कह रही है मैं अकेला लड़ूंगी भगवंत मान कह रहे हैं आम आदमी पार्टी तेरह की तेरह लड़ेगी पंजाब में तो वो इंडिया गठबंधन बचा भी है देखिए गठबंधन दलों का होगा जनता सबसे बड़ी ताकत होती है लोकतंत्र में और जनता ने मोदी जी के खिलाफ अपना गठबंधन कर लिया है कि केंद्र की सत्ता से मोदी के मोदी के सामने कौन इंडिया की तरफ भाई ये तो विषय बाद में हम अब ये हर चीज बाद में हमारे पास इतने विकल्प हैं हम सामूहिकता में विश्वास करते हैं वहाँ वन मैन सा, सामूहिकता दिख रही है हाँ तो दिख रही है ना कि किस तरह से जोड़ तोड़ भगवान राम भी जब बेड़ा पार लगाने में अब विश्वास नहीं रहा तो अब ये सब कर रहे हैं ऐसी सत्ता को हम चिमटे से भी नहीं छूना पसंद करेंगे ये अटल जी ने कभी कहा था उस समय हम स्टूडेंट थे, जीतन थे। राम मान जी तक को प्रस्ताव देते भाई रहे हम कौन कह रहा है तो अगर होना होता और कुछ करना होता तो आज ये सरकार शपथ नहीं ले पाती है जान लीजिए या इसी सत्ता को नरेंद्र मुन्ना अभी थोड़ा सा असमंजस है आप इंडिया में भी आ सकते हैं क्या तेजस्वी के साथ भी हाथ मिला सकते हैं इंडिया से देखिए संदीप जी एन तो निकल गया ना जो न्यू रखा था उसका नीतीश कुमार कैपिटल एन पूरे सूत्रधार ये लोग कहते थे उससे इंडिया से तो एन बाहर हो चुका है अब इंडिया में बचा कौन है कौन वहाँ आना चाहेगा हम लोग बिल्कुल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में को आगे लेकर के जाना चाहते हैं और वैसे भी हमारे नेता चिराग पासवान जी आप ही लोगों ने उनका उपनाम हनुमान के रूप में दिया है हाँ। हम कभी भी NDA से बाहर भी गए एस किसकी लंका में आग लगाने वाले इन लोगों की लंका में आग लगाएंगे अच्छा नीतीश कुमार भी तो विभूषण है वो लंका से आए है ना मुझे पता नहीं उन पर आग? मुझे कोई नहीं कहा ना ये जवाब दे सकते जी ऐसा सब विभीषण विभीषण को कोई अगर उस रूप में नहीं लेना विभीषण अगर नहीं आते तो रावण की नाभि का पता कौन बताता तो तो नीतीश कुमार जी वहाँ जाके उनके नाभि का सब पता उता कर लिए हैं अब बड़ा कह रहे थे कि चाचा को बहुत इज्जत दिए दो फीता दो कैची लेके घूमते थे कुछ चीज का उद्घाटन होता था तो दो फीता दो कैची कैंची लेकर घूमेगी एनडीए एनडीए में कितनी कैंची ले नहीं के के पाठक जी के इंजेक्शन का दर्द ऐसा की इनके शिक्षा मंत्री तो यहाँ पर कैची तक बात आ गई है गंगा मैया के किनारे हम खड़े हैं पाटली पुत्र में तो बिहार में खेला तो हो गया लेकिन खेले का अंतिम अध्याय यानी कि वो मुकम्मल हो गया है क्या ये अभी देखने वाली बात है 2024 तक के लिए ये गठबंधन है आगे चलेगा क्या कोई सिंपती फैक्टर होगा या अरिथमेटिक केमिस्ट्री काम करेगी मोदी और नीतीश कुमार की एनडीए का बंटाधार हो गया है या उसे और ताकत आने वाले दिनों में मिल सकती है कि भाई जो लोग विभीषण साबित हुए अब वो हट गए हैं या टाइम इज रनिंग आउट नमस्कार मैं हूं संदीप चौधरी आज सीधा सवाल मैं सीधे पटना बिहार की राजधानी पटना से कर रहा हूं पाटली पुत्र से गंगा किनारे हूं मैं यहां मेरे बाई और गंगा नदी बह रही है यह सोनपुर का पुल है मरीन ड्राइव कहते हैं इसे दीघा घाट है लेकिन बिहार में क्यों हूं यह आप जानते ही हैं बिहार में सरकार बदल गई है मुख्यमंत्री वही है ये अपने आप में एक बड़ी कहानी कहता है नौवीं बार नीतीश कुमार ने बतौर मुख्यमंत्री आज शपथ ली उनके अलावा आठ और विधायकों ने मंत्री पद की भी शपथ ली उसमें दो उप मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ हो लिए हैं वो बीजेपी जिन्हें वो सांप्रदायिक बताते थे सौहार्द बिगाड़ रही है देश को तोड़ रही है और इसीलिए इंडिया गठबंधन के रचयिता भी बन गए थे कि बीजेपी को बहुमत नहीं लाने देंगे 200 सीट नहीं लाने देंगे 100 का आंकड़ा पार नहीं करने देंगे लेकिन अब वो बीजेपी के खेवनहार की भूमिका में भी साफ आते दिखाई दे रहे हैं तो ये जो नई सरकार है दरअसल क्या नए राजनीतिक समीकरणों की ओर भी इशारा कर रही है अब राजनीतिक समीकरण क्या है नीतीश कुमार एनडीए में आने से एक अरिथमेटिक होता है और एक केमिस्ट्री अंक गणित और रसायन शास्त्र यह हमने देखा है 2019 के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू साथ आते हैं तो कमाल का राजनीतिक खेल भी होता है चालीस में से उनतालीस सीटें बीजेपी और जेडीयू जीतने में कामयाब हो गई थी एनडीए जीतने में कामयाब हो गया था तो 400 पार अब की बार 400 पार इस बात की ताल ठोकने वाली बीजेपी उन्हें दरअसल नीतीश कुमार जिनको वो पलटू राम मौका परस नंजाने किन किन संज्ञाओं से नवाजते थे और कहते थे कि दरवाजे बंद अब कोई रास्ता नहीं कि नीतीश वापस आ जाएं उनके लिए कालीन बिछा दिया बीजेपी ने क्या लड़ाई है 2024 की कि भाई इंडिया का जो गणित बन रहा है वो बिहार में नुकसान ना पहुंचा दे तो नीतीश कुमार को अगर हम ले आते हैं तो इंडिया धाराशाही हो जाएगा और नीतीश कुमार ये जानते बूझते कि 45 विधायक हैं और बीजेपी के रहमो कर्म पर अब आगे का राजनीतिक जीवन बिताना पड़ेगा उन्होंने ये इतना बड़ा दाव क्यों खेला है वो अपना रसूख अपनी वकत और राजनीतिक गणित में इजाफा करना चाहते हैं क्या कि बीजेपी के साथ रहेंगे सांसद सत्रह में से सोलह जीते थे और पैतालीस की जगह और बढ़ जाएगा विधानसभा चुनाव आते आते आंकड़ा पर यहां पर सवाल ये भी है ये सरकार कितने दिन चलेगी क्या ये तात्कालिक लाभ के लिए यह गठबंधन बना है और लोकसभा चुनाव के बाद खेल फिर शुरू हो जाएगा क्या तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि अभी खेला होना बाकी है 2024 के अंत तक जेडीयू खत्म हो जाएगी तो अस्तित्व पर जुआ खेल दिया है क्या नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी एक वक्त पर और नीतीश कुमार के भी उपाध्यक्ष बना दिया था उन्होंने जेडीयू का प्रशांत किशोर को प्रशांत किशोर कह रहे हैं लोकसभा चुनाव खत्म होने दीजिए छह महीने में यह सरकार गिर जाएगी तो क्या पच्चीस तक यह सरकार टिक पाती है लेकिन उससे बड़ा सवाल इंडिया के खांचे में ढांचे में ऐसी सैनमारी कर दी कि ताश के पत्तों की तरह अब यह गठबंधन बिखर जाएगा टूट जाएगा इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि जेडीयू और उनके मुख्य जो प्रवक्ता हैं केसी त्यागी वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की नीतियों के चलते और उसके कुछ ऐसे बर्ताव के चलते कि सीटों तो का बंटवारा नहीं कर रहे संयोजक नहीं बनाया ये खैर केसी त्यागी ने नहीं कहा इंडिया बिखर रहा था कांग्रेस की कारगुजारियां थी तो हमारे पास और कोई विकल्प नहीं बचा उधर कांग्रेस कह रही है मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं हमें पहले ही अंदेशा था नीतीश बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं उन्हें संयोजक कैसे बना देते इशारों इशारों में ये बात वो भी कह गए जयराम रमेश कहते हैं कि गिरगिट को भी बदनाम कर रहे हैं नीतीश कुमार इतना रंग बदल रहे हैं पलटेश कुमार कह रहे हैं तेज प्रताप यादव तेजस्वी के बड़े भाई तो ये जो खेल हो रहा है चौबीस के लिए क्या बीजेपी को फायदा देगा या बीजेपी तो मजबूत है अपनी जगह पर जेडीयू कमजोर कड़ी भी साबित होगी या छोंक लगाने का काम करेगी और नैया पार करा देगी इस गंगा मैया में नैया पार हो जाएगी क्या एनडीए की इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं ऐसे में आज का सीधा सवाल फिर नीतीश कुमार 25 तक चलेगी सरकार ये पहला सवाल और बिखर गया इंडिया 24 में होगा खेला तो 25 की भी बात कर रहा हूं और 24 की भी और चर्चा में मेरे साथ जेडीयू के युवा चेहरा हैं उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अभिषेक झा और देखिए क्या सही वक्त पर एंट्री की है मृत्युंजय तिवारी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरजेडी के तो अभी तो साथ थे आज थोड़ा साथ और खड़े हो जाइए फिर साथ हो जाएंगे फिर साथ हो जाएंगे अभी तो खैर टूट हो गई है जब खत्म हो जाती है है उस उस पर उस पर मैं आता हूं अभी शाम सुंदर हमारे साथ हम और ये हम साथ हो गया है जेडीयू के बिखरते भी रहते हैं टूटते भी रहते हैं और जुड़ते भी रहते हैं आइए मुन्ना साहब भी आ गए देखिए सब वक्त पर पहुंच गए हैं धीरेन्द्र कुमार मुन्ना एलजेपी रामविलास पासवान गुट के प्रवक्ता और दो खास मेहमान बिहार की नब्स टोलते आए हैं दशकों से वरिष्ठ पत्रकार हैं कन्हैया बेलारी और प्रोफेसर संजय कुमार जाने माने राजनीतिक विश्लेषक भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं तो तीन दिन से हमें टहला रहे थे अभिषेक कि अरे अफवाहों का बाजार गर्म है पत्रकार अपने मन की बातें कह रहे हैं जो हमने कहा वही सही हुआ नहीं हमने ऐसा नहीं कहा कि पत्रकार अपने मन की बात कह रहे हैं आपका काम था कयास लगाना सूत्रों के हिसाब से खबरें चलाना और आप हमसे उस पर स्पष्टीकरण मांगते थे आप पूछते थे हमसे कि कल क्या होगा संदीप जी वो कल आज हो चुका है और ये आज आपके सामने है जो भी घटनाक्रम है वो आपके सामने है आज एक नई सरकार का गठन हुआ है बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है और कारण विस्तार से हमने भी हमारी पार्टी ने सबने बताया है क्या कारण मैं अभी तक समझ नहीं पाया देखिए बहुत सारे ऐसे कारण नीतीश कुमार जी ने कभी दबाव की राजनीति नहीं की है और नीतीश दबाव बना रहा था हमारे जो सो कॉल सहयोगी दल थे उनकी तरफ से हमेशा एक अनावश्यक अनाधिकृत दबाव दबाव किन चीजों का राजनीतिक रूप से बहुत सारे अनैतिक काम करने का जो लोग जिन पर आरोप है जमीन के बदले नौकरी का वो नौकरियां देकर ये 2008-9 का मामला 15 साल से आपकी जानकारी थी यकायक यादाश्त में ताजी हो गई ऐसा नहीं होता है संदीप जी मसला ये है कि बहुत सारे मामले हैं जो साबित हैं और बहुत सारे मामले हैं जो अंडर ट्रायल है उस पर हमें नहीं जाना दूध में मक्खी है फिर भी दूध पी रहे थे वैसा नहीं है देखिये हम इनसे हम हर किसी से उम्मीद करते हैं कि आपकी राजनीतिक बनी रहे पहली बात तो वो है दूसरा है दूसरा कि आपने लगातार देखा है कि किस तरह से इनकी पार्टी के नेताओं ने हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियां की चाहे वो सुधाकर सिंह जी हो इनके एमएलसी सुनील सिंह कई विधायक हो इनके बीजेपी वालों ने क्या कुछ किया जिनके साथ गलबैया कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री अब बन गए हैं सम्राट चौधरी सर पर पगड़ी बांधते हैं और कहते फिरते थे पगड़ी नहीं उतारूंगा जब तक गद्दी से नीतीश कुमार को नहीं उतार दूंगा अब गाड़ी में आगे बैठे हुए थे सम्राट चौधरी आज वो गाड़ी में तस्वीरें देखी होंगी ना पीछे बैठे हुए हैं नीतीश कुमार देखिये लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी होती है और जब हम विपक्ष में अभिव्यक्ति की आजादी और यहाँ पर कुटारा राजनीतिक सुचिता और मर्यादा आप इस बात को समझिए ना सम्राट चौधरी जी ने बताया कब पगड़ी उतारेंगे नहीं उतारेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कभी भी जब हमारे खिलाफ भी कहा तो राजनीतिक मर्यादा का ख्याल रखा अच्छा मर्यादाओं में थे वो भाई आप उनके बयानों का आकलन खुद कर सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल के नेता जिस तरह से लगातार बोल रहे थे वो भी आपके सामने है। तो ये सारे मसले हमेशा तो आरजेडी से दिक्कत थी आपके मुख्य प्रवक्ता और सलाहकार भी हैं नीतीश कुमार के सी त्यागी कहते हैं ये कांग्रेस ने बंटाधार कर दिया कांग्रेस सीट शेयरिंग नहीं कर रही कांग्रेस अपने दम गुरूर में थी इंडिया बिखर गया सारी चीजें वास्तविकता है संदीप जी आपने यहाँ के परिपेक्ष में पूछा तो अभी हम अपने पुराने साथी के विषय में बता रहे थे कांग्रेस पार्टी का जो हाल है वो आपके सामने ही है ना कुछ कदम चलने को ये तैयार नहीं है किस गुरूर में है आपको दिख रहा है इंडिया अलायंस का निर्माण अगर किसी ने भूमिका निभा दो हजार बाईस में जब आपने सरकार बनाई इंडिया गठबंधन था अभिषेक नहीं महागठबंधन का एक स्वरूप बिहार में था नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन नहीं था ना इंडिया में दरार है सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा उसको बहाना बना रहे हैं 2022 में आरजेडी के साथ आपने समझौता किया तब इंडिया गठबंधन थोड़ा संदीप जी बहाना नहीं है ये वास्तविकता से इतर हम कोई बात नहीं कर रहे हैं आप बताइए कि इंडिया अलायंस जो जो कि अब बचा नहीं है इंडिया अलायंस अगर है भी

और इसीलिए जो मांग रहे थे नहीं दिया गया। देखिए आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तो खुद रबर स्टाम्प अध्यक्ष है ना okay. वो खुद कह रहे हो तब तो एक बात होती है अगर उनके अंदर राजनीतिक रीढ़ की हड्डी होती पूरे कांग्रेस पार्टी के अंदर तो शायद इतना बुरा हसर नहीं होता कि जहां जहां राहुल गांधी जी पग रख रहे हैं वहां वहां उनके अलायंस के साथ ही छूटते चले जा रहे हैं किस तरह की तस्वीरें क्या इंडिया का आइडिया देंगे फिर इंडिया को ही धाराशाही कर देंगे हम कभी भी करते हैं तो ईमानदार प्रयास करते हैं और नीतीश कुमार जी ने हमेशा ईमानदार प्रयास किया और एक बात को समझिए हमारी कोई वेमनस्ता ना आरजेडी के साथ है ना कांग्रेस के साथ ना बीजेपी के साथ रही है विपक्ष बीजेपी तो सांप्रदायिक पार्टी है ना देश को तोड़ रही है धर्म के आधार पर बांट रही है जातिगत जनगणना करवा नहीं रही है आरक्षण विरोधी है ये मेरे बयान नहीं ये सारे नीतीश कुमार के बयान आज भी हमारी प्राथमिकता में है की जनगणना के जाती राम के नारे लग रहे थे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नीतीश कुमार नहीं गए जय श्री राम करेंगे नीतीश कुमार होता है की राम भगवान में हमारी आस्था है की नहीं है जय श्री राम के नारे लगाएंगे आप राम बोलते थे जय जयसिया राम बोलते हैं जयसिया राम और श्री राम में फर्क है अरे हम बिहार वासी हैं हम मिथिलावासी हैं हम राम से पहले सीता माता का नाम लेते हैं बिना सीता माता का नाम लिए हम राम भगवान का नाम नहीं लेते हैं। तो इसमें आपत्ति क्या है तो राम रामलला का मंदिर है ना तो हम जय राम बोलते हैं तो क्या दिक्कत है राम रामलला के मंदिर में सीता माता तो का अब जय जय करेगी और बीजेपी श्री राम अलग अलग आइडियोलॉजी सांप्रदायिक नहीं होंगी और बीजेपी पार्टी न सांप्रदायिक थी ना हम इसमें विश्वास रखते हैं हम आज भी जातीय जनगणना के पक्ष में हैं हम कमिटमेंट के लिए जाने जाते हैं जनता के साथ पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं

मुख्यमंत्री नहीं रह सकते हैं नीतीश कुमार जी आज आपके सामने क्या है मैं आज की बात कर रहा हूँ चौधरी उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं सुशील मोदी नहीं आपके ये ये भारतीय जनता पार्टी का अपना आंतरिक फैसला है इसमें हमारा हमारा कोई दबाव नहीं हो सकता है हम दूसरे दलों पर दबाव देने वाले दल नहीं है हर एक दल स्वतंत्र रूप से काम करता है अपने हिसाब से काम करता है ये उनकी कार्यशैली में शामिल तेजस्वी कह रहे हैं चौबीस तक जे खत्म हो जाएगी आपके उपाध्यक्ष रहे बड़े करीबी रहे नीतीश कुमार के प्रशांत किशोर कह रहे हैं ये सिर्फ चुनाव चुनाव तक का गठबंधन है ये खत्म हो जाएगा में क्या होता है जनता तय करती है पहली बात हम घमंड में नहीं आत्मगौरव में बोलते हैं और प्रशांत किशोर जी की कोई राजनीतिक प्रासंगिकता नहीं है और तेजस्वी यादव जी बयान दे रहे हैं तो उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे देखिए पूरे राष्ट्रीय जनता दल के लोग अभी साथी भी यहाँ चुके सत्ता विलाप आपको दिखेगा सत्ता से बाहर जाने की तीस सत्ता विलाप हो रहा है किसियानी बिल्ली खंभा नोचे हालत ये हो गई आरजेडी की इतने देर के प्रवचन में हमारे छोटे भाई ये बता ही नहीं पाए जनता को कि हमने साथ क्यों छोड़ा हमें फक्र है गर्व है कि हम पंद्रह महीने सरकार में रहे तो वो विश्व कीर्तिमान तेजस्वी यादव जी ने बना दिया जो ना कोई भुला सकता ना कोई मिटा सकता दो लाख बीस हजार सत्तर दिनों में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया कभी कोई बांटा था। मुख्यमंत्री तो नीतीश थे ना हम क्या कह रहे हैं यही आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे ना 2020 में जब तेजस्वी यादव जी ने यह वादा किया था 10 लाख नौकरी का तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था ये कहां से लाएगा पैसा कैसे देगा नौकरी नौकरी तो पहले भी लालू प्रसाद यादव ने दी पर लैंड फॉर जॉब कर दिया कि नौकरी तो दे देंगे ये चक ये ये चक इतने मेरे नाम संदीप विरोधियों को जेडीयू को चाहे आज लाख कोई बहाना हो अपना नया ठिकाना ढूंढने का लेकिन जनता इनको पहचानती है और हम तो कह रहे हैं कि अब आदरणीय नीतीश कुमार जी की राजनीतिक पूंजी नहीं बची है नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार संभालेंगे 24 के चुनाव का अब क्या हाल रह गया 24 के चुनाव में जनता मालिक है अयोध्या में भगवान राम लला प्रकट हुए भगवान राम लला पर भी इनको भरोसा नहीं हुआ ये लोकतंत्र का अयोध्या है बिहार लोकतंत्र की जननी। और यहाँ ये इंडिया की क्या गत हो गई अब इंडिया में क्या गत होगी इंडिया तो पूरी तरह से मजबूत है इंटैक्ट है इंडिया गठबंधन बना ही बड़े उत्तरिया जा रहे हैं तेजस्वी देखिए सब लोग राजनीतिक दल अपना अपना कार्यक्रम चला रहे हैं ये तो प्रॉब्लम है यही तो नीतीश कुमार कह रहे थे कि अपनी, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग अपनी, अपनी अपनी, डफली अपना राग का सवाल नहीं है अभी तो आपने देखा किस तरह से वहाँ चिराग पासवान जी को मनाया गया किस तरह से आदरणीय मांझी तो मैं अभी पूछूंगा मुन्ना से मैं पूछूंगा मान गए हैं क्या जनता का विश्वास अगर किसी भी व्यक्ति का किसी भी दल का विश्वसनीयता ही समाप्त हो गई तो उनकी राजनीति समाप्त होगी और हमारे नेता ने आज ऐलान किया है तेजस्वी यादव जी ने तेजस्वी यादव जी ने कहा है खेल अभी शुरू हुआ है क्या है वो खेल थोड़ा समझाइए ना खेल अभी बाकी है खेल क्या खेल बाकी है? खेल का अंत तेजस्वी यादव जी करेंगे जेडीयू 24 में समाप्त हो जाएगी अब इसका नौबत ही नहीं आएगी मतलब जेडीयू दो फाड़ होने वाली है जीतन हो? राम माझी को भी मुख्यमंत्री का न्योता दे दिया की प्रस्ताव दे दिया बातें पर्दे के अंदर रहने दीजिए पर्दा दो फाड़ हो रही है अब देखिए ना आगे आगे होता है क्या अब तो आज खुशी का दिन है आज अभिषेक जी को शुभकामना है बीजेपी को शुभकामना है सभी एनडीए गठबंधन जिन्होंने सरकार बनाई है खूब शुभकामना है लेकिन कल से इनको जनता के सवालों के बौछारों का सामना करना होगा कि जो तेजस्वी यादव जी ने इतने दिनों तक सत्रह वर्षों से एनडीए का शासन है बिहार में और हमारे सत्रह महीनों का शासन काल तराजू पर रखकर कोई तौल ले वो भारी पड़ गया जंगल राज के नाम पर बदनाम था आपका राज ये ये, गरीब, ये गरीबों का राज मजदूरों किसानों नौजवानों का ये तो रोजगार पुरुष के रूप में तेजस्वी यादव जी याद किए जाएंगे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा इनको जो इन्होंने किया है उसका बदला जनता सूद और ब्याज के साथ पाई पाई लेगा पहले तो ईडी की कार्रवाई से ही निपटना होगा 9 फरवरी को राउस एवेन्यू के सामने पेश होना होगा हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल हमारे नेता आदरण्य लालू प्रसाद जी श्री तेजस्वी यादव जी ने संघर्षों के गर्व में ही राजनीति की है और वहीं से पले बढ़े हैं चारा घोटाला भी किया हमने तो कहा ना कि जिसको जो कहना है कह दें। अभी तक आदर अब वो सब बातें अगर खुलेगी परत दर परत तो उसके लिए बहुत समय तो देना होगा खेला होना बाकी ये शुभकामनाएं भी दे रहे हैं धीरेन्द्र आपको मृत्युंजय तिवारी खुश है या ना खुश है चेहरा उतरा हुआ है आपका क्यों बिल्कुल नहीं उतरा हुआ है मैं खुश हूँ क्योंकि बिहार को एक नई सरकार मिली है काम करने वाली डबल इंजन की सरकार मिली है बिहार वासियों को मैं शुभकामना देता हूँ मुख्यमंत्री जी को शुभकामना देता हूँ पूरे मंत्री परिषद को मैं शुभकामना देता हूँ मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दे रहे हैं आपके मुख्य प्रवक्ता हैं ए के वाजपेयी कल मेरे ही कार्यक्रम पर बोले कि समाजवादी विचारधारा और विरासत को कलंकित किया है नीतीश कुमार ने आज चिराग पासवान ने कहा कि हमारे नीतिगत विरोध हैं मतभेद हैं नीतीश कुमार के साथ देखिए हम लोग पहले बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं बिहार को उस भी हम... फर्स्ट सिटीजन बन गए हैं नीतीश कुमार जहाँ पर अगर हम क्यों बन गए हैं अगर ये मृत्युंजय तिवारी जी अगर वहाँ से अलग नहीं होते अगर आदरणीय नीतीश कुमार जी को ये ट्रबल में नहीं डालते तो आज हमारी क्या जरूरत पड़ती इन लोगों ने ट्रबल में डाला है तो क्या मैं बिहार के लोगों को बिहार के दो हजार में तो आप अलग लड़े थे ना तब तो एनडीए के हिस्सा भी नहीं रहे थे तो सरकार बनी थी तो अब आप एनडीए का हिस्सा हैं रहेंगे बिल्कुल है। आपका तो एक विधायक था वो भी चला गया बिल्कुल वो एक विधायक भी था था चला गया था। लेकिन बिहार के के लोग हमारे नेता के साथ है आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ है और हम बिल्कुल अभी एनडीए के हिस्सा हैं और आगे भी रहे 24 की लड़ाई के लिए ये पूरी तैयारी तयार, तैयारी है ये कवायद हुई है ये टूट फूट पलटना टकना ये सब हुआ छह सीट आपको दे देंगे दो दिन से अटके हुए हैं चिराग पासवान फूका गाड़ कर बैठे हुए थे दिल्ली में कि पटना तभी जाऊंगा पहले इस बात का जवाब दीजिए मिल गया जवाब संदीप जी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमारे हितों की रक्षा की जाएगी और मुझे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर पूर्ण विश्वास है और अगर इन लोगों के ये जो आज बिहार आपके जो हित हैं उसको आसान कर देते हैं ना 2019 में 17 बीजेपी लड़ी 17 जेडीयू लड़ी और छ आपके बांटे आई तो इस बार बीजेपी तो जेडीयू को भी देनी पड़ेंगी। उस में आप भी हैं हम भी है उपेंद्र कुशवाहा भी हैं पारस बाबू भी हैं चाचा भतीजे वाला खेल भी होगा ये छह में कितने समाएंगे चालीस से ऊपर सीटें तो नहीं है ना ये बात पर्दा पर करें क्या <laughs> पर्दे बात ये की बात कार्यक्रम का नाम सीधा सवाल, है। सीधा सवाल है लेकिन सवाल कहने को सीधा है टेढ़े भी होते हैं नहीं नहीं बिल्कुल आपके सवाल बिल्कुल सीधे होते हैं सुनने में लोगों को टेढ़े लगते हैं लेकिन संदीप जी मैं बताता हूं कि हम लोग बहुत ही मजबूती से और संतुष्टि से आगे बढ़ रहे हैं और सुबह में समा जाएंगे सब अब छह और नौ का नंबर हमको नहीं पता है श्याम बाबू मतलब सुमन साहब तो बन गए मंत्री उसी से काम चल जाएगा देखिए हम लोगों का जो मिशन है वो सुमन बाबू के मंत्री बनने और नहीं बनने का नहीं है अगर वो होता तो जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ते वो होता तो सुमन जी मंत्री का पद नहीं छोड़ते तो जीतन राम मांझी जी का या हमारी पार्टी का जो मिशन बिहार है और बिहार के हित में हम लोगों ने जब प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लिया तो पूरे बिहार को वो आशीर्वाद आज हम लोगों ने ए, तो आपका मिशन मिशन बिहार है नीतीश कुमार को तो पलटू राम कहते ही है दुनिया जीतन राम मांझी भी कहीं कम नहीं है ने, ने, कभी नीतीश के साथ कभी एनडीए के साथ कभी एनडीए से बाहर कितनी बार पारी और पाला बदल चुके हैं आधा मिनट हम बोल लेंगे तब तो बात निकल जाएगी इस बार पलटू नहीं हुआ इस बार सलटू होगा और जो पलटू राम कहें ना उनको हम लोग सल्टू राम बना देंगे और कैसे 2024 में 25 में सलट देंगे जो भ्रष्टाचार के आका को अपना पुरोधा मानते हैं ना समाजवाद कर्पूरी ठाकुर और जेपी और लोहिया सब को बेचने वाले ही लोग अपने बेटे के लिए दंडवत हुए हैं नीतीश कुमार के यहाँ कौन नहीं जानता है कि जाकर माफी वाफी सब मांगी है बेटी का पोस्ट डिलीट करा रहे हैं तो कुछ करा रहे हैं उससे माफ़ी मंगवा रहे हैं राहुल गांधी से बात करवा रहे हैं उधर दौड़ रहे हैं उधर भाग रहे हैं सत्ता के लिए कौन चारों तरफ जब चारों खाने चित हो गया तब हमारे नेता को आया कि आपको अब मुख्यमंत्री बनाते हैं बाघ का कंगन लेकर के घूम रहे थे तो उस शिकारी नहीं आपने भी कहानी सुनी होगी तो राष्ट्रीय जनता दल के पॉलिटिकल कल्चर को हम सब लोग जानते हैं तो रावण की लंका में आग लगाने के लिए हम लोगों ने वहां से विभिन्न कौन है लिया है अच्छा विभीषण को निकाल लिया विभीषण है बिल्कुल नीतीश कुमार विभीषण आए तो विभीषण नहीं आते क्या विभीषण है ना नीतीश कुमार विभीषण आते कि नहीं नीतीश कुमार तौर पर उस रावण की लंका में विभीषण है आपने सलट शब्द भी इस्तेमाल किया वो दिमाग भी सलट गया है बहुत सारे सवाल उठाए थे जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को लेकर उसके लिए देखिये कृष्ण की परंपरा को हम लोग कायम रखे हुए है कृष्ण ने कई बार रन भी छोड़ा किसने रणछोड़ नाम भी स्वीकार किया किसने हर बार अपने प्रण को भी आहूत किया कई बार उन्होंने देखे अपने भक्त के प्रण को रखने के लिए भीष्म के प्रण को रखने के लिए महाभारत में हथियार भी उठाए तो आप जब जनहित में तो महाभारत में आप कौरव हैं कि पांडव हैं नहीं नहीं हम तो राम के हनुमान हैं और उस कहिए कि भारत में भगवान राम नहीं, नहीं थे ना मैं महाभारत का सवाल पूछ रहा हूँ ना आपसे ये तो महाभारत हो रहा है मा... तो महाभारत में आप कौरव की भूमिका में है पांडव की बिहार की महाभारत में जीतन राम मांझी जी कृष्ण है ये वा... कोई मुगालते में न रहे अपनी सारी सेना किसी और को सौंपने के बाद भी कैसे पांडव को जिताया जाता है ये जीतन राम मांझी जानते हैं और ये जो भ्रष्टाचार के आका जो अपने आप को बिहार के राजा मानते हैं और ये कह रहे थे संघर्ष से आए हैं अब तेजस्वी यादव का कौन सा संघर्ष है कि कह रहे थे तराजू से तौलिए तोलिए अगर तीस किलो वजन तेजस्वी यादव का नहीं बढ़ा होगा तब फिर आप हमको जो कहिए वज़न बढ़ने की बात हो रही है वो तो शारीरिक वजन की बात हो गई यहाँ राजनीतिक वजन किसका बढ़ता दिखाई दे रहा है आज जो ये गंगा किनारे पाटली पुत्र के नाम से मशहूर इलाका वो पलटी पुत्र जैसे संदेशे भी आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे इस राजनीतिक खेला जो हुआ है ये अब किस ओर जाता दिख रहा है जो कुछ भी हुआ है संदीप भाई मैं यही कहूंगा कि नीतीश कुमार जीत करके भी हार गए और तेजस्वी यादव हार कर भी जीत गया ये लड़ाई में हारा नहीं है ये जो दार्शनिक सी बात कर रहे हैं राजनीति आजकल दर्शन शास्त्र को नहीं मानती है। हम तो पत्रकार हैं ना और मुझे फक्र है पूरा फक्र है कि आज भी बिहार ट्रेंड कर रहा है कोर्स फॉर रॉन्ग रीजन्स ट्रेंड तो बिहार कर रहा है ना और पहली बार नहीं मैंने एक तरह से पहली बार हुआ मुझे पता चला कि कर्पूरी के शिष्य लोहिया के शिष्य जयप्रकाश के शिष्य इतना बड़ा पलटी इतना मैंने इतनी बार पलटी मारते हैं यही उन्होंने सीखा है यह पहली बार हमने जाना और हम लोग अपने बच्चों को जब नीतीश कुमार का बायोग्राफी पढ़ाएंगे ऑटोबायोग्राफी नहीं उत लिखेंगे नहीं तो इसमें यही पढ़ाएंगे कि बिहार के एक मुख्यमंत्री थे जिनका नाम नीतीश कुमार था वो जब मंत्री इधर चल जाते थे पुखरा के जाट बने हुए थे उन्हीं के इर्द-गिर्द जो है घूमते थे पर इसमें फायदा किसको होता दिखेगा तात्कालिक और दीर्घकालिक शॉर्ट टर्म फायदा किसको होता दिख रहा है बीजेपी 400 की ठोक रही थी पर जरूरत पड़ गई ना नीतीश की तो उनके भी पेट में कहीं दर्द था आशंकाएं थी कहीं ना कहीं तो वो आशंकाएं अब दूर हो जाएंगी और और केमिस्ट्री नीतीश मोदी की यानी कि बीजेपी जेडीयू की नैया पार लगाएगी आप हमको ये बताइए कि ये पहले भी बीजेपी के लोग कहते थे कि हम चालीस जीत रहे हैं अब कह रहे हैं कि चालीस जीतेंगे तो पहले मैंने नहीं चालीस जीत रहे थे तब ना आप कह रहे हैं कि चालीस जीतेंगे अब बताइए अर्थबेटिक जो है और केमिस्ट्री की के जो बात करते हैं मुझे जो लगता है कि अभी जो लड़ाई है बराबरी बराबरी की है और हमें हाँ... मतलब आप कह रहे हैं बीजेपी तो कुछ इलाकों में अपनी मजबूती बनाए हुए थी उसको जरूरत पड़ती थी पिछड़े अति पिछड़े वोट बैंक की क्योंकि अगड़ा उनके साथ था नीतीश को साथ लाने के बाद वो इजाफा नहीं होगा जितनी उनकी आशंकाएं थी कि भाई कहीं हम 20 से नीचे भी ना चले जाएं उसमें इजाफा नहीं होगा मुझे लगता है कि लोगों के बीच में खास तौर से युवा के बीच में ये कास्ट पीपल उसको लगता है, मोह लगता है है मोह कि ना होला बताइए इसका क्या दोष था क्या मैंने क्या ऐसा किया नीतीश कुमार जो कहते हैं कि कुछ गड़बड़ होता है क्या गड़बड़ था जिस मंच पर आप रहते थे जिसके अध्यक्षता आप करते थे बतौर मुख्यमंत्री रहते थे और ये लड़का रहता था बोलते थे कि पांच के पहले कुछ होता था जी क्या होता था जी ए, कुछ होता था अब वो वहां सुन रहा है उसके सामने आप बोल रहे हैं फिर भी वो कुछ नहीं बोल रहा है उसके मंत्री को बिहार का, का भविष्य भी बताया तेजस्वी को और में की मुख्यमंत्री अपना उत्तराधिकारी बताया उन्होंने तुम ही ना बनोगे जी हमारा उत्तराधिकारी बोले ना रे बोले ना तुम्हें बनोगे उत्तराधिकारी उसके मंत्री को उस मैंने राजद कोटे के मंत्री को आप सार्वजनिक तौर पर कहते हैं कि बेईमान है ये नैतिकता की बात हो गई कृष्णा बेलारी मैं सीधा राजनीतिक विशुद्ध राजनीतिक सवाल पूछ रहा हूं 24 के चुनाव में फायदा हो जाएगा एनडीए को और इंडिया की गत हो जाएगी रचयता ही हट गए इंडिया से तो इसमें नैरेटिव क्या जाता है आम आदमी के सामने संदेश क्या जाता है। अब जो लोग भी समझते थे उनको कि प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट हैं तो वो तो खूंटा ऊंटा लेकर के भाग गए अब क्या प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे और वो जो समझ सोच वो अब देखिए मैं कह रहा हूं कि लड़ाई जो है वो बराबर बरा, बराबर ये सिर्फ 24 के चुनाव तक का गठबंधन है उसके बाद बिखर जाएगा 24 के चुनाव के बाद अगर मान लीजिए कि लोग कहेंगे कि आप मुख्यमंत्री पद के छोड़ छोड़िए तो फट दिन फान के उधर चले जाएंगे और फिर सरकार बना लेंगे और राजद भी बना देगी और फिर उसमें भी जैसे डी पी सीएम हो जाएंगे वो तो ये अंतहीन धारावाहिक की तरह हो जाएगा लेकिन यहां पर बीजेपी ने जो ये दांव खेला है देखिए मौका परस्ती की जब बात होती है तो नीतीश कुमार का नाम सबसे पहले आ रहा है राजद ने भी भाई लोगों ने 2020 में जो जनादेश दिया था वो बीजेपी और जेडीयू की सरकार को दिया था आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी भले ही क्यों ना हो लेकिन उसे जनादेश बिहार पर राज करने का नहीं मिला था तो दो में उन्होंने नीतीश के साथ हाथ मिलाया मौका परस्ती उन्होंने की उन्होंने भी की तो हमाम में तो सभी नंगे हैं पर बीजेपी ने भी यह मौका परस्ती की है यह तात्कालिक लाभ के लिए यह गठबंधन बना है क्या प्रोफेसर संजय, चूंकि आप पाटलिपुत्र की धरती पर हैं मैं पहले तो आपको स्वागत करता हूं एक पंक्ति से मैं अपनी बात को शुरू करता हूं विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही धरापर धूम भिक्षु होकर रहते सम्राट दया दिखलाते घर घर घूम विरासत में जिनको राज्य मिलता था गौतम बुद्ध हों या महावीर हों उन्होंने राज्य को छोड़ा और ज्ञान को उन्होंने प्रमुखता दी यहाँ लोकतंत्र में जनता ताकत देती है जो सवाल आपके हैं जनता आपको मैंडेट देती है और आप जनता के मैंडेट की अवहेलना करते हैं मैंडेट किसी और के साथ मिलता है सरकार किसी और के घर तो वापसी हो गई मैं इसको इस रूप में नहीं मानता हूं मैं मानता हूं कि सिद्धांतों की बलि चढ़ा दी जाती है तर्क ढूंढ दिए जाते हैं अभी कन्हैया भाई से मैं पूछ रहा था कि यह बताइए कि पार्टी के जो नेता हैं उनको इतना आत्मविश्वास कहां से आता है कि गठबंधन बदलते ही शब्द बदल जाते हैं उनके भाव बदल जाते हैं उनके विचार बदल जाते हैं सब कुछ अच्छा लगने लगता है और जब वो गठबंधन से दूर चले जाते हैं तो सब कुछ बुरा कैसे लगने लगता है तो मैं मानता हूँ कि सत्ता के समीकरण को साधने के लिए सिद्धांतों नीति और मूल्यों की बलि चढ़ा दी जाती है मैं मैं तो आपसे डिस्कस कर रहा था कि जहाँ तिरानवे लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे है वो कौन से बिहार की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि जो 18 साल उन्नीसवा साल लग गया नीतीश कुमार सरकार में रहे उसमें लगभग साढ़े सोलह सत्रह साल तो बीजेपी उनके सहयोगी थी तो जब आरजेडी के साथ आए तो जंगल राज आ गया बीजेपी के साथ चल रहे नीतीश कुमार तो कोई जंगल राज नहीं वो सुशासन बाबू हो जाते हैं तो क्या बीजेपी जो कार्यकर्ता है जो यहां के नेता हैं, भाई तैयारियां हो रही थी ना 2024 के चुनाव की लोगों को लगा दिया गया अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में तीस बत्तीस बीजेपी खुद लड़ती बिल्कुल तो बाकी लोग अब कहा जाएंगे क्या अंदर खाने कुछ नाराजगी है या दिल्ली में बैठे जो हम नेशनल मीडिया वाले हैं कीजिए तो खेला हो गया और बम बम और एनडीए की नैया पार लग गई भाई कभी ऐसा होता था कि कांग्रेस के समय में एक आला कमान का फरमान जारी होता था कि केंद्रीय नेतृत्व तय कर देता था आला कमान ने आदेश दे दिया चीज़ें उसी के अनुसार हो जाती है बीजेपी भी अब उसी सिद्धांत पर चलती है कि केंद्रीय नेतृत्व और उसके एक बड़े लंबरदार अमित शाह जी यही झंझारपुर में आकर के बोले थे कि दरवाज़ा बंद है और कल मैं एक बड़े बीजेपी के नेता को सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि दरवाज़ा तो छोड़ दीजिए दीवारें तक टूट जाती है उन्होंने वर्लिन तक चले गए कि जब जर्मनी की दीवार टूट सकती है तो ये कौन सी दीवार है तो सत्ता का समीकरण जहाँ सूट करता है और चालीस लोकसभा की सीटें चालीस लोकसभा की सीटों को साधने के लिए सारे सिद्धांतों मूल्यों की बलि चढ़ा दी जाती है और वहां पर फिर कहते हैं कि नहीं एनडीए मजबूत होता दिख रहा है एनडीए बिखरता दिख रहा है या इसके विपरीत होता दिख रहा है ये तो जनता पर छोड़ दीजिए क्योंकि जनता के अंदर भी क्योंकि ये जो बिहार है ना जिस मोक्षदायिनी गंगा के किनारे खड़े हैं और सामने जेपी सेतु वो जयप्रकाश जिसने सत्ता को कभी चिमटे से भी नहीं छुआ बदलाव का वो बाहक रहे थे वो जयप्रकाश की भूमि का ये बिहार यहाँ की जनता पॉलिटिकली बड़ी है, बड़ी है। है बड़ी अभिषेक क्या कि ये जुआ भी खेला है नीतीश कुमार ने और समाजवादी विचारधारा के पुरोधा होने के नाते अब यहां पर प्रोफेसर संजय कुमार भी ये सवाल उठा रहे हैं समाजवादी विचारधारा को कलंकित कर दिया क्या ये आरोप रामविलास पासवान गुट जो है एलजेपी का उनके मुख्य प्रवक्ता लगा रहे हैं देखिए ये सारे आरोप निराधार हैं समाजवाद की विचारधारा को किन्ने बुलंद किया है ये सब ने देखा है जेपी लोहिया कर्पूरी की विचारधारा पर कौन सी पार्टी चलती है यह भी हर कोई जानता है अपने परिवार के सदस्यों को आगे नहीं बढ़ाया है यह भी हर कोई जानते हैं जो भी पार्टियां हम पर आरोप लगाती है जरा उनसे एक बार पूछ लीजिए कि उनके यहाँ परिवारवाद और वंशवाद कितना हावी है जेडीयू अब अब कितनी सीटों पर लड़ेगी देखिये ये तो आने वाले भविष्य में आपको मालूम चल जाएगा समन्वय तो बन ही गया है सत्रह मतलब सत्रह तो होनी चाहिए ना सत्रह तो आरजेडी के साथ भी उस बात पर भी झगड़ा चल रहा था कि नहीं मुद्दा वो नहीं है सोलह हमारे सांसद जीत कर आए हैं तो सोलह तो हमारा स्वाभाविक दावा है ही सत्रह सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ी थी लेकिन हमेशा हमारी पार्टी ने कहा है कि बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बिहार के लोगों की भलाई के लिए हमेशा हम बड़ा दिल दिखाते हैं विधानसभा चुनाव तो अब जल्द नहीं होंगे ना विधानसभा चुनाव कब होंगे यह तो आपके सामने है फिलहाल तो थोड़ा बता दूं मेरी जानकारी दुरुस्त कर देना मैं थोड़ा अज्ञानी किस्म का आदमी हूँ <laughs> वो लालू प्रसाद यादव से भी यही बात हो रही थी कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव साथ होने चाहिए बीजेपी के साथ भी ये बात हुई तो बात वहां बनी क्या ऐसी कोई बात नहीं है संदीप जी ऐसी कोई बात नहीं है फिर वही बात है कि सूत्रों के हवाले से आपके सूत्रों के हवाले से नहीं पेट में थोड़ा दर्द नीतीश कुमार के ये भी था कि अरे भाई मेरे पास 45 विधायक हैं वो बीजेपी भी मुझे आईना दिखा देती है आरजेडी भी दिखा रही है अब मुझे 45 की पैंसठ सत्तर करनी है तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ करवा दिए जाए ये नीतीश कुमार जी के पेट में दर्द भी नहीं होता है मन में डर नहीं होता है चूंकि दो लाइने हैं कि जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता और हम वहाँ भी कदम रखते हैं जहाँ रास्ता नहीं होता और नीतीश जी तो रास्ता बनाते हैं और उस रास्ते पर बिहार आगे चलता है बिल्कुल सरकार बदल जाती है, मुख्यमंत्री नहीं बदला हमने तो कहा ना कि हमारा स्टैंड कहाँ बदला है नीतीश कुमार जी सूबे के मुख्यमंत्री थे हैं और आगे भी रहेंगे मृतंजय तिवारी सीटों के बंटवारे में थोड़ा पेंस था ना ये सत्रह सत्रह वाला खेल देखिए जो सम्मान आदरण नीतीश कुमार जी को हमारे नेता डिप्टी सीएम श्री पूर्व डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने दिया वो लोगों ने देखा गांधी मैदान में जब नियुक्ति पत्र बट रहे थे तो नियुक्ति लेने वाले लोगों को खड़े करके माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए तालियां बजवाई थी इश्तिहार आज सारे अखबार पटे पड़े थे इश्तिहारों के

सकारात्मक राजनीति में विश्वास हमारे नेता रखते हैं और जनता के प्रति जो भरोसा और विश्वास तेजस्वी यादव जी ने इस कम उम्र में जीता है वो और बढ़ेगा आगे आगे देखिए होता है कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है देखिए ये सब तो शीर्ष नेतृत्व का विषय है जब सीटों का बंटवारा होगा पहले भी हम लोग वहाग तो कब होगा शुभ मुहूर्त कब निकालने वाले हैं तो बहुत जल्द हो जाएगा पहले इन सारी चीजों नीतीश चले गए ममता बनर्जी कह रही है मैं अकेला लड़ूंगी भगवंत मान कह रहे हैं आम आदमी पार्टी तेरह की तेरह लड़ेगी पंजाब में तो वो इंडिया गठबंधन बचा भी है देखिए गठबंधन दलों का होगा जनता सबसे बड़ी ताकत होती है लोकतंत्र में और जनता ने मोदी जी के खिलाफ अपना गठबंधन कर लिया है कि केंद्र की सत्ता से मोदी के मोदी के सामने कौन इंडिया की तरफ भाई ये तो विषय बाद में हम अब ये हर चीज बाद में हमारे पास इतने विकल्प है हम सामूहिकता में विश्वास करते हैं वहाँ वन मैन सा, सामूहिकता दिख रही है हाँ तो दिख रही है ना कि किस तरह से जोड़ तोड़ भगवान राम भी जब बेड़ा पार लगाने में अब विश्वास नहीं रहा तो अब ये सब कर रहे हैं ऐसी सत्ता को हम चिमटे से भी नहीं छूना पसंद करेंगे ये अटल जी ने कभी कहा था उस समय हम स्टूडेंट थे, जीतन थे। राम तक को प्रस्ताव देते भाई हम कौन कह रहा, रहा तो है तो अगर होना होता और कुछ करना होता तो आज ये सरकार शपथ नहीं ले पाती है जान लीजिए या इसी सत्ता को नरेंद्र मुन्ना अभी थोड़ा सा असमंजस है आप इंडिया में भी आ सकते हैं क्या तेजस्वी के साथ भी हाथ मिला सकते हैं इंडिया से देखिए संदीप जी एन तो निकल गया ना जो न्यू रखा था उसका नीतीश कुमार कैपिटल एन पूरे सूत्रधार ये लोग कहते थे उससे इंडिया से तो एन बाहर हो चुका है अब इंडिया में बचा कौन है कौन वहाँ आना चाहेगा हम लोग बिल्कुल आदरणीय नहीं है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश को आगे लेकर के जाना चाहते हैं और वैसे भी हमारे नेता चिराग पासवान जी आप ही लोगों ने उनका उपनाम हनुमान के रूप में दिया है हाँ। हम कभी भी एनडीए से बाहर भी गए किसकी लंका में आग लगाने वाले इन लोगों की लंका में आग लगाएंगे अच्छा नीतीश कुमार भी तो विभूषण है वो लंका से आए है ना मुझे पता नहीं उन पर आग? मुझे कोई नहीं कहा ना ये जवाब दे सकते हैं जी ऐसा सब विभीषण विभीषण को कोई अगर उस रूप में नहीं लेना विभीषण अगर नहीं आते तो रावण की नाभि का पता कौन बताता तो तो नीतीश कुमार जी वहाँ जाके उनके नाभि का सब पता उता कर लिए हैं अब बड़ा कह रहे थे कि चाचा को बहुत इज्जत दिए दो फीता दो कैची लेकर घूमते थे किसी चीज का उद्घाटन होता था तो दो फीता दो कैची कैंची लेकर घूमेगी एनडीए एनडीए में कितनी कैंची लेकर नहीं के के पाठक जी के इंजेक्शन का दर्द ऐसा की इनके शिक्षा मंत्री यहाँ पर कैंची तक बात आ गई है गंगा मैया के किनारे हम खड़े हैं पाटलिपुत्र में तो बिहार में खेला तो हो गया लेकिन खेला का अंतिम अध्याय यानी कि वो मुकम्मल हो गया है क्या ये अभी देखने वाली बात है 2024 तक के लिए ये गठबंधन है आगे चलेगा क्या कोई सिंपथी फैक्टर होगा या अरिथमेटिक केमिस्ट्री काम करेगी मोदी और नीतीश कुमार की एनडीए का बंटाधार हो गया है या उसे और ताकत आने वाले दिनों में मिल सकती है कि भाई जो लोग विभीषण साबित हुए अब वो हट गए हैं या टाइम इज रनिंग आउट नमस्कार मैं हूं संदीप चौधरी आज सीधा सवाल मैं सीधे पटना बिहार की राजधानी पटना से कर रहा हूं पाटली पुत्र से गंगा किनारे हूं मैं यहां मेरे बाई और गंगा नदी बह रही है यह सोनपुर का पुल है मरीन ड्राइव कहते हैं इसे दीघा घाट है लेकिन बिहार में क्यों हूं यह आप जानते ही हैं बिहार में सरकार बदल गई है मुख्यमंत्री वही है ये अपने आप में एक बड़ी कहानी कहता है नौवीं बार नीतीश कुमार ने बतौर मुख्यमंत्री आज शपथ ली उनके अलावा आठ और विधायकों ने मंत्री पद की भी शपथ ली उसमें दो उप मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ हो लिए हैं वो बीजेपी जिन्हें वो सांप्रदायिक बताते थे सौहार्द बिगाड़ रही है देश को तोड़ रही है और इसीलिए इंडिया गठबंधन के रचयिता भी बन गए थे कि बीजेपी को बहुमत नहीं लाने देंगे 200 सीट नहीं लाने देंगे 100 का आंकड़ा पार नहीं करने देंगे लेकिन अब वो बीजेपी के खेवनहार की भूमिका में भी साफ आते दिखाई दे रहे हैं तो ये जो नई सरकार है दरअसल क्या नए राजनीतिक समीकरणों की ओर भी इशारा कर रही है अब राजनीतिक समीकरण क्या है नीतीश कुमार एनडीए में आने से एक अरिथमेटिक होता है और एक केमिस्ट्री अंक गणित और रसायन शास्त्र यह हमने देखा है 2019 के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू साथ आते हैं तो कमाल का राजनीतिक खेल भी होता है चालीस में से उनतालीस सीटें बीजेपी और जेडीयू जीतने में कामयाब हो गई थी एनडीए जीतने में कामयाब हो गया था तो 400 पार अब की बार 400 पार इस बात की ताल ठोकने वाली बीजेपी उन्हें दरअसल नीतीश कुमार जिनको वो पलटू राम मौका परस नमजान ने किन किन संज्ञाओं से नवाजते थे और कहते थे कि दरवाजे बंद अब कोई रास्ता नहीं कि नीतीश वापस आ जाएं उनके लिए कालीन बिछा दिया बीजेपी ने क्या लड़ाई है 2024 की कि भाई इंडिया का जो गणित बन रहा है वो बिहार में नुकसान ना पहुंचा दे तो नीतीश कुमार को अगर हम ले आते हैं तो इंडिया धाराशाही हो जाएगा और नीतीश कुमार ये जानते बूझते कि 45 विधायक हैं और बीजेपी के रहमो कर्म पर अब आगे का राजनीतिक जीवन बिताना पड़ेगा उन्होंने ये इतना बड़ा दाव क्यों खेला है वो अपना रसूख अपनी वक्त और राजनीतिक गणित में इजाफा करना चाहते हैं क्या कि बीजेपी के साथ रहेंगे सांसद सत्रह में से सोलह जीते थे और पैतालीस की जगह और बढ़ जाएगा विधानसभा चुनाव आते आते आंकड़ा पर यहां पर सवाल ये भी है ये सरकार कितने दिन चलेगी क्या ये तात्कालिक लाभ के लिए यह गठबंधन बना है और लोकसभा चुनाव के बाद खेल फिर शुरू हो जाएगा क्या तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि अभी खेला होना बाकी है 2024 के अंत तक जेडीयू खत्म हो जाएगी तो अस्तित्व पर जुआ खेल दिया है क्या नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी एक वक्त पर और नीतीश कुमार के भी उपाध्यक्ष बना दिया था उन्होंने जेडीयू का प्रशांत किशोर को प्रशांत किशोर कह रहे हैं लोकसभा चुनाव खत्म होने दीजिए छह महीने में यह सरकार गिर जाएगी तो क्या पच्चीस तक यह सरकार टिक पाती है लेकिन उससे बड़ा सवाल इंडिया के खांचे में ढांचे में ऐसी सेनमारी कर दी कि ताश के पत्तों की तरह यह गठबंधन बिखर जाएगा टूट जाएगा इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि जेडीयू और उनके मुख्य जो प्रवक्ता हैं केसी त्यागी वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की नीतियों के चलते और उसके कुछ ऐसे बर्ताव के चलते किसी सीटों तो का बंटवारा नहीं